Okay, so hello everyone and welcome to so, पहले तो मुझे ये बताओ क्या आप सभी खाना खा पी के बैठेंगे नहीं बैठे मैं आपसे कुछ और नहीं पूछूंगी मैं आपसे कुछ और फालतू तो बात नहीं करूंगी मैं आपको बस ये कहूंगी देखो सेशन जो हमारा है आज हम स्टार्ट करने वाले आज हमारी शुरुआत है आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम शुरू कर रहे हैं हमारे सिलेबस को बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल पागलों की तरह शुरू हो जाएंगे शुरू करेंगे अच्छे से करेंगे हमारे पास दिन है उसका प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे आप सभी को देखो मैं ज्यादा आपको इधर उधर की बातें नहीं घुमाऊंगी सिंपल बात अपना खाना पी के खा पी के बैठना भैया ग्यारह बजे का सेशन रखा ही इसलिए है नहीं तो मैं दस बजे करना चाह रही थी तो मेरे को है कि भाई सब खाना पीना खा के बैठो अपना पेट और दिमाग दोनों शांत होना चाहिए ठीक है ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे ऐसा नहीं है कि पूरा दिन पढ़ना है बेटा पंद्रह दिन है पूरा दिन पढ़ने के भी चार पांच दिन आपको कराऊंगी बट फिलहाल जो आपको अपना माइंड फ्रेश रखना है क्योंकि सीयूटी का सीयूटी का पेपर भी आगे आना है नीट का पेपर भी आगे आना है है ना तो ऐसा नहीं है कि भी बर्डन ले लेना है चीजों को और लाइट अप तरीके से करेंगे फिजिक्स का पेपर हुआ केमिस्ट्री का पेपर हुआ अच्छा हुआ बुरा हुआ इस कोई बात नहीं हो गया सो हो गया बीत गया हमारा काम है कि हम ये वाला पेपर अच्छे से करें ठीक है एवरीथिंग आपकी बिल्कुल दंड नाटक दंड़न होनी चाहिए मेरे को ठीक है मैं नहीं चाहती कि आप फिजिकली मेंटली किसी भी तरीके से परेशान रहें सो so, चल करो पांच दिन हमारे पास है पूरा थियोटिकल पोर्शन में आपको कराऊंगी, ठीक है तो सीधा स्टार्ट करें सीधा स्टार्ट करें और हाँ ठीक है बेटा फिजिकल एजुकेशन का हम जरूर देखेंगे अगर कुछ हो पाया तो फोर शोर हम जरूर देखेंगे अब देखो मेरी बात सुन लो तुम एक बार ना आप सबको पता है ना कि हमारी 10 मार्च को एक लंबी मैराथन जाने वाले तो सीवी टी ट्वेंटी फोर सेवन के चैनल पे जाओ और वो लंबी मैराथन है उसको एक बार अपना रिमाइंडर में डाल दो उसको अपनी प्ले में डाल लो डाल लो उसको वॉच करने के लिए लेकिन तुमको देखनी है वो ठीक है और कल रिप्रोडक्शन करेंगे वो भी मेकअप को शुरू कर ले ज्यादा दूर की बात ना करके और हाँ तुम कोई मतलब ऐसा तुमको मैं युद्ध में नहीं उतार रही हूँ अभी तो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो ठीक है सो आपको प्यार से सहजता से मैं लेके चलूंगी तो ज्यादा टेंशन मत लेना शुरू करें चलो तो आज की हमारी यूनिट जो है वो है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन जेनेटिक एंड इवोल्यूशन की बात करूं तो फिर आपको मैम पीडीएफ तो बता दो कहा टेलीग्राम है कम्युनिटी तो है, है। so, uh, बायोलॉजी बाय सोनिया चहल मैम करके ढूंढ लेना मिल जाएगा ठीक है चलिए तो आज हम सबसे पहले जो शुरू करने वाले हैं वो ये वाला शुरू करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये शुरू करेंगे हम वेरी फर्स्ट तो आपको पता ही होगा अरे इन बाबा जी को क्या हो गया ये कैसे इनका अजीब अजीब सा चित्र हो गया चलिए तो आज का हमारा है प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ठीक है तो आपको बेसिकली कुछ चीज़ें अच्छे से मालूम होनी चाहिए जैसे कि हेरिडिटी क्या होता है वेरिएशन क्या होता है हेरिडिटी क्या होता है जैसे कि आपने कई बार देखा है ना फीचर्स को बोलते थे मम्मी जैसा दिखता है या अपने पापा जैसा दिखता है है ना उनके बाल इसके जैसे इसकी आँखें अपनी मम्मी पर गई है है ना इसका ना नाक जो है ना इसकी बुआ पे गया है ऐसा कुछ हम बात करते हैं ना घरों के अंदर जब कोई बच्चा पैदा आता है ना तो दैट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी यानी कि कोई फीचर जो है कोई भी फीचर जो है या कोई पर्टिकुलर ट्रेट जब आप एक पीढ़ी से एक जनरेशन जेनरेशन से नेक्स्ट जेनरेशन में पास करते हो दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी हेरिडिटी आप उसको चीजों को कैरी कर रहे हैं और यू कैन से इनहेरिटेंस जब आप उस चीज को ले रहे हैं तो दैट इज इनहेरिटेंस और वो प्रोसेस पास होने की दैट इज हेरिडिटी एक ही चीज है हल्का फुल्का अंतर है जैसे कि हम मूवी में देखते हैं ना कि ये ले बहू हमारे खानदानी कंगन है ना तो वो जो कंगन वो देती है सासू माँ बहू को दैट प्रोसेस देने की प्रोसेस ऐसे ही ट्रेट हमारी जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा दैट प्रोसेस दैट प्रोसेस इज हेरिडिटी बट वो जो एक्सेप्ट कर रहा है ना उस फीचर्स को दैट इज इनहेरिटेंस कि उसने इनहेरिट किया है इनहेरिट किया लिया है वो ठीक है चलो अब वेरिएशन क्या आएगी देखो अब ऐसा नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स से बिल्कुल हंड्रेड एंड टेन परसेंट वेरियर सिमिलर होते हैं थोड़ा होता है ना ना तो हम 100 परसेंट अपनी मम्मी जैसे ना हम 100 परसेंट अपने पापा जैसे थोड़ा बहुत हमारा डिफरेंस है क्योंकि पता है ना हाफ ऑफ द मम्मी या पापा से ही आते हैं हाफ हाफ का वेरिएशन रहता है तो दैट इज वेरिएशन कि जब आप अपने पेरेंट्स से डिफर करते हैं दैट इज वेरिएशन सिंपल सिंपल शब्दों में बिल्कुल फटाक फटाक चीजें लेके चलेंगे ज्यादा नहीं अब यहाँ पे आपको कुछ बेसिक चीजें टर्मिनोलॉजी टर्मोलॉजी क्लियर होनी चाहिए आपकी अदरवाइज दिक्कत

करता है कि नहीं करता है कोई भी चीज़ है कोई भी फीचर है कोई भी आ, ट्रेट हमारा एक्सप्रेस हो रहा है वो किस वजह से एक्सप्रेस हो रहा है वो डी की वजह से एक्सप्रेस हो रहा है है ना ये हमारा ब्लू प्रिंट है जब हम इसको पैक करते हैं है ना छोटे छोड़ छोटे सेगमेंट्स होते हैं इसके अंदर डी तो पूरा लंबा छोड़ा होता है, है ना वन मीटर है कि नहीं पढ़ा है ना थ्री आ, <coughs> थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन की पावर नाइन बेस प्यर्स पढ़ा है ना मोलिकलर कभी कभी तो बेसिस आया होगा सामने तो वो इतना लंबा चौड़ा आपका डीएनए है तो क्या वो सारा का सारा एक साथ काम करता है नहीं वो टुकड़ों में काम करता है जिसको हम हम जीन कहते हैं हैं ठीक है बट इस डीएनए को जब पैक करते समझो इस बात को जब हम इस डीएनए को पैक करते हैं तो पैक होकर किसके फॉर्म में जाता है क्रोमोजोम में जाता है यानी क्रोमोजोम के पास वो डीएनए है जो कि पैक्ड फॉर्म में है प्लस कुछ हिस्टोन प्रोटीन है प्लस कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन है क्लियर है ये चीज क्या ये बात क्लियर है कि यहाँ पे दोनों ही चीज आपके पास मिलेंगी डीएनए के अंदर आपको बहुत सारा ब्लूप्रिंट है वो चीजों को बता रहा है कि कैसे करना है क्या करना है कैसा आपको प्रोटीन बनाना है कैसा करेक्टर एक्सप्रेस होएगा बट उसको जब हम पैक करते हैं ना तो वो कंडेंस्ड फॉर्म में आता है हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन के साथ आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियोजोम तो क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो जाता है और ऐसे ऐसे कितने क्रोमोजोम ह्यूम के अंदर कितने होते हैं अगर तुम ह्यूमन की बात करो तो ह्यूमन के अंदर ऐसे फोर्टी सिक्स आते हैं राइट फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम होते हैं है ना इसके आगे भी बताऊंगी मैं चीजें अब फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम आपके जो है ना इसके अंदर आपको एक डिप्लॉइड इन हैप्लॉइडी का पता चलता है जैसे कि आपके पास अगर फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम है तो आप कैसे हो जाते हैं डिप्लॉइड हो जाते हैं पर जैसे ही आप हैप्लोइड में आ जाते हैं यानी कि फोर्टी सिक्स से आप ट्वेंटी थ्री में आ जाते हैं तो आप हैप्लोइड हो जाते हैं इसका मतलब क्या है देखो बेटा यहाँ पे आपके पास 23 जो क्रोमोसोम्स हैं ये पेयर्ड हैं वो क्या है पेयर्ड हैं युगल बना रखा है जैसे कि कपल होता है ना लड़का लड़की कपल होता है इट्स लाइक अ कपल डिप्लॉयड सेट होता है आप सोचोगे मैम क्रोमोजोम 46 अरे 46 टोटल हैं बट अगर तुम सेट का नाम दोगे तो क्रोमोजोम सेट नंबर टू सेट नंबर थ्री फोर ट्वेंटी तक ठीक है और जब इसको हम सेपरेट कर देंगे और जो सेपरेशन कब होता है ध्यान है किसी को ये सेपरेशन हमारा मियोसिस से होता है जब भी कभी भी गेमेट फॉर्मेशन होता है कभी भी गेमेट फॉर्मेशन होता है तो वहां पे क्या हो जाता है ये सेपरेट हो जाता है।, है ना 46 से 23 हो जाता है हो जाता है ना तो ये क्या जाएंगे? हो जाएंगे हैप्लोइड हो जाएंगे यानी कि अब की बार ये सिंगल है अब की बार ये मामला कैसा चल रहा है सिंगल है ठीक है सिंगल मामला चल रहा है अब की बार कोई पेड़ नहीं है ठीक है चलो देखो बेटा अभी जो फिजिकल एजुकेशन के लिए बोल रहे हैं ना जो चीज अभी है उसका फायदा उठाओ फिजिकल एजुकेशन का अगर कुछ होगा जुगाड़ तो वो हम करा देंगे है ना बट अभी मत खराब करो उस चक्कर में ना कोई एक चीज बेहतर करने के लिए दूसरी चीज खराब नहीं करते होते ठीक है चीके? तो ये चीज तो सबको क्लियर है कि क्रोमोजोम का क्या सीन है डीएनए का क्या सीन अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो बच्चों के मन में आता है दैट इज जीन समझो मेरी बात को सुनो मेरी बात को जीन जो होता है ये समझो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है डीएनए का स्मॉल सेगमेंट या मैं कहूं स्मॉल फ्रेगमेंट या सेगमेंट जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो ये छोटे से छोटा सेगमेंट जो कि कोई पर्टिकुलर जो कि क्या करता है जो कि कोई पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करता है किसी पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करता है दैट इज चीन राइट अब तुम देखो हमारे पास मैंने कहा मेरी कर कर्ली हेयर्स हैं आपने आयुषी मैम से पढ़ा है ना आयुषी मैम के हेयर्स कितने ऐसा सॉलिड है है ना सॉलिड हेयर है मतलब ऐसे वी बाल जिसको बोलता है स्ट्रेट बाल है है ना तो लेट्स सपोज हम अपने घर से काम चलेंगे हम इधर उधर नहीं जाएंगे हम मैंडल बाबा को भी नहीं पकड़ रहे हैं लेट्स सपोज मैम मैम आर लवली इज हैविंग स्ट्रेट स्ट्रेट हेयर हेयर एंड ब्लैक तो मैं ब्लैक भी नहीं चाहती हूं फिलहाल मैं स्ट्रेट पे आती हूँ ठीक है तो सो देट तुम समझ पाओ स्ट्रेट हेयर है ना एंड योर सोनिया मैम मी आई एम हैविंग कर्ली हेयर नेचुरल कर्ल्स आई डोंट हैव टू डू रोड मुझे स्ट्रेटनर यूज करना पड़ेगा राइट योर सोनिया मैम इज हैविंग स्ट्रेट कर्ली हेयर्स राइट एक एक बात बताओ ये क्या है टेक्सचर है ना हमारे हेयर्स का टेक्सचर है ना तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी कैसा है ये स्ट्रेट हेयर जो आए होंगे इसका जो कोई पर्टिकुलर जीन रहा होगा इसका भी कोई ना कोई जीन रहा होगा है ना रहा होगा कि नहीं रहा होगा है ना टेक्सचर का जी रहा होगा सोचो so, मैं एच कर लेती हूँ कि बड़े वाला जो एच होता है वो स्ट्रेट हेयर बनाता है छोटे वाला एच आपका क्या बना लेता है कर्ली हेयर बनाता है दोनों का काम तो एक ही है चलो तुम टेक्सचर से ना समझो तुम कलर से समझो है ना हम कलर से समझ लेंगे हमारे पास कोई इतनी वो चीज़ नहीं है राइट अगर यहां से नहीं समझ आया तो दैट्स फाइन आई एम हैविंग ब्राउन हेयर ऑब्सी बात है इनके पास भी वो कलर का जीन रहा होगा एंड मेरे पास भी कलर का जीन रहे मेरे पास भी वो कलर का जीन है है ना बट स्टिल उन दोनों का जो इंपैक्ट है उन दोनों का जो फिनोटाइप है फिनोटाइप मतलब बाहर कैसे दिख रहा है डिफरेंट काम तो दोनों का ये भी भाई कलर का जीन है बालों को कलर देने वाला जीन है ये भी बालों को कलर देने वाला जीन है बट पंगा क्या चल रहा है पंगा ये चल रहा है डिफरेंट फिनोटाइप है तो जब ऐसे जीन्स आपको मिलते हैं ना जो डिफरेंट फिनो देते हैं बट उनका एट काम ये की, जैसे मैंने कहा हाइट हाइट मैंने कहा कोई एक डुआफ है मैंने कहा कोई टोल है तो डुआफ इज ऑल्सो ए हाइट ये भी किसी ने किसी जीन की वजह से आया होगा वो हाइट वाला जीन रहा होगा टोल वाला भी किसी न किसी हाइट के जीन से आया होगा

क्लियर है तो वो क्या है फोन तो एक ही है मॉडल एक ही है बट वेरिएंट वेरिएंट ऐसे करेक्टर तो एक ही है हाइट बट एक बहुत लंबी हाइट एक छोटी हाइट अलग अलग तो तब आप इनको एलील बोलते हो तो एलील का मतलब ये नहीं होता कि आंख का कलर बाल का कलर आपस में एलील हो गए ना सेम करेक्टर होना चाहिए तो यहां पे योर आयुषी मैम्स ब्लैक हेयर एंड माइंड ब्राउन हेयर इनके जो जीन है ना ये आपस में क्या हो गए दीज आर अलील सेम गोज हेयर की हाइट का जीन एंड ये ये हाइट का वाला जीन दीज आर एलील आपस में आप इसको क्या कहोगे एलील हालांकि अगर तुम देखो तो इट्स जस्ट जीन इसके अंदर कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है है ना क्या प्रॉब्लम की बात है न्यूमेरिकल भी कराएंगे माधव जो पेपर में आएगा वो कराएंगे हैव सम पेशेंस बेटा सब कराऊंगी स्टार्ट ही तो क्या है इट्स जस्ट स्टार्टिंग वेट ना ट्रस्ट मी ना चलो सो so, यहाँ पे एलील कोई जीन से डिफरेंट चीज नहीं होती हम एक चीज बोलते हैं ऑल्टरनेट फॉर्म ऑल्टरनेट फॉर्म क्यों बोलते हैं क्योंकि जीन और एलिल में इतना ही अंतर होता है कि आप जीन किसी भी एक छोटे से डीएनए सेगमेंट को बोल दोगे जो कि कोई, भी प्रोटीन रहा है, कोई भी आप उसको क्या कह दोगे उस सेट को एलील। और एलील जो है होमोलोगस क्रोमोजोम होता है होमोलोगस पे होता है अब आप होमोलोगस का क्या मामला है होमोलोगस का मामला समझो देखो तुम यहां से ना समझ जाओगे ये तुम्हारे फादर साहब इधर मेरे फादर साहब मान लो मानो तो ठीक है ये हमारी मदर है ठीक है हमारे फादर साहब डिप्लॉयड थे ठीक है थे ठीक है एन था जब इनका गेमीट बना यानी जब इनका स्पम बना तो स्पम इसका हैप्लोइड का था उसके अंदर सिर्फ एक ही आपका क्या था क्रोमोसोम ठीक है सोडज हेयर यहां पे भी हमारी मदर कैसी थी डिप्लोइड बट जैसे ही इनका एग बना ये भी कैसी हो गई हैप्लोइड है ना अब इन दोनों का फ्यूजन होगा ऑब्वियसली दे विल फ्यूज एंड दे विल फॉर्म अ zygote दैट इज डिप्लोइड इन नेचर तो यहां पे मेरा क्या बना डिप्लोइड इन नेचर है ये zygote बन गया अब देखो यहां से ना आपको कई चीज समझ में आएंगी आप डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करोगे ना वो वाला वापिस यहीं से कंसेप्ट क्लियर होगा जब आपने अपने फादर से ये क्रोमोजोम लिया ये जो क्रोमोजोम लिया यानी आपने अपने फादर से जो डीएनए लिया या आपने अपनी मदर से जो डीएनए लिया ये ऐसे के ऐसे आया है कोई इसमें चेंज नहीं आया क्या इसमें कोई चेंज आया है क्या इसमें कोई चेंज आया है किसी तरीके का नहीं ना ऐसे क्या ऐसे होगा विदाउट एनी ऑल्ट्रेशन विदाउट एनी ऑल्ट्रेशन जैसे पापा में है ना ऐसा ही हाफ डीएनए हमारा है वो डिपेंड करता है कि ये वाला आया कि ये वाला आया ठीक है ऐसे वाला आया कि नहीं आया मतलब वी आर हैविंग मदर्स एंड फादर्स एलील या डी एन एनी ऑल्टरेशन तो इसीलिए हम मैच भी कर पाते हैं ये बात अगर क्लियर है अब तुम समझो यहाँ पे क्या डिफरेंस है आपस में अभी ये जो जोड़ा बना है ना यहाँ पे भी बना है अब ये कैसे भी बन सकता है यहां पे भी यहां पे भी यहां पे भी कैसे भी बन सकता है जैसे कि जब भी पेड़ बनता है ये तो आपको समझ में आ गया कैसे चल रहा है अब देखो हो सकता है कि हमारे पास ये जो क्रोमोजोम है दिस क्रोमोजोम ये पेयर होगा डिप्लॉइड सेट में पेयर होते हैं होमोलोगस लोसाई होती ना इनकी जगह लोसाई सबने सुना होगा कि कोई भी जीन जहां पे प्रेजेंट होता है उसका एक लोकेशन होता है रहने का जगह होता है इसको लोसाई इसको तुम लोकस या लो, लोकाई भी बहुत सारे बोलते हैं है ना तो लेट कर लो ये वाला जो इंसान है ये वाला जो पेयर है दैट इज सेइंग कि मैं ब्राउन आई कलर दूंगा मैं ब्राउन आई कलर दूंगा ठीक है और ये वाला कह रहा है कि मैं ब्लैक आई कलर दूंगा कोई भी पेयर है किसी के अंदर भी ठीक है अब जब ऐसा पेयर किसी के अंदर बने ऐसे वाला अब देखो तुम यहां पे देखोगे ना तो दीज आर होमोलोगस क्रोमोजोम है ना जैसे क्रोमोजोम वन का सेट है दैट इज होमोलोगस अब तुम एक क्रोमोजोम नंबर वन का सेट उठा लो एक क्रोमोजोम चार का सेट उठा लो तो आपस में वो हेट्रोलोगस हो गए होमोलोगस हो जाएगा कि पेयर पेयर वाले की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे ठीक है तो यहां पे ब्लैक आई एंड ब्राउन आई ये दोनों कैसे शो कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट दिस आर कॉल्ड डिफरेंट ये अपना एक अलग डिफरेंट दे रहे हैं ये अपना एक डिफरेंट फिनोटाइप दे रहे हैं तो इनको हम क्या कहेंगे हेट्रोज इसको यहां लिखने की बजाय यहां लिख देती हूँ ओ शट अब देखो ये आपस में कैसे दे रहे डिफरेंट जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फिनोटाइप देने वाला पेयर होता है डिफरेंट फिनोटाइप देने वाला पेयर होता है तो आप उसको कहते हो हेट्रोजाइगस ठीक है सेम अगर अगर यहां पे ये यह मेरा जो क्रोमोजोम है चलो मैं इसको यहां नहीं यहां बना देती हूं क्योंकि हमको क्यों इतना ड्रॉ करना है हमारे उनको टाइम बचाना है अब यहां पे मान लो इधर ये कह रहा है कि भैया आपका जो आई कलर है ये तो आई कलर था अब यहां पे हम हाँ, हेयर की बात कर ले रहे हैं ये कह रहा है कि आपका जो हेयर कलर है ये ब्लैक होगा और ये भी कह रहा है कि जी आपका ना ब्लैक ही होगा ब्लैक ही हेयर कलर होगा यानी आपने यहाँ पे क्या देखा कि आपके पास जो पेयर था आपके पास जो एलील्स थे वो कैसा दे रहे हैं रिजल्ट सेम दोनों पेयर ये वाला भी आए या ये वाला भी आए दोनों क्या दे रहे हैं दोनों जीन्स यानी दोनों एलील्स कैसा इफेक्ट दे रहे हैं बेटा सेम इफेक्ट दे रहे हैं यानी कि यहां पे सेम फिनोटाइप जा रहा है अगर आपका सेम फिनोटाइप वाले सेम तरीके के सेम जीनोटाइप जब सेट आपके पास आता है दैट इज कोल्ड होमोजाइगस एलील इसको हम क्या कह देंगे होमोजाइगस एलील कह देंगे क्या इसमें कोई प्रॉब्लम थी सबको समझ आ रही है ना सबको समझ आ रहा है ना जिस जिसको समझ में आ रहा है ना किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो बहुत सारे गुलाबी दिल स्पैम कर देना है ना बहुत सारे गुलाबी दिल स्पैम कर देना ठीक है चलो आगे चले अब देखो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि क्या जीन होता है क्या एलील होता है तो अब हम मुद्दे पे चल सकते हैं तो देखो कहानी जो शुरुआत की हो रही है ना कहानी की शुरुआत जो है वो मैंडल बाबा से हो रही है देर वॉज अ बाबा जिसका नाम था मैंडल ग्रेगर जे मैंडल आपको भाई इज्जत से नाम लो भाई याद कराने का तरीका है कराना तो पड़ेगा ना पेपर में तुमको इज्जत याद नहीं आएगी ये लिखना हुआ याद आएगा ना तो हमारे पास एक बाबा साहब आते हैं जिनके नाम है ग्रेगर जे मैंडल ग्रेगर जे मैंडल देखते हैं वो अपने गार्डन में जाते हैं देखते हैं अरे ऐसे कैसे कुछ पौधे तो बिल्कुल छोटे हैं कुछ पौधे बिल्कुल लंबे हैं कुछ के फूल वाइट हैं कुछ के फूल वॉयलेट है ये क्या मामला चल रहा है तो क्यों ना मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा खोज वगैरह कर लूँ कुछ डिस्कवरी कर, कर लूँ ना चलो कल को बच्चों को पेपर देना तो भड़क तो देनी पड़ेगी ना उनको तो भड़क यहाँ से स्टार्ट हुई आपकी ठीक है उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो बिल्कुल बेसिक एक्सपेरिमेंट था हाइब्रिडाइजेशन का हाइब्रिडाइजेशन पता है ना जब आप कोई भी दो डिफरेंट चीज़ों को जो दो डिफरेंट फिनोटाइप दे रहा है हाइब्रिड कई तरीके से बनते हैं आप दो डिफरेंट स्पीशीज को मिलाओगे मतलब तो यहां पे वाला एक्सपेरिमेंट करेक्टर्स को लेके हुई थी जो कि ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी थी अब कहोगे ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी कैसे पहले मैं आपको बताऊंगी बट उससे पहले समझो कि सेवन करेक्टर्स कौन से थे जो उन्होंने लिए कई बार पेपर में एमसीक्यू में आ जाएंगे लिखने में नहीं आएगा एमसीक्यू में आ सकता है उसके पास सेवन वाले कौन से कौन से थे फ्लार का कलर पर्पल एंड वाइट डोमिनेंट वाला कौन सा था पर्पल पी का शेप राउंड ठीक है और इधर रिसेसिव में रिंकल्ड पी का कलर येलो ठीक है और आपके पास इधर रिसेसिव में ग्रीन अब तुम कौन सा वाला मटर खाते हो अच्छा मुझे एक बात बताओ जो नॉर्मल डे लाइफ में हम खाते हैं वो कैसा मटर खाते हैं वो हम रिसेसिव वाला मटर खाते हैं रिसेसिव वाला हरे वाला ना रिसेसिव मटर है ठीक है चलो का कलर कैसा था भाई इधर आपके पास डोमिनेट ग्रीन वाला था इधर येलो वाला था रिसेसिव में का शेप मतलब जो फूला हुआ हुआ था था एंड प्लांट की हाइट टोल इधर शॉर्ट फ्लार की पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल एक्सियल होता है बिल्कुल चोटी पे चीजें होना ये एक्सियल है यहाँ पे फूल हो बिल्कुल चोटी पे दैट इज एक्सियल और चोटी पे फूल ना हो साइड में फूल खिल रखे हो दैट इज टर्मिनल ठीक है तो आपके पास यहाँ पे पूरी लिस्ट गिवन है कि डोमिनेंट के अंदर पर्पल राउंड येलो मतलब पीड शेप पी शेप आपका राउंड पी कलर येलो पोड कलर ग्रीन पोड शेप इन फ्लैटेंट प्लांट हाइट टोल फ्लावर पोजिशन एक्सिल ये सारी डोमिनेंट थी अदर रेस्ट वॉज रिसेसिव क्लियर है चलो दिख जाएगा कोई बात नहीं कोई बात नहीं दिख जाएगा दिख जाएगा चलो आगे देखो अब यहाँ पे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करा उनको लेके तो उससे पहले तुम ये समझो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट क्या होता है ट्रू ब्रीडिंग प्लांट क्या है ये समझो उसके बाद ही तुम इसको आगे चीजों को कर पाओगे अच्छा साल याद करने की जरूरत नहीं है तुमको कहीं बोलो माम साल याद करा दो साल याद करने की जरूरत नहीं है पेपर में नहीं पूछा जाएगा चलो अब देखो यहाँ पे ट्रू ब्रीडिंग समझो पहले क्या है ट्रू ब्रीडिंग प्लांट क्या होता है पहले तुम ये समझ लो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट अच्छा इसको टुकड़ों में तोड़ के देखो ट्रू का मतलब क्या होता है सच्चा बट यहाँ पे हम सच्चे से मतलब नहीं रख रहे हैं यहाँ पे हमारा मतलब है जो कि आपका किसी पर्टिकुलर चीज को लेके क्या हो होमोजाइगस कंडीशन में हो हम ट्रू का मतलब यहां पे क्या लेके चलते हैं होमोजाइगस ठीक है कि हमने होमोजाइगस प्लांट चूज किया बट हमने उसको ट्रू ब्रीडिंग प्लांट में लेके गए मतलब कैसे कि आपने पहले एक टोल प्लांट को टोल प्लांट के साथ क्रॉस कराया इनका बच्चा क्या आया टोल टोल है ना इसको फिर से हमने ऐसे कराया इनका बच्चा कैसा आया ऐसे वाला इनको मैंने फिर से इससे कराया तो ये हमारा क्या आया ये तो यहाँ यहाँ पे जो ये मेरे रिसीव हुए हैं ना ये वाले ये 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 क्या है ट्रू ब्रीडिंग प्लांट यानी कि मैंने होमोजाइगोसिटी मेंटेन किया है तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का सीधा सा मतलब है कि आप होमोजाइगस स्टेज में हैं ये स्टेज आपने क्या किया है मेंटेन किया है इस बात का सिंपल सा ये मतलब है अंदर इसके अंदर इसका इसके अलावा कुछ और नहीं है ठीक है मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर ठीक देखो सुख ऐसा है कि हर किसी का अपना तरीका होता है तो क्यों ना तुम भी तुम्हारी पड़ोसी के बच्चे के जैसे काम कर लेते है ना अगर तुम तुम्हारे पड़ोसी के जैसे बच्चे जैसे काम कर लेते तो, तो क्या ही बात है है ना तो पढ़ लो बेटा जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना उसको इन चीजों फालतू बातों पर ध्यान नहीं देता वो अब यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की बात करते हैं पहले तुमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मतलब क्या है कि आप एक जीन को लेके बात कर रहे हैं कितने जीन को लेके बात कर रहे हैं एक जीन को लेके बात कर रहे हैं एक जीन का मतलब है कि हम सिर्फ यहाँ पे एक करेक्टर को लेके बात करेंगे कितने करेक्टर को लेके बात करेंगे एक करेक्टर को लेके बात करेंगे ठीक है किस करेक्टर को लेके बात करेंगे सिर्फ एक करेक्टर को लेके बात करेंगे ठीक अब ये करेक्टर कोई को भी हो सकता है है ना ये एक आपका शीड का शेप हो सकता है शीड का कलर हो सकता है फ्लार की पोजिशन हो सकती है फ्लार का कलर हो सकता है हम यहाँ पर जो लेंगे वो एक करेक्टर दैट इज हाइट हम यहाँ पे जो करैक्टर लेंगे वो करैक्टर क्या रहेगा हमारा हाइट ये बहुत सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे हम जो लेने वाले हैं वो क्या लेने वाले हैं हाइट लेने वाले ठीक है अब आप कहोगे मैम एक जीन को लेके हमने एक करेक्टर को लेके किया इस एक्सपेरिमेंट का क्या कोई नाम होगा इस इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को लेके जो हमने एक्सपेरिमेंट करा इसको लेके जो हमने एक्सपेरिमेंट करा उस एक्सपेरिमेंट को हमने कहा मोनो हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड क्रॉस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को यहाँ पे इसको हटा के यहाँ लिख देना चाहिए यहाँ से आप समझ जाओगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस अब इसको समझो थोड़ा ध्यान से ना प्यार से मोनो का मतलब क्या होता है वन एक कोई भी एक करेक्टर लो कोई भी एक करेक्टर लो ठीक है एक करेक्टर मोनो का मतलब यहाँ पे किससे है मेरा मोनो का मतलब मेरा यहाँ पे है एक करेक्टर से चलो मैंने वो करेक्टर क्या लिया वो करेक्टर मैंने लिया हाइट अब मुझे ये पता है कि हाइट के मेरे पास दो फोम हैं एक मेरे पास टोल फोम है एक मेरे पास डुआ फोम है है ना अलग अलग फिनोटाइप है हाइब्रिड किसका बनाओगे जब आपके पास दो डिफरेंट चीज़ें होंगी तो मैंने एक करेक्टर लिया है और मुझे ये पता है मेरे इस करेक्टर की मेरे पास दो फोम है एक डोमिनेंट फॉर्म है एक रिसेसिव फॉर्म है इन दोनों को लेके मैंने क्या कर दिया हाइब्रिड यानी कि मैंने क्या कर दिया मिक्सचर बना दिया एक मिक्स कर दिया मिक्स कैसे किया हमने कि हम नेटोल को और ड्वाफ को क्या करा दिया क्रॉस करा दिया और यहां पे क्या बन गई f1 प्रोजीनी बन गई तो f1 जो हमारा जो एक्चुअली में बना है दैट इज आवर हाइब्रिड यहां पे यह हमारा क्या बना होगा ये हमारा पहला हाइब्रिड बना है ना तो यही कह रहा है मोनो हाइब्रिड एक करेक्टर के फिनो को लेके हाइब्रिड बना दो फिर उस हाइब्रिड का क्रॉस कर दो फिर उस हाइब्रिड का क्रॉस कर दो यानी कि अब आप करोगे हाइब्रिड इन टू में हाइब्रिड इसके नाम से ही सब कुछ क्लियर है तो यहां पे आपकी क्या आ जाएगी एफ टू प्रोजानी आएगी तो इसके ऊपर हमको सारी बात करनी है पूरी समझ रहे हो पूरे की पूरी प्रोसेस इसके अंदर निहित है पूरी जो प्रोसेस है ना पूरी प्रोसेस यही है इसकी डेफिनेशन में है मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक करेक्टर को लो ऑब्वियसली बता करेक्टर का है ना उसके ट्रेट तो दो तरीके के है एक आपका टोल वाला ट्रेट है हाइट में एक डवाफ वाला ट्रेट है उनका हाइब्रिड बना दो मोनो हाइब्रिड एक करेक्टर को लेके हाइब्रिड बना दिया उस हाइब्रिड का क्रॉस कराओ तो करा दिया ना हाइब्रिड इनटू हाइब्रिड एफ टू आया ना हमारे पास एफ वन इंटू एफ वन तो एफ टू आया ना हमारे पास क्या इसमें कोई प्रॉब्लम थी बताओ ठीक है कलर चेंज कर लेंगे नो डाउट ठीक है देखो ऐसा है कि भाई मैं ना थोड़ा लिखने में थोड़ी वैसी हूँ राइटिंग मेरी इतनी बढ़िया नहीं है भगवान चाह रहा था कि मैं डॉक्टर बनूँ बट थिंग इज कि मेरी हैंड राइटिंग भी भगवान ने वैसी दी डॉक्टर वाली पर मुझे टीचिंग का पैशन था तो भगवान भी गाली दे रहा होगा एनी चलो यहाँ पे तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी कि एक करेक्टर को लेके हमने हाइब्रिड बनाया देन हमने उसको क्रॉस करा अब यहाँ पे देखिए कैसे मामला चल रहा होगा देखो आपने अपना एलील वेलील ये सारी चीज़ें देख रखी है पहले ऑलरेडी तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है है ना एनसीआर के डायग्राम्स एनसीआर टी के डायग्राम्स बहुत जरूरी है हाँ अरे जितना करा रही हूँ हेमंत बहुत मोर देन सफिशियंट है तो मैं बता रही हूँ इससे बाहर तुम्हारा अगर कुछ निकल जाए तो मुझे बता देना इससे बाहर तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आएगा पेपर में ठीक है अब देखो यहाँ पे कैसे किया भैया इन्होंने इन्होंने सिंपल सी चीज़ ली कि भाई पहले इन्होंने एक टोल लिया और दूसरी तरफ इन्होंने एक डुआफ प्लांट लिया है ना ऑब्वियसली बात है मेल फीमेल वाला पोर्शन लिया होगा ना मेल एंड फीमेल पॉलीनेशन कराया होगा ध्यान है है ना सबको एक वर्ड आता है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस जो हम रिप्रोडक्शन में आपको मैं पढ़ाऊंगी कि हम यहाँ पे अपनी मर्जी से पॉलिनेशन कराते हैं मर्जी से रिप्रोडक्शन कराते हैं तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है इसके अंदर ठीक है ना तो याद रखना ये हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं यहाँ पे हमको कन्फर्मेशन है कि ये टोल ही है ये डवाफ ही है और ये कैसे टोल है ये होमोजाइगस टोल है मतलब कि दो टी

मैंने पहले एफ वन क्यों लिखा कुछ ऐसी बने ये मेरी क्या है एफ वन प्रोजेन और यही हमारा क्या है हाइब्रिड अब तुम एक बात बताओ ऐसा कैसा आना चाहिए इसका रिजल्ट अब तुम तुमने तो पढ़ लिया ना उस टाइम पे मैंडल हैरान हो गया था मैंडल ने देखा कि मैंने तो टोल प्लांट लिया था मैंने यहाँ पे डवाफ प्लांट लिया था तो टोल और डवाफ उसको मैं मिक्स करूंगा तो थोड़ा बीच का हाइट आना चाहिए जैसे तो बहुत गर्म पानी और बहुत ठंडा पानी दोनों को मिक्स कर दो तो कोसा हो जाता है थोड़ा नवाया गुनगुना सा पानी तो ये थोड़ा गुनगुना एक्सपेक्ट कर रहा था बट हुआ क्या कि वो हॉट किस्म का पानी निकल गया एकदम से भैया यहाँ पे टोल और डुआफ का इसने मैं से सोचा था कि इन दोनों के बीच की हाइट आएगी बट यहां पे जो हाइट निकल के आई ये आपकी कैसे निकल के आई टोल निकल के आई मैंडल कन्फ्यूज चलो कोई बात नहीं मैंडल कन्फ्यूज तो इट्स ओके कोई बात नहीं उसने और आगे उसने बोला हिम्मत नहीं हारूंगा मैं आगे करूंगा उसने फिर भाई एफ को एफ के साथ क्रॉस कराया ठीक है उसने फिर क्या करा f1 को f1 के साथ क्रॉस कराया f1 को जब उसने f1 के साथ क्रॉस कराया यानी कि tt में tt लिया अब ऑब्वियस सी बात है भैया इन दोनों की तुम देखोगे तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है शुरू में बताया था ना होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस तो ये कैसी कंडीशन है हेट्रो ये होमो है दोनों जी एक से जैसे ही हेट्रो होमो है एक जैसे बट दिस कंडीशन इज हेटेरोजाइगस तो यहां पे जब हेटेरोजाइगस

तो कौन किसके साथ जा रहा है देर इज कुछ ऐसा नहीं है ठीक है कोई किसी के साथ भी जा सकता है प्रोबैलिटी देयर कि यहां पे ये जो इंसान है ये टोल कह रहा है मैं तो छोटू के पास जाऊं मेरे को तो छोटी बहन पसंद आई मैं तो उधर जाऊंगा या ये कह सकता है मैं इधर जाऊंगा अब जो चॉइस इसके पास है ना वो चॉइस इसके पास भी है इस, इसके पास भी है ये कह रहा है अच्छा तू क्यों जाएगा मैं जाऊंगा और मैं अपनी मर्जी से चाहे मैं यहां जाऊं चाहे मैं यहां जाऊं कहीं भी जाऊं

हमने गेमीट का टाइप रख लेते हैं वी हैव टू टाइप ऑफ गेमीट तो मैंने इधर टी एन टी ये रख लिया इधर से ये मेल वाला मान लो ये फीमेल वाला मान लो फिर हमने यहाँ पे टी एन टी इधर रख लिया ठीक है चलो अभी अब हम देख लेते हैं सारी प्रोबेबिलिटी एक दूसरे के साथ चली जाएंगी है ना अगर देखो ऐसा है अगर ये टी कह रहा है अगर ये टी कह रहा है मैं इस बड़े के साथ जाऊंगा तो है ना देयर इज चांस अगर ये कहे छोटे के साथ जाऊंगा तो ये वाला चांस आ गया और ये कह दे अच्छा तू क्यों जाएगा मैं जाऊंगा तो छोटे वाला टी है ना ये जाएगा इसके साथ

उसको नजर आया कि देखो ऐसा मामला है थोड़ा अजीबो गरीब है कि ये तो टोल है ये भी टोल है ये भी टोल है पर एक डुआफ निकला ये कैसे हो सकता है मैंने तो अब की बार टोल प्लांट लिया था इधर भी टोल था इधर भी टोल था ये चल क्या रहे टोल और डुआफ लिया तो मीडियम हाइट की बजाय टोल आ गया अब मैंने टोल टोल लिया तब ये डुआफ भी निकल के आ गया ये चल क्या रहा है बेचारा कंफ्यूज हो गया बट उसने थोड़ा दिमाग लगाया अब तुम लोगों को परेशान करना था तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना तो उसने दिमाग लगाया उसने देखा कि अरे ये तो मेरे को एक मस्त चीज़ नजर आई यहाँ पे उसने ये एक्सपेरिमेंट बहुत बार करा एक बार नहीं मेनी टाइम्स मनी टाइम्स करता गया करता गया करता गया यही चीज़ होती गई होती गई होती गई फिर उसने एक सीधा सा कह दिया कि देखो ऐसा है यहाँ पे अगर तुम बाहर से देखो बाहर से फीनो टाइप अगर तुम देखो तो मेरे पास तीन टोल है है ना और एक डॉफ है बाहर से देखो तो ठीक है बट अगर मैं इसका जीनो टाइप इसका अंदर का जो सेट है ना क्रोमोजोम क्रोमोजोमील का अगर मैं सेट देखूं तो वो भी वो तीन तरीके का है है तो ऐसे वाला मामला कि ये टोल के अंदर भी दो तो ऐसे हैं एक ऐसा है और एक ऐसा है छोटे वाला ऐसे वाला यानी होमोजाइगस कंडीशन फिफ्टी परसेंट है और फिफ्टी परसेंट है होमो का है मैंने अगर तुम इसकी रेशो निकालोगे तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो निकलती है किस किस को याद है किस किस को याद है चलो अब मैं आपसे पूछती हूं ये क्रोस अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है अगर थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया है मैंने यहां पर लिख भी दिया है अब आप मुझे बताओ इसकी जीनोटाइप रेशो क्या रहेगी और इसकी फीनो टाइप रेशो क्या रहेगी इसकी जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या रहेगी ऐसे लिखो जी ये रेशो है पी, पी मतलब ये है चलो बताओ फटाफट से क्या रहेगी और ये मत सोचना आ रहे मामी तो सिलेबस में नहीं है बेटा पेपर में क्वेश्चन आए 2023 में इधर से ठीक है हम्म वेरी गुड आयुष जयसवाल बाकी कहा है भैया तुम लोग क्या कर रहे हो ये 400 बच्चे में बस दो बच्चा आंसर कर रहा है चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पुराक्षी यस सैनी रामबाद सैनी ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इट्स एफ बहुत बढ़िया तो यहां से हमारे भाई ये रेशो तैयार होती है जो पेपर में पूछी भी जाती है पेपर में पूछी जाती है प्लीज मेक श्योर ठीक कौन कौन सी रेशो की मोनोहाइब्रिड फिनो टाइप हमारा जो आया इसमें थ्री टोल और वन डुआफ तीन टोल थे एक डुआफ का तो थ्री वन रेशो आ गया था इसका अगर मैं इसका मोनोहाइब्रिड का जीनो टाइप अगर मैं कहूं तो जीनो टाइप हमारे पास क्या था कि जीनो टाइप के तीन तरीके के थे ना दो होमो होमोजाइगस अलग अलग एक होमोजाइगस टोल था तो एक होमोजाइगस और दो हाइड्रोजाइगस टोल थे यानी कि वन टू वन का रेशो यहां पर आ गया था के ना लेसन कब तक चलेगा बेटा थोड़ा देखो धैर्य रखो तुम तो अभी से पहले हार गए अभी तो शुरू ही कहां किया था शुरू करने से पहले हार गए नहीं खाना खाना है साथ में खा लो वॉशरूम में जाना है ऐसे ले जाओ फोन को ठीक है बट ध्यान से सुन लो तुम नोट मत करो पीडीएफ में तुमको प्रोवाइड करूंगी ठीक है चलो आगे चले अब देखो यहां पे तुमको मैं सवाल दिखाऊंगी बाद में दिखाऊंगी अब उसने दूसरे एक्सपेरिमेंट करा हालांकि इस दूसरे एक्सपेरिमेंट से पहले वो दो चीज़ों को लेके बड़ा अचंभित हुआ था दो चीज़ों को लेके वो बड़ा ही अचंभित हुआ था यहाँ पे कि भाई दो चीज़ें कैसे हुई जैसे कि उसका सबसे पहला अचंबा जो था वो क्या था पहला अचंबा कि जब मैंने टोल को और ड्वाफ को लिया तो यहां पे टोल कैसे आ गया सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरी एफ वन पीढ़ी बनती है यहां पे। सबसे पहला क्वेश्चन तो उसके दिमाग में ये करता है कि भाई ऐसे कैसे हाउ उसके बाद जब उसने एफ वन को एफ वन के साथ क्रॉस कराया और एफ टू में जब उसने पाया कि एफ टू के अंदर मैंने तो कहीं पे भी ड्वाफ नहीं लिया था ये डुआफ कहां से आ गया ये डवाफ प्लांट कैसे आ गया एफ टू के अंदर मैंने तो टोल टोल लिया था ना मेरा एफ टू भी एफ वन टोल था ये भी मेरा टोल था तो ये डवाफ कैसे आ गया इधर से ना आपके लो निकलते हैं है ना जो आपको मैं आगे बताऊंगी बट थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ से आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस निकला इस वाली जगह से आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस निकला लो ऑफ डोमिनेंस ने क्या कहा कि देखो ऐसा है यहाँ पे फैक्टर वर्ड वहाँ पे यूज किए गए मैंडल ने जो वर्ड यूज किया था वो फैक्टर यूज किया था कि हमारे पास कोई भी करेक्टर है उसको डिसाइड करने के लिए उसका प्रोटीन बनाने के लिए या फिर उसका इफेक्ट दिखाने के लिए वी आर हैविंग फैक्टर्स फैक्टर जो कि पेयर में होते हैं और उस फैक्टर में एक तो डोमिनेंट होता है एक रिसेसिव होता है दोनों डोमिनेंट हो सकता है, दोनो हो दोनों रिसेसिव बट अगर आपके पास यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाए तो वहां पे एक डोमिनेंट एक रिसेसिव रहे तो डोमिनेंट वाले का असर दिखेगा रिसेसिव वाला नहीं असर दिखाएगा वो शर्मा जाएगा वो घबरा जाएगा है ना यहां से निकलता है वो ठीक है फिर वो कंफ्यूज होता है ना कि ये डवाफ कैसे है मतलब कि ये चीज़ें मिक्स नहीं हो रही चिपक नहीं रही आपस में ये सेपरेट हो सकती हैं है ना ये जो टी टी यहाँ पे आया ये चिपक नहीं रहा फेविकोल का जोड़ नहीं है बेटा ये छुट सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड के जैसे हैं ये वीक बॉन्ड वेंडरवॉल वीक वेंडरवोल हाइड्रोजन से वीक वेंडरवॉल ना उतना वीक है ये, फटाक से दूर हो जाएंगे कोई आपस में इतना भर्त मिला आप इतना प्रेम नहीं है इनका कि भाई कहेंगे नहीं हम तो साथ में बैठेंगे नहीं सेपरेट भी हो सकते हैं डिप्लॉयड से हैप्लॉयड होने की क्षमता रखते हैं जो कि प्योरिटी मेंटेन करता है तो यहां पे आपका एफ टू पीढ़ी के इस प्लांट के आने से आपका लो ऑफ सेग्रीगेशन आता है जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगी ठीक है तो बस आपको मैं हल्का सा बता रही हूँ जो बच्चे इनको लगे कि मैं सो रहा है उनको ये ना फीलो है ना कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो कहता है कि भाई मिक्सचर नहीं बनता यहाँ पे प्योरिटी मीनस की प्योरिटी होता है भाई सेग्रीगेट हो जाते डिफरेंट सेग्रीगेट का मतलब इकट्ठा नहीं होता

डाई हाइब्रिड क्रोस है ना डाई का मतलब क्या हो गया बेटा टू करेक्टर डाई का मतलब क्या हो गया दो करेक्टर कौन से कौन से करेक्टर की बात हुई करे बात उसके बारे में दो करेक्टर हुआ एक तो उसने लिया शीड का कलर कलर एक उसने लिया शीड का शेप अब देखो ये तो करेक्टर है ना ये अलग करेक्टर है ये डिफरेंट करेक्टर है आपस में अलग अलग करेक्टर है है ना तो वैरायटी आएगी इनकी भी नो डाउट वैरायटी तो यहां पे भी आनी है कैसे छूट सकती है तो एक शीट का कलर तो भैया आपका कैसा था येलो एक आपका कैसा था ग्रीन वैसे आज तो आपको पता है कि येलो डोमिनेंट है और ग्रीन आपका रिसेसिव है बट उसने एफ वन जनरेशन से बताया था वो है ना शीड शेप एक आपके पास राउंड है और एक हमारे पास क्या है रिंकल्ड उसने कहा कि हम क्यों ना इन फीचर्स के साथ इन दो जीन्स का आपस में क्या करें हाइब्रिड बना दे। अब एक बात याद रखना रखना अपने दिमाग में आपको कुछ बच्चों के दिमाग में नहीं आता कि मैम येलो को हम रिंकल्ड के साथ क्यों नहीं पेयर कर लेते ये भी तो होमोजाइगोसिटी है बट हमारे पास एक चीज आती है जिसको हमने कहा था ना ट्रू ब्रीडिंग प्लांट यानी जितने भी क्रोमोजोम सारे डोमिनेंट जितने भी क्रोमोजोम आपके पास है जितने भी अली लाइस तो दैट ट्रू ब्रीडिंग प्लांट तो हमने यहाँ पे क्या किया इनका हाइब्रिड बना दिया है ना हम यहाँ पे इसको कैसे डिनोट करेंगे हम यहाँ पे डिनोट करेंगे येलो को वाई वाई क्योंकि डिप्लॉइड स्टेज है ग्रीन को हमने छोटा वाई से कर दिया राउंड को आर आर से कर दिया और रिंकल्ड को छोटे आर से कर दिया ये कैसी स्टेज है डिप्लॉइड की स्टेज है तो हमने इसका क्या करा हाइब्रिड करा दिया हमने हाइब्रिड कैसे कराया हमने सिंपल सा तरीका यूज किया हाइब्रिड बनाने में कि हमने वाई वाई, वाई आर आर ट्रू ब्रीडिंग है ना तो होमोजाइगस हमने डोमिनेंट वाले एक तरफ रखे और रिसेसिव वाले हमने एक तरफ रखे हमने इन दोनों का क्या बना दिया हाइब्रिड बना दिया है ना यानी हमारी एफ वन जनरेशन बन गई अब इस एफ वन जनरेशन का इसी के साथ क्या करा दिया क्रॉस करा दिया और आपकी क्या बन जाएगी एफ टू क्या बन जाएगी एफ टू ये तो बेसिक सी क्लियर सी बात है इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए क्लियर है क्लियर है चलो बहुत बढ़िया कहाँ रह गया ध्यान से सुनोगे तो कहां होएगा बेटा बताओ मुझे कहा है मैं रिपीट कर दूंगी ऐसा कुछ नहीं है इधर ना मैं रिपीट कर दूंगी बता देना चलो अब यहाँ पे यही चीज इधर लिखी है कि हमने पेरेंट जनरेशन लिया और पेरेंट जनरेशन के अंदर हमने क्या देखा कि हमने भाई राउंड येलो लिया था है ना राउंड येलो तो मेरा डिप्लॉयड स्टेज ये है ये राउंड का है ये येलो का है अच्छा ऐसा तो नहीं होता ना कभी कि जब मियोसिस होता है तो वो कहता है कि भाई नहीं मैं तो सिर्फ बालो के कलर का जो डिप्लॉयड है ना उसी का सेग्रीगेशन करूंगा है ना बस एक का ही करूंगा मैं आंखों के कलर का सेग्रीगेशन नहीं करूंगा ऐसा तो नहीं होता है ना आपका राउंड शेप राउंड शेप का एक जीन आएगा हैप्लोइड में आएगा तब तो एक आएगा ना डिप्लोइड में तो दो है हैप्लोइड आएगा मियोसिस होगा तो एक आएगा आर और येलो कलर के लिए एक आएगा है ना जब गेमीट बनेगा क्योंकि यहां पे डिप्लॉइड से हैप्लोइड में हम जाएंगे है ना सेम इधर आएगा ग्रीन रिंकल्ड तो इधर गेमीट बनेगा आर वाई वाला बनेगा कि एक तो आपका शेप के लिए है और एक आपके पास कलर के लिए किसका शीड का है ना अब ये मेरी एफ वन प्रोजेनी आ गई इधर दोनों के मिक्सचर से तो मेरी F1 प्रोजेनी आती है वो कुछ इस तरीके की बनेगी आर आर वाई वाई अब यहां पे क्योंकि मैंडल ने पहले भी चीज देखी थी कि भाई ये वाले मामलात ना ये वाले दिख नहीं रहे वहां पे इधर जो है राउंड येलो दिखा यहां पे कहीं भी रिंकल्ड ग्रीन नहीं दिखा तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ही यहां पे भी निकल के आती है हेटरोजाइगस कंडीशन में है ना हेटरोजाइगस कंडीशन में यहां पे निकल के आई उसके बाद यहां पे उसने क्या करा चलो ठीक है अब मेरा सिंपल सा काम ये है कि मैं यहां पे इस आरआर को F1 को F1 के साथ क्रॉस कराऊंगा तो यहां पे मेरा F1 क्या है ये और ये मेरा F1 क्या है ये अब मुझे एक बात बताओ यहां पे कितने टाइप के गैमेट बनेंगे मुझे ये बताओ कितने टाइप के गैमेट बनेंगे क्या मुझे कोई बता सकता है कितने टाइप का गैमेट बनेगा कितने टाइप का गैमेट बनेगा एक सिंपल सा ना फॉर्मूला आता है वैसे बता देती हूँ कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या है मैंने याद रखना नंबर ऑफ कैरेक्टर इसका स्क्वायर कर दो इसका स्क्वायर कर दो वो उसका गैमेट आता है जैसे कि मान लो मैं आपको कह दूं कि टॉल प्लांट है ना ग्रीन अ राउंड शेप शीड की और येलो कलर तीन मैंने जीन ले लिए तीन जीन ले लिए तो गेमिट कितने बनेंगे तीन करेक्टर स्क्वायर कर दो तीन तीन नो नो तरीके के गेमिट बनेंगे और यहाँ पे क्या आएगा इसके कितने करेक्टर लिए मैंने दो करेक्टर लिए है तो दो का स्क्वायर कितना होगा बेटा चार होगा वैसे ही तो मैंने बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया है अगर पेपर में कभी ऐसा कुछ आ जाए तो ठीक है तो बट यहां पे हमको पता है कि एक तो आर आ सकता है जब मियोसिस होगा सेग्रीगेशन होगा क्रोमेटिड्स का तो हमको नहीं पता ना कैसे मामला चलेगा हो सकता है आर आ जाए इस बड़े वाई के साथ हो जाए बड़ा आर आ जाए छोटे वाई के साथ छोटा आर जाए बड़े वाई के साथ छोटा वाला जाए छोटे वाई के साथ कैसे भी मामला चल सकता है हमारे पास चार तरीके के गैमीट यहां पे है और यही चार तरीके के गेमीट यहां पे भी आएंगे यहां पे भी यही सेम तरीके के गेमीट आपके पास भाई आने वाले सेम तरीके के गैमिट आपके पास यहाँ पे आएंगे है ना इधर से भी और इधर से भी तो अब सबकी एक दूसरे से ऐसे घेच पैच करके पॉसिबिलिटी बना नहीं सकते तो वी आर हैविंग सोल्यूशन दैन दैट इज़ पुण्य स्क्वायर मैथड कौन से वाला पुण्य स्क्वायर मैथड कि गैमिट नंबर वन टू थ्री फोर इस तरफ रखेंगे और वो वाले ऐसे इस तरफ रखेंगे ऐसे है ना करेंगे ना ऐसे ही तो एक तरफ तो ये वाले रख लिए और इस तरफ हमने ये वाले रख दिए तो पुण्य स्क्वायर मैथड में हमारा आ जाएगा जो भी कुछ रिजल्टेंट है तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा कुछ ऐसा आएगा कि जब हम देखो ये छोटी मोटी चीजें हमको मालूम है है ना ये छोटी मोटी चीजें हमको मालूम है यहाँ पे तो इसके अंदर ज्यादा कुछ होना नहीं चाहिए हमारे पास यहां पे एफ वन जनरेशन के गमीत हैं और इधर हमारे एफ वन जनरेशन की दूसरी तरफ हैं अपोजिट अपोजिट हमने क्रॉस करा तो हमने देखा कि यहां पे मेरे को एक वैरायटी मिली वायटी मिली मैंने क्या देखा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नो नो मैंने पाया नो तरीके के राउंड एंड येलो शीड है जो कि राउंड और येलो मेरा पहले वाला पेरेंट था है ना राउंड येलो पहला पेरेंट था ना उसके जैसे कितने है? नो एक मेरे पास कैसा है ग्रीन एंड डॉफ एक मेरे पास कैसा है ग्रीन एंड डॉफ ये तो मेरे मिल रहे हैं पेरेंट्स के साथ मिल रहे हैं जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि इसकी तो पता नहीं किस पे ही गया है ना अपनी मम्मी पे ना अपने पापा पता नहीं किस पे गया है तो मम्मी बदनाम हो जाती है उस चक्कर में है ना बट एक्चुअली मामला पता है क्या होता है कई बार नया कॉम्बिनेशन भी बैठ जाता है ऐसा कौन सी किताब में लिखा है ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि राउंड येलो के साथ ही बैठेगा हैं या फिर ग्रीन ड्वाफ के साथ ही बैठेगा राउंड जो है वो ड्वाफ के साथ ही बैठ सकता है और येलो ग्रीन के साथ भी सॉरी हाँ ठीक तो कह रही हूं मैं रिंकल लिखना था ड्वाफ कहां से लिख दिया मैंने ये ड्वाफ का मतलब रिंकल था भाई यहां पे क्या कर दिया मैंने ये इतना बड़ा पाप क्या दुनिया मुझे स्वीकार करेगी चलो यहां पे राउंड वाला रिंकल्ड सॉरी क्या बोल रही हूं राउंड वाला ग्रीन के साथ आ सकता है और येल्लो वाला रिंकल्ड के साथ आ सकता है कोई भी नया कॉम्बिनेशन तो हमको यहां पे दो नए कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं जो कि तीन तीन हमको मिलेंगे तीन कॉम्बिनेशन मुझे मिलते हैं तीन राउंड ग्रीन और तीन रिंकल्ड येलो ये मुझे इस तरीके से देखने को मिलता है मतलब कि मुझे एक चीज समझ में आ गई क्या समझ में आ गई कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि राउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ येलो के साथ ही बैठेगा ऐसा कुछ नहीं है या फिर ऐसा भी कुछ नहीं है कि भैया हमारे पास जो रिंकल्ड है ये रिंकल्ड सिर्फ ग्रीन के साथ बैठेगा कहने का मतलब क्या है कि आपस में ये जीन ने सिर्फ फिंगसिक फिक्सिंग नहीं फिक्सिंग फिक्सिंग नहीं खेल रहे फिक्सिंग 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 फिक्सिंग

है ना तो यहां पे हमारे पास तीन अलग अलग वैरायटी भी देखने को मिलती है जो कि हमने ली ही नहीं थी अब क्योंकि ये हमने कहीं भी ली ही नहीं ना तो हमने एफ एफ पेरेंट हमारा क्या था ग्रीन और रिंकल्ड येलो राउंड जो कि यहां पे है एफ वन पीढ़ी कैसी बनी थी उनकी राउंड येलो तो ये तो हमने कहीं पर भी नहीं लिया ना राउंड ग्रीन या रिंकल्ड येलो फिर भी ये आ गए इसका मतलब कि हमारे जो जीन्स है ना वो हम इंसानों के जैसे तुच्छ नहीं है जो ऐसे कहते हैं नहीं जी ये बड़ा आदमी तो बड़ी इसी के साथ बैठूंगा वो छोटे आदमी के साथ भी बैठ जाते हैं रिसेसिव जीन के साथ भी जुड़ जाते हैं और डोमिनेंट के साथ भी चले जाते हैं वो भेदभाव नहीं करते तो वो इंडिपेंडेंट एक दूसरे से एक जीन दूसरे जीन से इंडिपेंडेंट है ये कह रहा है भाई देख मैं तो शेप दे रहा हूं ना तो हाउ डज इट मैटर कि सामने वाला कलर कैसा दे रहा हूं बस कलर देना चाहिए है ना तो सेम चीज यहां बोल रहा है कि तो हम इस चीज में कोई वो नहीं करते बिलीव नहीं करते हम शेप दे रहे हैं सामने वाला कैसा ही कलर दे बस कलर दे दे भाई हम तैयार हैं है ना तो कॉम्बिनेशन कैसा ही बन जाए बस बन जाए तो ये जीन का इंडिपेंडेंट असोटमेंट है कि मैं अगर राउंड शेप दे रहा हूं तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कैसा कलर दे रहा है मेरे को कॉम्बिनेशन करने को मिलेगा मैं कर लूंगा चाहे वो आपका ग्रीन में हो चाहे वो येलो कलर में हो ऐसा ही रिंकल्ड है वो भी कहते देख मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है है ना मैं भी राउंड के मैं ग्रीन uh, के साथ भी कर लूंगा कॉम्बिनेशन और मैं येलो के साथ भी कर लूंगा अपना कोई सीन नहीं है मेरा एक दूसरे के काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं चलता तो हम इंडिपेंडेंट है तो यहां से आपका लो निकल के आता है लो ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट है ना बट उससे पहले मुझे एक बात बताओ अब यहां पे तुमको इसको जीनो टाइप तो मैंने तुमको नहीं कराया बट फिनो टाइप मुझे बताओ कि इसकी फिनो टाइप रेशो क्या निकलेगी फिनो टाइप रेशो क्या निकलेगी वो बता दो मुझे नमस्ते भाई नमस्ते देखो ऐसा है कि तुम आ, देखो नेगेटिविटी हर कहीं बेटा आती आती है तुम्हारा काम है कि तुम उस नेगेटिविटी से कैसे डील करोगे तो सबसे बेस्ट तरीका होता है इग्नोरेंस इग्नोरेंस इग्नोर करोगे सबसे बेस्ट है है ना ऐसे तो फिर हम पागल ही हो जाएंगे बेटा पढ़ पढ़ के ऐसे देख देख के हाई क्या कह दिया उसने लेट इट गो ना जस्ट इग्नोर फोकस ऑन यूर ये आप चैट में जाए क्यों रहे हो आपसे मैं कुछ पूछू तो चैट ऑन करो ना तुम पूरा फुल स्क्रीन करके देखो तुमको भी तो बात करने का चस्का लगा हुआ है ना हांजी बहुत, ब्रावो, ब्रावो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो आपका रेशो जो यहां पे निकलेगा रेस का क्या निकलेगा नाइन थ्री थ्री वन इस नाइन का मतलब क्या है कि दीज आर राउंड येलो एंड दिस थ्री इज राउंड ग्रीन This is green, uh, wrinkled, wrinkled, yellow, and this is wrinkled green. अब देखो वैसे तो तुम कुछ भी बना लो पर जीनो टाइप तुमने गाना सुना है ना वो अनिल अनिल कपूर का वन एक दो का चार चार दो वन टू का वन फोर टू का वन ऐसे कुछ करके गाना आता है ना तो ऐसे ही हमको भी गाना बनाना है तुमको कुछ नहीं याद करना अच्छा तुम मैंने एक सिंपल सी चीज जो कर सकते हो वो क्या कर सकते हो तुमको मोनो का याद है ना मोनो का जीनो टाइप तुमको मोनो का याद है, है ना याद है ना तुमको बस इसका डबल करना है वन टू वन याद है ना सबको तो ये वन टू वन यहां रखो और ये वन टू वन यहां रखो वन टू वन मोनो का वन टू वन मोनो का उसके बीच में इनका डबल कर दो टू फोर टू वैसे तो इसका फॉर्मूला भी होता है एक निकालने का वो कि जो कि मैं तुमको नहीं बताऊंगी क्योंकि वो किसी काम का नहीं है और कभी भी आपके पेपर में डाई हाइब्रिड का जीनो नहीं पूछा जाता लीस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाएगा ठीक है और यहां से कौन सा निकल के आया आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंटमेंट ठीक है

ये मोनोहाइब्रिड का नतीजा है और ये हमारा टू जीन का मतलब है ये हमारे डाई हाइब्रिड से आए हैं सबको ध्यान है ना सबको ध्यान है भाई मेरे सोंग उल्टे पुलटे मिलेंगे तुमको राहुल ठीक है मोटिवेटर बस हाँ चलो हां जी ये सबको ध्यान है ना अच्छा ये क्या कहते हैं बस सुने इसको हमेशा ध्यान देना लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर हमेशा जो आप लॉ ऑफ डोमिनेंस डिफाइन करते हो वो कब डिफाइन करते हो f1 पे डिफाइन करते हो ये कब डिफाइन करा आपने f1 पे डिफाइन किया और f1 कैसी स्टेज थी हेटरोजाइगस स्टेज थी कैसी स्टेज थी हेटरोजाइगस इसने कहा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब ये है कि हमारे पास एक फैक्टर का पेयर है जिसको हम आज के टाइम पे एलील कह रहे हैं फैक्टर का पेयर है हमारा ठीक है ठीक है तो उसने बोला फैक्टर हमारा कैसा भाई पेयर में है और हमारे पास ये जो फैक्टर है ना ये एक हमारी डिस्क्रीट यूनिट है जो कि उस करेक्टर को कोड कर रही है जो आज के टाइम में अलील कर रहे हैं और इस हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर एक मेंबर एक मेंबर अपने आप को एक्सप्रेस करता है ठीक है जिसका इफेक्ट हमको दिखता है और जिसको हम क्या कहते हैं डोमिनेंट कह देते हैं एक वाला से कहता है मेरे को शर्म आ रही है बहुत ज्यादा तो वो शर्मीला हो जाता है जिसमें कि दूसरे वाला अदर इज मास्क मास्क मतलब दूसरे वाला ढक जाता है वो अपना इफेक्ट दिखाई नहीं पाता जिसको हम क्या कह देते हैं रिसेसिव तो हमेशा याद करना लो ऑफ डोमिनेंस को तुम कभी भी होमोजाइगस स्टेज में डिफाइन नहीं कर पाओगे यहाँ पे कौन सा लो ऑफ डोमिनेंस है भाई दोनों सेम टाइप ऑफ करेक्टर कोड कर रहे हैं तो सेम ही आएगा ना ये भी सेम टाइप ऑफ करेक्टर कोड कर रहा है इनका पेयर तो ये भी सेम ही आएगा तो यहाँ पे आप कभी भी डोमिनेस और आप रिसेसिवनेस को हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही डिफाइन कर सकते हो होमो में नहीं कर सकते हो क्या ये बात क्लियर है अगर ये बात क्लियर है तो बहुत सारे गुलाबी दिला जाने चाहिए बहुत सारे गुलाबी दिला जाने चाहिए एंड सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे आई वॉन्ट एवरी वन जस्ट लाइक द सेशन देखो मैं आपको इधर उधर का ज्ञान नहीं दूंगी पालतू मैं बस कुछ चीजें चाहती हूं कि मैं जब आपको पढ़ाऊं आप ध्यान से पढ़ें आपको मैं बुलाऊ आप आ जाएं दूसरा बस मुझे जो मोटिवेशन मिलती है वो आप लोगों से मिलती है आपका नंबर जो मुझे फिक्स पता तो नहीं होता ना आप कितने हो फ़ोन कौन, कौन है तो आप लोग कौन कौन हो इसका मुझे कैसे पता चलेगा हाजरी से अटेंडेंस से जो कि हम लाइक से लगाते हैं है ना याद रखना चलो थैंक यू सो मच चलो आगे चले आगे क्या है लोफ सेग्रीगेशन लोफ सेग्रीगेशन क्या था ध्यान है ना वो हमारा एकदम से निकल आया था डोफ एफ टू में एफ टू में क्या निकल के आया था निकल के आया था एफ टू के अंदर जो डोफ प्लांट निकल के आया था उधर से हमारा लो ऑफ सेग्रीगेशन निकल के आया जहां पर उसने कहा जी देखो ऐसा है जो हमारे फैक्टर्स थे ना वो पेयर्स में थे बताती हूँ इसको सुन लो हमारे पास जो हमारे फैक्टर्स थे वो कैसे थे पेयर्स में थे बट जिस टाइम पे क्या होता है गेमीट फॉर्मेशन होता है ये पेयर सेपरेट हो जाता है ये प्रेमी का युगल दूर दूर हो जाता है और उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं प्योरिटी ऑफ गेमीट इसी को हम क्या कहते हैं इसी को हम प्योरिटी ऑफ गेमीट के नाम से भी जानते हैं जो हमारा लो है प्योरिटी ऑफ गेमीट वो ये वाला है ठीक है और ये लो यूनिवर्सल है लो ऑफ डोमिनेंस के तुमको एक्सेप्शन मिल जाएंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस प्लियो मिल जाएगा इनकम्प्लीट uh, हो गया को डोमिनंस मिल जाएगा तुमको तो बहुत सारे मिल जाएंगे उसके एक्सेप्शंस है ना बट तुमको इसका कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा लो ऑफ प्योरिटी लो ऑफ प्योरिटी ऑफ गीन्स लो ऑफ सेग्रीगेशन दैट्स अ यूनिवर्सल लो इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है ना आप अगर इंडिपेंडेंट अथॉर्टमेंट की बात करोगे वो भी यूनिवर्सल नहीं है क्योंकि लिंकेज आ जाएगा तो गड़बड़ मामला है ना अगर तुम डोमिनेंस की बात करोगे तो वी आर हैविंग मेनी ऑफ फिनोमिनाज जो कि कहते भी हम इस चीज को फॉलो नहीं करते हम नहीं मानते ये चीज है ना तो यहां पे ये वाला जो है ये यूनिवर्सल लो है ये बात भी आप याद रखेंगे अगर पेपर वाला बोल दे कि बताओ हमें लो ऑफ डोमिनेंस की यूनिवर्सल लो नहीं है है ना इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट असोटमेंट वाला क्यों आपका नहीं है यूनिवर्सल लो सिर्फ यही क्यों यूनिवर्सल है तो बता देना लो ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन है इंडिपेंडेंट असोटमेंट की एक्सेप्शन है बट इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है ये ऐसे ही है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है ऐसे वाला चलता है इनके ठीक है चलो अब हेट्रोजाइगस पेरेंट भी आपके दो तरीके के गैमीट बनाएंगे यहाँ पे जो कि एक एलील दूसरे एलील के साथ इक्वल प्रोपोर्शन में आपको मिल जाएगा यानी कि टी टी आपका जब बनाएगा तो दो तरीके के गैमीट दिस एंड दिस हो जाएगा यानी जो मिक्सचर आपका बना था ना हाइट्रोजाइगस जो बना था ये सेपरेट हो जाता है तो इसको कहते हैं सेप्रीगेशन यानी सेग्रीगेशन सेपरेशन सेग्रीगेशन क्लियर है चलो तीसरा लो हमारा कौन सा है इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट वाला जिसमें क्या कहा गया था कि भैया ये हमने डाई हाइब्रिड क्रोस से हमको पता चला था कि एक जीन दूसरे जीन के साथ कॉम्बिनेशन बनाने को रेडी रहता है उसका कोई ऐसा फिक्सेशन नहीं है कि मैं इसी के साथ जाऊंगा या इसी के साथ पेयर अप करूंगा ठीक है तो यहां पे आपका एक पेयर ऑफ करेक्टर एक पेयर ऑफ करेक्टर का मतलब पता है क्या एक जीन करेक्टर वाला जीन एक पेयर ऑफ करेक्टर आपका सेग्रीगेट हो जाता है अलग अलग तरीके से डिफरेंट होता है जब गेमीट बनते हैं और उस टाइम पे जब वो दोबारा से जुड़ते हैं तो नई कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं नए कॉम्बिनेशन टाइप और अगर नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं यानी कि वो नई तरीके से अरेंजमेंट भी कर सकते हैं अगर नए तरीके से अरेंजमेंट कर रहे हैं यानी वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं सिंपल एज दैट कि आपके जो दो तरीके के करेक्टर वाले फैक्टर्स होते हैं वो आपस में इंटरसिचुएटेड हो सकते हैं आपस में कोई भी किसी के साथ पैर बना सकता है ठीक है क्लियर है क्लियर है क्या ये बात क्लियर है क्या कोई ऐसा जिसको ये समझ नहीं आ रहा कि मैम इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आया अगर क्लियर है तो फटाफट से बताओ भाई आवी क्लियर हेयर है, है भाई चलो मैम जीनो टाइप हाँ जीनो टाइप ऑफ टाइप याद करना है चलिए बहुत बढ़िया अब डिस्क्रीट का मतलब होता है जो अपने आप में इंडिविजुअल होता है सब मतलब अपनी खुद की आइडेंटिटी उनकी खुद की ऐसा कुछ अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आया ये तुम्हारा पी वाई की डोज है अब तुम मुझे इसका आंसर बताओगे मैंने पूरा तुमको टॉपिक समझा दिया है ठीक है मैंने तुमको पूरा टॉपिक समझाया है अब तुम मुझे इसका आंसर दोगे तो आपके पास डोज है ये जितनी भी आपको मिलेंगे सारे के सारे जितने भी ऑल डोज आर ऑफ 2023 लेटेस्ट वन ज्यादा पुराने नहीं जाएंगे हम जहां पे पूछा गया है तीन सेट आते हैं ना एवीसी पूछा गया है कि ट्रू ब्रीडिंग प्लांट आपके पास है पी प्लांट ट्रू ब्रीडिंग टोल पी प्लांट आपके पास है विद राउंड शीड क्रॉस किया रिसेसिव ड्वार्फ पी प्लांट के साथ और रिंकल शीट थे वर्कआउट द अप टू एफ टू जनरेशन और मुझे उसका फिनोटाइप रेशो बताओ एफ वेरिफिकेशन का एंड एफ टू का रिस्पेक्टिवली बताओ आंसर मुझे बताओ इसमें कुछ बताना है कितने नंबर का पांच नंबर का सवाल है इसको देखना जरा पांच नंबर का सवाल है तो ढाई नंबर का फिनोटाइप रेशो फाइव ढाई नंबर का आपका दूसरे वाला है तो फिनोटाइप ही बताना है एफ टू और एफ वन और क्रॉस करके दिखा देना ड्रॉ करके है ना क्या कह रहे? कि सिर्फ इस इस से 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 कौन वाले पहले तो ये देखो इस जो लो आए ना, सिर्फ वही हमको बताओ फालतू नहीं जो सिर्फ इससे निकल सकता है अब ये कैसे वाला ये तुम बताओ मुझे और जो ये बच्चे बीच में सेशन छोड़ के जा रहे हैं ना लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली देखो ऐसा होता है दस जगह पे इधर उधर तरह से हो गए ना तो स्टेबल नहीं होती चीज़ें आपको थोड़ा सा तो देखो टाइम देना पड़ेगा है ना आप मुझे थोड़ा टाइम दो आपको एतबार हो तो दोबारा करना है ना बट उससे पहले आपको स्टेबल रहना पड़ेगा ऐसे एकदम से चीज़ें नहीं होती हैं चलो जल्दी से बताओ यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा पहले तो आपको चीज़ें बतानी है पहले तो मुझे ये बताओ कि कैसे वाला यहाँ पे रेशन रहने वाला है उसके बाद मुझे बताओ ये कैसा क्रो कैसा ये एक्सपेरिमेंट किया है और इस कौन सा यहाँ पे लो आएगा आपको इसका ऐसे जाना चाहिए ऐसे क्योंकि मैंडेलियन में जब भी दो करेक्टर का वो कराओगे ना क्रोस तो सेम फिनो आएगा आप उसको कोई भी एग्जाम्पल रख लो अगर डाई हाइब्रिड है दो करेक्टर के साथ क्रोस हो रहा तो सेम चीज आएगी ठीक है ये पेपर में आया हुआ है देखो भाई 2023 में किसी को देखना है तो ऑफिशियल वेबसाइट सीबीएसई वाले से जाकर डाउनलोड कर लेना हालांकि मैं बहुत सारे पेपर शेयर भी कर दूंगी आप लोगों को ठीक है हाँ अब देखो यहां पे देखो हमारे पास एफ वन जेनरेशन का तुम क्या ही क्रॉस निकालोगे f1 जनरेशन का तुम क्या ही क्रॉस निकालोगे f1 जनरेशन तुम्हारी क्या रहेगी ऑल सेम तो मेरे लगता है कि सारी की सारी सेम आनी चाहिए यहां पे आपने एक सिंपल सी चीज की है है ना आपने एक टॉल प्लांट लिया जिसके पास कौन सा फीचर था राउंड सीड वाला था है ना इसके अगेंस्ट में कौन सा आया रिसेसिव आया है ना जिसके कैसे शीट्स थे रिंकल्ड शीट थे तो ही बात इसका गमीट ऐसा आया होगा इसका भी गमीट ऐसा आया होगा ये दोनों जो मिले होंगे तो हंड्रेड परसेंट सारे के सारे ऐसे रहे होंगे हंड्रेड परसेंट सारे ऐसे कैसे रहे होंगे ओल सेम वन 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 तुम इसको वन वन भी कैसे कर दोगे किसके अगेंस्ट कौन सा ओल सेम हंड्रेड परसेंट सेम यही तो ट्रिक है आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना वो ऐसे लिखने वाले नहीं आएंगे वो सोचने समझने वाले आएंगे तो यहाँ पे एफ आपके पास बेटा आएगा ऑल सेम आएगा लिख देना उनको उनके मुंह पे ऐसा मतलब हाँ, हाँ जाने चाहिए उनका उनको हो जाना चाहिए कहां से पढ़ा है है ये ऐसे अच्छा कर रहा है। लिख देना कि टाइप रेशो सारे हमारे ओल सेम आएंगे जो बच्चे ना तो चांदा बहुत जोर का आप कोई भी अनुपात में दिखाते हो? कोई भी रेशो कब दिखाते हो जब आपके पास हो? वन, 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 वन तो दो डिफरेंट थी रेशो इज फॉर कंपेरिजन स्मॉलेस्ट कंपेरिजन होता है कोई यूनिट नंबर नहीं पता चलता मैंने कहा कि चार लड़कियों के अगेंस्ट में चार लड़के यानी वन वन का रे हो गया ना वन अगेंस्ट वन हो गया वन वन बट हमारे पास तो सारे ही एक जैसे तो किसके अगेंस्ट होन सारे के सारे टोल इन राउंड है तो ऑल सेम यहाँ पे देर विल बी नो रे नो रे शो एफ टू में निकल के आएगी एफ टू में निकल के आएगी कौन सी वही नाइन थ्री थ्री वन पता है ना कौन सी वाली कौन सी नो तो निकल के आएंगे ऐसे वाली नो no, तो कैसे निकल आएंगे ऐसे वाले निकल जैसे, टोल एंड कैसा निकल के आएगा इसके जैसा and dwarf and wrinkled. और नए तीन-तीन वाले कौन से बनेंगे? एक तो राउंड बन, बन जाएगा कोई प्रॉब्लम थी उसमें कॉम्बिनेशन बनाने में इज इट दैट हार्ड ठीक है हार्ड नो ना बना दोगे ये तो हम आराम से अच्छा ये बताओ मैंडलियन प्रिंसिपल कौन सा आया हमने ये देखा ना कि हमने यहां पे दो जीन्स को लेके बात की कितने जीन्स को लेके बात की दो जीन्स को लेके बात की यानी हमने यहाँ पे डाई हाइब्रिड करा है डाई हाइब्रिड करा है और डाई हाइब्रिड से हमको पता है ना कौन से वाला लो आता है अभी अभी हमने किया था इंडिपेंडेंट असूर्टमेंट वाला ये वाला कोई प्रॉब्लम है कोई क्रॉस तो बना दोगे ना पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा या फिर कम्युनिटी में मिल जाएगा बायोलॉजी बाय सोनिया चहल करके सर्च कर लेना ठीक है ना मिले तो इंस्टाग्राम पे तो होगी इंस्टाग्राम पे वैसे तो मैंने अभी स्टार्ट कुछ टाइम पहले से करा था अकाउंट शुरू में ही रहती हूं ज्यादा बट वहां पे मैंने टेलीग्राम का लिंक वहां पे भी डाल रखा है ना आ, सोनिया चहल ऑफिशियल डाल लेना सोनिया चहल ऑफिशियल ना सोनिया ये वाला सोनिया है मिल जाऊंगी मैं आपको ठीक है वहां पे मिल जाएगा आपको उधर हाईलाइट्स में चेक कर लेना ठीक है क्लियर है हो जाएगा बहुत बढ़िया आगे चलो अगर ये हो जाएगा तो आगे देखो आगे बताओ आगे भी क्वेश्चंस हैं ऐसा नहीं है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पी वाई क्यूडोज करा के मानूंगी छोड़ूंगी नहीं कुछ भी तुमको यकीन नहीं आ जाएगा ना कि जो मैम करा रही है वो आ रहा है कोई फायदा नहीं है फिर मेरा आगे देखो एक होमोजाइगस स्टोल टी प्लांट टोल पी प्लांट है ग्रीन शीट्स के साथ अब ये बात समझ गए टोल पी प्लांट विद ग्रीन शीड क्रॉस किया विद होमोजाइगस होमोजाइग पी प्लांट विद येलो शीड देख रहे हो ये हाइब्रिड क्रॉस वाला एग्जांपल नहीं है ट्रू ट्रू ब्रीडिंग नहीं है यहां पे याद रखना इसने कहीं लिखा है ट्रू ब्रीडिंग है नहीं होमोजाइगस का मतलब है कि टोल का मतलब है ये दो टोल है ग्रीन का मतलब है कि भैया ग्रीन में ये वाला ग्रीन आ गया है ना होम हेट्रो ये हो जाता तो याद रखना क्या बोला है अब आपको बताना है कि पहली बात तो ये बताओ इसका पॉसिबल फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होगा f1 जनरेशन में उसके बाद स्टेट द लॉ ऑफ मैंडल दैट आर प्रूव्ड ट्रू बाय f1 जनरेशन f1 जनरेशन से जो आपका लॉ आता है वो कौन सा लॉ आएगा वो आपको बताना है इस f1 से कौन सा आएगा ठीक है ये क्योंकि एक्चुअल डाई हाइब्रिड नहीं है याद रखना मेंशन f2 फिनोटाइप रेशियो अलोंग विद देयर पॉसिबल फिनोटाइप राइट द जीनो टाइप ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट प्रोड्यूस्ड बाय एफ वन कि जीनो टाइप आपको बताना है मेल और फीमेल के गैमिट्स का जो कि एफ वन प्रोजेनि ने बनाया होगा और कितने नंबर का सवाल है पांच नंबर का क्या इतना मुश्किल है एक दो तीन चार पांच बस आसान है आसान है बहुत आसान है करके देखो कॉपी पेन उठाओ मैं यहीं हूं वेट कर रही हूं कॉपी पेन उठाओ करके देखो हो जाएगा इतना मुश्किल नहीं है बेटा डोमिनेंस अच्छा अच्छा हम्म हम्म बढ़िया बताओ बताओ अच्छा मैंने तुमको क्या कहा कि एक्चुअल डाई हाइब्रिड नहीं है थोड़ा सोचो तो मैंने पहले ही बता दिया था तुमको कि एक्चुअल डाई हाइब्रिड नहीं है तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर मत करना मैम इजी है इजी तो है हाँ, 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 हाँ। खरे चलो हाँ ठीक है ज्यादा हो गया क्या टोल ग्रीन शेड इसने क्या कहा है हमारे पास क्या है टोल ग्रीन है ना इधर उसने क्या कहा हमारे पास क्या है ड्वाफ येलो यही का है या कुछ और का है टोल टी टी ग्रीन छोटा वाई छोटा वाई वाला है ना इधर ड्वाफ छोटा टी छोटा टी बड़ा वाई गैमीट बनाओ टी वाई इधर छोटा टी और वाई यही बनेगा या यह कोई और बन जाएगा यही बनेगा ना इन दोनों का कॉम्बिनेशन करो भाई एफ वन बनाऊ इनकी एफ वन कैसे निकलेगी एफ वन इनकी आएगी टोल दिस 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 एंड है ना क्या कह रहे हो मैम हेट्रोजाइगस कंडीशन बन गई लोफ डोमिनेंस आएगा चलो ठीक है मान लिया अब तुमको कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि हमें वापस से उस स्टेज पे आ गए जो कि हमारे पास पहले था इधर से तुमको कुछ ऐसा नहीं नजर आ रहा जैसे कि हम पहले डाई हाइब्रिड में एफ वन पे आए थे पेरेंट हमारे पास अलग है बट आगे का क्रॉस हमको पता है क्या होने वाला है क्योंकि हमको ये वाला पेयर पता है इस वाले का क्या मतलब है पता है ना अगर हमारे पास ऐसी हाइड्रोसाइगस कंडीशन आई तो हमको पता है कि एक मेरा जो गैमीट बन सकता है वो ये वाला बन सकता है एक वाला मेरा ये वाला बन सकता है एक मेरा ये वाला बन सकता है और एक मेरा ये वाला बन सकता है और हमको पता है ना जब हमारे पास चार तरीके से, से चीज़ें आएंगी तो कौन से वाला क्या बनाएगा क्या मुझे क्रॉस करने की ज़रूरत है क्या मुझे ये पुण्य स्क्वायर मेथड में कुछ ऐसे लिखने की जरूरत है अगर किसी को ना समझ आए देखो यहां से इसको तुम सोल्व करके देखना खुद से हो जाएगा इधर ये वाला गेबीट रिख लग दो लिख दो टी वाई 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 टी वाई, वाई यहां पे भी आपके पास क्या निकल के आएगा नाइन थ्री थ्री वन का रेशियो अब नाइन थ्री थ्री वन पता क्या आएगा बताती हूँ ये वाली जो रो आएगी देखो समझो इस बात को सुनो मेरी बात को ये वाला टी टी अरे नहीं बहन इधर टी टी वाई वाई है ना टी टी वाई वाई इसको तुम करके देखो पूरा वाई वाई टी टी वाई वाई सेम इधर टी टी वाई वाई टी टी वाई वाई टी टी वाई वाई है ना ये ऐसे कि ऐसे नो सेम आएंगे है ना इसको मैं अलग कलर से इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इफेक्ट सेम आएगा ना यहाँ पे टी टी वाई वाई है ना और अलग कलर यूज़ करती हूँ यहाँ पे पिंक वाला आएगा टी टी वाई वाई एक यहाँ आएगा टी टी वाई वाई एंड देखो आराम से करा रही हूँ बिल्कुल खींच नहीं रही हूँ मामला को खींच नहीं रही हूँ बिल्कुल भी जिसको नहीं समझ में आए वो आराम से करना ठीक है इतना घुमाने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे ठीक है इधर से फिर टी टी वाई वाई एंड टी टी वाई वाई इधर टी टी वाई वाई इधर हमारे पास टी टी वाई वाई एंड अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे भी हम टी टी वाई वाई या टी टी वाई वाई ये तुम्हारा कुछ ऐसा ही रिजल्ट आ जाएगा जैसा कि पहले आया था वही रोहित अगर इतना अभी तो अभी से पहले स्पीड अप बेटा थोड़ा रुको हौले से करो अब तुम यहाँ पे देखोगे ना तो ये डिट्टो वैसे वाला आएगा डिट्टो वैसे वाला जो कि हमने पहले करा था किस तरीके के प्लांट आएंगे आप देखोगे नो जो हमारे प्लांट आएंगे ना वो कुछ ऐसे प्लांट आएंगे जो कि टोल होंगे विद येलो ठीक है तीन तीन एक ऐसा आएगा जो कि ड्वाफ आएगा विद येलो तीन आएंगे जो कि टोल होंगे विद विद ड्वाफनेस और तीन आएंगे जो कि ड्वाफ होंगे अरे विद येलो क्यों ग्रीन आएगा ना ग्रीन ये मैंने उल्टा सीधा क्यों लिख दिया क्या दिमाग में जा रहा है मेरे क्या दिमाग में जा रहा है मेरे है ना डिट्टो डिट्टो सेम अब तुम अगर यहां पे लो निकालोगे तो कौन सा लो निकलता है यहां से इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट है ना एफ टू से इंडिपेंडेंट असोटमेंट निकलता है अब इसका आराम से तुम कर दोगे कि हमारे पास पॉसिबल फिनोटाइप और जीनो हमारे पास एफ का क्या है तो पॉसिबल फिनो और जीनो हमारे पास ये है हमारे पास जीनो जो रहेगा वो टी टी वाई वाई रहेगा और फिनो हमारे पास रहेगा टोल एंड येलो हो जाएगा स्टेट द लो जो हमारे एफ से आएगा तो एफ से हमको पता है क्योंकि यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन बन रही है एफ के अंदर तो यहाँ पे एफ में हमारा डोमिनेंस का लो आ जाएगा लो ऑफ डोमिनेंस एफ टू के अंदर आपका जो रेशो आएगी अलोंग विथ पॉसिबल फीनो टाइप अगेन वही नाइन थ्री थ्री वन और लिखना क्या है ये टोल येलो टोल ग्रीन डॉफ येलो डॉफ ग्रीन सिंपल है ना एंड एफ वन से कह रहे हैं कि भैया हमको ये बता दो मेल एंड फीमेल गैमिट जो आपके प्रोड्यूस होंगे एफ वन प्रोजैनी से कौन से होंगे तो आपको क्या लिख देना है यहाँ पे आंसर ये लिख देना है फोर्थ वाले का आंसर ये है फोर्थ वाले का आंसर ये है ये ये वाले बने हमारे पास ये गेमिट्स बने हैं मेल के भी फीमेल के दोनों के सेम बने होंगे ऑब्वियस सी बात है ऑब्वियस सी बात है अरे भाई ये लिख तो रखा है पुन्न स्क्वायर मेथड है तो समझ जाओगे पृथ्वी समझ जाओगे क्लियर है यहां तक अब पेपर में यहाँ से कैसे ही सवाल आए आराम से समझ जाओगे अब देखो मैंडल ने ना कुछ चीज़ें कंफर्म की थी तो उसने दो टेस्ट यूज किए थे एक तो उसने टेस्ट यूज किया था बैक क्रॉस इसने टेस्ट किया था टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस का सीधा सा मतलब यह है कि बैक क्रॉस ऐसा मामला हमारे पास आता है कि हमको भाई अपने पेरेंट के साथ ही गड़बड़ करनी पड़ती है इधर क्रॉस करना पड़ता है जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे टोल आया है ना यहाँ पे डुआफ आया यहाँ से हमारा F1 आया F1 से हमारा F2 आया तो अगर मैं यहाँ पे F1 की F2 के साथ करा दूँ

करने के लिए मैं क्या यूज़ करूंगी? उसको चेक करने के लिए मैं यूज़ करने वाली being, अगर तुम सामने डोमिनेंट वाला रखोगे ना तो डोमिनेंट वाला अपना असर दिखाएगा रिसेसिव वाला रखोगे तभी तो सामने वाली अननोन पार्टी अपना इफेक्ट दिखाएगी ना इसीलिए हम हमेशा ही क्या करते हैं अननोन जीनोटाइप को हमारे किसके साथ रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं सिंपल एज दैट है ना आपका अननोन जीनोटाइप इनटू में रिसेसिव पेरेंट ये हमारा क्या है सो दैट अननोन वाला इसकी प्रेजेंस में शर्माए ना घबराए ना और अपना सर दिखा दे सिंपल एज दैट ठीक कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं यह है आगे चले

डोमिनेंस ऑफ डोमिन क्या कहते हैं लो ऑफ डोमिनेंस क्या कहते हैं एक एक है, ऐसा कुछ नहीं है अगर तुमको रिसेसिव बनना है या तुमको डोमिनंट बनना है तो होमोजाइगस में रहो हैड्रोजाइगस में आओगे इंटरमीडिएट स्टेज आपके पास आ जाएगी अगर तुम किस में आओगे अगर तुम इनकम्प्लीट में आओगे तो अगर तुम एक हेड्रोजाइगस स्टेज में आते हो तो एक इंटरमीडिएट स्टेज आपको दिखेगा जो कि दोनों पेरेंट्स के बीच का होगा ठीक है एग्जाम्पल के लिए डॉग फ्लावर स्नैप ड्रैगन या फिर मिराबिलस जलापा हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं ठीक है जहां पे हमने रेड रेड फ्लार को किसके साथ किया जहां पे हमने रेड फ्लावर को व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉस किया तो हमारे पास एफ वन कैसा आ गया पिंक आ गया है ना अब ये पिंक का पिंक के साथ क्रॉस कराया तो वन टू वन आया रेड पिंक व्हाइट एंड वन टू वन ही आपका क्या है जीनो टाइप आया है ना तो यहां पे याद रखना इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहती है कि अगर आप हेट्रोजाइगस में आए तो ना तो आप ना तो आप डोमिनेंस ना तो आप डोमिनेंट बन पाओगे ना आप रिसेसिव बन पाओगे आप बन जाओगे इनका मिक्सचर एक इंटरमीडिएट स्टेज बन जाएगी यहां पर एक इंटरमीडिएट स्टेज बन जाएगी यहां पे ये इन्होंने कहा सिंपल सी बात और खास चीज पता है क्या है? इनकी इनकी खास चीज ये कि इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप हमेशा सेम होता है हमेशा सेम होता है तो, तो, तो तुम कुछ भी एग्जाम्पल लेके देख लो कुछ भी एग्जाम्पल लेके देख लो आपको इनका जीनोटाइप फिनोटाइप ऑलवेज सेम ये तो कर लोगे आसानी से दैट्स इनकम्प्लीट फ्लार है ना तो इनका जीनोटाइप फिनोटाइप वन टू वन आएगा एक रेड दो पिंक एक वाइट और जीनोटाइप भी सेम तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे कंप्लीटली डोमिनेंस नहीं है आर की कंप्लीट डोमिनेंस आपके इस छोटे वाले आर के ऊपर नहीं है है ना अगर ये हाइड्रोजाइगस कंडीशन में आया तो ये भी थोड़ा ऐसे करेगा अच्छा बन रहा है मेरे ऊपर ऐसे वाला है ना हम्म Oh, ज्यादा डाल दिया <coughs> भाई मेरे को था दर का पानी पर ये जहर बनी चलो इसके ऊपर सवाल है आपका है ना इसके ऊपर सवाल आया हुआ है सवाल क्या आया है कि भाई F1 वन प्रोजैनि जो हमारी आती है उसके पास फीनोटाइप है जो कि रिजेंबल नहीं करता किसी भी दोनों पेरेंट के साथ एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप है तो आपको एक्सप्लेन करना एक सुटेबल एग्जांपल के साथ कि आपकी यहाँ पे F2 तक F2 तक करना है इसमें लिखा हुआ है कि वर्किंग आउट द क्रॉस अप टू F2 F2 तक क्रॉस करो और बताओ कौन सा फिनोमिना है तो आसान आराम से कर दोगे है ना बेटा दोबारा तो एडमिशन ले लो ग्यारहवीं में समझ में आया क्या इसमें कोई तकलीफ है क्या इसमें कोई तकलीफ है बताओ जल्दी से इसमें कोई तकलीफ है कर लोगे इसको आराम से चलो आगे चलो आगे हमारे पास कहते हैं को डोमिनेंस को का मतलब क्या होता है जब भी तुम वर्ड लगाते हो को इसका मतलब सीधा सा निकल के आता है कि हम साथ साथ में जैसे हम बोलते हैं कलीग है ना कलीग मतलब दो लोग साथ में काम करते हैं तो ये ऐसे कहता है कि देखो ऐसा है कि क्यों ना दोनों डोमिनेंट बन जाए अगर मान लो मेरे पास दो डिफरेंट अलील है।, है ना मेरे पास मान लो एक ए एलील है एक बी एलील है ये कहता है जी मैं भी डोमिनेंट हूं और बी कहता है देखो ऐसा है कि मैं भी डोमिनेंट हूं मैं भी कैसा हूं मैं भी डोमिनेंट हूं तो ये कहता अच्छा अगर हम दोनों एक साथ में आएंगे तो अब हम डोमिनेंट में कौन आएगा क्या अब ए डोमिनेंट होगा कि बी डोमिनेंट होगा तो कह रहे थे लड़ना वड़ना तो क्या ही करना है हम दोनों ही डोमिनेंट हो जाते हैं ए भी डोमिनेंट हो जाता है बी डोमिनेंट हो जाता है तो यहां पे इनका अब को डोमिनेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा को डोमिनेंस हो जाएगा एक ब्लड ग्रुप आता है हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप है ना तो ए बी ब्लड ग्रुप ही इसका एग्जाम्पल है याद रखना कोई दूसरा नहीं कोई दूसरा नहीं है सिर्फ और सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप जो है सिर्फ वही हमारा एग्जाम्पल है दूसरा एग्जाम्पल हमारा नहीं है ठीक है क्लियर है क्लियर है इजी है आगे देखो यही चीज लिखी हुई है कि जब आपके पास दो एलील हो जो दोनों ही इक्वली कैसे हो डोमिनेंट हो दोनों ही डोमिनेंट होंगे जैसे ए बी के अंदर आपके पास एक जीन आता है जो कि ए बी ब्लड ग्रुप बनाएगा तो यहां पे को डोमिनेंस आएगा आई ए एंड आई बी दोनों ही डोमिनें शो करेंगे दोनों ही को डोमिन शो करेंगे ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा है ना चलो आगे हमारे पास आता है मल्टीपल एलोलिज्म मल्टीपल एलिज्म क्या कहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल एलील्स है अब हमेशा याद रखना मल्टीपल एलोलिज्म जो है ये एक पॉपुलेशन में होता है ये किसमें होता है एक पॉपुलेशन में होता है कभी भी एक इंडिविजुअल में मल्टीपल एनलिज्म नहीं होता है पॉपुलेशन में मल्टीपल एलॉलिज्म होता है और एक इंडिविजुअल के अंदर और एक इंडिविजुअल के अंदर इस मल्टीपल एलोलिज्म का काम नहीं होता है ठीक है इंडिविजुअल के अंदर तो सिर्फ एक पेयर ही होता है ओनली पेयर याद रखना ये जो मैनी मैनी एलील है ये मैनी एलील सिर्फ और सिर्फ किसमें होते हैं पॉपुलेशन में होते हैं इंडिविजुअल है. में तो पेयर ही होता है दो ही आएंगे ठीक है दो ही आएंगे एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखो तो आपके पास ब्लड ग्रुप के लिए आई ए आई बी एंड आई तीन तरीके के एलील है तीन तरीके के एलील है हा के ना तो दो से ज्यादा होना इस मल्टीपल यहां पर हो जाता है तो इसमें से या तो एक इंसान के पास आई ए या आई का कॉम्बिनेशन बनेगा या आई ए या आई ए का कॉम्बिनेशन बनेगा या फिर आई बी आई का कॉम्बिनेशन आई बी और आई बी का कॉम्बिनेशन इधर I एन आई का कॉम्बिनेशन या फिर आई ए या फिर आई बी का कॉम्बिनेशन। यानी इसमें से दो ही होगी बहुत सारी नहीं होगी हो तो बहुत सारे एलील नजर आएंगे बट जब आप इंडिविजुअल में जाते हो तो वहां पे आपको वो सिर्फ पेयर में ही मिलेंगे ओनली टू ही मिलेंगे तो कभी भी याद रखना ये इंडिविजुअल का फिनोमिना नहीं है बेटा एक पॉपुलेशन का फिनोमिना है क्लियर है ये मन सोचना एक इंसान में बहुत सारे एलील भी लेके नहीं बेटा एक इंसान में तो दो ही मिलेंगे बट एक पॉपुलेशन में अलग-अलग तरीके के मिल सकते हैं क्या ये बात क्लियर है आपको ये कहाँ से मिलेंगे आपको कम्युनिटी से मिल जाएगा कम्युनिटी पे मिल जाएगा आपको और टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोनों जगह मिल जाएगा ठीक है आगे चले आगे चले आगे हमारे पास देखो ये लिखा हुआ है कि आपके पास अगर दो एलील है तो वो सेम करेक्टर को मोर देन टू एलील गवर्न करेंगे सेम को जैसे कि इंडिविजुअल में ये होता है सिंस इन इंडिविजुअल सिर्फ दो एलील आपके पास होते हैं बट मल्टीपल एलील जो आपका होता है सिर्फ पॉपुलेशन में होता है है ना आपके पास स्किन कलर हो जाएगा ब्लड ग्रुप हो जाएगा हाइट हो जाएगा ह्यूमन का तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लियर है चलो आगे क्या है ये इसका दिखा भी, लिखा भी हुआ सेम चीज जो मैंने आपकी लिखी है ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कई बार ये पेपर में आ जाता है ठीक है नेक्स्ट वी आर हैविंग इज प्लियोट्रॉपी प्लियोट्रॉपी क्या कहते हैं प्लियोट्रॉपी इज वेरी सिंपल प्लियो का मतलब होता है यहां पे इसको तुम समझो मैनी मैनी ट्रॉपी का मतलब होता है ट्रेट कि आपके पास बहुत सारे ट्रेट हैं जो कि कंट्रोल्ड बाय वन जीन एक जीन है सिर्फ एक सिंगल जीन है जो कि बहुत सारे जो कि बहुत सारे ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है अगर उस एक करेक्टर को उस एक जीन को कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो सारे करेक्टर्स सारे ट्रेट मिसमैनेज हो जाएंगे ये कौन कह रहा है ये आपका प्लियोट्रोपी कह रहा है ये कौन कह रहा है प्लियोट्रोपी कह रहा है ठीक है अब एग्जाम्पल के लिए इसका तुम क्या ले सकते हो डिजीज भी कवर हो जाएगी यहां पर पीकेयू यू यानी कि फिनाइल किट फिनाइल क्यूटो नोरिया ठीक है चलो इसको तुमको समझना कैसे है यहां से समझते हैं इसको देखो तुम्हारे पास एक जीन है समझो इस बात को तुम्हारे पास जीन है यह जीन एक एंजाइम बनाता है मैं कहूं प्रोटीन बनाता है यह एंजाइम क्या करता है प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन ऑब्वियस बात है कोई एंजाइम की फॉर्म में बनाया होगा और यह एंजाइम जो आपका बनाया गया है यह है फिनाइल हाइड्रोक्सीलेज ठीक है फिनाइल हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम बनाया है अब ये एंजाइम करता क्या है ये एंजाइम हमारे पास फिनाइल एल फिनाइल एल अमीनो एसिड होता है ये हमारा अमीनो एसिड होता है ठीक है इसको कन्वर्ट कर देता है टाइरोसिन में

आपकी बॉडी को पिगमेंटेशन मिलता है यहां से मिलता है आपकी बॉडी को ग्रोथ मिलती है आपकी बॉडी को ग्रोथ भी यहां से मिलेगी इस टाइरोसिन से मिलेगी है ना अगर मान लो बाय चांस, चांस है ना चांस अगर ये जीन में डिफेक्ट आ गया तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ये प्रोटीन नहीं बन पाएगा यहां पे कोई एंजाइम नहीं हो पाएगा अगर कोई एंजाइम नहीं होगा तो यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं होगा किसी भी तरीके से कोई कन्वर्जन आपका होगा ही नहीं यहाँ पे आपका फिनाइल एलेनाइन ये क्या हो जाएगा ये एक्यूमुलेट हो जाएगा ये कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि जो एंजाइम फिनाइल हाइड्रोक्सीलेज़ ये तो बना ही नहीं तो कन्वर्ट कौन करेगा जब कोई कन्वर्जन ही नहीं हुआ तो ये फिनाइल एलोनाइन पड़ा पड़ा हमारे ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है और ये एक्यूमुलेट होके कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल एलेनाइन की बजाय फिनाइल पायरुविक के अंदर किसके अंदर फिनाइल

है ना एक जीन गड़बड़ हुई तो सब कुछ गड़बड़ हो गया एक जीन के गड़बड़ होने से इतने सारे फीचर्स गड़बड़ हो गए दिस इज कॉल्ड फिनाइलियोट्रोपी कि एक जीन से बहुत सारे ट्रेट कंट्रोल होते हैं क्या ये क्लियर है क्या ये क्लियर है जल्दी बताओ हाँ पिगमेंटेशन हर तरीके की पिगमेंटेशन आ जाती है स्किन कलर मान लो हेयर कलर मान लो है ना यस सबको क्लियर है और हाँ देखो इतने कम बच्चे पता नहीं क्यों ये हो रहे हैं ना आप सभी बच्चे सेशन शेयर करो अपने दोस्तों को सेशन शेयर करो आपको कोई ग्रुप है क्लास का उनको शेयर करो सो देट सबके अच्छी चीज हो पाए ना क्योंकि सबसे कॉम्प्लेक्स यूनिट हमारी जेनेटिक यूनिट है है ना सबको शेयर करना है सेशन ना आगे चले प्लियोट्रोपी हो गया Pleotropy हो गया कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है अच्छा हाँ इसका एक और चीज जो आपका प्लीओट्रॉपी कहा आ जाता है प्लियोट्रोपी का एक और आपके पास आएगा जहां पे जहां पे आप किसको लेके जाते हैं स्टार्च वाले ग्रीन के ऊपर बात लेके जाते हैं स्टार्च ग्रेन है के लिए कि भाई आपके पास एक जीन है मतलब यहां पे तुम सिंपली एक टर्म लेके जाओगे प्लियोट्रोपी ये तो मैंने तुमको डिजीज का एग्जाम्पल दे दिया बट प्लियोट्रोपी का एक और मतलब हो सकता है कि मतलब ट्रेट एक जीन से कंट्रोल हो रहा है तो हमारे पास एक जीन है दैट इज बी जीन ये मान लो हमारे पास एक जीन है बी जीन ये बी जीन दो चीज कंट्रोल कर रहा है ये बी जीन स्टार्च का अमाउंट भी कंट्रोल कर रहा है स्टार्च का अमाउंट भी कंट्रोल कर रहा है और साथ में ये साइज भी कंट्रोल कर रहा है क्या लिख दिया यार सीड के अंदर स्टार्च भी कंट्रोल करता है और साइज भी कंट्रोल करता है मोर देन वन होता है ना मोर देन वन मेनी हो जाता है मोर देन वन होते मेनी हो जाता है तो ये भी किसके एग्जाम्पल है प्लियोट्रोपी का अब जैसे कि मैंने कहा अगर आपके पेस बीबी वाला जीन है तो आपके पास हाई स्टार्च है ठीक है और लार्ज सीड है लार्ज सीड है अगर आपके पास ये वाली स्टेज आ जाती है तो आपके पास सीड तो अभी भी लार्ज है बट एक मीडियम मीडियम अमाउंट ऑफ स्टार्च आ जाएगी एंड शीड अभी भी लार्ज रहेगा अगर ये वाली कंडीशन आ जाएगी तो आपके पास लो स्टार्च आ जाएगा और ये स्मॉल सीड हो जाएगा तो यहाँ से दो चीज निकल रही है यहाँ से प्लियोट्रॉफी भी निकल रही है और यहाँ से तुम्हारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस दो चीज हो रही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे कि आपके पास एक इंटरमीडिएट मीडियम साइज का इंटरमीडिएट बन गया ना तो ज्यादा लार्ज है ना ज्यादा कम है है ना अमाउंट ना हाई ना लो एक मीडियम स्टेज बन गई इंटरमीडिएट तो यहां पे आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी है एज वेल एज क्योंकि ये जो बी जीन है ये दो चीजों को कर रहा है कोड स्टार्च की अमाउंट भी कोड कर रहा है और साथ में साइज का भी ध्यान ये रख रहा है तो मतलब यहां पर भी प्लियो होगी तो दो दो फिनोमिनाज यहां पर काम करते हैं ये भी आपको याद रखना है ठीक है चलो नहीं मल्टीपल एलिज्म नहीं है बेटा बी जीन इज नॉट मल्टीपल एलिज्म मल्टीपल एलिज्म का मतलब होता है बहुत सारे एलील यहाँ पे तो एक ही जीन है ना जो मल्टीपल ट्रेट कंट्रोल कर रहा है आगे चले आगे हमारे पास प्लियोट्रॉपी हो गया अब यही चीज़ आपकी लिखी है कि स्टार्ट साइज अगर आपका फिनोटाइप की उस पर मैं अगर काउंट अप करूं तो यहाँ पे एलील जो है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी दिखाता है डोमिनेंस आपका एक ऑटोनोमस फीचर है किसी भी जीन का इज नॉट इन मतलब ऑटोनोमस नहीं है ऐसे एकदम से डिफॉल्ट फीचर नहीं होता कि ऐसा ही होगा ठीक है ये डिपेंड करता है कि कितना जीन प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है यहाँ पे तो पर्टिकुलर ये आप इसको चाहो तो प्लियोट्रॉपी में लिखा हुआ है बट इस प्लियोट्रोपी के साथ साथ आप इसको इनकम्प्लीट के अंदर भी काउंटअप कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट इज वेयर वी आर हैविंग क्रोमोजोमल क्रोमोजोमल थ्योरी क्रोमोजोमल थ्योरी कहती है कि देखो ऐसा मामला है कि ये आया कहाँ से तो हमारे पास तो मैंडल थे मैंडल ने अपना काम वाम कर दिया था नीचे से एड हटा दूं, कहा अच्छा नीचे से एड हटा दूं। अच्छा टीकर चल रहा है ये किसने चलाया ये चल क्या रहे अच्छा मेरा ही चल रहा है ठीक है अब ठीक है अब ठीक है देखो बेटा बी जीन का सिंपल सा फंडा समझो दो शब्द देखो तुम एक शब्द आपके पास है इनकंप्लीट डोमिनेंस एक शब्द आपके पास प्लियोट्रोपी प्लियोट्रोपी ने क्या कहा प्लियोट्रोपी ने कहा कि आपके पास मेनी ट्रेट कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन है ना मतलब मोर देन वन मान लो तुम यहां पे प्लियोट्रोपी का सीधा सा मतलब अगर एक जीन एक से ज्यादा कंट्रोल करे ना ट्रेट को एक से ज्यादा चीजों का ध्यान रखे तो समझ जाओ प्लियोट्रोपी है जैसे कि बी जीन है ये बी जीन स्टार्च की अमाउंट भी डिसाइड करता है और ये बी जीन आपका साइज भी कंट्रोल करता है तो मोर देन वन हुआ तो क्या होगा प्लियोट्रॉपी मैनी ट्रेट बाई सिंगल जीन साथ में इनकम्प्लीट होमोजाइगस डोमिनेंट स्टेज में हो तो हाई अमाउंट में हो तो लो मिलेगा अगर ये में आ जाए ना तो लार्ज ना, तो ना यह आपका लो मीडियम इंटरमीडिएट आ जाता है, है ना? तो यह इनकम्प्लीट डोमिनपल है ध्यान से रखो इस चीज को हा बिल्कुल वन जीन मल्टीपल फ्यूनोटाइप वन जीन मल्टीपल फीनोटाइप हाँ जी बिल्कुल 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 कोई संदेह की बात नहीं बिल्कुल सही अब देखो इन्होंने ना अपना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट मैंडल ने अपना पब्लिश पब्लिश किया था बट लो कम्युनिकेशन था एक लोकल सी पब्लिकेशन में इन्होंने पब्लिश कर दिया तो इसलिए चीज़ें आगे बढ़ नहीं पाई ज़्यादा पहुंच नहीं पाई है ना तो बाद में हमारे पास तीन महाशय आते हैं जो कि इनके वर्क को रीडिस्कवर करते हैं जो कि हमको नहीं करनी है जो कि हमको नहीं पढ़ना है जिसके बारे में कभी पूछा भी नहीं जाएगा ठीक है तो वो रीडिस्कवरी करने के बाद हमारे पास सटन एंड बावरी आते हैं सटन एंड बावरी 1902 में 1900 में तो उनका काम रीडिस्कवर हो जाता है ना हमारे पास मार्क है ना ये आते हैं ना कोरेंस मार्क आते हैं तो ये क्या करेंगे उसको वर्क को रीडिस्कवर करेंगे अब उसके बाद हमारे आ जाएंगे दो महाशय जो कि होंगे सटन एंड बावरी ये कॉपी कैट्स हैं जैसे मैंडल ने अपने लो बोले ना कि फैक्टर पेयर में होते हैं फैक्टर सेपरेट होते हैं ये डिट्टो बात बोल देते हैं क्योंकि जब तक क्रोमोजोम की डिस्कवरी विस्कवरी हो चुकी होती है तो ये जहां पे मैंडल ने फैक्टर वर्ड लगाया ना वहां पे अपना चिपका दिया क्रोमोजोम जैसे बच्चे नहीं होते थे बोलते थे कि भाई आई हैव मैनी फ्रेंड्स आपने मीम भी देखा होगा कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट कुल जैन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड तो ऐसे कोई ऐसे लिख दे कि आई हैव मैनी फादर बट कुणाल जैन इज माई फेवरेट फादर है ना तो कैसा लगेगा मतलब कॉपी की उन्होंने डिट बस बेस्ट फ्रेंड की जगह पे फादर रख दिया तो लो लो जाता कई बार मीम बन जाता तो ऐसे वाला मामला इनका था इन्होंने क्या करें ने देखा कि क्रोमोजोम की थोड़ी बहुत वर्किंग वर्किंग देखी कि क्रोमोजोम भी ऐसे ही होते हैं जैसे फैक्टर के बारे में बोला कि दो अलग अलग आ जाए तो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव तो क्रोमोजोम में भी होता है है ना और सेपरेट भी होते हैं फैक्टर तो क्रोमोजोम भी सेपरेट होते हैं डिप्लॉइड सेप्लॉइड जब जाते हैं तो मतलब सिमिलैरिटी है तो उन्होंने क्या बोला उन्होंने यहाँ पे अपनी क्रोमोजोम थ्योरी दे दी उन्होंने बस सिंपल वर्ड्स रखे जहां पे फैक्टर रखा था वहां पे क्रोमोजोम लगा दिया तो अपना पेयरिंग और सेपरेशन देखते हैं क्रोमोजोम की और साथ में मैंडल का ज्ञान जोड़ के अपनी थ्योरी देते हैं जिसको कहते हैं क्रोमोजोमल थ्यूरी ठीक है और क्रोमोजोमल थ्योरी के अंदर क्या कहा गया इन्होंने कहा कि जो हमारे क्रोमोजोम होते हैं वो वीकल है हेरिडिटी के कि आगे से आगे से चीजें पास हो रही है कौन पास कर रहा है हमारा क्रोजोम पास कर रहा है ठीक है हमारे पास दो आइडेंटिकल आइडेंटिकलोजोम होते हैं तो होमोलोगस हो जाएंगे ठीक है हमारे ये गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पे सेग्रीगेट अलग हो जाएंगे इंडिपेंडेंट पेयर आपके होते हैं जैसे कि इंडिपेंडेंट असोटमेंट का नियम था ऐसे इन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंटली एक जिन दूसरे जिन के साथ जाता है ठीक है क्रोमोजोम म्यूटेबल है चेंज हो सकता है क्योंकि डीएनए के अंदर चेंज हो सकता है सकता तो आपका क्रोमोजोम तो डीएनए सी बना है है ना सेक्स क्रोमोजोम आपके किसी इंडिविजुअल का सेक्स आइडेंटिफाई करते हैं ये कुछ पोस्टुलेट्स वहां पे दिए गए है ना तो आगे यहाँ पे कुछ पैरेललिज्म एंड आ जाता है एक क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कई बार पूछ लिया जाता है एक या दो नंबर में कि भाई हमें ये बता दो कि आपके पास क्रोमोजोम थे और साथ में मैंडल के फैक्टर थे इनके बीच में क्या था क्या चीज पैरल थी अब आप मुझे बता दो मैंने ये सारा वोबली तुमको बोल के बता दिया अब तुम मुझे ये बता दो कि यहां पर क्या तुम लिखोगे अगर तुम्हारे पास पेपर में ही सवाल आ जाए तो तुम क्या आंसर लिखोगे क्या लिखोगे क्या आ रही मैम अरे मैं मैं नहीं कह रही भाई मैं तो तुमको बस बता रही हूं एग्जाम्पल है, है ना जल्दी बताओ क्या लिखोगे यहां पे पहली बात तो ये जैसे कि ने कहा पेयर्ड होते हैं फैक्टर तो क्रोमोजोम भी पेयर्ड होते हैं है ना फिर उसने कहा कि भाई सेग्रीगेट हो जाते हैं मियोसिस पे गैमीट बनते टाइम क्रोमोजोम ऐसे फैक्टर को भी बोला गया कि जब गैमीट बनते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं है ना ऐसी कुछ बातें बोली गई ना तो सेम चीज यहाँ पे भी आपके पास है कि आपके पास अगर आप क्रोमोसोम्स की बात करो तो दोनों ही पेयर में होते हैं ठीक है गैमेट फॉर्मेशन पे अलग होएंगे आगे प्रोजेनी में चला जाएगा सेम डज हेयर यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन होता है तो यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन होता है है ना तो ये क्या थी उनकी सिमिलैरिटी ये लिख लेना एक नंबर में पूछ लिया जाएगा ज्यादा में नहीं पूछा जाएगा आगे चलो अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आती है देखो कोई भी चीज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि भाई हम उसको वेरीफाई करेंगे कि एक्चुअली में चीज हो रही है कि नहीं हो रही है कुछ बच्चे क्लास में से जलखोर टाइप होते हैं जलखोर का मतलब क्या होता है कि वो जलते हैं कि सामने वाले ने ऐसा क्यों कर दिया है ना तो जल जाते हैं जल जाते भुन जाते मैं अभी ट्राई करूंगा है कि नहीं है कंफर्म करके मानूंगा तो वो कन्फर्मेशन के जो चक्कर में काम करते हैं ना वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन यहाँ पे भी की गई तो एक महाशय आते हैं जिनका नाम है थॉम्स हंट मॉर्गन क्या नाम है थॉमस हंट

ठीक है अब उन्होंने क्या किया उन्होंने ड्रोसोफेला मेलन गैस्टर फ्लाई को लिया ये इंपॉर्टेंट है याद रखना ये इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाता है ठीक है यहां पर आपके पास हम्म यहाँ पे उसने बोला कि भाई देखो ऐसा है कि जो हमारी फ्लाई होती है ना उसको हमने क्यों चूज़ किया तो पी को हमने क्यों चूज़ किया था इजीली कल्टीवेट हो जाता है शॉर्ट टाइम पीरियड में आता है मल्टीपल फीचर्स थे वो पेपर में कभी नहीं पूछा जाता बोर्ड में तो कम से कम नहीं पूछा जाता तो यहाँ पे ड्रोसोफिला के लिए भी आता है कि भाई बहुत ईजिली क्विकली मल्टीप्लाई करती है है ना शॉर्ट जनरेशन है ब्रीडिंग इसकी साल भर हो सकती है एक में एक बार में बहुत सारे बच्चे बन सकते हैं सिंथेटिक लैब के अंदर ईजिली बन सकती है मेल फीमेल आपके ईजिली डिस्टिंगश हो सकते है सेक्शुअल डाइमोर्फिजम

ग्रे कलर की बॉडी है ठीक है एंड रेड आई है और रेड आई है ठीक है और इधर हमारे पास इधर हमारे पास उन्होंने क्या लिया येलो बॉडी है येलो बॉडी है एंड व्हाइट आई है वाइट आई है इन दोनों के बीच में क्या कराया क्रोस इन दोनों के बीच में क्या कराया क्रोस कराया ठीक है हाँ, सॉरी ब्राउन बॉडी रेड आई ग्रे लिख दिया क्या मैंने दिमाग कहाँ है मेरा वैसे ग्रे में ही आ जाता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बट यहां पे आपको वो वाला शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट फॉर्म ही लिखना यहाँ पे अलग मामला चलता है तो यहां पे ये येलो बॉडी वाइट आई वाला जो फीमेल वाला पोर्शन है ये हमारी क्या है ये हमारी फीमेल है इसके अंदर हमने येलो बॉडी को वाई से डिनोट करा और वाइट आई को डब्ल्यू से डिनोट किया तो हमने इसको वाइल्ड टाइप लिखा कि मेल जो हमारा है यहां पे कैसा बना वाइल्ड टाइप ठीक है कि यहां पे हमने ब्राउन बॉडी को वाई प्लस वाई प्लस से लिखा रेड आई को हमने डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू प्लस से लिखा अब ऑब्वियसली बात है यहां पे कुछ ना कुछ तो लोचा होना था मुद्दे की बात यहाँ पे थी जो सबसे सब सब खास बात थी कि ये दोनों एक ही क्रोमोजोम पे प्रेजेंट थे ये जो दो फीचर है येलो बॉडी एंड वाइट आई ये एक ही क्रोमोजोम पे फीचर है, और बिल्कुल पास पास प्रेजेंट है और कौन से पे प्रेजेंट है एक्स के ऊपर प्रेजेंट है ये दोनों ही फीचर ये दोनों ही फीचर कहाँ प्रेजेंट है ये भी मेल के पास ड्रोसोफिला में क्या होता है एक्स वाई होता है तो एक्स वाले के ऊपर ये हमारे करेक्टर्स सिचुएटेड थे

ठीक है इधर इधर ये आदमी है इधर वाला ठीक है ये, ये येलो एंड वाइट वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और ये आपका वाई क्रोमोजोम है ये आपका क्या क्रोमोजोम है वाई क्रोमोजोम है जिसके ऊपर कोई भी चीज सिचुएटेड नहीं है तो इसका कोई भी लेना देना नहीं है भाई कहीं कहाँ का नहीं दिख रहा मुझे ये बताओ कहाँ का नहीं दिख रहा तुमको कुछ नीचे लिखा ही नहीं है कुछ लिखा ही नहीं है नीचे क्या लिखा है कहाँ का नहीं दिख रहा तुम्हें कुछ लिखा ही नहीं नीचे तो तुम्हें दिखेगा कहां से तो इन्होंने क्या करा कि ये हमारे पेरेंट थे ये हमारे क्या थे भाई पेरेंट है ना इन दोनों को क्या कराया क्रोस इन दोनों को क्या कराया क्रोस ऑब्वियसली बात है गैमेट बनेंगे तो यहां पे दो तरीके के गैमिट बनते हैं ठीक है तो यहां पे मैं तुमको कुछ ऐसे लेके जाऊंगी सीधा कि यहाँ पे मेरी एफ वन आएगी यहाँ पे दो तरीके के गैमेट बने मेरे यहां पे एक गैमेट तो मेरा ये बना Y प्लस और W प्लस एक गैमिट Y वाला बना है ऐसे है ना ये बना ना दो गैमिट बने अब तुम अगर फीमेल को देखो अगर तुम फीमेल को देखो तो दोनों फीमेल के गैमिट सेम बनेंगे क्योंकि ये दोनों कंडीशन में है और जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन हो तो क्या होता है टू टाइप ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमिट बनेंगे बट यहाँ पे तो होमोजाइगस कंडीशन है तो यहाँ पे तो हमारा टू डिफरेंट टाइप नहीं बनेगा सेम टाइप ऑफ बनेगा ये आए चाहे ये आए सेम इफेक्ट आएगा तो इसके साथ आपका चाहे ये आए वाई एन डब्ल्यू चाहे इसके साथ इधर आए वाई एन डब्ल्यू है ना है ना ये मेरी एफ वन जनरेशन बनी अच्छा एफ वन जनरेशन में क्या मिला मैंडल ने जब करा था तो वहां पे ओल था, ओल सेम था, बट यहाँ पे था था सेम बट वो वाला मामला ही नहीं है यहाँ पे थोड़ा मामला डिफरेंट है यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा मामला डिफरेंट है ये मेरा क्या था ये मेरा एक्स है ये मेरा वाई है यानी ये मेल बना इस मेल में कौन सा फीचर दिखाई देगा जो एक्स में प्रेजेंट है और एक्स में यहाँ पे क्या है यहाँ पे मेरा येलो एंड वाइट येलो बॉडी वाइट आई वाला मेल बन गया फीमेल में जब तुम देखोगे फीमेल में जब तुम देखोगे तो फीमेल के अंदर दोनों क्या है एक्स एक्स तो यहां पे वाई के ऊपर इसका जोर चलेगा क्या हमको पता वाइल्ड वाला डोमिनेंट वाला कौन सा है ये अगर मेरे पास ये डोमिनेंट है तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास इधर रेड आई आएगी नजर एंड ब्राउन बॉडी नजर आएगी ब्राउन बॉडी नजर आएगी बट ये फीमेल है ये अभी भी डिफरेंट नहीं है ये अपने ये फीमेल अपने पापा जैसी है और ये मेल अपनी मम्मी जैसा है और दोनों अलग अलग है one one में चल चल रहा है है की रेशो चल रही ना एफ वन के अंदर यहां पे तुमने क्या पाया कि हमारी एफ वन जो है वो वन इंटू वन है और वन वन क्या तुमको पता है येलो बॉडी व्हाइट आई रेड आई ब्राउन बॉडी ये है ना अब ऑब्वियसली बात है कि भाई आगे जाके इसका भी क्रॉस कराना पड़ेगा ये तो हमने हाइब्रिड बनाया है ना हाइब्रिड बनाया ये तो मेरी एफ वन पी डी है ये तो एफ वन पी डी है इसका हाइब्रिड भी तो बनाना पड़ेगा तो अब इसका हाइब्रिड बना देते हैं चलो भाई अब हाइब्रिड बनेगा इसके गैमीट बनाएंगे अब ये मैं यहाँ से हटा दू क्या ये मैं यहाँ से हटा दू क्या ज्यादा बेहतर रहेगा अगर मैं हटा दूंगी तो क्योंकि पीछे मिल जाएगा आपको लिखा हुआ ना ये ठीक है अब देखो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है भाई गैमीट बनेंगे यहाँ पे अब की बार दोनों ही कैसी कंडीशन में है हाइड्रोजाइगस हाइड्रोजाइगस है कि नहीं ये भी हेटेरोजाइगस है और ये भी हेटेरोजाइगस है तो ऑब्वियस सी बात है जब दोनों ही हेटेरोजाइगस है इसके भी दो तरीके के गैमेट इसके भी दो तरीके के गैमेट टोटल कितने बनेंगे चार तरीके के चांस बनेंगे है ना ट्राई करें ट्राई करें चलो ये f1 है अब मैं f1 को f1 के साथ कराते हैं तो मेरी f2 बनेगी यहां पे भाई है ना यहां पे f2 बनेगी अब देखो चांसेस हैं चांसेस हैं कि इधर ये मेरा जो Y है, ये y इसके साथ जाए या ये क्रोमोज़ोम इसके साथ जाए। मान लो इसके साथ जा रहा है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस हो सकता है ये वाई क्रोमोजोम इस फीमेल के साथ जाए इसके साथ जाए हो सकता है ये वाला भी काम हो सकता है है ना ये तो ये वाई की बात होगी अब नीचे वाला भी तो है ना येलो वाला येलो वाला हो सकता है इसके साथ जाए या हो सकता है इसके साथ जाए तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो वाई Y वाई W, वाई एन डब्ल्यू ये वाला किसके साथ गया इसके साथ वाला इधर वाई प्लस W प्लस है ना ये वाला इसके साथ या इसके साथ आया तो ये रिजल्ट बना ये वाला इसके साथ गया इसके साथ गया तो ये बना हमारा है ना अब यहां पे बताओ कौन सी चीज क्या बनी ये मेरा के है ये दोनों मेल है भाई ये मेरी फीमेल है इस तरफ मेरी फीमेल है ये फीमेल अगर तुम देखो तो ये फीमेल कैसे निकल के आई कैसे निकल के आई आप देखोगे मैम ये जो फीमेल है ये हमारी ब्राउन बॉडी है और रेड आई है और ये वाली जो फीमेल है ये, ये येलो बॉडी है और वाइट आई है वाइट आई है अगर इस मेल को तुम यहां पे देखो तो एक मेल तो मेरा कैसा है ब्राउन बॉडी रेड आई है और एक मेल मेरा कैसा है भैया एक है मेरा येलो एंड वाइट है ना क्या यहां पे तुमको कोई ऐसी चीज मिली जो कि एक नई थी जैसे मैडल ने एक्सपेरिमेंट में लिया था नाइन थ्री थ्री वन नाइन और वन तो अपने पेरेंट के जैसे ही थे थ्री थ्री डिफरेंट आया था बट यहाँ पे तुमको कुछ भी डिफरेंट नहीं मिला क्या यहाँ पे तुमको कहीं पे ऐसा कोई मिक्सर दिखाई दिया जो कि कह रहा हो कि भाई मैं इधर जो है ना इधर ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई या रेड आई के साथ येलो बॉडी ये वाला कॉम्बिनेशन तुमको यहां पे मिला ही नहीं जब आपने F1 बनाया तो भी वो 100% अपने पेरेंट के साथ मैच कर रही थी जब आपने F2 बनाया तो F2 की भी जो जनरेशन थी प्रोजेनी थी वो भी अपने 100% परसेंट पेरेंट्स के साथ मैच कर रही थी तो आपने यहां पे क्या देखा कि कोई भी जीन ऐसा नहीं था जो कि एक नया कॉम्बिनेशन बना ब्रेक दूंगी रुको 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 ब्रेक दूंगी <clears throat> अभी रुको थोड़ा सा टॉपिक रह गया उसके बाद पांच मिनट का ब्रेक दूंगी मैं तुमको रुको थोड़ा सा रुको ब्रेक देती हूं दूंगी दूंगी टेंशन मत लो ब्रेक भी दूंगी <clears throat> है ना तो ये क्यों हुआ भैया ये क्यों हुआ कि ये दोनों सेपरेट हुई नहीं हुए कोई रिकॉम्बिनेशन ही नहीं बना यहां पे आप देखोगे कि थॉमसन हंट मॉर्गेन ने ये बहुत बार एक बार नहीं बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट करा उसने अपने पेरेंट्स को येलो बॉडी वाइट आई और वाइल्ड टाइप को क्रॉस कराया तो यहां पे आपके पास कम से कम पेरेंट टाइम 98.7 पेरेंट टाइप मिलता है और 0, था. इसका मतलब क्या है? कि ये जो आपस में जो दो जीन है ना वो आपस में इतने तगड़े तरीके से जुड़े हुए हैं कि वो सेपरेट ही नहीं हो पा रहे हैं वो दोनों इतने पास में है कि वो लिंक्ड है उनका फिजिकल लिंकेज हो रखा है तो उसी को हम एक चीज बोलते हैं लिंकेज। ठीक है तो यहां पे हमारे पास आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे अच्छे से रिजल्ट नजर आएगा आपको ये सब कुछ ना तो हमारे पास इधर से लिंकेज का और रिकॉम्बिनेशन का कंसेप्ट आता है कि लिंकेज होता है कि फिजिकल एसोसिएशन होगी एक दो से ज्यादा जीन्स की ठीक है और इसीलिए वो आपका इंडिपेंडेंट असोटमेंट नहीं दिखा पाएंगे जैसे कि एक चीज आती है कि इंडिपेंडेंट लो ऑफ इंडिपेंडेंट असोटमेंट कभी भी मॉर्गन uh, उन्हें नहीं मैंडल दे ही नहीं पाता अगर उसको किस चीज का पता होता लिंकेज का अगर उसे पता होता लिंकेज नाम की चीज होती तो वो लो ऑफ इंडिपेंडेंट असोटमेंट नहीं दे पाता ठीक थी। है तो लिंकेज होता है जब दो जीन आपकी फिजिकली एसोसिएट हो और डिफरेंट ना हो पाए और कब होता है डिफरेंट हो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे ग्यारहवीं क्लास में पढ़ा होगा ना क्रॉसिंग ओवर पैक्टीन के अंदर आपके पास यहां पे रिकॉम्बिनेशन है रिकॉम्बिनेशन जो नए कॉम्बिनेशन बने थे आपके जैसे थ्री थ्री वाला रिकॉम्बिनेशन था मैंडल के डेरिवेशन में तो वो रिकॉम्बिनेशन की एक नया पेर आपका बनता है रिकॉम्बिनेशन आपका बनता है ठीक है तो याद रखना जहां पे लिंकेज आपस में लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है अगर आप लिंकेज बढ़ा, बढ़ा दोगे ना तो रिकॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी अगर आप रिकॉम्बिनेशन बढ़ाओगे तो लिंकेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये ठीक <coughs> है क्लियर है चलो हाँ नॉन पैरेंटल टाइप तो देखो हमने क्या करा तुम यहां से समझो कि हमने हमने येलो बॉडी व्हाइट आई का क्रॉस कराया वाइल्ड टाइप के साथ यानी ब्राउन बॉडी रेड आई के साथ हमने F1 के अंदर पाया कि

जो था वो 3 -3 बनता ही नहीं है। इधर अलग अलग नहीं हो पा रहे मतलब जुड़े हुए हैं। सीधी सी बात ठीक है और यहीं पर थॉमस हंट मॉर्गन कहते भी हैं कि भी देखो ऐसा है कि हमारे पास यहाँ पे मॉर्गन ने जो बोला वो क्या बोला इसने कहा कि देखो यहाँ पे दो जीन ने ना अलग नहीं हुए सेग्रीगेट नहीं हुए जब मैंने F2 की रेशो देखी तो 9:3:3:1 से अलग रेशो निकल के आ रही थी 9:3:3:1 तो आई ही नहीं है ना मेरे पास तो 9:3:3:1 आई नहीं मेरे तो वन टू वन रिलेशनशिप चल रही है अभी भी कैसे चल रही है उसकी उसकी अभी भी वन टू वन चल रही है फिनो वाइज अभी भी कैसे चल रही है वन टू वन ठीक है कि इतने ही येलो एंड व्हाइट है इतने ही ब्राउन एंड रेड आई वाले हैं वन टू वन चल रहा है उनका भी, भी और ये जो जीन है ये एक्सक्रोमोजोम के ऊपर लिंक्ड है और दोनों ही जीन्स येलो कलर का भी जो उसकी बॉडी का कलर है वाइट आई वो भी उसका आई का कलर है वो दोनों ही एक ही जगह पे बैठे हुए हैं साथ में बैठे हुए हैं जुड़े हुए हैं इसीलिए वो आपके एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने के कारण सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं और ये जो जुड़ाव है इसी को हमने क्या कहा लिंकेज कहा और इसने ये भी कहा कि अगर आपके जीन जितने ज्यादा दूर होते जाते हैं उतना ज्यादा चांस है कि वो अलग हो जाएं बोलते हैं ना कि भाई दो बेस्ट फ्रेंड है इतनी मुश्किल से इतनी आसानी से सेपरेट नहीं होते हैं। बट जो बस जस्ट फ्रेंड होते हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है जो तुम्हारे बहुत घनिष्ठ होगा वो तुमसे दूर होने के लिए इतने ही जतन लगाने पड़ेंगे जो तुमसे पहले ही दूर है उसके लिए क्या जतन लगाना वो फटाक से हो जाएगा ठीक है तो कुछ अलग मामला यहाँ पे नहीं है ठीक है क्लियर है क्लियर है और यहाँ पे लिखा भी है कि भाई व्हाइट एंड येलो आपका जो टाइटली लिंक्ड थे तो इसलिए 1.3 परसेंट एक नई कॉम्बिनेशन बनता है ऐसे ही मिनिएचर विंग्स के लिए था या आप कर लेना खुद से उसमें कुछ ऐसा है नहीं टाइटली लिंक्ड जीन आपके लोअर रिकॉम्बिनेशन दिखाता है इसीलिए मैंने कहा था ना कि ये क्या दिखाते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन दिखाते हैं लूजली लिंक्ड जीन आपके हाई रिकॉम्बिनेशन दिखाते हैं मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ठीक है अब देखो यहां से आपका आएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कराने से पहले आपको मैं पांच मिनट का ब्रेक दे रही हूं दो घंटे हो गए हैं तुम लोगों को लगातार करते 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 कितनी देर में हो जाएगा बस मुझे तुम आधा घंटा और दो और ये चैप्टर खत्म है आधा घंटा और दो ये चैप्टर खत्म है पांच मिनट का ब्रेक दे रही हूं मैं तुमको अपना पानी पी लो पानी पी लो जिसको पीना है ठीक है पानी पी लो भाई किसी को पीना है तो पांच मिनट का ब्रेक दे रही हूं मैं बिल्कुल गिनती के पांच मिनट का ब्रेक दे रही हूं कहा गया टाइमर गिनती के पांच मिनट दे रही हूँ तुम्हें किसी को कुछ करना है पानी पीना है वॉशरूम जाना है चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है गिनती के पांच मिनट है जिसको जो करना है कर लो आपने अभी ज्वाइन किया है दीपिका हेलो बेटा चलो किसी को कुछ पूछना है कुछ जानना है तो बताओ पांच मिनट का रेस्ट दे रही हूँ बीच में गिनती की पाँच मिनट है गिनती की पांच मिनट ठीक है हाँ लिंक समझाया तो मैं दोबारा करा दूंगी मैं पांच मिनट है बिल्कुल गिनती की पांच मिनट वॉशरूम जाना है पानी पीना है फटाफट कर आओ जो करना है ठीक है इकोलॉजी यूनिट देखो हम जो है इकोलॉजी करेंगे मैं आपको मार्क्स वाइज करा रही हूँ आपकी जो जेनेटिक यूनिट है ना वो बीस नंबर की है सबसे ज़्यादा मतलब मैं कहूँ कॉम्प्लेक्स टफ यूनिट और सबसे ज़्यादा मार्क्स वाली यूनिट तो इसीलिए हम सबसे पहले जो कर रहे हैं वो हम कौन सा कर रहे हैं बेटा कराती तो हूं, पी वाई क्यू डोज बीच में कार्तिक करा तो रही हो इसलिए मैं करा रही हूं नेक्स्ट हम जो कल करेंगे वो रिप्रोडक्शन करेंगे इकोलॉजी दस नंबर की है और चार क्वेश्चन है वहां के तुम लिखवा लो मुझसे अगर इनके भारत में कुछ मिल जाए अगर तुम बायोडाइवर्सिटी की बात करो तो तुम्हारे पास एक चीज आती है रिविट पॉपेट हाइपोथसिस ठीक है जो पॉल एनलिच ने हमारी दी थी उसके बारे में आ जाता है पूछने के लिए और बायोडाइवर्सिटी के अंदर उसके जो कैसे कैसे तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं वो आ जाता है बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न स्पीशीज एर रिलेशनशिप वो वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक मैं कहूंगी उसमें हर चीज इंपॉर्टेंट है बट जो गिन के चार चीज स्पीशीज ए रिलेशनशिप लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न आपका देन रिविट पॉपर हाइपोथेसिस एंड ये इंपॉर्टेंट और में भी हॉटस्पॉट के नाम जो कि इंडियन हमारे हैं जैसे कि इं, इंडो बर्मा रीजन हमारा हो गया हिमालयन रीजन हो गया वेस्टर्न घाट हो गया ये इंपॉर्टेंट आ जाता है उधर और अगर तुम ऑर्गेनिजम्स पॉपुलेशन में जाओगे तो उधर ग्रोथ मॉडल आ गए पिरामिड्स आ गई ठीक है ग्रोथ मॉडल तो सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे इंपॉर्टेंट है एक आधा पॉपुलेशन का फीचर और एक आधा इंट्रेक्शन पूछ लिया जाता है मुश्किल से एक आधी पूछी जाती है जनरली वहां से जो आपका पूछा जाता है ग्रोथ मॉडल से पूछे जाते हैं ज्यादा सवाल देन आपका इकोसिस्टम इकोसिस्टम से आपके पास जनरली सबसे ज्यादा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही पूछी जाती है वहां से भी इतना ज्यादा कुछ आता नहीं है आपका ठीक है जनरली आपके इको सिस्टम के ग्राफग्राफी पूछे जाते हैं डीकम्पोजिशन का प्रोसेस पूछ लेगा स्टेप अरेंज करने के लिए दे देगा हल्का फुल्का ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसीलिए मैं सबसे आखिरी में उसको रखा है क्योंकि सबसे ईजी यूनिट है दो तीन मिनट अभी दो मिनटों ना मैं खत्म कर दूंगी इतना ज़्यादा टाइम ही दूँगी येस yes, बिल्कुल भाई मैम बायोलॉजी के पॉइंट में आंसर लेके आ सकते हैं बोर्ड कॉपी में हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं पॉइंट्स में मैं तो कह रही हूँ पॉइंट में लिखोगे ज्यादा अच्छा है पॉइंट टू तो पॉइंट लिखो देखो बायो इज लाइक कि तुमको पॉइंट टू तो पॉइंट लिखना पड़ेगा इधर उधर की बातें नहीं चलेंगी उधर ना <laughs> पॉइंट टू तो पॉइंट ओके मिस प्रिया यू मिस्ड मी आई मिस्ड यू टू ओके सानिया खान इज देयर पेपर नहीं दीपिका अगर टाइम से पढ़ोगे तो बिल्कुल कोई भी पेपर टफ नहीं है बेटा अगर नहीं पढ़ोगे तो सब टफ होता है है ना ओके थैंक यू सो मच महालक्ष्मी थैंक यू सो मच यस टोटी पोटेंसी क्या होता है वैष्णवी देखो आपके सेल्स होते हैं मैरिस्टोमैटिक सेल्स मैरिस्टमैटिक सेल डिविजिबल होता है एक सेल से दो सेल बनाने की एबिलिटी यानी कि आपका जो सेल होता है अगर उस सेल के पास एबिलिटी है टू डिवाइड दैट इज टोटी पोटेंसी जो कि सोमेटिक कल्चर जब आप करोगे है ना डबी टी, टिश्यू कल्चर जब आप करते हो तो आपका टोटी पोटेंसी वहां होता है कि जो टोटी पोटेंट होते हैं उन्हीं सेल को यूज करते हो आप ठीक चलो और कुछ राम राम भाई राधे राधे सीयूटी का हाँ पढ़ो भाई बिल्कुल मैं तो कह रही हूँ पढ़ो तुम्हारा तो अच्छा रिवीजन होगा मैम प्लीज शार्ट आउट के एम गेमर शार्ट आउट क्या ऐसा क्या महान कार्य करा भाई तुमने शुरू से हो ज्वाइन अनिता मिश्रा ने आ, आंसर भी कर दिया राधे राधे भाई ठीक है जी जैसा आपके साथ है बिल्कुल भाई आप मेहनत करो ठीक है चलिए हो गई क्या पांच मिनट कुछ सेकंड्स है ना ना खत्म चलो हो जाओ शुरू पानी वानी पी लिया ना सबने पी लिया बढ़िया आ, गुलाम देखो बेटा ऐसा है कि 10 तारीख को आपकी रिवीजन होगी 10 तारीख 10 मार्च को रिवीजन होगी पूरे सिलेबस की ठीक है तो तब तक हम एक एक यूनिट करके चीजें करेंगे अभी से पहले तुम क्वेश्चन लगाओगे तो फंस जाओगे ठीक है अभी से पहले क्वेश्चन नहीं लगाने ठीक है क्वेश्चन लगाने का टाइम होता है पहले एक बार उसको करो तो करो तो सही चलो दस मार्च वाले मैराथन नहीं बेटा तेरह को तो नहीं हो पाएगी वो उस दिन रहेगी चलो मैम मैं नया हूं ओके वेलकम टू द चैनल आपका बिल्कुल अच्छा स्कोर रहेगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो चलो नाउ वी आर हैविंग पोलीजेनिक इनहेरिटेंस पोलीजेनिक का मतलब क्या है यानी यहां पे आपको सीधी सी बात क्या है पोलीजेनिक Poly मतलब मतलब पोली का मतलब क्या होता है मैनी पोली का मतलब क्या होता है मैनी जेनिक का मतलब क्या होता है जीन यानी बहुत सारे जीन मिलकर कोई चीज इनहेरिट कर रहे हैं यानी मैनी जीन्स क्या कर रहे हैं कंट्रोल कर रहे हैं वन करेक्टर। एक करेक्टर के लिए आपके पास बहुत सारे जीन्स हैं उसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एग्जाम्पल के लिए तुम यहां पे क्या लिख सकते हो जैसे कि ह्यूमन का कलर ह्यूमन का स्किन कलर या फिर ह्यूमन की हाइट कैसे जैसे हमारे पास बहुत डार्क लोग होते हैं जो साउथ अफ्रीकन टाइप हो गया है ना साउथ अफ्रीकन जो हमारा रीजन जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहां पे जनरली बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग मिलते हैं क्यों क्योंकि उनके पास इस तरीके से जो उनका पेयर होता है वो डोमिनेंसी में ज्यादा होता है ए ए बी बी सी सी अगर आपके पास सारे डोमिनेंट हैं तो आपका कलर कैसे आएगा भैया ब्लैक आएगा है ना अगर आपके जो एजींस हैं एलील्स हैं वो सारे कैसे हैं वो सारे अगर रिसेसिव है तो बिल्कुल फेयर आएगा बिल्कुल फेयर जैसे रशियंस का होता है ऐसे ठीक है अगर इनके बीच में कोई स्टेज आई अब जैसे जैसे इसमें रिसेसिवनेस की मात्रा बढ़ती जाएगी जैसे जैसे इसमें रिसेसिवनेस की मात्रा बढ़ती जाएगी कलर लाइट होता जाएगा यानी कि हो सकता है ए ए बी बी सी सी हो जाए मतलब कोई भी एक इसमें एक एक रिसेसिव ला जाए हल्का सा लाइट कलर हो जाएगा अगर मान लो यहाँ पे आपके पास दो आपके रिसेसिव आ गए तो और लाइट कलर हो जाएगा अगर यहाँ पे मान लो ऐसे वाला सिचुएशन आ गया तो और ज्यादा लाइट हो जाएगा और इसी तरीके से जितना ज्यादा अमाउंट आपका बढ़ता जाएगा रिसेसिवनेस का एलेलिक सेट के अंदर उतना ज्यादा कलर फेरअप होता जाएगा तो यहाँ पे आप देखो कि कितने सारे एलिल्स आपके पास तीन हैं कितने सारे तीन ए बी और सी कितने जीन है ए जीन बी जीन सी जीन तीन जीन है जो कि स्किन कलर डिसाइड कर रही हैं। इसी को हम कहते हैं क्या पॉलीजेनिक? इसी को हम क्या कहते हैं पॉलीजेनिक? हाँ, ज्यादा से ज्यादा मेलानिन सिक्रीट होगा आपका है ना ज्यादा से ज्यादा मेलेनिन सिक्रेट होगा आपका यही क्या है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपका होता है एग्जाम्पल के लिए आप स्किन कलर ले सकते हैं वन मार्क में में पूछ लेगा ज्यादा नंबर में सवाल नहीं आएगा नेक्स्ट वी आर हैविंग सेक्स सेक्स यानी ये आइडेंटिफाई करना कि कोई सामने वाली जो पार्टी है वो मेल है कि फीमेल है दैट इज कोल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन कोई भी एक ऐसा मैथड जिसके अंदर हम ये डिटरमाइन कर पाए डिस्टिंग कर पाए कि ये मेल है कि फीमेल है उसको हम क्या कहेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन कहेंगे ठीक okay. है हाँ जी आगे जब मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म डिपेंड करता है हम किसके अंदर की बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके मैकेनिज्म आते हैं जैसे कि अगर तुम बात करो इंसेक्ट की जैसे कि एग्जांपल के लिए तुम बात करो किसकी इंसेक्ट की तो इंसेक्ट के अंदर तीन तरीके होते हैं एक तरीका आपके पास हो सकता है एक्स ओ कंडीशन जहां पे एक्स ओ जहाँ पर आपके पास एक सेक्स क्रोमोजोम कम होता है वो होता है मेल ये होता है मेल अगर यहां पे एक्स एक्स कंडीशन है तो ये आपकी फ़ीमेल है है ना ये आपकी क्या जाती है फीमेल आ जाती है आपको ज्यादा कहानी नहीं लिखनी है पॉइंट टू पॉइंट लिखना है ये वाला क्योंकि यहां से ज्यादा सवाल नहीं आते आएगा तो बिल्कुल डायरेक्ट वाला आएगा ठीक है दूसरा आपका एक्स एक्स और एक्स वाई हो सकता है आप कॉगे मैम एक्स 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 वाई किस में होगा ये तो देखो सीधी सी बात है एक्स वाई किस में होगा ये भी आपको बताऊंगी मैं है ना एक्स एक्स और एक्स वाई इसको मैं एक्स एक्स भी कर देती हूँ कि यहां पे अगर एक्स एक्स है तो ये फीमेल मिलेगी अगर ये एक्स वाई है तो ये मेल ब, मिलेगा एग्जाम्पल के लिए आप ले लो जैसे कि ग्रास होपर हो गया जैसे कि ग्रास ओपर भी तो इंसेक्ट है ग्रास होपर के अंदर ये वाला मिलेगा बट अगर ड्रोसोफिला है तो ड्रोसोफिला में ये मिलेगा ठीक है एक हमारे पास आती है कंडीशन जिसको हम कहते हैं डिप्लॉइड डिप्लोइड, इसमें क्या होता है इसके अंदर बहुत सिंपल है यहां पे हमारे पास जो मेल होता है वो हैप्लोइड होता है है ना फीमेल हमारी जो होती है वो हमारी कैसी होती है डिप्लॉइड होती है है ना और ये किसके अंदर पाया जाता है जनरली ये आपको मिलेगा हनी बी में हनी बी में आपको देखने को मिलता है तो आपके पास जो इंसेक्ट हैं ये इंसेक्ट भी आपके पास अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं हमारे सिलेबस में एक्सओ नहीं है जिसने नहीं देखा देख लेना हमारे सिलेबस में एक्सओ गिवन नहीं है तो याद रखना एक्स एक्स एंड एक्स वाई मेन आदमियों में तो होता ही होता है साथ में इंसेक्ट्स में भी होता है इंसेक्ट्स में भी होता है ठीक है तो जहां पे XX फीमेल में मिलेंगे XY मेल में मिलेगा हैप्लोइड डिप्लोइड में हैप्लोइड आपके पास मेल हैप्लोइड होएगा हनी भी बनेगा फीमेल डिप्लोइड होगा यहाँ पे फिनोमिना आपके पास आता है दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस 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 में क्या होता है कि एक अनफर्टिलाइज्ड एग एक अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो डायरेक्ट एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस और इसका एग्जाम्पल है मेल यहाँ पे जो मेल है ना ये मेल पार्थिनोजेनेसिस करता है फीमेल नहीं करती है ठीक है क्लियर है तो ये तो आपको पता होगा इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि एक्सओ XX मैकेनिज्म हमारा चलता है इंसेक्ट्स में जहां पे मेल के पास हमारे पास हेट्रोगैमिटी होगी क्योंकि हमारे पास एक्सओ है ओ का मतलब कोई यहाँ पे क्रोमोसोम नहीं है इसका मतलब ब्लैंक तो हमारे पास 50 परसेंट इंसेक्ट के स्पम वाले मिलेंगे, 50 ब्लैंक वाले मिलेंगे। ओ है ना मतलब खाली तो 50 में तो एक्स में जाएगा और 50 में कुछ भी नहीं जाएगा ओ है ना तो यहाँ पे हेड्रोगामिट हो जाता है मेल दो तरीके के गैमिट बनते हैं ठीक है और फीमेल हमारी एक्स एक्स वाली है अगर आपके पास एक्स वाई की आप बात करो तो आपके पास ह्यूमन है ड्रोसोफिला ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला दोनों के अंदर होता है कि मेल के पास एक्स वाई होता है क्रोमोजोम फीमेल के पास एक्स एक्स होता है इसीलिए यहां से एक सवाल आता है कि हमारे समाज के अंदर इन आर सोसाइटी जनरली फीमेल्स आर ब्लेम्ड फॉर बींग फीमेल फीटस बोर्न रेड की फीमेल फीटस अगर होती है तो आदमी को नहीं फीमेल को किया जाता है तो ये आप इस बात से सहमत है तो आपको नहीं जी हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है फीमेल के पास हंड्रेड परसेंट एक्स क्रोमोजोम का एग होता है. मेल के पास फिफ्टी परसेंट एक्स है फिफ्टी परसेंट वाई है तो मेल रिस्पॉन्सिबल हैोग्रोगी है. होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है ठीक है जेड 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 डब्ल्यू मैकेजम है जहाँ पे मेल हमारा जो होगा वो जेड जेड वाला वो जो बोर्ड में होता है है ना और फीमेल हमारी जेड डब्ल्यू वाली होगी यहाँ पे फीमेल है जो कि दो तरीके के फिफ्टी परसेंट जेड फिफ्टी परसेंट डब्ल्यू वाले आपकी क्या बनाएगी एग बनाएगी हाँ जी आ, चलो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल क्या जाएगा बर्ड ठीक है अब यहां पे आपके पास एक गिवन है एक्स वाई एक्स 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 वाई एक्स एक्स हमारा जेड 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 डब्ल्यू ठीक है 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 ये आपका पे सब कुछ है, देख लेना इसको उसके अलावा हमारे पास हनी भी आ जाती है हनी भी बहुत सिंपल है देखो हमारे पास फीमेल है हमारे पास फीमेल है थर्टी टू क्रोमोजोम होते हैं मियोसिस होगा गैमीट बनेगा सिक्सटीन सिक्सटीन के बन जाएंगे ठीक है तो एक तो ऐसा है कि ये वाली जो है आप इसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं यहाँ पे आओ तो यहाँ पे मेल है 16 वाले आप हो गए मैम ऐसे कैसे यही तो पंगा है कि ये जो है हैप्लोइड होता है ये डिप्लोइड होता है इसका गैमिट कैसे बनेगा इसका गैमिट तो मियोसिस से बना बट मेल जो गैमिट बनाता है वो माइटोसिस से बनाता है कैसे बनाता है माइटोसिस से बनाता है है ना उसके बाद माइटोसिस से गैमिट बना सिक्सटीन सिक्सटीन वाला ही मिला आपस में ये 16 16 और ये 16 जब मिले तो फीमेल का 32 वाला चाइल्ड बन गया बन गया। बट वॉट इफ अगर ये आप बनेगा आपको मैं मेल कैसे बनेगा मेल अगर मिलेगा तो 32 हो जाएगा मेल बन ही नहीं पाएगा तो होता क्या है ना कि ये एग सीधे के सीधे मेल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है उसी को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस क्लियर है पार्थिनोजेनेसिस डायरेक्ट एग कन्वर्ट हो गया किसमें मेल के अंदर कोई रिकॉम्बिनेशन नथिंग कुछ भी नहीं हुआ कोई फ्यूजन नहीं डायरेक्ट एग किस में हो गया भैया उसमें हो गया अब देखो ये एग जो कि फीमेल ने बनाया था वो मेल में बन गया मतलब यही डीएनए सेम टू सेम ऐसे है तो डीएनए की वेरिएशन यहां पे आपको देखने को नहीं मिलती है ये आपको याद रखना है ठीक है हां जी आगे चले आगे हमारे पास क्या है अच्छा ये क्या लिखा है ये कहां है अच्छा सवाल है ये ओ भाई साहब ये केस बेस्ड सवाल आया यहाँ से सबको दिख रहा है ना ये पी वाई क्यू डोज है आपकी ये आपकी क्या है पीवाई क्यू डोज है आपको यहाँ पे आंसर करना है ये पी वाई क्यू है आपका चलिए ये आपका क्या है पीवाईक्यू है 2022 23 का ये सारे सारे 23 के ठीक है सॉल्व करो इसको चलो सॉल्व करो इसको इसने आपको एक ये दिया है पैराग्राफ हालांकि हमको पैराग्राफ पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मैं आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ाऊंगी डायरेक्ट आंसर स्टेट व्हाट इज एन्यूप्लोइडी ये तो मैं तुमको कराया नहीं अभी मैं कराऊंगी ठीक है

या किसी तरीके से गेन हो जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं म्यूटेशन कह देते हैं म्यूटेशन जो आपकी होती है कई बार एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए तो भी हमारे पास हो जाती है जिसका सेल एनीमिया uh, आता है पॉइंट म्यूटेशन जिसको कहते हैं और इसका रीजन कुछ भी हो सकता है हो सकता है हम एक्सरे यूवी रे किसी चीज के अंडर आ गए हो आयनाइज रेडिएशन के अंडर आए हो डीएनए चेंज हो गया हो सकता है कोई वायरस हो, हो सकता कोई केमिकल हो तो म्यूटाजन जो उसका कोज है, है ना जो क्या है कॉज ऑफ म्यूटेशन है वो आपका कुछ भी हो सकता है

मेंडेलियन डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो डिसऑर्डर क्या कहता है हैं हम सिंगल जीन की बात करेंगे हमारे पास पूरा एक डीएनए है हमारे पास क्या है हमारे पास पूरा डीएनए है हमारा ठीक है हमारे पास क्या है हमारे पास पूरा डीएनए है ठीक है इस डीएनए के अंदर मान लो एक छोटा सा जीन है इसके अंदर ये छोटा सा क्या है ये जीन है अगर इस जीन में कोई चेंज आए अगर उस जीन में सिर्फ एक जीन में चेंज आए जैसे कि फिनाल किटिनरिया में आया था ना सिर्फ एक जीन में चेंज आया था पूरे फिनोटाइप चेंज हो गए थे तो अगर एक जीन में चेंज आता है तो आप उसको कहते हो मैंडेलियन क्या कहते हो मैं आप उसको डिसऑर्डर बोल दोगे बट अगर आपके पास नंबर 46 क्रोमोसोम होते हैं अगर 46 से लेस कम क्रोमोसोम हो जाए या इससे ज्यादा क्रोमोसोम हो जाए तो क्या हो जाएगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम यहां पे नंबर्स की बात कर रहे हैं ये जो आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर है ये क्वालिटेटिव है और ये आपका कैसा है क्वांटिटेटिव होते हैं मतलब जनरली हम नंबर ऑफ क्रोमोजोम के कॉन्टेक्ट में बात कर रहे हैं और हमको इनके डिजीज पढ़नी है यहाँ पे चार डिजीज पढ़नी है फिर ये चैप्टर डन है ठीक है चलो आखिरी की पंद्रह मिनट खुशी क्या हो गया बेटा मुंह मुंह धो धो लो लो चलो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आती है डिजीज कलर ब्लाइंडनेस सबसे पहले हमारी डिजीज कैसी आती है कलर ब्लाइंडनेस अच्छा पहले ये सब समझने से पहले आप एक बार एक चीज समझो तभी आप आगे कर पाओगे मैं डिसऑर्डर है हमारे पास देखो हमारे पास फोर्टी सिक्स रोमोजो में समझो इस बात को हमारे पास फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम है ना जिसके अंदर फोर्टी फोर होते हैं और फोर्टी फोर टू हमारे पास सेक्स क्रोमोजोम होते हैं जिसको हम एलोजोम भी बोलते हैं टू एलोजोम होते हैं जिसको हम सेक्स क्रोमोजोम भी बोल देते हैं क्लियर है अगर मान लो अगर मान लो इन इसमें म्यूटेशन हो रही है अगर यहां पे म्यूटेशन हो रही है इन 44 क्रोमोसोम्स में तो आप उसको क्या कहोगे आप उसको कहोगे ओटोजोमल डिजीज तो कैसा डिजीज आएगा ओटोजोमल डिजीज आएगा ठीक है ऑटोजोमल डिजीज आएगा अगर मान लो यहां पे आपके पास एक्स या वाई इनके अंदर कोई म्यूटेशन होती है।, है ना तो हमारा कैसा डिजीज है ये सेक्स क्रोमोजोम के ऊपर गड़बड़ हो रही है तो डिजीज हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे सेक्स लिंक्ड डिजीज इसको हम क्या कहेंगे सेक्स लिंक्ड डिजीज ठीक है ठीक है अब यहां पे एक और चीज आती है जो कि इसमें भी आएगी जो इसमें भी आएगी है ना जो इसमें भी आएगी जो कि इसमें भी आएगी यहां पे डोमिनेंट वाली भी आएगी और रिसेसिव वाली भी आएगी जो सेम तरीके से चलती हैं जो कि बिल्कुल सेम तरीके से चलेगी कैसे चलेगी एक मिनट दो मुझे आपको यह पता है ना ये सेक्स क्रोमोजोम भी पेयर में होते हैं ये ऑटोजोम भी पेयर में होते हैं पेयर में होते हैं ना तो हमारे पास दोनों ही कैसे जाएंगे पेयर में हमको ये पता है कि हमारे पास पेयर है अगर म्यूटेट एक एक हो जाए उसके बाद भी आपका फिनोटाइप नॉर्मल हो उसके बाद भी आपका फिनोटाइप कैसा हो नॉर्मल हो है ना तो आपका कैसा डिजीज है वो एक रिसेसिव डिजीज है अगर इस पेयर में एक क्रोमोजोम सिर्फ एक क्रोमोजोम म्यूटेट हो जाए उसके बाद हम क्या हो जाए डिजीज हमारा फिनोटाइप आ जाए तो इसका मतलब वो कैसा डिजीज है डोमिनेंट कैसा है डोमिनेंट और जनरली इस वाले सिचुएशन को ये वाले जो सिचुएशन होती है है ना कि जहाँ पे सिर्फ एक क्रोमोजोम म्यूटेट होते हैं इसको हम कैरियर स्टेज भी बोलते हैं है ना अब होता क्या है जैसे कि तुम एग्जाम्पल के लिए समझोगे एग्जाम्पल के लिए समझो तुमको मैं समझाती हूँ यहाँ पे मान लो ये हमारे पास पेयर है ये हमारे पास क्रोमोजोम्स का पेयर है देखो ज्यादा कुछ नहीं आराम से बिल्कुल आराम से प्यार से चलना है ठीक है मान लो यहां पे बिल्कुल नॉर्मल है कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई परेशानी नहीं है कोई म्यूटेशन नहीं है ये सब कुछ बढ़िया चल रहा है कोई म्यूटेशन नहीं है तो ये कैसा इंसान है नॉर्मल इंसान है ठीक है मान लो यहां पे एक हमारे पास जीन है यहां पे हमारे पास एक जीन है जो कि हमको देखने के अंदर है ना हमारे जो आई कलर है जो हम देख पाते हैं उसकी एबिलिटी बनाता है या फिर मैं कहूँ हमारे ब्लड को क्लॉट करने का फैक्टर बनाता है यहाँ पे एक ऐसा जीन है जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट करता है ठीक और ये वाला यहाँ पे भी होगा ऑब्वियस सी बात है ये वाला जीन यहाँ पे भी होगा है ना ये वाला जीन यहाँ पे भी होगा यहाँ पे भी होगा क्योंकि होमोलोग पेयर है हमारे तो ये वाला जो जीन है ये नॉर्मल है बढ़िया से ब्लड क्लोटिंग बना रहा है पर ये वाला जो जीन है ना यह ब्लड क्लोटिंग नहीं बना पा रहा है ये वाला डिफेक्टेड है ये वाला कैसा है डिफेक्टेड है यह काम नहीं कर पा रहा तो अब क्या होगा क्या हमारा ब्लड कोग्युलेट होगा क्या हमारा ब्लड कोग्युलेट होगा है ना होगा कुछ बिल्कुल होगा भाई यह काम चला रहा है सोचो ये वाला अगर काम नहीं कर रहा है ये वाला क्रोमोजोम काम नहीं कर रहा है पर ये वाला तो काम कर रहा है ना तो जीनोटाइप अगर देखो तो हम खराब हो गए टाइप तुम देखो तो हम अभी भी काम हेट्रोजाइगस कंडीशन में उसको हम क्या कहते हैं हमारी कैसी कंडीशन है कि एक नॉर्मल और एक आपका डिफेक्टेड अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन जिसको हम कैरियर कंडीशन भी बोलते हैं ऐसी कंडीशन में भी अगर हम नॉर्मल हैं तो समझ जाओ आप कैसे डिजीज से हैं रिसेसिव डिजीज है तो ये कैसा डिजीज आ जाएगा भैया रिसेसिव अच्छा रिसेसिव का लो क्या कहते हैं लो ऑफ डोम क्या कहता है कि भाई जब आप होमोजाइगस स्टेज में होगी तो रिसेसिव बनना अगर हैट्रोजाइगस कंडीशन में हो तो डोमिनंस ही चलेगी तो अगर आपको वो डिजीज दिखेगा और कब दिखेगा जब दोनों जीन खराब हो तो आपका वो रिसेसिव है अब मान लो यहां पर ये जीन भी डिफेक्ट हो गया ये भी डिफेक्ट है और इसके अंदर भी डिफेक्ट है ठीक है अब दोनों ही डिफेक्टेड हैं तो पर्सन अब कैसा हो जाएगा डिजीज हो जाएगा तो ये हमारे क्या होते हैं रिसेसिव कि जब आपके दोनों ही एलील्स बोथ एलील क्या हो खराब हो तभी आप डिजीज हो सकते हैं दैट्स कोल्ड रिसेसिव डिजीज बट अगर चांस बट अगर चांस यहां पे कुछ ऐसा हो अगर बाय चांस कुछ ऐसा हो कि अगर आपके पास सिर्फ एक जीन में खराबी हो कितने में खराबी हो सिर्फ एक जीन में खराबी हो फिर भी दिक्कत हो जाए यानी कि ये वाला जीन नॉर्मल है ये वाला जीन नॉर्मल है ये वाला जीन डिफेक्टेड है ऐसे केस में आप कैसे हो जाए ऐसे केस में डिजीज्ड हो जाए ऐसे केस में डिजीज्ड हो जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं डोमिनेंट यानी सिर्फ एक डिफेक्ट हुआ तो भी उसका असर दिखा यानी डोमिनेंसी अगर एक का एक डिफेक्ट हुआ फिर भी असर नहीं दिखा मतलब रिसेसिव क्लियर है कैरियर स्टेजेस को हम बोलते हैं ठीक है तो यहां पे अगर ये क्लियर है तो आपको ये चीजें सारी आसानी से से क्लियर हो जाएगी कलर ब्लाइंडनेस हमारे पास आता है कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा डिजीज हमारा होता है जहां पे ये सेक्स लिंकड रिसेसिव डिजीज है सेक्स लिंकड है तो ऑब्वियसली बात है एक्स क्रोमोजोम पे ये है वाई पे भी हो सकता है बट हम एक्स वाले पढ़ रहे हैं यहाँ पे हमारी आंखें हैं जो रेड और ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती हैं हरा रंग और लाल रंग लगभग एक जैसा दिखता है उन लोगों को येल्लो ऑरेंज कलर में जनरली जो फीमेल होती है क्योंकि रिसेसिव है तो फीमेल को एक कम होता है क्योंकि हम फीमेल्स है हम फीमेल्स में एक्स एक्स का पेयर होता है है ना आदमियों के अंदर एक्स वाई का पेयर होता है तो एक्स वाला काम तो वाई नहीं करेगा ना तो अगर एक्स में डिफेक्ट हो गया तो वो सीधा दिखता है बट फीमेल में अगर एक एक्स में हो रहा है तो वो रिसेसिव बन जाएगा हे हेट्रोसाइग्स कंडीशन बन जाएगा कैरियर बन जाएगा तो इसीलिए फीमेल में थोड़ा कम होता है आदमियों में ज्यादा होता है ठीक है हमेशा याद रखना कभी भी कोई ऐसा डिजीज हो जो कि आपका मैं है है ना ओटोजोमल है डोमिनेंट आप अपने पेरेंट से ले सकते हैं ठीक है पेरेंट से आ सकता है हमको बट अगर आप रिसेसिव की बात करोगे तो एक लड़के को हमेशा याद रखना एक लड़का जो है ये हमेशा ही अपनी मम्मी की वजह से ये हमेशा अपनी मम्मी की वजह से डिजीज्ड होता है बट एक लड़की जब डिजीज होगी तो वहां पे उसका फादर तो हमेशा उसका फादर हमेशा ही डिजीज होगा

क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस यहां पे आएगी जनरली आप यहां पे जब देखेंगे तो आपको कैसा नजर आएगा क्रिस क्रॉस पैटर्न नजर आएगा पेडिग्री के अंदर ठीक है नेक्स्ट वी आर हैविंग इज हीमोफीलिया रॉयल डिजीज जिसको कहते हैं सेक्स सेक्सलिंग रिसेसिव डिजीज है ये भी अब ये भी ऐसे सेम है जैसे वहां पे था ना सेम है बस वहां पे रेड और ग्रीन में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे यहाँ पे ब्लड नहीं क्लोट कर पाते हैं है ना अब हाइड्रोजाइग्रेस फीमेल हो सकती है कैरियर हो सकती है है ना सेक्स लिंक रिसेसिव है और ये भी एक्स से संबंधित है तो इसका पैटर्न भी बिल्कुल डिटो किसके जैसे जाएगा कलर ब्लाइंडनेस के जैसे जाएगा तो मुझे यहाँ पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है राइट सेम जाएगा सिक्कल सेल एनीमिया आपके सिलेबस में नहीं है जिन बच्चों को लगता है सिलेबस में है तो सिलेबस में नहीं है हमारे पास सिर्फ थैलेसमिया है बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ अच्छा आप लोगों को पता होगा हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है हमारे पास क्या होता है हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के अंदर दो चेन होती हैं दो अल्फा चेन होती हैं दो बीटा चेन होती हैं है ना और जितनी अल्फा चेन की अमाउंट अमीनो एसिड की उतनी ही बीटा चेन की होती है है ना अगर इनके ऊपर नीचे हो तो थैलसमिया हो जाता है अब देखो यहां पे कई बार क्या होता है कि ये जो अल्फा चेन है अल्फा जो है ठीक है अल्फा जो है इस इसको क्रोमोसोम नंबर 16 कैरी करता है क्रोमोसोम नंबर 16 से कंट्रोल होता है इसका फॉर्मेशन और बीटा चेन की फॉर्मेशन क्रोमोसोम नंबर 11 से कंट्रोल होती है अब अगर मान लो क्रोमोसोम नंबर 11 में कोई गड़बड़ आ गई क्रोमोसोम नंबर 11 में कोई गड़बड़ आ गई ठीक है तो वहां पे आपके पास जीन आता है क्रोमोजोम नंबर के अंदर भी यहां पे भी यहाँ पे आपके पास एच एंड एच एच बी ए वन और एच बी ए टू दो आपके अलील होते हैं और यहां पे आपके पास एच बी बी ये उसकी एलील या फिर जीन्स होते हैं मान लो एच बी ए वन जीन में या एच बी ए टू जीन में डिफेक्ट हो गया एच बी ए वन या टू में डिफेक्ट होने का मतलब कि क्रोमोजोम नंबर इलेवन में डिफेक्ट यानी कि आपका क्या हो जाएगा भाई बीटा जीन अफेक्ट हो जाएगी जनरली सिक्कल सेल एनीमिया में क्या होता है कि क्रोमोजोम नंबर इलेवन जो हमारा है इसकी जो बीटा चेन है इस बीटा चेन में जो सिक्स नंबर पे ग्लुटामिक एसिड आता है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा वेलाइन आ जाएगा क्या आ जाएगा वेलाइन आ जाएगा जनरली सिक्स पोजिशन पे याद रखना सिक्स पोजिशन जो होती है बीटा ग्लोबिन चेन की ठीक है वहां पे ग्लूटामिक की जगह पे वेलाइन आ जाता है जिसकी वजह से ये डिफेक्ट होता है अब यहां पे आपको याद जो रखना है आप देखोगे इधर कि आपके पास

एडनिन की जगह पे यूरेसिन आ जाता है आरएनए में तो जिसकी वजह से आपका जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ ट्रांसलेशन हुआ गड़बड़ में हो जाएगा ये करेक्ट था सी टी सी आपका टैंपलेट में आता है जीएजी बनेगा फिर आपका ग्लूटामिक बनेगा यहां पे उल्टा हो जाता है सी एस सी टी सी की जगह पे सी ए सी आ जाता है है ना एडनिन आ जाता है जिसकी वजह से जी यू जी बनता है एंड देन वो आपका वाला फॉर्म कर देता है अमीनो एसिड गलत हो गया इफेक्ट गलत हो जाएंगे जनरली क्या होगा आपके पेपर में आएगा नहीं बता देती हूँ हटाया हुआ है सिलेबस में से ये बट अगर जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है उसका जो ऑक्सीजन का टेंशन है आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करती है ना वो लो टेंशन हो जाएगा ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा सिकल शेप की आपकी आरबीसी हो जाएगी जिसकी वजह से कोई भी इंसान है

है ना सिकल सेल में देखा कि ग्लूटामिक की जगह वेलाइन आ गया मतलब दूध की जगह तुमको तो कोई पानी बेक दे क्वालिटी खराब होगी ना ऐसे ही आपके पास है जो कि क्वांटिटेटिव है याद रखना ये आपका कैसा ये ये भी oh sorry, ये भी सॉरी क्वालिटेटिव ही है ठीक है अब यहां पे आपको जो चीज याद रखनी है याद क्या रखनी है है तो यह भी ओटोजोमल और रिसेसिव डिजीज थैलेसमिया वही सेम चीज अगेन सुनो मेरी बात अब यहां पर हमारे पास हीमोग्लोबिन है हीमोग्लोबिन दो चेन दो अल्फा दो बीटा है ना जितने अल्फा के अंदर ग्लोबिन है इतने ही इसके अंदर होने चाहिए मान लो मान लो अगर इसका प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाए अगर इसका प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाए ये कम ज्यादा हो जाए लेस और मोर इसका प्रोडक्शन कम या ज्यादा हो जाए लेस और मोर हो जाए तो आपको क्या हो जाएगा अल्फा थैलेसमिया हो जाएगा अगर आपका बीटा का अफेक्ट हो जाए अगर इसका प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाए लेस और मोर तो आपको क्या हो जाएगा बीटा वाला थैलिसमिया हो जाएगा जनरली अल्फा वाला आपका किससे होता है वही क्रोमोजोम नंबर एच बी बी जीन से आपका कंट्रोल होगा बीटा आपका क्रोमोजोम नंबर इलेवन से कंट्रोल होता है वही अगेन एच बी ए वन नहीं उल्टा लिख दिया उल्टा लिख दिया मैंने ये ना एच बी ए वन यहां पर आएगा ए टू अल्फा में आता ए वन ए टू ये थोड़ा करेक्ट कर लेना यहां पे ना ये ध्यान नहीं रहा मेरे एच बी ए वन एच बी ए टू एच बी बी ठीक ये थोड़ा सा कर लेना ठीक ना ठीक है और यहां पे आपका एच बी ए वन और एच बी भी होगा यहां पे अभी दैट्स इट और कुछ नहीं करना तुमको यहां पे कुछ नहीं करना यहां से ज्यादा सवाल आपके आते हैं पेडिग्री के यहां से ज्यादा सवाल आते हैं पेडिग्री के ठीक है पेडिग्री के सवाल आएंगे यहां पे से ज्यादा कुछ नहीं करना मतलब सीधी सी बात है एक अल्फा के ग्लोबिन को अपोजिट में एक बीटा का ग्लोबिन चाहिए ही चाहिए बट अगर चांस उधर से तो अल्फा तो है पर बीटा नहीं है तो वो ग्लोबिन अपने आप में कोग्युलेट हो जाएगा घूम जाएगा क्वालिटी खराब कर लेगा अपनी है ना तो जितनी अगर मान लो दस ग्लोबिन की दस अमीनो एसिड है आपके अल्फा के अंदर तो दस ही बीटा के अंदर होने चाहिए अगर वो प्रोडक्शन में ऊपर नीचे हो गई कमी ना तो वो दिक्कत हो जाएगी अगर मान लो अल्फा के अंदर गड़बड़ हुई है तो अल्फा थैलिसमिया बीटा के अंदर गड़बड़ हुई तो बीटा थैलेसमिया क्लियर है आपका ब्लड खराब कर देगा ब्लड डिजीज है और यहां से पीवाई क्यू है जल्दी से इसका आंसर करो आंसर क्या होगा आंसर क्या होगा इसका आंसर करो जल्दी से आपके पास असरेशन है और रीजनिंग है अच्छा इसको सोल्व कैसे करोगे असरेशन में लिख दिया करो वाई। और रीजनिंग में लिख दिया करो अगर आंसर सही बैठ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है में में क्या लिख दो? वाई। और रीजनिंग में लिख दो दो और है ना आपके पास सवाल है फटाफट से आंसर करेंगे कि के अंदर मायोग्लोबिन चेन सिंथेसाइज होती है ड्यू टू जीन डिफेक्ट आप देखो ध्यान से देखना यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है अच्छा मैंने तो खाली बोल ठीक है इज कंट्रोल्ड बाय जीन एच बी ए वन एच बी ए टू ऑन क्रोमोजोम नंबर सिक्सटीन चलो बताओ यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका जल्दी बताओ यहां पे आंसर क्या होगा इसका जल्दी करो मैम क्वांटिटेटिव होना चाहिए लॉजिकली हाँ क्वांटिटेटिव होना चाहिए डिजीज ये ना क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव तो आपका ये ये होता होता है, है, क्वांटिटेटिव डिजीज़ पीछे गलत लिख रखा है क्वालिटेटिव लिख रखा है ना क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, प्लस क्वांटिटेटिव, प्लस क्वांटिटेटिव होता है दोनों क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, सिकल सेल एनीमिया ओनली क्वालिटी बताओ जल्दी से ए, ब्लड डिजीज होता है बेटा ये ध्यान दो मैंने आपको एक चीज कही थी कि ब्लड डिजीज है ये आपके पास जो डिजीज है कैसा डिजीज है ब्लड आपको दिखेगा नहीं ये वाइट लेते हो ये आपका एक ब्लड डिजीज है और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है मायोग्लोबिन तो मसल्स में होता है ना मायोग्लोबिन तो मसल्स में होता है तो मायोग्लोबिन क्यों बोल रहे हो तुम लोग मायोग्लोबिन कहा होता है मसल्स में तो यहां पे क्या आएगा अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन है ना ये तो ठीक है रीजनिंग रीजनिंग तो ठीक है रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं है अल्फा है ए वन ए टू है क्रोमोसोम नंबर सिक्सटीन है ये तो ठीक है पर ये गलत हो गया ना असरेशन गलत हो गया तो असरेशन फॉल्स है रीजनिंग ट्रू है तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा डी ठीक है डी हां जी डी हो जाएगा आगे चले आगे देखो आगे हमारे पास है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बिल्कुल सॉर्टेड है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है मतलब आपका नंबर ऑफ क्रोमोजोम अगर बिगड़ जाए मतलब आप 46 सिक्स क्रोमोजोम नॉर्मल इंसान में होता है अगर वो 46 से कम हो जाए या ज्यादा हो जाए नंबर अगर बिगड़ जाए तो वो क्या हो जाता है क्रोमोजोम डिसऑर्डर कि अगर आपका एबसेंस या एक्सेस हो जाए आपके क्रोमोजोम्स की अरेंजमेंट की तो उसको हम क्या कहेंगे क्रोमोजोमल डिजीज एन्यूप्लॉयडी यूप्लॉयडी यूप्लॉयडी को हम पॉलीप्लॉयडी भी बोलते हैं जो बच्चे कन्फ्यूज हुए मत होना इसको हम पॉलीप्लॉयडी भी बोल देते हैं यूप्लोइडी एंड पॉलिप्लॉयडी दोनों ही सेम चीजें हैं ठीक है मैम मेरा नाम क्या है मेरा नाम सोनिया चहल है भाई आपको अभी तक यही नहीं पता चला सोनिया चहल ठीक है चलो आगे देखो आगे हमारे पास एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा एन्यूप्लॉइडी में होता है कि सिर्फ एक क्रोमोजोम का घटना या बढ़ना एक पेयर तक का कि अगर आपके पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और, सिर्फ और सिर्फ एक के बारे में बात करेंगे कि आपका भाई क्रोमोजोम का सेग्रीगेशन होता सेल डिवीजन होना था आपस में दोनों ये जुड़े हुए थे है ना आपस में दो क्रोमोजोम जुड़े हुए थे सेपरेट ही नहीं हो पाए तो एक के अंदर तो एक एक्स्ट्रा चला गया है ना एक के अंदर एक कम चला गया तो यानी जनरली जब आप बात करते हो कि आपके पास क्रोमोजोम में अगर पूरा सेट ही गायब हो जाए है ना जैसे कि आपके पास सेट गायब हो गया ट्वेंटी थ्री पेयर होते हैं तो एक पेयर ही गायब हो गया तो उसको हम कहेंगे नलीजोमी ट्वेंटी डिप्लॉइड माइनस टू फोर्टी सिक्स माइनस टू कह दो तुम इसको ठीक है अगर तुम बात करो कि भाई सिर्फ एक गायब हुआ है आपका वो पूरा सेट गायब नहीं हुआ है वो एक हाफ पेयर गायब हुआ है बस एक क्रोमोजोम गायब हुआ है पेयर में भी नहीं अलग से एक पेर है। आपका क्या हो जाएगा मोनोजोमी हो जाएगा ट्राइजोमी होता है थे और एक, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ गया जैसे पास डाउन सिंड्रोम होता है टेट्राजोमी के भी डिप्लॉइड के अंदर एक पूरा सेट इंट्रोड्यूस हो जाता है दो आपके पास यहां पर आ जाएंगे तो उसको हम कहेंगे टेट्राजोमी और अगर आप बात करो हमको जो पढ़ने हैं टर्नर सिंड्रोम पढ़ना है है ना क्लाइनफेल्टर क्लाइनफेल्टर में देखोगे तो तुम्हारे पास ट्राइजोमी है एक तरीके से है ना डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर ट्राइसोमिक एग्जाम्पल है मोनोसोमी का एग्जांपल आपके पास क्या है टर्नर सिंड्रोम है ठीक है चलो आगे देखो पॉलीप्लोइडी होते हैं जहां पे पूरा ही डबल डबल लग जाए यानी कि 46 क्रोमोसोम है ना फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम का डबल हो जाए सीधा मतलब इंसानों में तो होती ही नहीं है प्लांट में होता है कि वे जनरली सीधा डबल लग जाता है कि मान लो आपका प्लांट हैप्लोइड होना चाहिए पर रिजल्ट में कैसा बन गया डिप्लोइड मान लो प्लांट डिप्लोइड होना था पर बन गया कैसा फोरेन बन गया ट्रैप्टा ट्रैप्लोइड बन गया यानी यहां पे सीधी सीधी बात होती क्रोमोसोम का जो नंबर है वो बियॉन्ड सेट चला जाए बहुत ज्यादा लार्ज नंबर पे जनरली प्लांट में होता है हम इंसानों में नहीं होता अब यहां पर हमारे पास गिनके तीन डिजीज रह गए हैं देन ये चैप्टर कंप्लीट है ठीक है हमारे पास सबसे पहले आता है क्लाइन फिल्टर क्लाइन फिल्टर सॉरी डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम जिसको मंगोलिज्म के नाम से भी जानते हैं जहां पे क्रोमोसोम नंबर 21 अब क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 23 जो है एक्स एक्स एंड एक्स एक वाई वो सेक्स वाला होता है बट ये कौन सा है 21 वाला है अगर ट्वेंटी क्रोमोजोम के ऊपर ट्वेंटी क्रोमोजोम के ऊपर एक एक्स्ट्रा आ जाए यानी कि टू अगर आपका हो जाए यहाँ पे ठीक है तो आपके पास कितना आ जाएगा 47 हो जाएगा इंसान के अंदर क्योंकि हमारा 46 सिक्स प्लस वन होगा तो हमारे पास क्रोमोजोम नंबर 21 के ऊपर एक एडिशनल कॉपी आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे डाउन सिंड्रोम है ना तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा 47 सेवन क्रोमोजोम हो जाएंगे कि हमारे पास 45 फाइव ओटोजोम दो एक्स एक्स या एक्स वाई तो कहने के बाद क्या है डाउन सिंड्रोम क्योंकि एक ओटोजोमल प्रॉब्लम है तो मेल में भी हो सकता है फीमेल में, में फीमेल में भी हो सकता है नेक्स्ट हमारे पास इसके सिंपटम होते हैं कि जनरली ये लोग जिनको डाउन uh, सिंड्रोम होता है छोटी हेड के होते हैं फ्लैट फेस होता है फरोड टंग होती हैं पार्शली ओपन रहता है माउथ इनकी बहुत सारे फिंगर टिप्स पे लूप ऐसे क्रीज भरे हाथ होते हैं है ना पाम बड़ा ही इक्रीजेज रहेगा मेंटली फिजिकली रिटार्डेड रहेंगे साइकोमोटर साइकोमोटर मतलब मैं वैसे पकड़ रही हूँ पेन को वो पकड़ ही नहीं पाएंगे साइकोमोटर नहीं है वो जो चीज़ वो कर, कर रहे हैं एक्टिविटी कर रहे हो और माइंड का कोऑर्डिनेशन नहीं होता कंजाइटल हार्ट डिजीज मतलब कि उनका कंजाइटल का मतलब होता है हार्ट अच्छे से बनानी होता है हार्ट डिजीज बहुत सारी होती है कंजाइटल हार्ट डिजीज उनको रहेंगी ठीक है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आता है जो कि सिर्फ मेल में होता है याद रखना ये कि किस में होता है ओनली मेल्स

आगे देखो इसके फीचर्स क्या होंगे क्योंकि यहाँ पे आपके पास मेल मेल भी है फीमेल भी है अगर तुम देखो तो इधर मेल भी है और फी इधर देखो तो फीमेल भी है ये फीमेल एक्स एक्स एंड मेल दोनों वाले काम आएंगे यहाँ पे एक्स वाले भी फीमेल वाले भी आदमी भी वाले भी और महिला वाले भी जैसे कि गायनोकोमेस्टिया ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा स्टेराइल होते हैं स्पम नहीं बनते इनके मेंटली रिटार्डेड होते हैं फेमिनाइन फीचर्स होते हैं उनकी बॉडी के हेयर इनकी चाल ढाल महिलाओं जैसी होती है और अंदर से आदमी होते हैं तो यह हमारे क्या होते हैं क्लाइन फिल्टर यह हमारे क्या होते हैं क्लाइन फिल्टर ठीक है हाँ बिल्कुल सही मिस प्रिया गायनकोमेस्टिया ठीक है चलो आगे देखो आगे हमारे पास आता है टर्नर सिंड्रोम जो सिर्फ और सिर्फ ओनली इन फीमेल सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है फीमेल में होता है फीमेल के अंदर जनरली क्या होता है एब्सेंट Abs, होता है एक एक्स क्रोमोसोम आपका एब्सेंट हो जाता है महिला के अंदर हमारे हमारे अंदर फीमेल होती है उसमें क्या होता है 44 प्लस एक्स एक्स होता है ये नॉर्मल स्टेज है उसकी है ना अगर यहां से एक एक्स गायब हो जाए 44 प्लस एक्स ओ हो जाए एक गायब हो जाए यानी 45 क्रोमोसोम हो जाए तो उसको जाएगा टर्नर सिंड्रोम ठीक है तो यहाँ पे कम हो जाता है 45 हो जाता है फीचर्स क्या होंगे वही स्टराइल एक एक्सक्रोमोजोम कम है तो डवाफ रहेंगी मेंटली रिटार्डेड रहेंगी स्टराइल रहेंगी इनकी ओवरी बनती ही नहीं है है ना रोड्योमेंट्री रहती है तो यहाँ पे इस टर्नर सिंड्रोम के साथ एक आखिरी चीज दैट इज पेडिग्री एनालिसिस रह गई है बाकी चैप्टर डन है पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है पेडिग्री एनालिसिस होता है कि आप किसी भी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कोई भी फैमिली हिस्ट्री है उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं कि भाई ये पर्टिकुलर ट्रेट कैसे है मतलब कोई भी फैमिली उठा लो आप उसकी पीढ़ियों के बारे में पढ़ रहे हैं कैसे उसका डीएनए जा रहा है कैसे कोई फीचर या ट्रेट आगे से आगे, आगे आपका ट्रांसफर हो रहा है तो उसको आप क्या कह देते हो पेडिग्री एनालिसिस ठीक है जनरली हम यहाँ पर कोई स्पेसिफिक ट्रेट या फिर किसी एबनॉर्मैलिटी या किसी डिजीज को लेके हमें चीज़ें करते हैं जहाँ पर हम किसी की फैमिली हिस्ट्री बताते हैं और आपके पास सिर्फ दो चीज़ें हैं यहाँ पर दो आपके चार्ट गिवन है इधर है ना और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके बहुत अच्छे अच्छे तो आपको वो करने भी हैं ठीक है अच्छे अच्छे क्वेश्चन uh, का माइटोनिक डाइसट्रोफिया होता है जहां पे हमारी मसल्स वीक पड़ जाती है और हमारी जब मसल्स वीक पड़ती है तो कोऑर्डिनेशन नहीं रहता तो आप यहाँ पे देखोगे क्योंकि एक ऑटोजोमल डिजीज है तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे ये यह डिजीज इंसान है ये यह यहाँ पे मेल डिजीज फीमेल डिजीज थी यहां पे फीमेल डिजीज थी इसका एक्स क्रोमोजोम यहां भी गया होगा यहां भी गया होगा यहां भी गया होगा क्योंकि ये डोमिनेंट वाले ना सब नहीं है ये ऐसी रही होगी एक खराब रहा होगा इसका एक तो सही रहा होगा एक खराब रहा होगा मान लेते छोटे वाला डिफेक्टेड है तो इसके अंदर नॉर्मल वाला आया इसके अंदर डिफेक्टेड वाला नॉर्मल वाला आया यहाँ पे इसके अंदर डिफेक्टेड वाला आया ठीक है अब देखो सीधी सी बात है इसके अंदर अपने फादर से नॉर्मल वाला आया होगा ऑटोजोम तो यहाँ पे इस लड़की के अंदर ए आया होगा तो इसीलिए आपका क्या है ऑटोजोमल है ना इधर तुम देखो ये आपका एक क्रिस क्रॉस बन रहा होगा ये कैरियर है कैरियर है ये लड़का कैसे है क्योंकि मम्मी कैरियर रही होगी फोर श्योर गारंटी मम्मी कैरियर रही होगी तभी यहां पे कलर ब्लाइंडनेस को लेके यहाँ पे रही होगी मम्मी है ना यहाँ पे एक्स सी एक्स वाई हो गया डिजीज ठीक है अब यहाँ पे ये डिजीज है यहाँ पे ये डिजीज्ड है यहाँ पे इसके डिजीज होने का क्या मतलब है यहाँ पे ये अच्छा ये ऑटोसोमल कैसे हो सकता है अच्छा दोनों ही पैरेंट रहे होंगे ना तो यहाँ पे ये ऐप है ये भी ऐप है यहाँ पे ये इकट्ठा हो गया होगा यहाँ पे ये रहा होगा है ना या फिर दूसरी कोई स्टेज ये बन गई होगी ठीक है इधर से ये यही सेम चीज़ सिचुएशन इसके साथ हुई होगी इस वाले के साथ भी बेचारे के साथ ऐसे ही हो गया होगा मामला है ना इधर अगर तुम देखो तो ये ऐसा रहा होगा इधर से ऐसा रहा होगा इधर ए ए आ जाएगा है ना तो ये तो आसान है कर लोगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है ये तो कर लोगे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अब आपके पास एक सवाल है ऐसा ना ये आपके पास चार्ट गिवन है आपको ये बताना है ये आपकी पीवाई की डोज है आपको ये बताना है कि इधर जो है किस तरीके का मामला चल रहा है ये आपकी पैटेगरी है ठीक है आपको क्वेश्चन करने की ये पेरेंट्स है ये जनरेशन टू है और ये जनरेशन थ्री है आपको बताना है कि यहाँ पे जो चार्ट दिया गया है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है रीज़न देना है ट्रेट है वो ऑटोजोमल है या सेंक्सलिंक्ट है उसका भी रीज़न देना है आपको ठीक है और पॉसिबल जीनो क्या हो सकता है क्रोमो नंबर नम, नंबर वन वाले का जो नंबर वन है हाँ जो नंबर वन है यहां पे उस नंबर वन वाले का क्या आपका पॉसिबल जीनोटाइप हो सकता है जल्दी से आंसर करो उसके बाद ना आगे वाला चैप्टर शुरू करेंगे दो मिनट का और ब्रेक दूंगी बस दो मिनट का और ब्रेक दूंगी तुमको दो मिनट का और ब्रेक दूंगी ठीक है चलो शाबाश से आंसर करो भाई इसका कहाँ गायब हो गए कहाँ मतलब कहाँ ध्यान है तुम्हारा पढ़ भी रहे हो या नहीं आयुष जायसवाल का, का है मिस प्रिया का ऑटोजोमल रिसेसिव ठीक है लंच ब्रेक नहीं नहीं अभी, नहीं अभी नहीं अभी तो दो चैप्टर बाकी है दो चैप्टर बाकी मैं तो पहले ही कहा था खा पी के बैठना एक चैप्टर मिनट हाजी में ध्यान से दस पंद्रह पंद्रह दस मिनट का ब्रेक दूंगी ज्यादा नहीं दूंगी ठीक है हाँ टेन मिनट ब्रेक दूंगी ये क्वेश्चन कर दो उसके बाद टेन मिनट ब्रेक फिर आप अपने सेशंस को दोस्तों के साथ शेयर करके आओगे दोस्तों के साथ भी सेशन को शेयर करोगे ठीक है ऐसे ही नहीं सेशन शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ देखो सब भग गए ऐसा नहीं करना ना ठीक है चलो अब देखो यहां पे इसका आंसर करते हैं उसके बाद दूंगी ब्रेक ठीक है चलो ये जो ट्रेट हमारा है वो डोमिनेंट हुआ कि रिसेस पहली बात एक बार देखो पेरेंट हमारे नॉर्मल दिख रहे हैं उसके बाद भी हमारा यहां पे चाइल्ड आ गया है ना मतलब पेरेंट्स हमारे कैसे थे नॉर्मल थे फिर चाइल्ड एब नॉर्मल डिजीज कैसे आ गया मतलब कैरियर रहे होंगे ये दोनों ऑटोजोम तो नहीं है है ना मतलब वैसा तो नहीं है ये है ना हो सकता है मदर कैरियर रही हो मदर कैरियर रही हो है ना तो ये बात तो क्लियर है कि रिसेसिव है, है ना डोमिनेंट है कि रिसेसिव है ये रिसेसिव है कैसे सपोर्ट करेंगे क्योंकि जनरेशन वन हमारी है वो नॉर्मल दिख रही है है ना उसमें कोई डिजीज नहीं दिख रहा था बट वो डिजीज इसमें कैसे आएगा अगर डोमिनेंट होता तो जो कैरियर होता उसके अंदर दिखता ना जिसके अंदर भी वो डिफेक्ट होता तो दिखता तो डोमिनेंट तो कम से कम नहीं है उसके बाद अगर मान लो ये दूसरा क्या बोला है? कि है या सेक्स है? अगर तुम यहां पर देखो अगर तुम यहां पर देखो तो फादर के पास से तो एक्स आया होगा फादर के पास से एक्स आया होगा और वाई आया होगा तो ये एक्स इसके अंदर गया होगा सीधा का सीधा है ना ये खाली एक्स है है ना इधर से अगर मान लो ये, तो ये, ये डिजीज नहीं है तो ये नॉर्मल है।, है, है तो खाली इसके होने से तो ये नहीं हो पाएगा तो ये है भी नहीं तो इससे सिर्फ इधर एक्स ही एक ये वाला गया है आदमी वाला महिलाओं की कम चांस रहे यहां पे तो अब तुम क्या कहोगे इसको डोमिनेंट सेक्स uh, वाला कहोगे कि वो वाला कहोगे ऑटोजोम वाला कहोगे देख लो समझ लो ध्यान से ध्यान से ऑटोजोम कैसे कह रहे हो देखो तुम एक चीज देखो सबसे ज्यादा यहाँ पे इधर देख लो और नहीं तो कि ये नॉर्मल है ये फीमेल मान लो ऐसे मान लो एक्स वाई अगर हो एक्स एक्स भी हो गया यहां से तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है ध्यान से देखो यहां पे सबसे ज्यादा डिजीज कौन है आदमी आ आदमी सबसे ज्यादा ओटोजोम कैसे हो गया मुझे बताओ तो सही ओटोजोम तुम्हें कहां से लग रहा है ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड पहली बात तो मेल मेंबर्स है यहां पे सबसे ज्यादा तो मेल मेंबर है पहली बात दूसरी बात अगर ये ऑटोजोम होता तो यहां पे एक दो तीन थे ठीक है तो फिर ये कैसे आया अगर ये भी कैरियर है तो हम किस बेस पे बोल सकते हैं क्रिस क्रॉस आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा क्रिस क्रॉस बन रहा है कि नहीं बन रहा पहले जैसे हमने यहां पे करा था तो आपने देखा था ना ये वाले नॉर्मल है ये एब नॉर्मल ये नॉर्मल कुछ ऐसा ही तुम्हें ये नहीं नजर आ रहा कुछ ऐसा ही नजर नहीं आ रहा तुम्हें ये अगर तुम यहां पे देखोगे तो तुम्हारे पास यहां पे फीमेल भी डिजीज थी अगर तुम यहां पे देखोगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ मेल डिजीज है सिर्फ और सिर्फ मेल डिजीज है है ना फीमेल तो कोई भी डिजीज नहीं है ये देखो फीमेल नॉर्मल अगर तुम इस फीमेल को डिजीज करते ना तो तुम एंड ऑटोजोम कह सकते थे फिलहाल तुम इसको ऑटोजोम नहीं कह सकते बेटा है ना तो ये आपका कैसा हो गया पहली बात तो ये रिसेसिव है दूसरा ये सेक्स लिंक्ड है ठीक है एंड पॉसिबल फीनो जीनोटाइप क्या हो सकता है आपका वन का पॉसिबल जीनोटाइप बोला इसने वन का और थ्री का ठीक है तो ओबीसी बात है फादर का तो नॉर्मल रहा होगा एक्स है ना xc आया होगा इसका y ही आया होगा तो इन नॉर्मल है तो xy रहा होगा नॉर्मल xy 1 का xy रहा होगा तीसरे वाला है हो सकता है कैरियर भी हो सकती है तो इसका कुछ भी हो सकता है xcy XXC भी y हो सकता है और xxb भी हो सकता है दोनों हो सकते हैं बोथ आर द चांसेस दोनों चांसेस हैं हीमोफीलिया मान लो कलर ब्लाइंडनेस मान लो कोई भी मान लो ठीक तो यहां पे आपका ये हो गया कंप्लीट अभी पता नहीं ऊपर नीचे क्यों हो रहा है ये अब हम शुरू करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 47 हुए 10 मिनट दे रही हूं 15 नहीं 10 मिनट अगला सेशन अगला चैप्टर शुरू करने से पहले गिन के 10 मिनट दे रही हूं सिर्फ गिन के 10 मिनट मुझे वापस चाहिए तुम सारे बच्चे वापस चाहिए तुम सारे बच्चे ठीक बाय नहीं करना वा, वापस वापस हां जी सारे वापस आ जाना चुपचाप से ठीक है दस मिनट का ब्रेक दे रही हूँ गिनती से दस मिनट का सारे वापस चाहिए मुझे ठीक है और अपने दोस्तों को सबको सेशन शेयर कर दो ये कहाँ मतलब कहाँ हो तुम सभी अभी अगला चैप्टर अगली दस मिनट में शुरू करूंगी मैं जब तक जिसने खाना पीना खाना है पंद्रह मिनट नहीं दस मिनट चलो पंद्रह मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएगा बेटा और दस मिनट भी बहुत है अरे साथ में खाना खा लेना ना सुनना ही तो है शुरू का तो इंटरव्यू नहीं है गिन के दस मिनट है चलो टाइम स्टार्ट हो गया जिसको वॉशरूम जाना जाओ मेरे को दस मिनट में वापस चाहिए तुम सभी दस मिनट में वापस चाहिए ठीक है चलो चलो ठीक है ठीक है हाँ ठीक है चलो पंद्रह मिनट पंद्रह मिनट बट वापस चाहिए मुझे हर एक बच्चा वापस चाहिए तुम्हारा चलो पंद्रह मिनट का ब्रेक है सिर्फ पंद्रह मिनट का हम्म पक्का रहे है सिर्फ दस मिनट का है भाई सिर्फ दस मिनट पंद्रह मिनट नहीं है मेरे मुंह से पंद्रह मिनट मत निकलवाओ बस दो घंटे और दो घंटे और मैं पहले ही बोल के गई थी कि लंबा सेशन है जेनेटिक यूनिट अगर ऊपर ऊपर से करनी है तो ऊपर ऊपर से करा देती हूँ मैं पर पेपर में करना है ना सवाल अच्छे से वापस आना है जल्दी से चलो 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 ठीक है ठीक है ठीक है पंद्रह मिनट बुक ठीक है बट जल्दी जाओ जल्दी आओ है ना इतना टाइम नहीं है ना हमारे पास जल्दी फटाफट से हाँ ठीक है ठीक है जल्दी देखो एक ही चैप्टर हुआ इतने में तुम ब्रेक लेते हो जब लंबी मैराथन होगी तब क्या हाल होगा इकोलॉजी भी कराएंगे चिंता मत करो सब कराऊंगी तुमको मार्क्स वाइज मार्क्स वाइज सब कराऊंगी चिंता मत करो हाँ जी मेरा नाम मनताशा है ओके बेटा नाम बहुत प्यारा है आपका अभी मैं देख रही हूं कौन कौन बच्चा आ रहा है ना राधे राधे वही राधे राधे जी ऐसा है अभी तुमको पता चल रहा है ना कि मैं साथ साथ में तुमको डोज करा रही हूँ करा रही, साथ साथ रही।, रही हूँ कि कैसे सवाल आते हैं पता चल रहा है ना कैसे सवाल आ रहे हैं कौन से कौन से सवाल? तुम्हारे 2023 का सैंपल पेपर हो या फिर दो का जो पेपर है एग्जैक्ट उसके सवाल मैंने डाले हुए हैं तुम्हारी तसली के लिए है ना ठीक है ओके चलो मंतिशा मंतिशा ठीक है ओके बेटा बायोटेक वाली यूनिट लेके आएंगे देखो कल सिक्सटीन ये ट्वेंटी वाली आज हमने ट्वेंटी मार्क्स पूरे करें कल हम 16 रिप्रोडक्शन वाली यूनिट पूरी करेंगे देन उसके बाद बायोटेक करा दूंगी परसों कराऊंगी बायोटेक पूरा ना आज तो बेटा कर लो ये वाली बायो के डायग्राम्स भी याद करनी है मैं आपको बता दूंगी बेटा जोन सा करना है मैं बता दूंगी डायग्राम्स भी करा दूंगी कोई दिक्कत की बात नहीं है सेशन फटाफट से शेयर हो जाना चाहिए सेशन फटाफट से शेयर हो जाना चाहिए तुम लोग है ना अभी तुम्हारा ब्रेक पूरा होएगा ना सेशन ब्रेक मुझे पूरा चाहिए तुम्हारा हाँ बिल्कुल कराऊंगी ह्यूमन बायोलॉजी इन ह्यूमन सब कराऊंगी देखो जिसको नहीं पता है ना मैं बता देती हूँ ब्रेक चल रहा है ना ये चलता रहेगा इधर अरे अरे ये चलता रहेगा इधर है, है ना सुनो मेरी बात अब ना कल तुम्हारा कौन सा होगा तुमको पता है ना ये बात हमारी कौन सी कौन सी यूनिट है पांच यूनिट है जेनेटिक वाली यूनिट कितने नंबर की है अब तुम तो फिलहाल इजी की तरफ भागोगे ना गड़बड़ गड़बड़ हो जाती है मैंने बहुत सोच समझ के तुम्हारी अरेंज की है यूनिट अगर तुम इसको नहीं करोगे ना ऐसा तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारी सबसे कॉम्प्लेक्स यूनिट है जेनेटिक्स मोस्ट टफेस्ट यूनिट आपकी और सबसे ज्यादा मार्क्स की है ट्वेंटी मार्क्स की है अगर तुमको लग रहे ना तुम इसको सबसे लास्ट में करोगे और समझ जाओगे जब तक जेनेटिक यूनिट नहीं करोगे जब तक बायोटेक भी समझ में नहीं आएगी पता है ना और सबसे ज्यादा हाइस्ट मार्क्स है इसीलिए मैं पहले आज कर रहा तो तुम जो तु, तु, तुम ईजी तो की तरफ भाग रहे हो ना कि मैम पहले इकोलॉजी कर लेते बेटा दस नंबर की है वो सिर्फ दस नंबर की है और इसको तुमको रिवाइज करना पड़ेगा तो इसमें टाइम लगेगा समझने में तुमको दो तीन बार हो सकता है और समझना पड़ जाए पढ़ना पड़ जाए तो जो चीज़ टफ होती है ना उसको पहले प्रिपेयर करते हैं ना समझो थोड़ा समझो चीजों को है ना ये मैंने आज करा दी ये आज हमारी हो जाएगी कल हमारी रिप्रोडक्शन वाली होगी ये हमारी सिक्सटीन मार्क्स की है ये हमारी कल हो जाएगी मतलब कि ये छह मार्च को हो जाएगी है ना कोई दिक्कत नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं उसके बाद बेटा सात मार्च है अब सात मार्च और आठ मार्च ये दोनों में ही आपकी चॉइस है आप कहोगे तो मैं पहले बायोटेक करा दूंगी मैं पहले बायोटेक करा दूंगी ठीक है तुमको बायोटेक करना है ना तो पहले मैं तुमको बायोटेक करा दूंगी इजी की तरफ मत भागो तुम ये बारह नंबर की है उसके बाद आठ मार्च को तुम्हारा ह्यूमन वेलफेयर वाला करा दूंगी ये भी बारह नंबर का है ये हो जाएगा तो उसके बाद दस नंबर की इकोलॉजी रहेगी जो कि नो मार्च को हम कर लेंगे दस नंबर की है और इतना ईजी है ना इसमें तुमको ज्यादा रिवाइज मैं तुमको गारंटी दे रही हूं तुमको यहां पे इस यूनिट को एक से ज्यादा बार अगर रिवाइज करना पड़ जाए तो के चार क्वेश्चन आते हैं तीन चैप्टर हैं एक चैप्टर से के चार क्वेश्चन टोटल बारह क्वेश्चन है यहां पे टोटल बारह क्वेश्चन बनते हैं यहां से बारह टॉपिक्स नहीं है बारह क्वेश्चन है, है ना तो सुनो इस बात को तुम ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली बात तुम देखो ना ये वाले सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे अब इसके अंदर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है मैं तुमको बता रही हूं इकोलॉजी के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से शुरू करो अगर तुमको लग रहा है आप बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स आएंगे तो वो नहीं आने वाला उधर बायोटिक और अबायोटिक नहीं आने वाला ठीक है उधर आपका ये नहीं है कि बायोटिक जाएगा बायोटिक जाएगा Byotica, byotica, नहीं ब्रेक चल रहा है मैं जिसको नहीं पता बता दो भैया ये हमारा ब्रेक टाइम चल रहा है अभी मिनट हमने करा है पहले तो मैं दस ही दे रही थी चलो मिनट है है ना दो क्वेश्चन उधर से दो ऑर्गेनिज्म ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर साल सवाल आता है ग्रोथ मॉडल एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल हर साल सवाल आता है हर साल सवाल आता है वहां से मतलब तुम्हें मान लो मुश्किल से कोई आज तक गया होगा दस साल देख लो तुम पिछले तुमको ये कहीं कही ना कहीं किसी नहीं, किसी ना मिल जाएगा ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये उसका और इंटरेक्शन छह इंटरेक्शन है छह में से भी चार करनी है एक एक में एक एक लाइन में दो दो नंबर की आती है वो ऐसे दो नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा एक नंबर में एक एक्सप्लेन करनी एक नंबर में एक एक्सप्लेन करनी ऐसे एक एक वाले एक आधा पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट आ जाता है एक दो नंबर के अंदर आ जाता है ठीक है जनरली ग्रोथ मॉडल आता है आपका उसके बाद आपकी नेक्स्ट इकोसिस्टम वाली आएगी इकोसिस्टम में जनरली आपका प्रोडक्टिविटी के ऊपर प्राइमरी से, uh, से इतना ज्यादा सवाल नहीं आते हैं एंड पिरामिड्स पूछे जाते हैं वहां से, yes. uh, वाले में भी पूछे जाते हैं जैसे कि आपका एक बेल शेप का है ना ट्राइंगल शेप का है वो पिरामिड्स पूछे जाते हैं आपके एंड अगर कंजर्वेशन की बात करूँ तो कंजर्वेशन इज दो इम्पॉर्टेंट अगर तीनों चैप्टर में भी कोई अगर इंपॉर्टेंट एंड ईजी है दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जैसे पैटर्न ऑफ बायोडावर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपका एक हाइपोथिस आता है रिविट पॉपर का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कंजर्वेशन एक दो नंबर में इंपॉर्टेंट है मतलब तुम ये मान लो अगर तुमको मैं एक सीक्वेंस दे रही हूँ ना सोच समझ के दे रही हूँ इजी से स्टार्ट कभी नहीं करते मतलब तुमको ये पता है कि मेरा वीक स्पॉट ये है मतलब तुम तुमको पता है कि भाई मेरे को तलवारबाजी आती है पर मेरे को मेरे से दौड़ा नहीं जाएगा भागा नहीं जाएगा तो तुम किसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हें तलवारबाजी ऑलरेडी आती है ना इजी है ना जो चीज़ इजी है ना वो सबसे लास्ट में करते हैं टफ है बार बार रिवाइज करने की जरूरत तो है वो सबसे पहले करते हैं समझो पैटर्न को बेटा जिंदगी के अंदर तुम कभी अगर ये नहीं कर पाए ना तुमको यही नहीं जान पाए कि मैम पहले कौन सी करनी है बाद में कौन सी करनी है डिसीजन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और बायो जो है वो लिखने की यूनिट है फिर बाद में कहोगे मैम पेपर में याद नहीं आ रहा था पेपर में कुछ और ही याद आ रहा था वो इसलिए नहीं याद आ रहा क्योंकि तुमने सुना ही नहीं मैं पे तुम्हें चीख चीख के कह रही हूँ फिर भी तुम सुन नहीं रहे हो गारंटी ले रही हूँ तुम्हारा एक भी सवाल यहां से जाए तो एक भी नहीं मिस होगा स्टार्ट करें। पांच मिनट और भैया रुक जाओ हाँ रिप्रोडक्शन और जेनेटिक दो यूनिट युनि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा ठीक है चलिए बस और कुछ पूछने चलिए सेशन को शेयर कर दो फटाफट से अभी शुरू करते हैं दो मिनट रह गई है मुझे चाहिए कि कम से कम आप इसको टू हंड्रेड पार दोबारा कराओ जो जो गए हैं, बच्चों को शेयर कर दो सेशन दोबारा से ना तीन मिनट भी नहीं है तुम्हारे पास ढाई मिनट है पूरी चलो पीवाई क्यू सेशन अभी नहीं देखो बेटा पहले थ्योरी प्रिपेयर करो बायोलॉजी अलग है आप एक बात समझो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ इनसे अलग अप्रोच होती है बायो की तुमको यहाँ पे लिखना पड़ता है तुम यहाँ पे रिलेशन नहीं लिखा सकते अगर तुमको उसने बोला है कि हमको ये बताओ टेस्टिस कौन सा हार्मोन बनाते हो तो तुम वहाँ पे अगर टेस्टिस का पूरा डायग्राम भी बनाया होगा ना तब भी एक पॉइंट जीरो नंबर नहीं देगा वो ठीक है तुमको हॉर्मोन ही लिखना पड़ेगा तो कहानियाँ नहीं बनती इधर तुम रिलेटेड लिख के नंबर नहीं पा सकते कि फिजिक्स में कम चलो कम से कम फार्मूला लिख देता हूँ आधा नंबर मिल जाएगा केमिस्ट्री वाला और फिजिक्स वाला मामला नहीं है बेटा सीधा क्वेश्चन पे कूदोगे नहीं हो पाएगा पहले पांच दिन है तुम्हारे पास नौ तारीख तक पांचों यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी ठीक है दस तारीख को एक लंबा रिवीजन लेंगे आखिरी थ्योरी का रिवीजन होगा उसके बाद तुमको थ्योरी छूने नहीं दूंगी मैं उसके बाद तुम्हारे जितने भी पी वाई क्यू है आज तक के दस साल के पिछले पीवाई क्यू है ना सेक्शन ए बी सी डी सारे पीवाई क्यू तुम्हारे कवर कराऊंगी केस बेस्ड टॉप एमसी क्यू हो गए तुम्हारे सैंपल बीच में टेस्ट भी लूंगी गैस पेपर भी कराऊंगी तुमको दो बार गैस पेपर कराऊंगी तुम्हारे दो बार टेस्ट लूंगी तो मैं पता तो चलिए कहां स्टैंड कर रहे हो तुम लोग है ना पीवाई क्यू सेशन भी लेंगे वो तुमको नौ तारीख को प्लान मिलेगा नौ तारीख को तुमको प्लान मिल जाएगा कि तुम्हारे एक प्रैक्टिस कब होगी और एक बार थ्योरी छोड़ दी तो छोड़ दी दस तारीख के बाद थ्योरी को हाथ लगाने नहीं दूंगी इसीलिए मैं दस तारीख तक आपको सिर्फ थ्योरी करा रही हूं ठीक है स्टार्ट करें। चलो बोलो जय श्री राम और करे सेशन को शुरू हम्म चल रहा है मामला हो जाए बंद कर दो बंद हेलो चंदन ले। अभी तुमने पंद्रह मिनट बोला खुद पंद्रह मिनट बोलते हो फिर कह रहे हो कि माम ये बोल रहा है चलो अबाउट अब करते हैं मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पहले क्या था प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कि जो चीजें आ रही हैं आ रही हैं उसके क्या प्रिंसिपल थे अब मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है और हमको ये अच्छे से पता है कि यहाँ पे जो मोलिकुलर बेसिस जो मॉलिक्यूल है वो डीएनए और आरएनए जो कि हमारा जेनेटिक मटीरियल है उसके बारे में बात कर रहे हैं ठीक है थीके? चलो जी तो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो बहुत ही सिंपल सोटेल चीज़ें चलती हैं पहले बात तो ये हमारा मॉलिक्यूल यहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि आरएनए या डीएनए होता है देखो ज़्यादा डेप्थ में मत जाना भाई अभी है ना टाइम नहीं है है ना जब हमको पता है जितना टाइम है जितनी चीज़ हम कर सकते हैं उतनी ही करेंगे जितनी रिक्वायर्ड है ज्यादा डेप्थ में मत जाना है यहाँ पर ठीक है तो जेनेटिक मटेरियल हमारे पास कितने हैं दो हैं एक तो डीएनए है एक आरएनए है ठीक है जिनको हम न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं नाम से पता चल रहा होगा एसिड 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 है है ना और डीएनए uh, स्पेशली सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में जो आपका है वो सबसे ज्यादा डीएनए पाया जाता है और उसको हम ब्लू मैंने शुरू में लिखा था ब्लू आपका होता है हमको अपने पेरेंट से मिलता है है ना पेरेंट से मिलता है ना अनम्यूटेटेड विदाउट एनी ऑल्टरेशन ठीक है अब कई बार हम बोलते भी डीएनए को या फिर आप आरएनए को डिफाइन करो कैसे डिफाइन करोगे तो आप कहोगे जी एक चेन होती है है ना डीएनए की डबल स्ट्रैंड आरएनए की सिंगल स्ट्रैंडेड एक पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है आप जनरली ऐसे डिफाइन करते हो कि डीएनए को अगर तो आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करोगे इस पॉली न्यूक्लियोटाइड का आप कहोगे जी पॉली न्यूक्लियोटाइड जो एक चेन है वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड समझो क्या मैंने कहा मैंने कहा सबसे पहले आपका जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल आप कहोगे जी जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है दोनों का सेम स्ट्रक्चर लगभग चलता है ठीक है दोनों ही पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है पॉली ही चेन से बना हुआ है पॉली न्यूक्लियोटाइड का मतलब है कि एक चीज है न्यूक्लियोटाइड जो बार बार रिपीट हो रहा है तो इस पॉली न्यूक्लियोटाइड का एक मोनोमर होगा वो मोनोमर होगा न्यूक्लियोटाइड है ना ये बात बेसिक सी क्लियर है कि हमारे पास पोलिन्यूक्टाइड है ठीक है न्यूक्लेटाइड है जो बार बार रिपीट होकर पॉलीमर बना रहा है पोलिन्यूक्लेटाइड डीएनए आरएनए दोनों ही इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं ठीक अब यहाँ पे आपको कहे मैं न्यूक्लेटाइड क्या चीज है तो न्यूक्लियोटाइड बेटा आपका एक स्ट्रक्चर है जो बार बार रिपीट हो रहा है

है ना तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजनस बेस दो तरीके के होते हैं देखो इधर ज्यादा डप में जाओगे ना घूम जाओगे जितना पढ़ा रही हूँ उतना कर लो पेपर में बाहर नहीं जाएगा प्यूरिन पायरेमेडीन प्यूरिन हमारे दो तरीके के होते हैं एडनिन एंड ग्वानिन पायरेमेडीन दो तरीक, तीन तरीके के होते हैं साइटोसिन थामिन एंड यूरेसिल यहाँ पे जो थाइमिन है इसको हम फाइव मिथाइल यूरेसिल भी बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डी एन ए में मिलेगा और आर एन ए में थाइमिन की जगह पर यूरोसल मिलता है ये आपको याद रखना है ठीक है आपके पास अगर बात करें तो इधर हमारे पास शुगर होती है जो हमने शुगर के बारे में यहाँ पे आई थिंक बात नहीं की है तो लेट्स टॉक अबाउट शुगर अब हमारे पास जो दूसरी चीज है दैट इज शुगर अब शुगर को जब आप समझोगे तो आप सारी चीज समझ जाओगे शुगर को मैंने क्या कहा तो शुगर इज अ पेंटोज शुगर इज अ पेंटोज रिंग ठीक है पेंटोज रिंग मतलब पांच वाली रिंग है अब आपको अगे में पांच रिंग कैसे रिंग तो पेंटोज वाली है बट यहां पे चार कार्बन होते हैं प्लस एक ऑक्सीजन होती है आपको कहोगे मैं फिर पेंटोज पांच कार्बन कहां से आए? पांच कार्बन एक बाहर होता है इसका ठीक है जैसे एक ऑक्सीजन आ गया कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर रिंग बनाई पेंटोज स्ट्रक्चर बनाए चलो ये पेंटोज स्ट्रक्चर बन गया यहां पे कार्बन अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है चार की कितने की वैलेंसी होती है कार्बन की चार की तो इसको कितनी चीज चाहिए, स्टेबल होने के लिए? फोर चाहिए. इसके एक इधर एच पे जाएगा ओ एच OH क्या है हाइड्रोक्शियल ग्रुप आपको याद रखना है ओ एच का मतलब क्या है ये हमारा हाइड्रोक्शियल ग्रुप होता है और जनरली यही हाइड्रोक्शियल ग्रुप अटैचमेंट कराता है अटैचमेंट जो होती हैं वो अटैचमेंट इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर होती है और कहीं पे नहीं होती है ठीक है यहां पे अगर देखोगे इसके पास भी आपके पास ओ OH एच है H है, H है और ओ OH एच है यहां पे भी एच है और यहां ओ OH एच है यहाँ पे एक दो तीन ऑलरेडी है तो यहां पे सिर्फ H है ये सी एच टू ओ एच यानी कि अगर मान लो मैं ऐसे लिख दू H H OH तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना OH. लिख सकती ना स्ट्रक्चर को तो मैंने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ठीक है तो ये आपको याद रखना है इसको मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ पहले ठीक है अब ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है दिस इज योर राइबोज शुगर दिस इज योर राइबोज शुगर ठीक है याद रखना ये हमारी क्या है राइबोज शुगर है आप कहोगे मैम अगर ये राइबोज शुगर है तो डिओक्सी राइबोज का क्या हो जाएगा अगर ये राइबोस है तो फिर डिओक्सी राइबोज का क्या चाल चल रहा है राइबोस कैसे बनी? देखो, इस बात को. राइबोस। राइबोस। मतलब क्या है कि इस राइबोज से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी डी ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन डी हो गया डेफिशिएंट हो गया यानी यहां पे आपका ऑक्सीजन का क्या हो गया बेटा रिमूवल हो गया है ना कितना का हुआ एक ऑक्सीजन का हुआ ये भी आपको याद रखना है तो यहां पे आपका ये पैटर्न ही चेंज हो जाएगा कैसे होगा एच सी ये ओ एच 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 ओ एच एच कार्बन एच टू और ओ एच अब देखो हुआ क्या यहां पे आपको दिख रहे कार्बन नंबर आपको किसी को कार्बन नेमिंग नहीं करनी आती तो कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर और फाइव ये कार्बन नंबर होते हैं ऐसे एंड ये जो कार्बन नंबर टू है ध्यान पे दो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कार्बन नंबर टू कार्बन नंबर टू उसके ऊपर लगा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर ये रिमूव हो जाए अगर यहां से ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा हाइड्रोक्सिल की बजाय सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो तो गई तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाता है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन रह जाता है क्या रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन रह जाएगा इतना सा डिफरेंस है राइबोस में और डीएक्सी राइबोज में कि राइबोस में से ये जो कार्बन है ना इधर सेकंड वाली इसके ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इस हाइड्रोक्सिल का ऑक्सीजन गायब हो जाता है तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास हाइड्रोजन रह जाता है दैट इज कॉल्ड डिओक्सी आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल क्लियर है क्लियर है क्या ये क्लियर है आगे चले अब देखो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप मैंने क्या कहा अटैचमेंट्स के लिए होते हैं बट उससे पहले आप एक बार फोस्फेट ग्रुप भी समझो तभी आप ये चीज आगे कर पाओगे ग्रुप आप यहां पे देख रहे होंगे कि मैम वी आर हैविंग ग्रुप ग्रुप में क्या होता है आपको ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत मैं कहूंगी है है ना बहुत ज्यादा जरूरत आप लोगों को है फोस्फेट ग्रुप बहुत ईजी पीजी चीज है जैसे कि आप समझ सुनते आए ना ए टीपी ए टीपी सुनते आए हैं एटीपी का मतलब क्या है एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट तो ये जो फोस्फेट ग्रुप है इट इज नथिंग इट इज जस्ट पीओ थ्री माइनस फोर है ना तो आपको नजर आएगा कि ये हमारा एक नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाला नेगेटिव चार्ज करने वाला अब देखो यहां पे यहां पे देखो इसी नेगेटिव क्यों होता है डीएनए हमारा डीएनए नेगेटिव क्यों होता है क्योंकि फॉस्फेट की वजह से फॉस्फेट ग्रुप ऐसा जो नेगेटिव होता है बट ये नेगेटिव चार्ज बेशक से है ये ग्रुप बेशक से है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है ये क्या प्रोवाइड करता है एनर्जी कब एनर्जी प्रोवाइड करता है कि जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो यहां से आती है वो एनर्जी ठीक है इसीलिए फॉस्फेट आपका होता है बस खाली इतना ही जानना है इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं जानना है ठीक है अब आपके पास ये शुगर थी ठीक है आपके पास शुगर है अब इस शुगर के ऊपर अटैचमेंट्स होती हैं तो इस तरह से हम यहां पे शुगर डिओक्सी ले लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे वाली लेते हैं लेते, लेते हैं ठीक है तो हम डीएनए की डिओक्सी शुगर ले लेते हैं ठीक है ओ एच है एच है एच है इधर भी एच है एच है ओ एच है एच है एच टू ओ एच आप देखेंगे कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर एंड फाइव कार्बन नंबर वन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कार्बन नंबर वन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहां पे आपके नाइट्रोजिनस बेस अटैच करते हैं यहाँ पे क्या कौन करेंगे नाइट्रोजिनस बेस अटैच करेंगे कहाँ पे करें कार्बन नंबर वन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे याद रखना कार्बन के साथ में है ना कार्बन के साथ नहीं है ले भाई ले। मैं तो पहले ही कहा था कि अपना कम से कम तीन चार घंटे के लिए प्रिप्रेयर होके बैठना पहले ही बोला था अगर तुम फिर भी नहीं बैठे तो तुम्हारी गलती है हाँ ये थोड़ा थोड़ा मिक्स है ठीक है यहां पे कार्बन नंबर वन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल क्योंकि कार्बन तो ऑलरेडी फुलफिल्ड है वो नहीं बनाएगी बॉन्ड वो स्टेबल है ओएच बनाएगा नाइट्रोजनस बेस के साथ और यहां पे जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं इसका नाम होता है यहां पे भैया एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहां पर बनेगा ठीक है वहीं पे अगर आप देखो तो इधर कार्बन नंबर फाइव के ऊपर ये जो OH है इसके साथ फोस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है यहां पे क्या जुड़ जाता है फोस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है और फोस्फेट ग्रुप जब आपका जुड़ेगा तो इधर कौन सा बोंड आएगा इधर आपका बोन्ड आएगा जिसको हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे फोस्फोडाइस्टर बोन्ड यहां पे इस ओएच OH के बीच में और फोस्फेट के बीच में कौन सा बोन्ड बना फोस्फोडाइस्टर फोस्फो डाइस्टर बॉन्ड क्लियर है ये आपका क्या बन गया न्यूक्लियोटाइड यानी कि आपके पास एक शुगर है उसके फर्स्ट कार्बन के ऊपर नाइट्रोजनस बेस है एंड फिफ्थ कार्बन के ऊपर फोस्फेट है ठीक है इसको हमने क्या कह दिया इसको हमने सिंपली वर्ड्स में कह दिया न्यूक्लियोटाइड अब देखो यहां पे एक वर्ड हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड अगर आपके पास शुगर है प्लस आपके पास नाइट्रोजिनस बेस है प्लस आपके पास नाइट्रोजिनस बेस है तो आप इसको कहते हो न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। अगर इस न्यूक्लियोसाइड में आप फोस्फेट ग्रुप ऐड कर दो अगर यहां पे फोस्फेट ग्रुप ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लियोटाइड में और साइड में इतना अंतर होता है न्यूक्लियो इनएक्टिव विदाउट एनर्जी सोर्स होता है और इसके अंदर जब एनर्जी फोस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा ठीक है अब जैसे कि यहां पे ये चीज लिखी हुई है ऑलरेडी कि एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा आपका ठीक है इधर आपके पास नाइट्रोजन बेस शुगर फोस्फेट होगा तो आपके पास न्यूक्लियोटाइड बनेगा फोस्फेट ग्रुप आपका न्यूक्लियोसाइड के साथ अटैच करता है फोस्फोडाइस्टर के साथ ठीक है ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया ठीक है इधर आपके पास न्यूक्लियोसाइड आरएनए में भी होगा अब सीधी सी बात है में बनेगा तो वहां पे आपके पास शुगर है तो आप उसको क्या कहोगे एडिनोसाइन डीएनए में उसी को क्या कहोगे? ये आपका ग्वानोसाइन है ये अब क्योंकि आरएनए में थान नहीं होता तो यहाँ पे यूरेडीन हो जाएगा डीएनए में आपका यूरेसिल नहीं होता तो ये थाडीन हो जाएगा डिओक्सी क्लियर है ठीक है चलो चले आगे चलो भाई आगे चलो अब देखो इधर अगर आप देखोगे तो ऐसे ही ठीक है जब एक न्यूक्लियर ये तो तो जुड़ेंगे कैसे अटैचमेंट कैसे होंगे तो जरा इसके अटैचमेंट की भी बात कर लेते हैं लेट करो लेट करो हमारे पास ही शुगर है देखो अब से ना हम एक चीज समझेंगे हम न्यूक्लियर को एक टुंडी गुड़िया मानेंगे टुंडी गुड़िया जिसके हाथ नहीं है ठीक है टुंडी गुड़िया जिसके क्या नहीं है हाथ नहीं है मान लो ये हमारा क्या है अम, इसके साथ कर लेते हैं ना चलो एक बार यहां पे इसको तुम कैसे देखो इस शुगर को इस शुगर को एक ऐसे मानो कि शुगर ऐसे है ठीक है ये यहां पे कार्बन नंबर वन यहां पे कार्बन नंबर टू यहां पे कार्बन नंबर थ्री यहां पे कार्बन नंबर फोर यहां पे कार्बन नंबर फाइव इस तरीके से मान लो कार्बन नंबर फाइव के ऊपर फोस्फेट है मान लो ये हमारा क्या है फोसफेट ठीक है कार्बन नंबर वन पे नाइट्रोजिनस बेस है तो मान लो यहां पे हमारा क्या है नाइट्रोजिनस बेस है ना ऐसे मान लो तो तुम्हारे दिमाग में जब भी मैं कहूं न्यूक्लियोटाइड तो आपके दिमाग में ऐसा जाना चाहिए तो जब आपके दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो उधर क्या होता है कि ऐसे ऐसे आपके पास इधर एक ओएच OH ग्रुप खाली है जो जुड़ सकता है इधर फॉस्फेट है जो खाली है जो जुड़ सकता है तो एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट दूसरे न्यूक्लियोटाइड का क्या दूसरे न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में अटैचमेंट दिखाएंगे आपस में क्या दिखाएंगे अटैचमेंट दिखाएंगे ठीक है तो जब वो आपस में अटैचमेंट दिखाएंगे तो आपकी क्या बन जाती है पूरी चेन बन जाती है तो कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा कि मान लो यहां पर आपके पास शुगर है शुगर है यहां पर फोस्फेट है है ना फिर यहां पे फिर फोस्फेट है यहां पे शुगर है यहाँ फोस्फेट है यहाँ पे फिर से शुगर है इस तरीके से अब साथ में यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस है अब क्योंकि एक चेन तो बन जाएगी ठीक ऐसी ही अपोजिट चेन आपकी बनती है अब देखो यहाँ पे पांचवा कार्बन यहाँ पे तीसरा होता है ठीक ऐसी ही एक और चेन इसके अपोजिट में जाएगी बट वो उल्टी लगेगी उल्टी हो जाएगी वो थोड़ा अपोजिट जाएगा उसका मामला वो कैसे जाएगा यहाँ पे आपके पास शुगर है फोस्फेट है ठीक है शुगर है फोस्फेट है इस तरीके से आपकी वो चीज जाएगी तो सही बट उल्टी जाएगी इसका यहां पे तीन से पांच मामला चल रहा होगा कैसे चल रहा होगा तीन से पांच मामला चल रहा होगा तो इसी तरीके से आपको यहां पे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई भी गई है कि आपके पास एक फोस्फेट शुगर फोस्फेट आप देखो इसको ध्यान से शुगर है ये शुगर है फोस्फेट है शुगर है फोस्फेट शुगर फोस्फेट शुगर फोस्फेट राइट अगर तुम इसको इस तरीके से देखो अब तुम घुमा लो इसको अगर ये घूम जाए तो लेट मी ट्राई अगर ये घूम जाए नहीं घूम रही भाई चलो अगर तुम इसको देखो तो ये कार्बन नंबर थ्री इधर है ठीक है कार्बन नंबर फाइव इधर है तो एक चेन इस तरीके से पूरी एक मेन बैकबोन चेन बना रही है इधर कार्बन नंबर वन के ऊपर आपके क्या जुड़े हुए हैं नाइट्रोजिनस बेसिस जुड़े हुए हैं ठीक है जो कि अपोजिट नाइट्रोजिनस बेसिस के साथ पेयर बना रहे हैं आप देखोगे कि जो मेन चेन है वो तो ये वाली है इधर का जो मामला चल रहा है ये मामला आपका नाइट्रोजिनस बेस नाइट्रोजिनस बेस के साथ नाइट्रोजिनस बेस नाइट्रोजिनस बेस के साथ अटैचमेंट कर रहा है अब कौन सा नाइट्रोजिनस बेस किस नाइट्रोजिनस बेस के साथ जुड़ता है ये भी आपका फिक्स रहता है आपके पास एडनिन है आपके पास एडनिन है जो कि दो हाइड्रोजन बोन्ड यूज करेगा जो कि दो हाइड्रोजन बोन्ड यूज करेगा और थाइमिन के साथ पेयरअप करेगा किसके साथ थाइमिन के साथ पेयरअप करेगा इधर आपके पास साइटोसिन है जो तीन हाइड्रोजन बोन्ड यूज करेगा और ग्वानिन के साथ पेयर करेगा ठीक है ग्वानिन के साथ पेयर करेगा तो ये भी आपको याद रखना है ये भी आपको याद रखना है कि हमेशा फिक्स रहेंगे कि एडनिन दो हाइड्रोजन के साथ थाइमिन के साथ, साथ साइटोसिन तीन हाइड्रोजन के साथ ग्वानिन के साथ फिक्स रहता है ये पेयर हमेशा ही फिक्स रहेगा ठीक है अगर ये फिक्स नहीं होगा तो आप मान लो आपकी विड्थ ऊपर नीचे जाएगी आपके डीएनए की विड्थ सेम रहे थ्रू आउट द लेंथ इसीलिए आपका ये रहता है

पॉइंट बोले पोस्टुलेट बोले वो क्या क्या है वो आपको पूछा जाएगा ठीक है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आपको कुछ इस तरीके से क्लियर रहेगा ऐसा आपके एनसीईआरटी में आपको मिलेगा तो पहली बात तो ये कि हमारा जो डीएनए होता है वो कैसा होता है दो पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है पहला पॉइंट तो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो कि डबल हेलिकल फॉर्म में होती है और ये हेलिकल राइट हैंड साइड होता है ये हेलिकल राइट हैंड साइड होता है इसी वजह से इसको हम बी डी एन ए भी बोल देते हैं इसी वजह से इसको हम क्या कह देते हैं बी डी एन ए भी कह देते हैं ठीक है इस पॉलीपेप्टाइड चेन के कंपोनेंट कौन से कौन से हैं आपको पता होने चाहिए आपके पास पेंटोज शुगर है आपके पास पेंटोज शुगर है आपके पास फोस्फेट है जो कि बैकबोन बनाते हैं पेंटोज है प्लस आपके पास फोस्फेट है ये क्या बनाती हैं ये बैकबोन बनाते हैं ये बैकबोन बनाते हैं आपके ठीक है आपको पता चलेगा कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन की जिसके नाइट्रोजिनस आपके है। जैसे कि आप देख नाइट्रोजिनस अंदर है। है ना, अंदर की तरफ तो अपोजिट होती है एक थ्री टू फाइव है तो दूसरा फाइव टू थ्री होगा एक फाइव टू थ्री जा रहा है तो एक थ्री टू फाइव होता है अच्छा ये डायरेक्शन होता है ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजनस बेसिस हमारे अपोजिट चेन पे कैसे बॉन्डेड होते, है? होते हैं हाइड्रोजन से बॉन्डेड होते हैं जैसे कि एडनिन है दो हाइड्रोजन बोन से के साथ, साथ साइटोसिन है तीन हाइड्रोजन बोन के साथ ग्वानिन के साथ ये भी उसने बोला ठीक है उसने बोला के अगेंस्ट में पायरेमेडीन ही आएगा उसके पीछे रीजन है ताकि हमारे डीएनए की जो विड्थ है वो थ्रू आउट सेम रहे अगर देखो आप यहाँ पे देखो ये आपका दो प्यूरिन पायरेमेडीन है तो ये डिस्टेंस थोड़ा कम है पैरामेडीन पैरामिटीन से जुड़ा इतना सा बना है ना अगर एक प्योर इन से बना तो थोड़ा लेंथ बढ़ गया अगर एक पैरामेडीन पैरामेटीन से जुड़ा तो और ज्यादा हो गया मतलब कहीं पे पैरामेडिन पैरामेडीन जुड़े हैं कहीं पे प्यूर इन कहीं पे पैरामेडिन पैराम तो अनइवन लेंथ हो जाएगी तो इसीलिए हमेशा ये हमारा फिक्स रहता है ताकि एक यूनिफॉर्म ताकि हमारी एक यूनिफॉर्म विड्थ रहे ताकि यूनिफॉर्म विड्थ हमारी रहे ठीक है ओके okay. ठीक है आगे चलो अब पिच की बात करो देखो क्योंकि हेलिकल मॉडल है ना तो एक एक यहां से लेके एक हेलिकल यानी कि तुम तो पिच को कैसे बोल सकते हो कर्व जैसे कि यहां से शुरू होता है यहां से कर्व करना शुरू हुआ और कर्व करके पूरा हो गया एक हेलिकल जो पूरा लिया तो एक हेलिक्स एक कर्व उसको हम क्या कहते हैं पिच तो जो पिच होती है एक की वो 3.4 नैनोमीटर होती है, जिसके अंदर 10 बेस पेयर होते हैं आपके, ठीक है? और आपको याद रहे कि एक pair, ये pair, इससे कितना दूर, है? 3, दूर है कितना ठीक है, 3, दूर है और जब ये कॉयल होते हैं तो ये आपस में एक दूसरे, एक दूसरे के ऊपर सपोर्ट लेते हैं स्टैकअप हो जाते हैं दूसरे के ऊपर so क्या मिले स्टेबिलिटी मिले ठीक है अब लेंथ की बात करो तो आपको पता है हर किसी के अंदर जब भी आप डिफाइन करोगे लेंथ को तो डीएनए की जो लेंथ है आप हमेशा ही न्यूक्लियोटाइड के नंबर से डिफाइन करते हो जैसे कि फाइव वन सेवेंटी फोर बैक्टेरियो फाज है इसके अंदर फाइव थाउजेंड समथिंग कुछ आपके पास न्यूक्लियोटाइड होते हैं आपके पास लेमडा वाला उसके अंदर फोर्टी एट थाउजेंड सम कुछ आपके होंगे ह्यूमन की बात अगर ई कोलाई की बात करोगे फोर पॉइंट सिक्स टू में टेन की पावर सिक्स हो जाएगा हैप्लोइड की बात करोगी ह्यूमन के अंदर थ्री पॉइंट थ्री टेन की पावर नाइन बेस पर हो जाएंगे डिप्लॉइड की बात करोगी तो सिक्स पॉइंट सिक्स हो जाएगा पावर टेन की पॉइंट नाइन ही रहेगी यहां पर क्लियर है ठीक है चलिए आगे चले आगे हमारे पास आ जाती है पैकेजिंग 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 अगर पैकेजिंग की बात करो तो किस तरीके से पैक होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में जनरली आपको पता है ना प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस वगैरह कुछ इतने होते नहीं है वेल मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। है ना अच्छे से मैम बायोलॉजी का पेपर हो गया अच्छा हो गया तो फिर आराम से घर से बैठो ना यहाँ पे क्या कर रहे हो अब बायोलॉजी के बायोलॉजी का पेपर तुम्हारा हो ही गया है तो फिर आराम से बैठो सो चदर तान के क्यों टेंशन ले रहे हो है ना चलो तो पैकेजिंग की अगर बात करोगे तो सबसे पहले प्रो प्रोकेरियोट आते हैं प्रो में जनरली क्या होता है क्योंकि एक ऐसे हैं जो मेम्ब्रेनलेस

बहुत ही तगड़े तरीके से चीजें मैनेज करोगे कैसे मैनेज करोगे कि यहाँ पे आपके पास ये डीएनए है है ना यहाँ पे आपके पास ये डीएनए है ये डीएनए अगर आप इसको दूर से देखोगे तो आपको ये कुछ ऐसा नजर आएगा धागे जैसा अब ये कैसे पैक होगा अब तुम एक धागा देखते हो ना धागा अगर उसको ऐसे 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 कर दोगे ऐसे ऐसे कर दोगे तो उलझ जाएगा खोलोगे तो खुल नहीं पाएगा यूज नहीं हो पाएगा तुम्हारा तो तुमको चाहिए कि वो वेल well सेटल्ड आपका डीएनए आप यूज़ कर पाओ तो वेल सेटल्ड डीएनए को अगर तुमको यूज करना है ना तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा उसके लिए तुमको करना पड़ेगा कि भाई तुम इसको अच्छे से पैक करो है ना पैक करो तो हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन आता है हिस्टोन प्रोटीन आता है हिस्टोन प्रोटीन जो हमारे पास आता है ये पांच तरीके के होते हैं ये आपको मैं पहले बता देती हूँ हिस्टोन प्रोटीन हमारा जो होता है हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन पांच तरीके से होता है एक होता है H1 H2A H2B H3 एंड H4. H4 के दो मॉलिक्यूल H3 के दो मॉलिक्यूल H2B के दो मॉलिक्यूल H2A के दो मॉलिक्यूल ये क्या कर लेते हैं ये एक ऑक्टामर बना लेते हैं ठीक है और ये ऑक्टामर इस ऑक्टामर के ऊपर ये रैपडप होते हैं ठीक है ठीके? तो मान लो ये ऑक्टामर आ गया और इस ऑक्टामर के ऊपर ये आपका डीएनए क्वल हो जाता है इस तरीके से ठीक है ऐसे ही पता नहीं कितने ही न्यूक्लियोसोम्स होंगे मिनी ऑफ न्यूक्लियोजोम्स और यहाँ पे जो डीएनए रैपअप होगा तो ये टू हंड्रेड बेस पेयर का इंपॉर्टेंट पे. है तो का कुछ ऐसा आपको देगा कि ये ठीक है इम्पोर्टेंट है लेबलिंग के लिए पूछ लिया जाता है कि ये हमारा हिस्टोन ऑक्टामर है ये चारों तरफ डीएनए लिंक है ये एच वन हिस्ट्रोन हो जाएगा आपका ठीक है ऐसे ही पता नहीं कितने सारे ही ऐसे पता नहीं कितने सारे ही न्यूक्लियो हमारे अंदर होंगे अब जब ये कंडेंस होगा और तभी क्या होगा भैया कंडेंस होगा ऑब्वियस सी बात है कि भाई हमारे पास ये डीएनए था ये ये इस के चारों तरफ रैप अप हुआ अब कंडेंस क्या बनाएगा क्रोमोजोन बनाएगा तो तो जब ये कंडेंस होता है तो पे जनरली दो तरीके से कंडेंस होता है एक यूक्रोमेटीन एक आपका हाइड्रोक्रोमेटीन यूक्रोमेटीन होता है जहां पे लूजली पैक होता है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है हाइड्रोक्रोमेटीन होता है जहां पे डेंसली पैक होता है और आपका यहाँ पे इनएक्टिव रीजन

ठीक है क्या चलिए आगे चले आगे हमारे पास एक पीवाईक्यू है आप मुझे बताएंगे पीवाईक्यू क्या आंसर होगा यहाँ पे आपका कि लेंथ ऑफ डीएनए इन एनी सेल इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ इट्स न्यूक्लियस एक्सप्लेन हाउ दिस एनॉर्मस डीएनए इज पैक्ड इनटू अ यूकैरियोटिक सेल तीन नंबर में ये सवाल आया है 3 नंबर में ये सवाल आया है बताओ जल्दी से यहां पे क्या आंसर दोगे तुम यहां पे क्या आंसर दोगे मतलब खुद में ही बात करने में लग रहे हो बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया बेटा दो तरीके के सेल होते हैं प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट प्रोकैरियोट जो इनिशियली बने थे जो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनालीज नहीं होती मेम्ब्रेन मेम्रेनलेस ऑर्गेनालीज होती है होती नहीं है मैं कहूँ एक राइबोसोम होता है जो कॉमन है उसके अंदर ऑर्गेनालीज इतनी ज्यादा होती नहीं है मेम्ब्रेन बाउंडेड यू कैरियोट्स में बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाइज होती है प्रो कैरियोट पहले बना था देन उसी के अंदर मॉडिफिकेशन देन चेंजेस होकर प्रो कैरियोट यू कैरियोट बन गया था तो प्रो का मतलब प्रिमिटिव यू कैरियट का मतलब एडवांस्ड ठीक है जो हमारे अंदर है बैक्टीरिया प्रो कैरियोट है पुराना सेल था कभी पहले बना था हम यू कैरियोटम नए सेल बने थे एडवांस टाइम से है ना सेल बाउंडेड हाँ बिल्कुल देखो यहां पे एक चीज लिख लेना आपके पास ये वैसे तो कभी पेपर में आएगा नहीं बट अगर पेपर में आए तो लिख लेना जो हिस्टोन हमारा होता है जनरली हिस्टोन हमारा कैसा होता है पॉजिटिव होता है हिस्टोन हमारा जनरली कैसा होता है पॉजिटिव चार्ज का होता है रीजन दो है एक तो इसके पास आरजे नाइन प्लस लाइजिन ये दो अमीनो एसिड रिच होते हैं इसीलिए हिस्टोन होता है तो यहाँ पे आप क्या बताओगे यहाँ पे आप जब इससे तो सवाल आएगा ना तो उसमें लिख देना आराम से कि हमारे पास जो डीएनए है, डीएनए कैसे पैक होता है डीएनए पहले न्यूक्लियोजोम फॉर्म करता है न्यूक्लियोजोम बहुत सारे न्यूक्लियोजोम हो जाएंगे एक तार के ऊपर बीड़ लगी हुई होंगी उसको हम क्रोमेटीन बोल देते हैं उसके बाद वो क्रोमेटिन कंडेंस होएगी क्रोमोसोम की फॉर्म में कंडेंस हो जाएगी और फिर वो हमारे डीएनए में पैक हो जाते हैं ऐसे 46 सिक्स क्रोमोजोम इंसान के अंदर है सिंपल सी बात लिखनी है कि न्यूक्लियोजोम की फॉर्मेशन होगी न्यूक्लियोजोम फॉर्मेशन उसके बाद वो कंडेंस होएगा यूक्रोमेटिन इन हाइड्रोक्रोमेट इन क्रोमोजोम दैट सेट खत्म इससे ज्यादा नहीं लिखना है तीन नंबर का सवाल है तीन लाइन पॉइंट टू पॉइंट भी लिख दोगे ना तब भी पूरे नंबर दे देगा वो नहीं कोई बात नहीं सोल डायनेमिक आपको पीडीएफ मिल जाएगी आप आराम से कर लेना ठीक है चलो आगे चले आगे क्या है आपके पास सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल किसने ढूंढा कि जेनेटिक मटेरियल क्या है डीएनए है कि आरएनए है तो हमारे पास सबसे पहले ग्रफिथित महाशय आते हैं ग्रिफिथ क्या कहते हैं ग्रफित जो हमारा है एक चूहे को यूज करता है किसको यूज करता है एक चूहे को यूज करता है और उस चूहे के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया के स्ट्रेन करेगा तो सबसे पहले तुम छोड़ो ग्रफित पे आओ

ठीक है तो वो क्या करता है यहां से स्ट्रेन निकालता है कि स्मूथ वाली से एस स्ट्रेन रफ वाली से आर स्ट्रेन और इनको चूहों में इंजेक्ट करता है कि ऐसे कैसे सीक्वेंस याद कर लेना पेपर में आता है ये इंपॉर्टेंट है बेटा सीक्वेंस में याद कर लेना पेपर में आएगा उसने एस स्ट्रेन को चूहे में डाला चूहा मर गया आर स्ट्रेन को चूहे में डाला चूहा जिंदा था एस स्ट्रेन को चूहे में डाला चूहा जिंदा था एस स्ट्रेन को हीट किल किया हीट किल करके डाला था तो वो जिंदा था भाई एस को हीट किल किया आर स्ट्रेन को जिंदा डाला तो चूहे में डाला तो चूहा आपका मर गया तो वह कंफ्यूज हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जब मैंने यहाँ हीट किल किया है तो चूहा जिंदा था ठीक है आर स्ट्रेन डाला तो भी चूहा जिंदा था पर जैसे ही मैंने इन दोनों का मिक्सचर बना दिया तो चूहा मर गया यानी कि यहां पे इस एस स्ट्रेन से जो जेनेटिक मटेरियल है वो जरूर आर स्ट्रेन में चला गया होगा इसीलिए ये गड़बड़ हुई है इसीलिए ये विरुलेंसी हुई है क्लियर है अब यहां पे हमारे पास तीन महाशय आते हैं जिसका नाम है ओस वर्ल्ड एवरी एंड इन मैक्टी जो कि इसका बायोकेमिकल नेचर बताते हैं हालांकि बताने में फेल होता है इसी को हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब क्या है कि भाई ट्रांसफर हो गया एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में हमारा जो जेनेटिक मटीरियल था वो ट्रांसफर हो गया है ना इसी को हमने कहा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बट क्यू हो गया कौन हुआ डी हुआ कि आर हुआ ये अभी भी हम बता नहीं कर पाए हैं तो इसीलिए आपके तीर महाशय आते हैं ये पता क्या करते हैं इनको तब तक, तक पता चल जाते हैं आरएनएज डीएनएज के बारे में तो वो बिल्कुल डिक्टो सेम चीज करते हैं वो ऐसे स्ट्रेन को डालते हैं जो कि कैसी है हीट किल है जो कि कैसी है हीट किल है साथ में साथ में आपका आर स्ट्रेन डालते हैं ठीक है आर स्ट्रेन डालते हैं चूहे में डालेंगे बट यहां पे एक्स्ट्रा चीज भी डालते हैं क्या डालते हैं जब वो इसके साथ जब वो इसके साथ डीएनएज डालते हैं डीएनएज डालते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो चूहा है, है वो चूहा जिंदा होता है बट अगर यहां पे इसके साथ अगर वो आर डालता है या प्रोटीज डालता है क्योंकि आर एन आर एन खा जाएगा प्रोटीन प्रोटीन खा जाएगा तो वहां पे जो चूहा है वो डाई हो जाता है यानी कि चूहा मरने की प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही रोक सकता है क्योंकि हमने डीएनए को डाइजेस्ट करा दिया अब डीएनए नहीं था तो चूहा जिंदा था यानी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो हो रहा है वो डीएनए की वजह से हो रही है तो जेनेटिक मटेरियल क्या है डीएनए है ये किसने बताया ये इन तीन महाशय ने हमारा बताया ठीक है चलो यहां से वैसे सवाल आता नहीं है है ना यहां से सवाल आता है यहां से सवाल आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई यहां से बहुत ज्यादा तगड़ा सवाल आता है उसके बाद जो जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए है इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया जाता है अल्फर्ड हर्शन मार्था चेज ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आता है रिपीटेड क्वेश्चन है रिपीट होता तो याद कर लेना से कि अल्फर्ड हर्शन मार्था चीज का एक्सपेरिमेंट आता है ये अपना वर्क करते हैं बैक्टीरियो फाज पे और बैक्टीरिया पे और बताते हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है हालांकि ट्राई तो नहीं कर दिया बट कन्फर्मेशन ये देंगे यहां पे, यहां पे बैक्टीरियो फाज क्या होता है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करे वायरस वो वाला होता है ठीक है तो यहाँ पे वो क्या करते हैं ये बहुत सिंपल सी चीज करेंगे ये दो आइसोटोप यूज करेंगे हमको ये पता है कि बैक्टीरियो फाज कैसा होता है बैक्टीरियो फाज दो चीजों से मिलकर बना है एक बाहर का कवर एक अंदर का डीएनए है ना इन्हीं चीजों से मिलके बना होगा कि ये वाला जो पोर्शन है ये प्रोटीन का बना है है ना जिसको हमने कैप्सिड बोला ये क्या है जेनेटिक मटेरियल ये क्या है जेनेटिक मटेरियल तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर जिसने जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है फोस्फोरस तो फोसफोरस को लेबल करा तो इसने यहाँ पे क्या किया भाई 32 फोस्फोरस से रेडियो एक्टिव लेबल किया प्रोटीन के अंदर हमारे पास प्रोटीन आते हैं ठीक है प्रोटीन आते हैं प्रोटीन आपके अंदर अमीनो एसिड्स है तो हमारे पास सल्फर रिच अमीनो एसिड्स भी होते हैं तो प्रोटीन को वो सल्फर से लेबल कर देता है और सल्फर 35 सल्फर 35 से लेबल कर देता है और ये पेपर में पूछा जाता है याद रखना इस चीज को याद रखना इस चीज को ये पेपर में पूछा जाता है ठीक है अब ये क्या करता है अलग अलग उगाता है कि एक तो कॉलोनी ऐसी उगाता है डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनी सुनो मेरी बात डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनी एक का सिर्फ प्रोटीन रेडियो एक्टिव लेबल्ड है एक का सिर्फ डीएनए प्रोटीन एक्टिव डीएनए रेडियो एक्टिव लेबल्ड है तो दो कॉलोनी उगाता है जिसके अंदर एक जो है एक का सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन जो बाहर वाला रेड ना सिर्फ और सिर्फ और बाहर, वाला लेबल्ड है। बाहर वाला सल्फर से लेबल्ड है, है।, है? है, है।, है उसकी एक आदत है ट्रांसडक्शन की कि अपना जेनेटिक मटीरियल दूसरे बैक्टीरिया में भेज देने का तो वही काम यह करेगा अपना जेनेटिक मटीरियल अंदर भेज देगा इनफेक्शन हो जाएगा उसके बाद हम इस कवर को ये बैक्टीरियो का जो कैप्सिड है उसको हम हटाते हैं रिमूव करते हैं दैट इज कॉल्ड ब्लैंडिंग ठीक है उसके बाद सेंट्रफ्यूज करेंगे अब देखो सेंट्रफ्यूगेशन जो हम करेंगे तो हमने पाया कि हमारा जो सुपरनेटेंट है जो ऊपर चीज है जो हल्की चीज है हल्के में हमको मिलता है क्या हल्के में हमको मिलता है भैया ये ये कैप्सिड आपका तो इधर आप देखोगे कि इस वाली कॉलोनी का रेडियो एक्टिव जो पैंतीस वाला था वो ऐसे के ऐसे अभी भी कैप्सिड में है वो अभी बैक्टीरिया में नहीं गया बट इधर अगर देखोगे तो इधर जो डीएनए हमने लेबल किया था वो बैक्टीरिया में जा चुका था तो यानी पे जो बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी मिली वो फोस्फोरस की मिली यानी कि डीएनए ही है जो कि ट्रांसफर होता है ठीक है यहां से एक सवाल आता है अच्छा ये याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और हर साल पेपर में पूछा भी जाता है हर साल पेपर में पूछा भी जाता है ठीक है अच्छा ये सवाल आई थिंक इसका कोई ना कोई पी वाई की डोज मैंने लगाया होगा नहीं लगाया लगा क्या कोई बात नहीं ये सवाल हर साल आता है याद रखना है पेपर में ठीक है हर साल तो मैं नहीं कहूँगी बट हाँ इसके चांसेस ज़्यादा आने के ठीक है याद करना है इस चीज़ को बहुत पूछा जाता है ये पेपर में बहुत पूछा जाता है ठीक है और सेंट्रिफिकेशन जो हम जब भी करते हैं ना वो हम सीजियम में करते हैं एक सवाल ही अच्छा है है ना कि जब भी हम डीएनए की सेंट्रीफ़्यूगेशन करेंगे कभी भी डीएनए की सेंट्रीफ़्यूगेशन करेंगे तो उसको हम हमेशा ही सीजियम क्लोराइड में करते हैं उसको हम हमेशा ही सीजियम क्लोराइड में करते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वाई ऐसा क्यों? ऐसा क्या है जो हम इसी को क्यों यूज करते हैं इंपॉर्टेंट सवाल है ये इंपॉर्टेंट ऐसा क्या है क्यों किसी को पता है क्यों चलो कौन है जो बता सकता है कि हां जी इसलिए हम करते हैं इसको यूज एनी वन कोई भी एक बच्चा बता सकता है कि क्यों यूज करते हैं हम इसको कोई भी एक बच्चा बता सकता है कि हम क्यों यूज करते हैं जल्दी बताओ क्यों यहां मैथ्स वाले लोग हैं कोई बात नहीं क्यों करते हैं देखो बहुत सिंपल सा फंडा है बहुत सिंपल सा फंडा है ठीक है इसका पीडीएफ मिल जाएगा हाँ टेलीग्राम पे मिल जाएगा बेटा बायोलॉजी बाय सोनिया चल करके ढूंढ लेना मिल जाएगा या फिर कम्युनिटी पे मिल जाएगा दोनों जगह मिल जाएगा ठीक है डेंसिटी एग्जैक्टली देखो ऐसा है सीजियम क्लोराइड की और डीएनए की जो डेंसिटी है वो सेम है इक्विवेलेंट वर्ड हम यूज करते हैं कि इक्विवेलेंट है, है ना इक्विवेलेंट है। अगर तुम बात करोगे तो आरएनए तो इससे हल्का होता है आरएनए तो इससे लाइट होता है ठीक है प्रोटीन इससे हैवी होता है तो अगर आपको तीनों चीज अगर आपके पास है भी तो डीएनए हमेशा मिडल में मिल जाता है आपको

जब हम सैंटीफ्यू करें तो सेपरेशन का एक बेसिस मिल जाता है है ना इसका क्या मिल जाता है हमको एक बेसिस मिल जाता है जिसके अंदर जनरली हमको टॉप पे टॉप पे आरएनए मिलता है मिडल में क्योंकि इसकी सेम डेंसिटी है तो इसलिए मिडल में डीएनए मिल जाता है और बिल्कुल बॉटम में प्रोटीन मिल जाता है और ये बीच में जो हमेशा चीज बीच में मिलती है वो इसलिए मिलती है क्योंकि डेंसिटी सेम होती है, है ना है ना तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर यूनिट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ अच्छा ठीक है बढ़िया चलो आगे चलो आगे हमारे पास क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है क्या-क्या ये -क्या प्रॉपर्टीज चलो तुम बताओ क्या-क्या प्रॉपर्टीज होंगे देखो जितने भी बच्चे बात कर रहे हैं ना तुम मुझे मजबूर मत करो मैं मंत्र बोल दूं तुम मुझे मंत्र बोलने के लिए मजबूर मत करो भाई फिर मैं मंत्र बोलूंगी ऐसा और फिर तुम सब लाइन से पढ़ोगे ठीक है तो मुझे प्रॉपर्टीज बताओ कि जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से क्या क्या होनी चाहिए जल्दी बताओ स्टेबल केमिकल्स यस एग्जैक्टली मिस प्रिया वेरी गुड बढ़िया सबसे पहले तो रेप्लीकेट कर सके रेप्लीकेट सब सक, कर सके केमिकली और स्ट्रक्चरली कैसी हो स्टेबल हो चेंजेस ना हो म्यूटेशन बिल्कुल स्लो हो ताकि इवोल्यूशन का बेसिस बनता रहे है ना यस yes, इसकी रेप्लिका बनाए मंत्र बताओ रहन दे बेटा रहन दे मंत्र ऐसे नहीं बताते हैं चलो अपनी कॉपी बना ले स्टेबल हो केमिकली और स्ट्रक्चरली और स्लो म्यूटेट भी कर ले ताकि इवोल्यूशन हो पाए और अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इनहेरिट भी करे और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने आप को मैंडेलियन करेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस भी कर दे ठीक है ये तो टफ टफ नहीं है बेटा देखो बात और ना

प्योरिटी का लो है जो है ना वो चीज होनी चाहिए वहां पे मिक्सचर नहीं होना चाहिए तो मैंडेलियन में भी एक्सप्रेस करें अपने आप को मैंडलियन फीचर भी हो है ना क्लास कब खत्म हो गए बेटा देखो ऐसा है चार घंटे होने को है और हमने प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अच्छे से करा है उधर से कोई सवाल आएगा मिस नहीं होगा ये मेरी गारंटी है यहां से भी नहीं होगा थोड़ा सा समय दो हो जाएगा लगभग होने को है ब्रेक दूंगी ये चैप्टर खत्म होगा ना पंद्रह मिनट का ब्रेक दूंगी और दोबारा से इवोल्यूशन एक घंटे के चालीस मिनट में खत्म कराऊंगी उसको मैं RNA को देखो RNA हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है एक सिंगल स्टैंड ऐसा बस खाली है ना उसके बाद आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह है और कई बार बायो, बायो, बायो कैटलिस्ट के जैसे भी काम करता है ठीक है इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस भी है इसेंशियल लाइफ प्रोसेसिस करता है ट्रांसलेशन स्प्लाइसिंग ये सब भी और डीएनए आर एन ए से ही बना है अब कई बार कंपैरिजन आ जाता है कई बार कंपैरिजन आ जाता है कि क्यों डीएनए ज़्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल है क्यों डीएनए ज़्यादा अच्छा जेनेटिक एज कंपेयर टू आर एन ए तो ये बड़ा अच्छा सवाल है भाई चलो कौन बताएगा इसको कौन बताएगा इसको पार्थ देखो अगर आप फ्री आप अगर मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं ना तो ये बेस्ट है, है ना अगर आप मेहनत करोगे आप रुके रहोगे तो मेरे को क्या मिलता है एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है है ना अगर एक बच्चा भी मेरे साथ है ना तो मेरे लिए वो काफी है और तुम तो हो बहुत सारे है ना चलो जल्दी बताओ क्यों रीजन बताओ रीजन बताओ पहली बात तो कि ये जेनेटिक जन, मटेरियल में अगर तुम बात करोगे तो डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है आर एन ए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड है ये केमिकली मोर स्टेबल है एंड स्ट्रक्चरली भी ये आपका लेस स्टेबल है इसके ऊपर सेकेंड कार्बन के ऊपर ओनली हाइड्रोजन है इधर इसके राइबो शुगर के अंदर सेकेंड कार्बन के ऊपर ओ OH एच है प्लस इसके अंदर थाइमीन है थाइमीन ज़्यादा स्टेबल होता है ठीक है और यहाँ पे यूरसिल है है ना यहाँ पे यूरसिल है पेपर में आता है पेपर में आता है फिर तुम क्या क्या हो गए अरे ये तो हमने कराया नहीं था अरे तुम तो हम तो भूल ही गए भाई पेपर में आता चार पॉइंट है एक दो तीन और चार गिन के चार पॉइंट और दो नंबर में पूछेगा चारों लिख देना सामने वाला फिदा हो जाना है ठीक है चलो आगे रेप्लीकेशन रेप्लीकेशन कॉपी है ना कॉपी हमारी एक डीएनए की कॉपी से दूसरी रेप्लीकेशन की अगर तुम बात करोगे तो ये भी वॉटसन एंड क्रिक ने ही आपका प्रपोज किया था उन्होंने ये भी कहा था कि ये हमारा सेमी कंजर्वेटिव होता है कैसा होता है सेमी कंजर्वेटिव यानी कि एक डीएनए के टैंपलेट से एक डीएनए के स्ट्रांड से दो डीएनए के स्ट्रैंड जब बनते हैं तो फिफ्टी परसेंट अपना पैरेंटल डीएनए रखते हैं तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर के बारे में भी यहां पे बात की गई थी एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ प्रूफ आता है यहां पे देने वाले कौन आते हैं मैथ्यू एक्सपेरिमेंटलिन एंड स्टेला मैथ्यू मैस्लिन एंड स्टेला यहाँ पे हमारे पास आते हैं जो कि इसका क्या करते हैं भाई प्रूफ देते हैं वो क्या करते हैं वो हमारी ई e. कोलाई को ई e. कोलाई को मीडियम एक मीडियम हमारा नाइट्रोजन फिफ्टीन अच्छा हाँ ये यह यहां बता देती हूँ तुमको मैं अब तुमको सीधी सी बात पता है कि हमारे पास ई e. कोलाई है हमारे पास ई e. कोलाई है ई e. कोलाई 20 मिनट्स में रेप्लिकेट कर लेती है है ना 20 मिनट्स में क्या कर लेती है अपनी डीएनए को रेप्लिकेट कर लेती है तो हमने क्या किया उसके डीएनए को लेबल कर दिया नाइट्रोजन 15 से किससे लेबल कर दिया नाइट्रोजन 15 से तो डीएनए के स्ट्रैंड बने नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन 15 ठीक है अब यहां है नाइट्रोजन कहा जाएगा नाइट्रोजनस बेसिस में जाएगा अब इधर से मैंने इसका मीडियम ट्रांसफर कर दिया मैंने इसका मीडियम ट्रांसफर कर दिया भैया क्या इसका मीडियम ट्रांसफर करा मैंने नाइट्रोजन 14 के अंदर नाइट्रोजन 14 का मीडियम दे दिया तो जब ये सेप्रे, सेपरेट सेपरेट हुए तो एक तो हमारा N15 N15 एन फिफ्टीन था दूसरा भी एन फिफ्टीन था बट जो नई टेम्पलेट आई नई टेम्पलेट एन की आती है नई टेम्पलेट एन 14 की आती है अब आप कहोगे मैम हमको कैसे पता चला भाई आइसोटोप है देखो ये 15 वाला आइसोटोप है 15 वाला आइसोटोप हैवी होता है तो जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं ना तो थोड़ा बॉटम बॉटम में मिलता है ये हमको ठीक है अब ये देखो आधा वही बात गर्म पानी हल्का पानी कोसा पानी तो तो नीचे जाने की कोशिश करेगा ऊपर आने की कोशिश करेगा तो ये हो होंगे उसके बाद ये एन फोर्टीन में ही रखता है इसको एन फोर्टीन से निकालता नहीं है एन फोर्टीन में ही रखता है ठीक है तो यहां पे सेपरेट हो जाएंगे ऑब्बियसली बात है ये दो तो ऐसे कैसे होंगे एन फिफ्टीन एन फिफ्टीन ये दोनों भी सेपरेट होंगे एन फोर्टीन और एन फोर्टीन तो यहां पे जो नया स्ट्रैंड आएगा वो एन फोर्टीन एन फोरटीन वाला ही आएगा यानी कि अब की बार भी हमारे पास कुछ टॉप में थोड़ा मिडल में और कुछ बॉटम में हमको मिलेगा ठीक है सीधी सी बात अगर तुम यहां पे देखो कि हमने एन फिफ्टीन एन फिफ्टीन से लेबल किया एन फिफ्टीन एन फिफ्टीन से लेबल किया तो हमने जब सेंट्री यूज किया ग्रेविटेशनल फोर्स से तो हमारा ये हैवी वाला बॉटम में मिला हमको क्योंकि एन फिफ्टीन हैवी होता है तो बॉटम में मिला हमको 20 मिनट के लिए हमने मीडियम चेंज किया हमने N14 मीडियम कर दिया तो यहां पे जब रेप्लीकेशन डीएनए बनता है तो नए नाइट्रोजनस बेसिस आए होंगे नया डी आया होगा न्यूक्लियोटाइड आया होगा तो उसके अंदर रेडियो एक्टिव लेबल डाया होगा तो 14 वाला लेबल आया तो n15 इन n14 ये एक हाइब्रिड कंडीशन यहां पे बन जाती है और हाइब्रिड कंडीशन को जब हमने सेंट्रीफ्यूज किया तो ये कहीं बीच में सैंड बीच में लाई कर रहा है मिडल में ना तो बॉटम में ना टॉप तो पे मिडल में लाई कर रहा है हमने इसको फर्दर और फिर से 20 मिनट के लिए ऐसे ही रेप्लिकेट करने दिया तो हमने पाया कि कुछ तो प्योर निकल गए अभी भी हमारे पास दो तो अभी भी हाइब्रिड हैं और दो हमारे पास प्योर बन के आए हैं तो इसके अंदर हमारे पास दो आपके बैंड आते हैं एक तो मिडल में बैंड आता है टॉप वो मिडल में है, थोड़ा सा है तो इधर से हमको पता चलता है, कि कैसे हमारा होता है, कैसे हमारा होता है। अब याद रखना ये पेपर में आता है ठीक है ये पेपर में आता है इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है ये ठीक है ये। क्लियर है आगे चलो आगे हमारे पास इसकी मशीनरी एंड देखो हमारे पास भी डीएनए कैसा है हमारे पास डीएनए पूरा अच्छे से फिक्स्ड है।, है ना हमारे पास डीएनए डबल है इस तरीके से है ना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है हमारे पास डबल स्ट्रांडेड डीएनए की अगर आप बात करो तो इस डीएनए की आपको कॉपी बनानी है, है ना तो आपको नहीं लगता कि आप इसको ऐसे ही एकदम से नहीं कर पाओगे ऐसे पूरा एकदम से डीएनए ओपन करा फिर एकदम से दो दो कॉपी बना दी तो भाई हाई एनर्जी चाहिए इसके अंदर इतनी एनर्जी हमारे पास नहीं होता इसीलिए हम सेगमेंट्स में थोड़ा 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 काम करते हैं और यहां पे इस प्रोसेस में आपको बहुत सारे एंजाइम्स यूज करने पड़ते हैं बहुत सारे एंजाइम्स आपको यहाँ पे यूज करने पड़ते हैं सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है एंजाइम एनजाइम है ठीक है पॉलीप्राइमेज पॉलीमरेज और लाइगेज ये सारे आपके यूज होंगे यहां पे ठीक है <clears throat> आगे देखो अब देखो होता कैसे तुम इसको समझो एक बार ना आपको लग रहा होगा ऐसे ही कहीं पे भी शुरू हो जाता है ये कहीं पे भी शुरू नहीं होता है एक पर्टिकुलर लोकेशन होता है ओराई हमेशा याद रखना जब भी रेप्लीकेशन स्टार्ट होता है जब भी रेप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो वो हमेशा ही ओराई पे स्टार्ट होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन यू कैरियोट्स में ये बहुत सारी होती हैं अगर तुम यू कैरियोट की बात करोगे तो बहुत सारी ओराई हमारे पास होती हैं बट अगर प्रो कैरियोट की बात करोगे तो प्रो कैरियोट में हमारे पास सिर्फ ओनली सिंगल ही होती है एक ही हमारी ओराई होगी ठीक है अब देखो हमारे पास यहां पे चांस क्या है हमारे पास चांस ये है कि मान लो जी हमारे पास डबल स्ट्रांडेड ओराई है ठीक है ये डीएनए बना देती थोड़ा और छोटा बनाना पड़ेगा ये हमारा क्या है डबल स्ट्रांडेड डीएनए है ना तो मान लो यहां पे हमारी ओराई है ये वाले जो लोकेशन है ये किसकी है ठीक है यह किसकी है ओराई की है ठीक? तो यहां से शुरू होगा इस ओराई के ऊपर सबसे पहले हेलीकेज एंजाइम आएगा टोप वाइस आएगा जो कि इसके पहले तो इसके हेलिकल ब्रेक कर देगा इसके हेलिक्स जो होंगे उस हेलिक्स को ब्रेक करेगा इसको सीधा भी तो करना पड़ेगा ना थोड़ा सा हिस्सा और साथ में टोपो आइसोमरीज जो इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे पूरा का पूरा कभी नहीं होता पूरा का पूरा करोगे बहुत सारी एनर्जी चाहिए हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं होती इसलिए हम थोड़ा किश्तों में काम करते हैं यहां पे ठीक है चलो चलो अब यहां पे क्या होगा यहां पे भाई ये ब्रेक शुरू हो जाएगा एकदम से ओपन होगा ब्रेक होगा ठीक है ठीक है इस तरीके से किसने तोड़ा ये ऐसे किसने ओपन कराया ऐसे हेलीकेस ने तोड़ा और टॉप वाइस ओमरीज ने थोड़ा अटेंडेंस दो तो सबसे पहले मैं दे दू आराध्या है सबसे पहले मैं दे दू देखो अब ये वाला जो काम है ये किसने करा हेलीकेज ने और टॉप वाइस ओमरीज ने ठीक है अब यहाँ पे आपको ध्यान है एक एंजाइम बताया जाता है आपको पॉलीमरेज एंजाइम कि पॉलीमरेज एंजाइम पूरा फॉर्म कर देगा बट बेटा पॉलीमरेज एंजाइम को खुद की बुद्धि नहीं होती उसको नहीं पता होता तो कहां से शुरू करना है तो इसके लिए यहाँ पे आपके पास एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं प्राइमेज एंजाइम ठीक है सबसे पहले क्या चीज आती है आपकी प्राइमेज एंजाइम आता है वो एंजाइम प्राइमर लगाता है तब जाके एक आपकी डायरेक्शन पॉलीमरेज को मिलती है अदरवाइज अगर प्राइमेज ना हो तो पॉलीमरेज कभी भी डायरेक्शन ही नहीं ढूंढ पाएगा कि मेरे को किधर काम करना है तो एक डायरेक्शन जो दिखाई जाती है ना पॉलीमरेज को वो प्राइमेज दिखाता है ठीक है तो यहां पर प्राइमेज एंजाइम आएगा और क्या कर देगा भाई यहां पे प्राइमर लेबल कर देगा यहाँ पे क्या लेबल कर देगा आप देखो वो प्राइमर कहां लेबल करता है हमेशा थर्ड एंड पे थर्ड एंड पे वो प्राइमर लेबल करता है तो यहां तो फिफ्थ एंड हो गया ठीक है इसका ये थर्ड एंड इधर हो गया तो प्राइमर लेबल जो करेगा वो यहां लेबल कर देगा कि यहां पे प्राइमर लगा दिया बाय प्राइमेज प्राइमेज ने क्या कर दिया प्राइमर लगा दिया है ना अब यहां पे पॉलीमरेज आएगा और पॉलीमरेज हमेशा फाइव टू थ्री में काम करेगा है ना तो फाइव टू थ्री कहां बनेगा इसका फाइव यहां बन गया इसका बन गया तो ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा इस तरीके से अब देखो जो ओपनिंग होती है ना वो डीएनए की ओपनिंग इधर से ही होगी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे इधर से भी खुलेगा इधर से भी खुलेगा नहीं ये ओपनिंग इधर से होगी दोबारा से है ना दोबारा से अच्छा मैं यहां पे इसको साफ कर देती हूं इसको यहां ले आती हूं है ना कि आपको जाएगा यहां पे मामला है। अब यह यहां से और ओपन अप होगा और ओपन अप होगा तो लेट करो ये और ओपन अप हो रहा है ये और खुल गया और ज्यादा खुल गया ऐसे खुल गया अब देखो ये अगर तुम देखो अगर तुम इसको देखो इस वाले को तो तो ये तो जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ ओपनिंग हो रही है तो ये तो बस जाए जा रहा है जाए जा रहा है जाए जा रहा है है ना पर ये वाला देखो इसकी फाइव टू थ्री तो यहां हुई ना तो इसको दोबारा से यहां पे प्राइमेज लगाना पड़ेगा दोबारा से प्राइमर लगाना पड़ेगा दोबारा से आपका पॉलीमरेज आएगा और दोबारा से इधर आपका आएगा तो आप देखोगे कि एक तरफ तो हम देखो डायरेक्शन फिक्स है डीएनए पॉलीमरेज फाइव टू थ्री ही काम करता है और कहीं काम नहीं करता ये फिक्स डायरेक्शन है उसकी बट 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 एक तो जिस तरफ खुल रहा है ना उसके अंदर जा रहा है कॉन्टिन्यू और एक जिस तरफ खुल रहा है ना उसके अपोजिट जाना पड़ रहा है तो जो अपोजिट जाता है ना तो जैसे ही आगे वाला खुलता है वो पूरा करते है देखता पीछे से फिर खुल गया फिर पूरा करते हैं फिर खुल गया तो उसको बार बार प्राइमेज लगाना प्राइमेज एंजाइम आएगा बार बार प्राइमर लगाएगा फिर पॉलीमरेज स्टार्ट करेगा तो आप देखोगे फ्रेगमेंट बन जाएगा एक तो ओका जाकी बन जाएगा एक आपका कॉन्टिन्यू बन जाएगा बिल्कुल सही मिस एक लीडिंग बन जाएगा एक आपका लैडिंग, लैडिंग, लैगिंग बन जाएगा ठीक है ये चीज आपको हमेशा ही याद रखनी है ये चीज आपको हमेशा ही याद रखनी है कुछ इस तरीके का आपका डायग्राम बन जाएगा कि ये फोक एक कॉन्टिन्यूस जो अंदर की तरफ जा हैं है तो फाइव टू थ्री ये भी अगर आप देखो है तो ये भी कैसा है तो ये भी फाइव टू थ्री ही बट ये जो फाइव टू थ्री जा रहा है ये जो फाइव टू थ्री जा रहा है ये थोड़ा सा क्वाइट डिफरेंट है क्वाइट डिफरेंट है कैसे डिफरेंट है भाई डिफरेंट इस तरीके से है कि ये फाइव टू थ्री अंदर की तरफ जा रहा है अंदर ही ओपनिंग हो रही है अंदर जा रहा है इसको बार बार ये खुल रहा है इधर से इधर गया फिर खुल गया इधर से गया, इधर आया फिर खुल गया इधर गया, खुल गया, और खुलेगा दोबारा ऐसे आना पड़ेगा तो आपकी एक डिस्कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बनता है एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बनता है ठीक है एक कॉन्टिन्यूस तो एक डिस्कॉन्टिन्यूअस बनता है कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड को आप बोलते हो क्या इसको आप बोलते हो लैगिंग डिसकॉन्टिन्यूअस को बोलोगे लैगिंग कॉन्टिन्यूस वालों को बोलोगे लीडिंग और यहां पे आप देखोगे बन रही है ये, आपको यहां पे नजर आ रही होंगी कि फ्रेगमेंट को लाइगेज एंजाइम आके चिपका देता है ओका जाके को क्या कर देता है लाइगेज एंजाइम आके चिपका देता है क्लियर है क्लियर है ये चीज क्या ये चीज क्लियर है यहां से सवाल आता देखो मैंने आपको पहले भी बोला था ये आपका होमवर्क ले लो स्क्रीनशॉट कर लेना इसका ठीक है यहाँ पे मैं आपको इसको दे भी दूंगी आपको सोल्व करने के लिए है कि मैसलिन और स्टाला ने एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था डीएनए एन के लिए तो आपको ये एक्सपेरिमेंट बताना है कि यहाँ पे कौन से दो नाइट्रोजन आपके यूज किए गए थे एक्सपेरिमेंट में और क्यों और ई कोलाई को कितना टाइम इंटरवल लगता है

हरियाणवी अटेंडेंस दो बस भाई लग गई अटेंडेंस अभी तक चली रही है चली रही है अभी तक भाई तुम्हारी मैडम पढ़ा रही है सामने तुमको इससे बड़ी अटेंडेंस कोई चाहिए क्या हाँ लगभग कंप्लीट हो गया है बस थोड़ा सा और थर्टी मिनट और दो मुझे तुम ट्रांसक्रिप्शन की बात करोगे तो ट्रांसक्रिप्शन बड़ा सिंपल है डीएनए से आरएनए बनाना है अगर हमको डीएनए से क्या बनाना हो आरएनए अगर हमको क्या बनाना हो डीएनए से आरएनए बनाना हो तो हम क्या करते हैं डीएनए से आरएनए बनाना हो तो ट्रांसक्रिप्शन करते हैं ठीक है बस याद रखना कि डीएनए आपका डबल स्ट्रांडेड होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रांडेड होता है यहां पे आपके पास थाइमिन होगा और यहां पे आपके पास यूरसिल होगा यहां पे आपके पास क्या होगा यूरेसिल होगा ठीक है यहां पे क्या हो गया यूरोसल होगा अब अगर आप बात करो कभी भी मैंने कहा ना डबल स्ट्रैंडेड है तो आपके कभी भी दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं डीएनए के उससे आरएनए नहीं बनता सिर्फ एक स्ट्रैंड से ही आरएनए बनता है उसके पीछे रीजन है कि जो आपका कोड प्रोटीन हो जाएगा वो डिफरेंट हो जाएगा है ना दो अलग अलग तरीके के प्रोटीन बन जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी और कई बार दो अलग अलग तरीके के आर बनेंगे आपस में कंबाइन कर जाएंगे इनएक्टिव हो जाएगा तो ये मैं आपको बताऊंगी भी दोबारा से रिपीट करूंगी मैं इसको बट सबसे पहले समझो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमारे पास

ठीक है अगर अगर बात करो यहाँ पे तो आपका आर एन ए पॉलीमरेज भी हमेशा ही आर एन ए पॉलीमरेज भी हमेशा ही फाइव टू थ्री ही कैटेलाइज करेगा आपका कोई भी पॉलीमरेज हो कोई भी पॉलीमरेज हो याद रखना चाहे डी एन ए वाला हो चाहे आर एन ए वाला हो हमेशा ही फाइव टू थ्री ही पॉलीमराइज करता है फाइव टू थ्री ही जाता है ठीक है कैसे जाता है फाइव टू थ्री ही जाता है इधर अगर आप देखोगे तो आपके पास आप देखोगे कि इधर प्रोमोटर है वी आर हैविंग प्रोमोटर

सामने वाले में अपोजिट वाले में इसको हम क्या कहेंगे नॉन टेंपलेट नहीं इसको हम नॉन टेंपलेट कभी भी नहीं कहते इसको हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड बट ये कुछ भी कोड नहीं करता है कमाल की बात क्या है कोडिंग स्ट्रैंड नाम है बट डू नॉट कोड डू नॉट कोड कोड कुछ भी नहीं करता है ये आपका ठीक है अब ट्रांसक्रिप्शन के जीन की अगर तुम बात करो तो जीन एक पोर्शन जिसका हमको क्या बनाना है आरएनए बनवाना है तो इसको कई बार हम सिस्ट्रोन के नाम से भी जान देते हैं कई बार हम सिस्ट्रोन भी बोल देते हैं तो सिस्ट्रोन और ये एक ही लगभग 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 एक ही चीज़ है सिस्ट्रोन और ये कब लगभग एक ही चीज़ है डीएनए का जो कोडिंग वाला सी रीजन है उसी को हम सिस्ट्रोन बोल देते हैं अब जैसे कि ये सिस्ट्रोन यू कैरियो में अलग तरीके से मिलता है प्रो कैरियो में अलग तरीके से मिलता है अगर आप मोनोसिस्ट्रोनिक की बात करेंगे तो हमारे पास स्प्लिट जीन्स होते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक जीन्स भी होते हैं जो यूकैरियोट्स में मिलते हैं ठीक है जो कि एक आपके पास एक आपके पास कोडिंग सीक्वेंस होता है उससे आप एक ही प्रोटीन बना सकते हैं यानी एक जीन से एक ही प्रोटीन बनाओगे ठीक है और कॉन्टिन्यू भी टुकड़ों में, में आपको मिलेगा, में मिलेगा वो आपका होता है मोनोसिस्ट्रोन और जब एक ही सिस्ट्रोन से एक ही जीन से जब आप मेनी प्रोटीन बनाते हो उसको आप कह देते हो पॉलीसिस्ट्रोन उसको क्या कह देते हैं पॉलीसिस्ट्रोन यहाँ पे कोई स्प्लिट जीन नहीं मिलते कॉन्टिन्यू फैशन में आपका आर एन ए बनता जाता है ठीक है अब इसके स्टार्टिंग कैसे करेंगे तो इसके स्टेप की स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से, जब आपका आर एन ए पॉलिमरिज बाइंड करता है तो सबसे पहले आपके पास जो प्रमोटर होता है इस प्रमोटर के पास सिग्मा फैक्टर होता है जो आपको यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसके पास सबसे पहले क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है याद रखना पेपर में पूछा जाता है भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखना फिर कहीं बोलो मैम ने आपने बताया नहीं अर्पिता यहां पे कहा न्यूमेरिकल आएंगे तुम्हारे क्या तुमको मैं मैथ की क्लास करा रही हूं क्या चलो अब देखो इनिशिएशन की जब आप बात करोगे तो इनिशिएशन में क्या होगा इनिशिएशन में जो आपका प्रोमोटर रीजन है उस प्रोमोटर रीजन के अंदर एक चीज आती है दैट इज कॉल्ड सिग्मा फैक्टर उस सिग्मा फैक्टर के ऊपर आर एन ए बाइंड कर लेता है तो आपके पास एक, एक बार लेबल करने के लिए आता है कि अंदर सिग्मा फैक्टर है बाहर आर एन ए है अब ये क्या करता है दूसरे स्टेप में घुसता है ये इलोंगेशन करना शुरू करता है मतलब यहां पे, तो पे जुड़ा था अब ये ये का RNA बनाएगा तो जैसे ही यह करना स्टार्ट करता है तो ये आपके तो ना पूछ पतंग के ऊपर पूछ होती है ऐसे बनती है ये पूछ होता है ना कुछ इस तरीके से आपका ये बनता है ठीक है यहां पे वो वाला मामला नहीं चलता मतलब जो होता है ना कि बाइंड नहीं करता ये रिमूव होता जाता है रिमूव होता जाता है रिमूव होता जाता है साथ साथ हैंड टू हैंड रिमूव होता जाएगा ऐसे जैसे ही ये टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचेगा तो टर्मिनेटर रीजन पे आपको मिलेगा रो फैक्टर अब आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर पे जैसे ही चिपकेगा तो ये तुरंत आपका आरएनए और ये गिर जाने वाले हैं नीचे और आपकी क्या हो जाएगी टर्मिनेशन क्या हो जाएगी टर्मिनेशन ठीक है हाँ क्लियर है ये क्लियर है ये इसको चाहो हाँ जाओ भाई मनोज कुमार जाओ हां जी चलो आगे चले आगे हमारे पास क्या है देखो ये पीवाई क्यू में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये एक्स क्या है ये रीजन है एक्स ये एक्स कौन सा रीजन है है ना ये y क्या है अंदर और ये z क्या है तो आपको ध्यान रहे कि ये वाला बताओ आंसर खुद करो चलो ये वाला खुद करो ये वाला खुद करो चलो ये वाला खुद, करो ये वाला खुद से करो चलो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा आप देखो पता है ना हमारा जो X वाला रीजन है ये कौन सा प्रमोटर रीजन है है ना? ये Y हमारा क्या है? Y हमारा सिग्मा फैक्टर है है ना Y हमारा क्या है सिग्मा फैक्टर है और Z हमारा क्या है आर एन ए पॉलीमरेज है ना तो आर एन ए ये हमारा क्या हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा यहां पे क्या हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा हमारा ठीक है तो आंसर इज सी हाँ वाई सिग्मा फैक्टर है यस एग्जैक्टली जेड प्राइमर है अच्छा चलो आगे देखो अब यू कैरियो आर एन ए हमारे पास बनते हैं तो आर एन ए हमारे पास तीन तरीके के होते हैं जनरली आपको पता होगा कि आर एन ए हमारे पास तीन तरीके के होते हैं है ना तीन तरीके के आर एन ए होते हैं पहला आर एन ए होता है आर आर एन ए जो कि राइबोसोम बनाता है है ना राइबोसोम बनाते बनाता है और सबसे ज़्यादा अबंडेंट भी होता है और सबसे ज़्यादा अबंडेंट भी होता है उसके बाद एमआरएनए जो कि मैसेंजर आरएनए होता है मैसेंजर आरएनए जिसमें 2% ही बनता है ये आपके डीएनए का और ये पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है एंड फिर आपके पास टी आरएनए आता है ट्रांसपोर्टर आरएनए ट्रांसपोर्ट आरएनए जो होता है जो कि अमीनो एसिड्स को ब्रिंग करेगा और आपके एमआरएनए को रीड करेगा उस इंफॉर्मेशन को रीड करेगा है ना तो आपके पास अब मुद्दे की बात आती है क्या मैम आरएनए पॉलीमरेज तीनों तरीके के आपके आरएनए बना देगा तो आंसर विल बी नो तीनों तरीके के आर नहीं बनते हैं आर एन ए पॉलीमरेज वन जो है आर आर बनाता है पॉलीमरेज टू एम आर बनाएगा जो कि कभी एच एन आर की फॉर्म में होती है एच एन से हम एम में स्प्लाइसिंग से कन्वर्ट करेंगे जो कि पेपर में आ जाता है उसका डायग्राम आर एन ए पॉलीमरेज थ्री टी आर एन बनाएगा आपका ठीक है बनाएगा और बनाएगा। एस एन आर एन बनाएगा और क्या बनाएगा एस एन आर एन बनाएगा ठीक है आगे हमारे पास क्या आएगा टाइप ऑफ आर एन ए मैंने ऑलरेडी करा दी ये मुझे करने की इतना जरूरत नहीं है ये मैंने अभी भी बस छोटा मोटा करना था अब देखो हमारे पास एक चीज थी मैंने आपको कहा कि हमारे पास जो एम आर एन ए है ये एम आर एन ए पहले इसकी एक करसर फॉर्म होती है इसकी एक प्री फॉर्म होती है वो प्री फॉर्म कौन सी होती है वो हमारी एच एन आर एन ए की होती है है ना एच एन आर एन ए से और एम आर एन ए में लेके आना तो एक प्रोसेस होती है हमारे पास एच एन आर एन ए प्लस एम आर एन ए है ना ये यहाँ पे प्रोसेस आएगी जिसको हम कहेंगे स्प्लाइसिंग जिसको हम क्या कहेंगे स्प्लाइसिंग जिससे ये आपका एच एन आर एन एम आर एन ए में कन्वर्ट हो जाएगा अब इसमें ऐसा क्या है एच एन आर एन ए जो है इसके अंदर एच एन आर एन ए है इसके अंदर एक्जोन भी होते हैं और प्लस इंट्रोन भी होते हैं

आपका क्या बन जाता है फिर कंप्लीट प्योर इंफॉर्मेशनल आपका सेगमेंट बन जाता है जिसको हम कहते हैं क्या एम ठीक है क्लियर है ट्रांसपोर्ट आर भी होता है हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आप देखो यहाँ पे यही स्प्लिसिंग आपकी यहाँ पे की गई है अब स्प्लिसिंग जो आपकी होती है स्प्लिसिंग करने के तीन फेज होते हैं अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपका डीएनए 3 टू 5 था तो आरएनए 5 टू 3 बनता है हमेशा तो आपके पास स्प्लिसिंग में तीन चीजें होती हैं सबसे पहले कै, कैपिंग होती है कैपिंग होगी जो कि फिफ्थ एंड पे होगी फिफ्थ एंड पे कैपिंग की जाती है ठीक है आपके कुछ गु, गु, मिथाइल गुआनसिन ट्राइफोस्फेट ऐड किया जाता है उसके बाद दूसरे उसमें टेलिंग की जाती है टेलिंग के अंदर थर्ड एंड के ऊपर कुछ एडेनिलाइट रेजिड्यू ऐड किए जाते हैं एंड देन आपकी स्प्लाइसिंग की जाती है स्प्लाइसिंग के अंदर एस आएगा और एस एन इंट्रोन्स को रिमूव कर देगा ये क्या कर देगा इंट्रोन को रिमूव कर देता है ठीक है तो ये आपका लिखा भी हुआ है कि स्प्लाइसिंग के अंदर आपके सबसे पहले कैपिंग होगी है ना कैपिंग होगी जहां पे कुछ मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफोस्पेट के न्यूक्लियोटाइड फिफ्थ एंड पे एंड ऐड किए जाएंगे टेलिंग के अंदर थर्ड एंड के ऊपर एडीनलाइट रेजिड्यू के 200 से 300 बेस पेयर्स ऐड किए जाएंगे ठीक है अब देखो ये याद रखना मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी अब देखो यहाँ पे इसकी इमेज है कई बार यहाँ से भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि कौन सी क्या चीज है तो फिर आप घबरा जाते हो कि मैम क्या था हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया तो इसको ध्यान से करना कि हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कैपिंग का हमने यहाँ पे कैपिंग की फिफ्थ एंड पे ठीक है फिर हमने क्या की टेलिंग की फिर हमने क्या की भाई टेलिंग की पहले हमने कैपिंग कर दी है देन हमने उसकी क्या कर दी है कैपिंग हो गई यहाँ पे ठीक है कैपिंग हो गई देन उसकी क्या हो गई भाई टेलिंग भी हमने कर दी यहाँ टेलिंग कर दी पे पॉली दीलाइट रेजिड लगा दिया यहाँ पे आया तो वो क्या ले गया ये SNRN होता है हमेशा याद रखना ये क्या होते हैं होते हैं जो कि पॉलीमरेज थ्री से बनते हैं और ये इस इंट्रॉन्स को रिमूव कर ले गया तो आपके पास सर्फ और सर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा एम आर एन ए रहेगा सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा एम आर एन ए रहेगा दिस इज कोल्ड स्प्लाइसिंग आपके इंट्रॉन रिमूव हो गए फिफ्थ एंड पे कैपिंग थर्ड एंड पे टेलिंग एस एन आर एस आया बाइंड किया इंट्रोन पे और रिमूव करके ले गया दिस इज योर स्प्लाइसिंग अब आपके पास प्योर एम आर एन रह गया है प्योर एम आर एन आपका रह गया है क्लियर है क्लियर है <laughs> <laughs> पानी खत्म हो गया है भैया ऐसा है पानी खत्म हो गया है अर्पित ये मेरी बॉटल है और पानी खत्म हो गया है और मैं बीच में जा नहीं सकती लाने के लिए अगर मैं बीच में जाऊंगी तो फिर तुम लोग भग जाओगे सो आई जस्ट है ना मैं तो काढ़े वाला पानी ले गई थी अदरक उदरक डाल के चलो ये मुलेठी से काम चला लेते हैं ये दिशा, दिशा, कासो अच्छा आ रहा था सुबह से क्लास ले लेके बोरोगे हमारा ग्लास हो गया बोल बोल के वाह भाई वाह मौज कर दी भाई तुमने तो चलो आगे देखो आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है बढ़िया सा है ना बढ़िया सा क्वेश्चन आता है बहुत बढ़िया मिस प्रिय बहुत बढ़िया चलो प्रोटीन सिंथेसिस में इन सभी तीन आरएनए चाहिए बट मैंने तो भी कराई नहीं ना नहीं मैंने बताया है मैंने बताया है कौन क्या करता बताया मैंने आई रिमेंबर मैंने बताया है आपके पास तीन तरीके के तीन तरीके के क्या होते हैं तीन तरीके के आरएनए होते हैं टीआरएनए एमआरएनए आरआरएनए आपको रोल एक्सप्लेन करना है इनका कि जब आपकी प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो इनका क्या-क्या काम होता है टीआरएनए का क्या काम है एमआरएनए का क्या काम है आरआरएनए का क्या काम है ये पेपर में पूछा गया है अच्छा कौन कौन कंजूस है आप अर्पित हो अर्पित ठीक है अर्पिता हो ठीक है ओके अर्पिता ठीक है, है ओके सो सॉरी अर्पिता चलो मैम किसको कोई बात नहीं मंताश इग्नोर करो बेटा इग्नोर करो ऐसे किस किस को ब्लॉक करेंगे ना छोड़ो लिविट अच्छा किस किस ने अभी तक सेशन शेयर नहीं करा और लाइक नहीं करा शेयर तो मेरे को लग नहीं रहा तुम लोगों ने करा चलो शेयर नहीं करा कम से कम लाइक तो करो चलो आंसर करो इसका फटाफट से प्रणाम भाई साक्षी प्रणाम देखो सबको पता है ना कि हमारे पास टी आर एन ए है और टी आर एन ए हमारा क्या करता है ये एम आर एन ए को रीड करता है एम आर एन ए को रीड करता है एंड देन अमीनो एसिड को लेके आता है देन अमीनो एसिड को ब्रिंग करेगा लेके आएगा ट्रांसपोर्ट करेगा एम आर एन ए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करती है ये और जिससे प्रोटीन सिंथेसाइज़ होते जेनेटिक कोड प्रोवाइड करेगी आर आर एन ए एक राइबोसोम आर एन ए होता है ये राइबोसोम आर एन एस को बोलते हैं और ये क्या करता है ये अमीनो एसिड्स को ज्वाइन कर देता है ये अमीनो एसिड्स को ज्वाइन कर देता है अमीनो एसिड्स को क्या कर देगा ज्वाइन कर देगा है ना बिल्कुल और टैम्पलेट देगा ये बिल्कुल सही बात कि वही एज टैम्पलेट वर्क करेगा जब क्या होगा ट्रांसलेशन जब ट्रांसलेशन होगा तो एज अ टेम्पलेट वर्क कर करेगा बिल्कुल सही ये कब से चल रहा है आयशा साढ़े चार घंटा हो गया बेटा साढ़े चार घंटा कर दिया बढ़िया गुड अर्पिता को पता है गुलाबी दिल देना है मतलब मुझे ऐसा फील होता है कई बार समटाइम आई फील कि uh, सिर्फ पढ़ाना काफी नहीं है तुम लोगों के लिए ना मतलब इधर उधर की थोड़ी बात करूँ तो ज़्यादा बेहतर है सिर्फ मैं तो पढ़ाने में फोकस करती हूँ ना तुम लोग ऐसे इतने अन से हो जाते हो ना जैसे पता नहीं क्या ही हो रहा है है ना चलो बाड़िया आगे और क्वेश्चन है भाई हाउ मेनी टाइप ऑफ आर एन ए पॉलीमरेज आर देयर इन यू कैरियोटिक सेल मैं विच वन ऑफ देम ट्रांसक्राइब एच एन आर एन ठीक है फिर कह रहे हैं कि भैया राइट द चेंज दैट बिफोर इट द न्यूक्लियस एज लेंथ ऑफ इन एनी सेल इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ इस न्यूक्लियस एक्सप्लेन हाउ एनऑरमस डी एन एज पैक तो पैकिंग वाला ये तो हो रखा है हमने कर लिया ऑलरेडी कर लिया अब दो सवाल हमारे पास हैं दो सवाल हमारे पास हैं है। मैम कब तक चलेगा बेटा अभी तो देखो बहुत सारा बाकी है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लैक ओपर उन तीनों इंपॉर्टेंट है वो बाकी है ट्रांसलेशन बाकी है एंड इवोल्यूशन पूरा बाकी है बहुत बाकी है चलो तो आराम से कर लोगे आरएनए पॉलीमरेज कौन से होते हैं तीन तरीके के होते हैं आर एन वन जो आर आरएनए बनाएगा आरएनए पॉलीमरेज ए टू जो कि एच एन आर एन एम आर एन ए बनाएगा आर एन ए पॉलीमरिज थ्री जो कि टी आर एन ए बनाएगा एस एन आर एन ए बनाएगा एस S... और एस एन आर एन एस आर आर एन ए बनाएगा उसके बाद एच एन में क्या क्या चेंजेस आते हैं एस एन में चेंजेस आता है कैपिंग करेगा टेलिंग करेगा स्प्लाइसिंग करेगा फिर निकलेगा है ना फिर निकलेगा ऑल द बेस्ट बेटा अगर कल एग्जाम है तो आपका चलो आगे देखो आगे हमारे पास जेनेटिक कोड आते हैं देखो हमने एम आर बनाया है ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो एम आर है हमारा जो एम आर एन ए बना है तो ये पर्टिकुलरली किसी ना किसी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस, सीक्वेंस नाइट्रोजनस है? तो है, है जेनेटिक कोड होता, होता, होता है उसी को हम जेनेटिक कोड हम रेफर कर लेते हैं ठीक है अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं अब देखो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इस सीक्वेंस या आपका किस चीज का सीक्वेंस होता है नाइट्रोजनस बेसिस का किसका सीक्वेंस हमारा होता है नाइट्रोजिनस बेसिस का अगर इस नाइट्रोजिनस बेसिस में कोई भी चीज हो सकती है आपके पास देखो एडनिन है है ना आरएनए है ना एडनिन है यूरेसिल है यूरेसिल है है ना आपके पास साइटोसिन है आपके पास ग्वानिन है इनमें से अगर कोई भी इनमें से, से कोई भी एनी थ्री हो सकता है यहाँ पे तीन सेम टाइम रिपीट हो रहे हो या हो सकता है दो रिपीट हो रही हो सकता है एक रिपीट हो रहा हो है ना कोई भी तीन दो एक कोई भी रिपीट हो सकता है कोई दिक्कत की बात नहीं है तो वही अगर सीक्वेंस आपका बन रहा है तो उसी को हम क्या कह देते हैं ट्रिपलेट कह देते हैं इसके कुछ फीचर्स है इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यहां से सुनो देखो जेनेटिक कोड क्या है जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन सिंथेसिस को बनाने की टोटल हमारे पास ट्वेंटी अमीनो एसेड होते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जॉर्ज गैम्यू का नाम आता है जो कि बताते हैं कि ट्वेंटी अमीनो एसिड हमारे जो बनते हैं वो हमारे तीन कॉन्जिकेटिव ट्रिपलेट से बनते हैं ठीक है घर गोविंद खुराना आते हैं वो एक आपका मैथड डेवलप करते करते हैं, 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 ठीक ठीक है, 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 वो आपका एक RNA, uh, एक एक मॉलिक्यूल से केमिकल डेवलप हमारा हमारा क्या बन बन पाए, अमीनो जाए, उसके बाद मार्शल आता है, जो कि फ्री फ्री सेल्फ़ सिस्टम बनाते है, इनका नाम याद बिल्कुल, का से ना, है। ये, इनका तो बिल्कुल ही नहीं करना इनका नहीं करना ट्रिपलेट किसने बताया जॉर्ज गैम्यू ने हरगोविंद खुराना ने केमिकल मेथड डेवलप करा इन्होंने सेल्फ्री सिस्टम बनाया दैट्स इट इनको मत करना ठीक है अब यहां पे कुछ ना कुछ जेनेटिक कोड के साइलेंट फीचर्स होते हैं तो वो साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं बताओ जल्दी से बताओ जल्दी बताओ अरे भाई हेलो हेलो आपको मैं नजर आ रही हूं आवाज आ रही है कानों में कहा थैंक यू सो मच रिम रिम ओके okay. आप देख लीजिएगा जब फ्री हो कोई दिक्कत नहीं है दिख रही हूँ मैं आपको मतलब सुन रही हूं फीचर्स पूछा मैंने हेलो नीना यस yes, बहुत बढ़िया मिस्ट्रिया ट्रिपलेट है यूनिवर्सल है वैभवी भी बताइए ठीक हाँ। है बहुत बढ़िया बहुत ही खराब बहुत ही खराब तुमको सिर्फ कोई आदमी पढ़ाने पे ध्यान देता है ना तुम लोग कसम से ना उसका इतना नजायज फायदा उठाते हो इतना नजायज फायदा उठाते हुए उठा बता रही हूँ देखो कोड देखो आपके पास ट्रिपलेट होते हैं यूनिवर्सल होते हैं जैसे कि यूनिवर्सल की मैं बात करूं तो हमारे पास ये चार्ट गिवन होता है जैसे कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म में देख लो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में यू सी ए सराइन बना रहा है तो वो सराइन ही बनाएगा वो कुछ और नहीं बनाएगा चाहे तुम कुत्ते में बात कर लो बिल्ले में बात कर लो आदमी में बात कर लो बैक्टीरिया में बात कर लो यू 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 फिनाइल एल एन नाइन ही बनाएगा और कुछ नहीं बनाएगा ठीक है समझे ये होता है यूनिवर्सल आगे हमारे पास क्या है आगे हमारे पास है कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूस फैशन में रीड करते हैं हम उसको कॉमा पंचुएशन नहीं होता ऐसा नहीं कि दो छोड़ के चल देंगे नहीं कॉन्टिन्यू चलेंगे बिल्कुल ट्रिपलेट 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 ऐसे तीन का कॉम्बिनेशन तीन का कॉम्बिनेशन तीन का कॉम्बिनेशन ऐसे नॉन ओवरलैपिंग ऐसा नहीं है कि भाई हमने इस ये दोनों एक शेयर कर रहे हैं शेयरिंग नहीं होती ओवरलैप नहीं करता अपना इंडिविजुअल इंडिविजुअल चलता है ट्रिपलेट डीजनरेट कोडोन भी होते हैं देखो मैंने क्या कहा हमारे पास तो ट्वेंटी अमीनो एसिड है और अगर जब तुम ट्रिपलेट बनाओगे ना तो हमारे पास सिक्सटी वन ट्रिपलेट आते हैं जो कि कोडिंग वाले आते हैं सिक्सटी वन ट्रिपलेट्स आते हैं क्योंकि तीन तो नॉन सेंस आते हैं है ना तो सिक्सटी वन ऐसे कैसे हो सकता है कि सिक्सटी वन ट्रिपलेट ट्वेंटी अमीनो एसिड मतलब कि एक अमीनो एसिड बहुत सारे ट्रिपलेट रखता होगा वो फिक्स भी होंगे जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देखो एग्जाम्पल के लिए आप देखो कि यू यू और सी दोनों ही क्या बना रहे हैं फिनाइल एल नाइन बना रहा है ए यू सी जी सी यू सी यू सी ए ये सभी क्या बना रहे हैं ल्यूसीन, ल्यूसीन बना रहे आई देखो आइसोल्यूसिन देखो मिथ्योनाइन एक वाला है वेलाइन जी यू यू जी यू सी जी यू ए जी यू जी, यू जी, यू जी ये वेलाइन है आप देखोगे कि आपके पास एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए एक दो तीन चार पांच छह 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 अमीनो एसिड छह छह ट्रिपलेट है पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रिपलेट कुछ और भी बना देंगे बनाएंगे यही ये, ये फिक्स है

एक्सेप्शन क्या आता है दो आता है एक तो आपका मिथ्योनाइन आता है क्योंकि मिथ्योनाइन ओनली ए यू जी से कोड होता है एक आपका यहाँ पे ट्रिप्टोफेन होता है एक आपका यहाँ पे ट्रिप्टोफेन है ये यूजीजी। जी एक आपका क्या है यू जी 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 इसके अलावा आप देखेंगे इसके अलावा आप देखेंगे कि सभी के सभी रिपिटेड है सभी के सभी क्या है रिपीटेड पक्का मिल जाएंगे बेटा, ठीक है उसके बाद फाइव टू थ्री डायरेक्शन में जाएंगे अनएम्बिगुअस मतलब फिक्स है ऐसे नहीं है कुछ और बना देंगे है ना जी यू यू क्या बनाएगा वेलाइन ही बनेगा कोई इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं एम्बिगुअस होता जिसमें डाउट हो अनएम नो डाउट है ना स्पेसिफिक फिक्स है ठीक है एयूजी ड्यूअल फंक्शन करता है मिथ्योराइन भी कोड करता है और आपका स्टार्ट कोडोन भी है तीन कोडोन होते हैं यू ए ए ये हमारे तीन ऐसे कोडोन है जो कि नॉनसेंस कोडोन या फिर स्ट्रोप कोडोन को हम कहते हैं ठीक है कोई ना कोई नॉनसेंस या स्ट्रोप कोडोन इनको हम कह देते हैं सो so देट आपका क्या हो पाए सो so देट आपका ट्रांसलेशन रुक पाए रोकने वाले भी इंसान आपको चाहिए यहाँ पे ठीक है अब अगर ट्रांसलेशन की बात करो तो वी ऑल नो इज अ प्रोसेस जहां पे अच्छा अब देखो यहां से कुछ ऐसे हैं हाँ जी बिल्कुल स्कोर तो अच्छा मिलेगा अगर आप पढ़ोगे तो ना अब देखो यहां पे कुछ ऐसे आपके फीचर्स हैं जो आपको याद करना है, है ना कुछ ऐसे जेनेटिक फीचर्स हैं अच्छा देखो मुझे ट्रिक ज्यादा इसकी नहीं आती जेनेटिक कोड की ट्रिक मुझे ज्यादा नहीं आती बींग वेरी ऑनेस्ट मुझे एक दो की आती है जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है वेलाइन है ना प्रोलिन है ना ग्लाइसिन सेराइन ठीक है ये थोड़ा पूछे जाने वाले हैं जो अभी तक पूछे गए हैं आप लोगों के जो अभी तक पूछे गए हैं आप लोगों के ठीक है आप कैसे याद करोगे कि वेलाइन वाले कौन से हैं प्रोलिन वाले कौन से हैं ग्लाइसिन वाले कौन से हैं एंड आपके सेराइन वाले कौन से हैं हालांकि याद करने को तो सारे ही करने है ना याद करने को तो सारे ही करने हैं पर ये वाले थोड़े इंपॉर्टेंट ज्यादा है ये वाले थोड़े इंपॉर्टेंट ज्यादा है ठीक है अच्छा वेलाइन की ट्रिक अभी भी याद है <laughs> तो बता दो तुम सभी को हैंड रिटन नोट्स भाई मेरी इतनी गंदी राइटिंग है ना मेरे को खुद को समझ नहीं आती दो दिन बाद मैंने क्या लिखा है तुमको मैं क्या हैंड रिटन नोट्स दूंगी तो मैं पीडीएफ तुमको शेयर कर दूंगी ठीक है चलो अब देखो वेलाइन को तुम याद करोगे कैसे देखो वेलाइन को याद करो जैसे वेला आदमी हमारे घर में कहावत होती है जैसे हम घर वाले बोलते ना कि जो वेला आदमी फालतू आदमी जो कोई काम नहीं होता है वेला बोलते हैं उसको वेला आदमी जो होता है वो गोबर खाता है मतलब कि वो कुछ नहीं करता वो उल्टे काम करता है, है ना वेला आदमी गोबर खाता है तो आपको वही याद करना है वेला वेला आदमी Villa मतलब वेलाइन गोबर खाते हैं मतलब कि गोबर अब गोबर को तुम क्या कह सकते हो ये भी कह सकते हो डॉन्ट से छी अब ये इस गोबर को चाहे यूरेसिल के साथ खाए चाहे ये इसको साइटोसिन के साथ खाए चाहे एडमिन के साथ खाए चाहे ये ग्वानिन के साथ खाए ये क्या बनेगा वेलाइन ही बनेगा क्या बनेगा वेलाइन ही बनेगा ठीक है प्रीति कुमारी बेटा पढ़ ले चलो अब प्रोलिन का कैसे जैसे कई बार मिर्ची लग जाती है ना मिर्ची लग जाती है क्या करते हैं पानी पानी है ना ऐसे पानी पानी करते पानी ऐसे सी सी करते हैं ना सी सी पानी दो पानी दो पानी है ना तो पानी मांगना है मिर्ची लग गई पानी मांगना है पानी, पानी दो पानी दो मिर्ची लग रही है तो सी सी कर दो यहाँ पे सी 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 एडनिन के साथ यूरेसिल के साथ मुआनिन के साथ और साइटोसिन के साथ प्रोलिन ऐसे कर लो चलो हाँ दिवान कल हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इकोलॉजी बजायेंगे ठीक है चलो अब ग्लाइसिन को कैसे याद करोगे देखो जी से ग्लाइसिन जी जी ग्लाइसिन ग्लाइसिन तुमने ग्लिसरीन अपने घर में यूज किया गाढ़ा गाढ़ा होता है ग्लिसिन बहुत गाढ़ा होता है गाढ़ा ग्लिसरीन है ना ग्लिसरीन होता है गाढ़ा जी जी तो जहां पे भी जी जी निकल जाए ग्लिसरीन तो जहां जहां जी जी आ जाए वहां पे आपका क्या हो जाएगा ग्लाइसिन एडनिन हो यूरोसिल हो गिन हो साइटोसिन हो ड मैटोर तो क्या हो जाएगा वो ग्लाइसी क्लियर है पानी पी लेंगे मेरी बोतल खाली हो गई है तुम भाई बार बार पानी की याद मत दिलाओ मेरे को तुम पढ़ाने दो क्योंकि मेरी बोतल खाली हो गई है तो याद मत दिलाओ मुझे बार बार ठीक है चलो अब सेराइन का कैसा है सेराइन का देखो तुमको मुझे नहीं पता कैसे याद करोगे हमारे इधर हमारे इधर जैसे क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ तो हमारे इधर कुछ ऐसे चीज़ बोला जाता है कि मतलब यू सै एंड डी मतलब यू से एन डी मतलब ये ज़्यादा चौधरी बन रहा है ये ज़्यादा सयाना बन रहा है है ना तो हम कुछ वर्ड बोलते हैं कुछ शब्द आते हैं यू से एन डी ठीक है चलो अब यू से एंड आपको सराइन याद कराएगा आप हो गए मैम कैसे कैसे शब्द बोल रहे हैं कैसे कैसे शब्द बोल रहे हैं कैसे कैसे शब्द आप बोल रहे हैं हमें तो समझ नहीं आ रही है तो पढ़ा क्यों नहीं तुम लोगों ने तो हमारे पास यू सैंडी यू से यूसी कहा है यूसी कहा है? है? यूसी यू से एंडी अब देखो तुम इसको कैसे याद करने वाले हो अच्छा देखो बुरा मत मानना भाई ठीक है घड़ा एंडी पा कर देखो हमारे इधर ना मुझे नहीं पता तुम्हारे इधर किधर क्या मामला है हमारे इधर ऐसे ना थोड़ा चलता है ना सुनो हो जी ऐसे बोला जाता सुनो हो जी ए जी सुनो हो है ना ए जी सुनो हो शब्द को पकड़ो शब्द को पकड़ो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा को क्या कहती है कहती है ए जी सुनो के okay? एजी सुनो हो अब कोई कुछ कह गया होगा तो तुम्हारे पापा को रही करिए मम्मी ए जी सुनो हो यू से वो एंडी यू सै। यू से एंडी एंडी का मतलब बदतमीज वो चौधरी वो जो ज्यादा बढ़ के गहे थे मेरे सामने तुम हो गए मैम इसमें से कैसे याद करेंगे इसी में से याद करना है इसी में से याद करना है पहले तो से को पकड़ो तुम यू से को इस यू से को पकड़ो ये यू से कौन सा है यू कौन है यू यू से एडनिन यू से ग्वानिन यू से और यू से साइटोसन अरे जी वो बहुत एंडी है ए जी को पकड़ो वो भी एजी यू ए जी यू ए जी यू और सी बस ए जी याद रखो और यू से याद रखो उसके अलावा तुमको कुछ नहीं याद करना बेटा मैं बता देखो ऐसा है कि ज्यादा तो मुझे ट्रिक इसकी आती नहीं थोड़ी मोड़ी आती है बट पेपर में ही आएंगे कुछ और मिलेंगे नहीं तुम्हें एक आदि ही है ये बस अब इससे ज्यादा अच्छा मेरे पास नहीं है तरीका याद कराने का ठीक है ठीक है क्या क्या बे सुनेगा क्या ये क्या है ये क्या है मेरा नाम अरविंद है अच्छा मेरा नाम सोनिया चहल है और आपको मैं पढ़ा रही हूं पर आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं एक मछली पानी में गई छपैक केमिस्ट्री का पेपर पानी में गया छपैक फिजिक्स का पेपर पानी में गया छपैक और बायो का पेपर मैं जाने नहीं देना चाहती पर तुम भेज रहे हो छपैक बदतमीज चलो आगे आओ और याद कराने बहुत है और कराने बायोटेक का कराऊंगी बेटा परसों परसों कल रिप्रोडक्शन फिर परसों बायोटेक चलो आगे देखो जेनेटिक कोड हो गया क्लियर नाउ वी आर हैविंग चलो नाउ वी आर हैविंग आरएनए और अब हमको बनाना है प्रोटीन और ये प्रोसेस क्या होगी ये हमारी होगी ट्रांसलेशन ये हमारी क्या होगी ट्रांसलेशन ठीक है आपके 95 फाइव प्लस आएंगे बहुत बढ़िया चलो तो आरएनए से जब हम प्रोटीन बनाएंगे तो प्रोसेस को क्या कहेंगे ट्रांसलेशन अब तुमको इतना इजी लग रहा है क्या कि मतलब ये ऐसी हवा में सब कुछ हो जाएगा ना बिल्कुल भी नहीं देखो इसको करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए सबसे पहले जब भी ट्रांसलेशन करोगे ना तो वहां पे आपको चार्जिंग करनी पड़ती है कि बैटरी की नहीं टी आर एन की उसको हम अडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं टी आर एन की उसके बाद आपको पॉलीजोम फॉर्मेशन करनी पड़ती है पॉलीजोम फॉर्मेशन करनी पड़ती है ठीक है एंड देन उसके बाद आगे की <coughs> प्रोसेस आपकी होती है तो पहले तो तुम दो ये शब्द सुनो देखो टी आर एन ए जो होता है ना वो बिल्कुल मासूम सा आपका है बिल्कुल मासूम बालक किस्म का आर एन ए है वो शीला से प्रेरित है टी आर एन ए जो हमारा है वो शीला से प्रेरित है और वो कहता है मुझे और की जरूरत क्या मैं खुद से प्यार देता हूँ मतलब कि वो सिंगल स्टैंडर्ड है और खुद के साथ ही बॉन्ड कर लेता है।, है ना मतलब एक ऐसा टी आर एन ए है जो कि कुछ इस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है इस तरीके से ठीक है ये पांच एंड है ये तीसरा एंड है ये भैया फिफ्थ एंड है ये थर्ड एंड है ठीक है अब यहां पे याद रखो नीचे का जो स्पेस है दिस स्पेस यहां पे तीन ऐसे रह जाते हैं जो प्रेरित नहीं हो पाते खुद को प्यार नहीं कर पाते और यहां पे आपके कोई भी कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी तीन आपके ऐसे ब्लैंक रह जाते हैं जो किसी से भी बॉन्डेड नहीं होते आपके नाइट्रोजनस बेसिस ठीक इसको हम कहते हैं एंटीकोडोन रीजन ये हमारा क्या होता है एंटीकोडोन रीजन होता है इस एंटीकोडोन रीजन ये पहचान करता है एम आर एन ए पे रीडिंग करता है कैसे करेगा मैं आपको बताऊंगी अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी चार्जिंग अब देखो खाली टी है क्या करेगा इसके ऊपर अमीनो एसिड लगाना पड़ेगा ना तो वी आर हैविंग एंजाइम एंजाइम अमीनो एसाइल जो कि इस थर्ड एंड पे इस थर्ड एंड पे क्या बना देगा इसके ऊपर अमीनो एसिड लगा देगा क्या लग जाएगा आएगा भैया अमीनो एसिड लग जाएगा कौन से एंड पे थर्ड एंड पे लग जाएगा ठीक है तो अब ये क्या हो गया चार्ज हो गया इसके पास एनर्जी आ गई तो जब भी भी एक चार्ज टीआरएन में दूसरे चार्ज वाले के पास जाएगा तो इनके अमीनो एसिड में से जर्र जर्र एनर्जी जनरेट होगी और आपस में चिपक जाएंगे एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा राइबोसोम उसके ऊपर स्टैंप मार देगा फिक्स कर देगा ठीक है पहली चीज दूसरी चीज पॉलिजोम। पॉलिजोम क्या होता तो है देखो आपके पास एमआरएनए है बेटा आपके पास एमआरएनए है अब आपकी फॉर्मेशन कौन करेगा आरआरएनए कैसे आएगा आरआरएनए राइबोसोम करता है अच्छा ट्रांसलेशन ना राइबोसोम के अंदर होती है याद रखना ट्रांसलेशन कहाँ होती है राइबोसोम में तो आरआरएनए राइबोसोम बनाता है पहले एक छोटी यूनिट लगाएगा इसके ऊपर छोटी यूनिट फिर एक बड़ी यूनिट लगा देगा ऊपर तो यहाँ पे एम आर एन ए के ऊपर ये आर आर एन ए राइबोजोम के फॉर्म में आ जाता है तो इसको हम कहते हैं क्या इसको हम कहते हैं पोलिजोम यानी एम आर एन ए के ऊपर लगा हुआ राइबोजोम अब इस पोलिजोम जहां पे भी ये यह है यहां पे टी आर एन ए आएगा और रीड करना शुरू कर देगा ये कैसे रीड करेगा उससे पहले कुछ स्टेप जान लो क्योंकि ये समझ लो क्योंकि तो मैंने रफली रफली बोला है ठीक है चलो हाँ देव देवेश प्लीज रुक जा बेटा रुक जा आ गया देखो ट्रांसलेशन क्या होगा सबसे पहले आपकी चार्जिंग होगी ठीक है चार्जिंग होगी टीआरएनए की फॉर्मेशन होगी पेप्टाइड बॉन्ड की उसको एनर्जी चाहिए होगी एटीपी चाहिए होगा ऑब्वियस सी बात है तो यहां पे अमीनो एसिड आपके एक्टिवेट किए जाएंगे ए टी को यूज करके टीआरएनए के साथ लाइगेट किए जाएंगे एंजाइम यूज होगा अमीनो एसाइल टीआरएनए आर ठीक है तो आपका टीआरएनए चार्ज हो जाएगा मतलब बेसिक सी बात है टीआरएनए के तीसरे एक सर पर अमीनो एसिड चिपकाना है और बिना एनर्जी के होगा नहीं तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी लगेगी है ना और चार्जिंग भी होगी नो डाउट इन इट ठीक है अब देखो ये हमारा एंटीकोडोन I इसको समझो ये हमारा एमआरएनए बेटा ये हमारा क्या है एमआरएनए इस एमआरएनए का कोई ना कोई सीक्वेंस होगा इस एमआरएनए में वो जो ट्रिपलेट्स होते हैं ना वो ट्रिपलेट्स उनका कुछ ना कुछ क्या होते? है कोड होता है तो उसको हम बोलते हैं कोडोन उसको हम क्या बोलते हैं कोडोन इस कोडोन के अपोजिट में सुनो मेरी बात इस कोडोन के अपोजिट में जो बाइंड करने वाले तीन खाली न्यूक्लियोटाइड है जो खुद से प्यार नहीं जता पाते हैं उनको हम कहते हैं एंटीकोडोन। जो अपोजिट सीक्वेंस आएगा ना वो वाला अमीनो एसिड आएगा जैसे कि ए जी यूनि यू एराइन को करता है तो भाई यूसी के अगेंस्ट में AGU आता है। और AGU जो है, वो को कोड करता है

चिपकता है और जैसे ही ये दो आएंगे एक दो, एक दूसरे के पास आएंगे फटाक से सेराइन इसके सर पे आ जाएगा ऐसे फिर कोई दूसरा आएगा ये टायरोसिन उसको, उसको उसके सर पे टिपका देगा ऐसे समझ रहे हो क्या मामला चल रहा है एक्सक्यूज मी आवाज आ रही है चलो आगे देखो अब इनिशिएशन होगी इनिशिएशन में क्या होगा फिफ्थ एंड हमारा जो एम का होगा फिफ्थ एंड एक इनिशिएशन फैक्टर की जैसे काम करेगा एम के ऊपर कुछ स्मॉल सब यूनिट आएगी राइबोजोम की उसके बाद लार्ज पहले स्मॉल आएगी फिर लार्ज जैसे कि सिलाई मशीन होती है ना नीचे से भी धागा ऊपर से भी धागा ऐसे ही मामला एक स्मॉल यूनिट एक लार्ज यूनिट ठीक है चलो इनिशिएशन कोडोन आपका मिथोनाइन होगा जहां पे मिथोनाइन होगा वहीं शुरू होगा आप देखो एम आर एन है बेटा समझो इस बात को हमारे पास एम आर एन ये पांच से तीसरा एंड है मान लो ए यू जी यहां है और यहाँ पे आपके पास यू जी जी है स्ट्रोप कोडोन यूजी जी है ना तो ये वाला रीजन ये वाला रीजन और ये वाला रीजन इसका इसको हम क्या कहेंगे यूटीआर ये वाले रीजन हमारे क्या है यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन क्योंकि ये तो कभी भी प्रोटीन बना ही नहीं पाएंगे तो उसको अनट्रांसलेटेड रीजन बोला जाता है बाकी एयूजी से लेके स्टॉप कोडोन तक का जो रीजन आता है उसको हम क्या कह देते हैं आपका ट्रांसलेटेड रीजन है ना चलो चलो इनिशिएशन हो गया देन इलॉन्गेशन चलो पी साइट तुम छोड़ दो इलॉन्गेशन तो मैं आपको समझाऊंगी अभी टर्मिनेशन तो समझाऊंगी अब देखो यहां पे कैसे होता है मामला बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है देखो ऐसे समझो तुम इसको कुछ ऐसे समझो मुझे नहीं पता तुम उसको समझ पाओगे नहीं समझ पाओ तुम इसको समझो मान लो ये हमारा एम आर एन ए है ना ये फिफ्थ एंड है ये थर्ड एंड है एक सीक्वेंस बनाते हैं यू 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 ए यू जी यू सी ए जी जी ए जी यू जी यूयू यू यू ए ए जी यू जी है ना ऐसे वाला सीक्वेंस तो वेरी फर्स्ट स्टेप सुनो मेरी बात समझो मेरी बात सबसे पहली स्टेप ए यू जी से स्टार्टिंग होगी AUG क्या करेगा स्टार्ट करेगा तो एयूजी का टी आर आएगा मिथ्योनाइन को लेके अपने सर पे रख के, है ना तो हमारे पास देर इज ए टी आर एन जो मिथ्योनाइन को लेके बैठा है है ना जिसके अगेंस्ट में यू ए सी होगा ये चल रहा होगा ऐसे अच्छा हाँ राइबोसोम पीछे हैंड टू तो हैंड चल रही है कंफ्यूज मत होना पीछे राइबोसोम चल रही है पीछे राइबोसोम चल रही है साथ में हमारे ना कहीं सोचो कि मैम राइबोसोम कहां गया राइबोसोम साथ साथ में चलती रहती है ये साथ में चलती रहेगी ठीक है तो आपके पास यहां पे मिथ्योनाइन है वो ऐसे करेगा ट्राई बॉन्ड करने की ठीक है ऐसे अब कहां बाइंड करेगा ऑब्वियसली बात है वही बाइंड करेगा जहां पे उसका प्लेस आएगा तो कहा है यूएसी है यूएसी एयूजी के ऊपर बाइंड करेगा यहां ये यह क्या बदतमीजी है इसको मैं हटा देती हूं ना फिलहाल के लिए आपको याद रखना ये है यूनिट यहां पे ना अब उसके बाद ये तो अटैच हो गया अब दूसरा आएगा इसके नेक्स्ट वाला अब इसके टू नेक्स्ट आएगा यूसी है ना सराइन सराइन वाला है ना तो इसके अगेंस्ट वाला आएगा ए भाई साहब ए जी यू सेराइन को लेके बैठा है ये सराइन को लेके बैठा है अब जैसे ही ये महाशय जैसे ही ये जो महाशय है ये इधर आएगा क्योंकि ये चार्ज है ना इधर आया इसके ऊपर बाइंड अप करा है ना इस इसके साथ बाइंड अप करा एंटीकोडोन जैसे ये हुआ ना ये फटाक से अपना इसके ऊपर छोड़ देगा मिथ्योनाइन एकदम से इनका बॉन्ड बन जाएगा ऐसे और ये यहां से जो भागेगा ना दुम दबा के यहां से भग जाएगा ये यहां से भग जाएगा ठीक अब ऑब्वियसली बात है भाई दूसरा भी आएगा है ना दूसरा भी तो आएगा ना यही थोड़ी ना रहेगा फिर ना आगे वाला आएगा जी जी ए वाला आएगा ग्लाइसिन को लेके आएगा फिर एक ग्लाइसीन को लेके आएगा यहां पे सी सी यू आएगा जैसे ही यहां पे आया ये यह तुरंत यहां पे बैठा और इसके बैठते ही इसके जैसे ही यहां पे बैठा तो इसने क्या करा पीछे वाले ने तुरंत ये वाला इसके सर पर छोड़ दिया तो इस तरीके से आपके दो दो चार्ज डीएनए आते रहेंगे और अमीनो एसिड बनता रहेगा ये जो है ये पीछे 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 ट्रेवल करता रहेगा इस अमीनो एसिड के अंदर क्या करता रहेगा बोंड बनाता रहेगा क्या बनाता रहेगा बॉन्ड बनाता रहेगा ये चीज आपको याद कर लेना है ठीक है तो आप देखोगे यहाँ पे कि हमारे पास इधर एक आपका पूरा गिवन है याद रखो ये राइबोसोम है ग्रीन आपका क्या है राइबोसोम ये लोअर यूनिट है ये अपर यूनिट है ये एम आर एन ए है ये हमारा प्रोटीन बन रहा है ठीक है ये एंटीकोडोन रीजन है ये उसका क्या है भैया ये उसका आपका क्या अमीनो एसिड जो वो कैरी करके बैठा है ठीक है ठीक है चलो क्लियर है अब अगर इस तरीके से आप देखोगे तो पूरी इसके ऊपर फेंक देगा आगे वाला आएगा फिर वो उसके ऊपर फेंक देगा पूरी एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएंगे आपकी और क्या बन जाएगा प्रोटीन बन जाएगा प्रोटीन बन गया ये मान लो ठीक है अब यहां पे एक चीज तुम समझो मैंने आपको कितनी चीजें समझाई हैं उसकी कुछ आपको चीजें जानकारी होनी चाहिए जैसे कि मैंने आपको समझाया कि आपका डीएनए से डीएनए का बनना इसको हमने क्या कहा रेप्लीकेशन कहा डीएनए से आरएनए का बनना हमने इसको ट्रांसक्रिप्शन कहा ठीक है आरएनए का प्रोटीन में बनना हमने इसको ट्रांसलेशन कहा हमने इसको बेटा क्या कहा ट्रांसलेशन कहा अब समझ लो मेरी इस बात को यहां पे आपके पूछा जाएगा ना फिर रोना नहीं उधर के पेपर में मारोगे बहुत ज्यादा ये यहां तक की प्रोसेस मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लीकेशन दोनों ही न्यूक्लियस में होता है, है ना ठीक है स्प्लाइसिंग भी इवन स्प्लाइसिंग भी न्यूक्लियस में ही होता है ठीक है ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होगा और साइटोप्लाज्म के अंदर में भी राइबोसोम कराएगा राइबोसोम के अंदर साइटोप्लाज्म में भी एक्जेक्ट फ्री साइटोप्लाज्म में नहीं राइबोसोम के अंदर आपको होगा इसलिए आप राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हो है ना तो सेंट्रल डोगमा जो हमारा है इसकी लोकेशन ध्यान रहे कि डीएनए से डीएनए बना न्यूक्लियस में डीएनए से आरएनए बना न्यूक्लियस में एम एच एन आर एन ए से एम आर एन ए बना न्यूक्लियस में कैपिंग टेलिंग ये सारी उधर हुई टेलिंग हुई इसलिए ताकि वो बाहर निकल जाए न्यूक्लियस से करेक्ट है ट्रांसलेशन हुई साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म एग्जैक्ट साइटोप्लाज्म यानी राइबोसोम के अंदर याद रखना राइबोसोम में ट्रांसलेशन होती है कहीं और नहीं होती है क्लियर है क्लियर है आपका चश्मा अच्छा लग रहा है ले जा बेटा तू ले जा तू ले जा चश्मा ले जा तू पर पढ़ ले क्लियर है अब है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कि हमारे जो जीन है वो कहां कहां अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कहां कहां अपना दिखाएंगे देखो ट्रांस कर, पूरा सेंट्रल डोगमा पूरा सेंट्रल डोगमा लैक ऑन ऑफ हर कहीं जीन का कंट्रोल है सीधी बात तो लिख देना आंखें आंखें मूंद मूंद के ट्रांसक्रिप्शन पे प्रोसेसिंग पे स्प्लाइसिंग पे ट्रांसपोर्ट होगा एम आर एन ए का ट्रांसलेशन होगा हर कहीं तो जीन का कंट्रोल अगर हमारा जीन का रेगुलेशन नहीं होगा तो ये चीजें नहीं होंगी ये ऐसे ही हवा में नहीं होता जब हमारा डीएनए कमांड देता है उधर से थोड़ा रिजल्ट रिस्पॉन्स आता तब ये चीजें होती हैं ठीक है ठीके? ये आपको याद रखना है ये आपको याद रखना है क्लियर है क्लियर है ये बात क्या ये बात क्लियर है चलो कल करा दू क्यों भाई देखो मैंने तुमको क्या कहा था पहले कहा था खाना पी का खा पी के बैठना भी ग्यारह बजे शुरू होता रहा था ग्यारह के भी बाद में है ना कितनी देर पढ़ाया पाँच घंटे नहीं पढ़ सकते तुम दिन में चार्टा ऐसा मरूंगी चलो आगे हमारे पास ओपर कंसेप्ट आते ओपर कंसेप्ट से पहले तुमको थोड़ा सा दस मिनट का ब्रेक दे रही हूं मैं सिर्फ दस मिनट का तब तक मैं अपनी पानी की बोतल भर लाऊँ है ना दस मिनट का ब्रेक दे रही हूं तब तक मैं पानी की बोतल भर लाती हूं मेरी एग्जाम में अगर सेक्शन डी के आंसर लिखने चालू किए तो चलेगा क्या बट सीक्वेंस मेंटेन करूंगा हाँ कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे कैसे लिख देना बट साफ साफ एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिख देना हाँ बट अच्छा लिखते हो ना तो उससे एग्जामिनर एक, इंप्रेस हो जाता है है ना भाई देख ऐसा है ना कि मैं ना सच बताऊ ना तो मैं एग्जैक्ट टीचर ही हूं मैं मतलब इधर की लली पॉप बातें मैं करती नहीं हूं है ना मेरे को पढ़ाना आता है मैं वही करती हूँ बस है ना तुम तो एंटरटेन नहीं कर सकती तुमको बस समझे इस बात को और इतनी मैं गारंटी दे रही हूँ जो पढ़ा रही हूँ पढ़ा रही हूँ ना अगर पेपर में उससे कुछ और निकल के आ गया तो तुम कुछ और नाम सोच लेना वो रख देना सोनिया चैल की बजाय वो रख देना इतनी गारंटी तुमको मैं दे रही हूँ और फिर भी तुम लोगों को भरोसा ना हो ना तो फिर भाई मैं कुछ नहीं कर सकती नो आई कैन डू चलो तो अभी मैं आपको दस मिनट का ब्रेक दे रही हूँ टेन मिनट ब्रेक टेन मिनट ब्रेक मैं आपको दे रही हूं ठीक है मैं पानी की बोतल भर के लेके आ रही हूं जब तक किसी को सुसु करके आना है पानी पीना है ठीक है खाना खाना है तो खाओ पेट भारी हो रहा है तो जाओ ठीक है दस मिनट एग्जैक्ट दस मिनट में आ जाऊंगी मैं ठीक है पानी और हाँ अगर मैं पाँच मिनट में आ गई तो मैं पाँच मिनट में शुरू कर दूंगी बस एक आखिरी आखिरी चालीस मिनट बेटा आखिरी चालीस मिनट तुमको मैं बता रही हूँ गरीमा मैम के आने से पहले तुमको पता है ना गरिमा मैम साथ में कराएंगे जिसको नहीं पता ना शेयर कर देना गरीमा मैम साथ में आएंगे गरीमा मैम का सेशन शुरू होने से पहले तुमको छोड़ दूंगी ठीक है ठीक है बस पाँच मिनट का सेशन होगा फिर शाम को आराम से नींद पूरी करना और सुनो मेरी बात आज जो पढ़ा रही हूँ ना अगर वो रिवाइज करके करना है ऐसे छोड़ना नहीं है इसलिए तुमको शाम को मैं अरेंज नहीं वो नहीं कर रही हूं मैं दो 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 सेशन लगा सकती हूँ मैं सुबह और शाम का पर दिमाग नहीं खराब करना मुझे तुम्हारा तुम्हारी नींद नहीं हराम करनी इस यूनिट का शाम को आराम से थोड़ा रेस्ट करना अभी थोड़ी देर खाना पीना खाना थोड़ा टहलना घूम फिरना सोने से पहले एक बार एनसीआर की किताब उठाना और इसको रिवाइज करना प्लीज बच्चा इतना सा कर लेना यार ठीक है हमारी क्लास टीचर ने यही बोल के क्या बोल के चलो अभी वापस आना है दस मिनट में पानी की बोतल भर के लेके आ रही हूँ मैं हाँ अभी मेरे सेशन के बाद जब मेरा सेशन खत्म हो जाएगा तब गरीबा मैम का सेशन वो आएगा स्ट्रैटेजी बताएंगी आपको जस्ट और कुछ नहीं कराऊंगी तो मैं पढ़ाऊंगी तो मैं ही है ना पढ़ाऊंगी तो मैं वो थोड़ा एक आधा सेशन ले लेंगी है ना ताकि मुझे थोड़ा रिलीफ मिल पाई क्योंकि बहुत दिन है भाई है ना मैम अभी स्टार्ट करके जा रही हूँ मैं दस मिनट का ब्रेक है भाई इधर ही दस मिनट हो जाएंगे अभी आई मैं पानी की बोतल भर के दस मिनट में Terima kasih telah <laughs> menonton! तो तीन मिनट में आ गई मैं तीन मिनट भी नहीं हुई एंड कर दूं क्या टाइमर हटा दूं टाइमर हटा दूं? तो तुम हो तुम सेशन नहीं शेयर कर रहे है भाई कहा आराधिका देखो मैं ना अपने घर से ना कटोरी भी लेके आई थी गर्म पानी के लिए काढ़ी के लिए देख रहे हो तुम मेरे एफर्ट्स देख रहे हो मैम सोने देंगे सात मिनट देखो ऐसा है पांच मिनट पे खत्म कर दूंगे पांच मिनट पे एंड मैम चीटिंग हाँ तो चलो ठीक है दस मिनट कर लेना दस मिनट कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है दस मिनट कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब कोई ब्रेक नहीं मिलेगा बीच में सीधा सेशन एंड करेंगे ठीक है अब बीच में कोई ब्रेक नहीं है हाँ हाँ ठीक है शिवानश इतना भी नहीं बताते होते हैं। अच्छा सेशन किस किसने शेयर नहीं करा अभी तक देख लो तुमको मैं इस पांच घंटे में भी बीच में ब्रेक दे रही हूं दस पांच मिनट के और कल वाले के अंदर सिर्फ बीच में एक ब्रेक मिलेगा कोई ब्रेक नहीं मिलेगा सबसे कॉम्प्लेक्स यूनिट है जेनेटिक्स और सबसे इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन से कुछ गिन चुन के टॉपिक्स आते हैं वो मैं आपको ऐसे फास्ट एंड फॉरवर्ड फॉर्म में कराऊंगी ना मजा आ जाएगा मजा आ जाएगा ठीक है तुमको मोटिवेशन की कमी हो रही होगी ना यहाँ पे अभी तुमको मोटिवेशन चाहिए मेरी है ना मोटिवेशन तुम्हारी ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा गया बायो अच्छा कर लो यार कर लो यार बायो अच्छा ब्रेक काफी है ना मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है मैं पतली हो जाऊं बेटा मैं पतली हो जाऊंगी तो फिर तुमको हेडेक कैसी होगी मेरे मोटे होने की नहीं नहीं तुम्हारी हेडेक कम नहीं करूंगी मैं हम्म पायल में खाना खा के आई थी और तुम्हारा जब सेशन खत्म होगा तो मैं सबसे पहले खाना ही खाऊंगी फिलहाल मैं लिक्विड पे जिंदा हूं चलो बहुत हो गया भाई बहुत हो गया बहुत हो गया बस 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 इससे ज्यादा नहीं स्टार्ट करें स्टार्ट करें स्टार्ट करें मैम मोटिवेशन फुल है घर तक अच्छा बहुत बढ़िया आप इतनी चीज पढ़ाते हो कि डर होना भाई चाहत मैं थी तो डॉक्टर ही बट मैं जिंदों की नहीं मैं मुर्दों की डॉक्टर थी ठीक है <laughs> तो इसीलिए आज के वो छोड़ रखा है ठीक है चलो ऑपर कंसेप्ट समझेंगे ऑपरॉन कंसेप्ट क्या होता है देखो ऑपरोन बहुत सारे आपको मिलेंगे जैसे तो लैक ओपरोन हो गया है ना ऑप्लैक हो गया ट्रप हो गया आर्क हो गया बहुत सारे ऑपरॉन होते हैं ऑपरॉन का जल्दी जनरल मतलब होता है ऑपरेशन जैसे कि बटन ऑन पंखे का लाइट का ऑफ वो जो एक ऑपरेशन आपका होता है ना एक ऑपरेटर चीजें चलती है जो ओन ऑफ हो रही कर रहा है चीजें दैट इज ऑपरोन बट यहाँ पे क्या ओन ऑफ हमारा हो रहा है यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं लैक तो यहाँ पे ऑफ जो हमारा हो रहा है वो क्या हो रहा है देखो ऐसा है हमारे पास जनरली ई कोलाई होता है ठीक है नहीं पायल थैंक यू सो मच कोई नहीं कुछ नहीं होगा तुम चिल करो तुम मेरी टेंशन मत लो तुम चिल करो तुम अपनी टेंशन करो अपना टाइम से पढ़ो बेटा मेरा ध्यान रखने के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं ठीक है आयुषी मैम है गजेंद्र सर हैं सब हैं मेरे लिए तुम्हारे लिए सिर्फ तुम, तुम हो भाई तुम अपना ध्यान रखो मैं तो मेरा तो कर लूंगी कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है चलो अब यहां पे ई e. कोलाई है ये ई e. कोलाई ग्लूकोज पे फीड करती है ठीक है जब ये ग्लूकोज पे फीड करती है तो वहां पे आई जीन एक्टिव होता है वहां पे आई जीन एक्टिव होता है ठीक है और जब ये ग्लूकोज पे नहीं करती ये लैक्टोज पे फीड करती है जब ये लैक्टोज पे फीड करती है तो आई जीन आई जीन इनएक्टिव हो जाएगा मतलब कि जब आपने आई जीन को ऑन करा तो ग्लूकोज खाएगी ऑफ करा तो लैक्टोज खाएगी ये इकोलाई है यानी कि वो जीन कब स्टार्ट हो रहा है कब रेगुलेट कर रहा है वो सारी चीजें हमारी यहां पे आती हैं इकोलाई के अंदर ठीक है अब देखो बहुत सिंपल है यही चीज़ यहाँ पे लिखी है इसने क्या लिखा है कि आपके पास एक रेगुलेटरी सिस्टम होता है जो बैक्टीरिया में होता है बेटा जो कि हमारा मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करता है ईच मेटाबॉलिक रिएक्शन आपका एक सेट ऑफ जीन से कंट्रोल होता है है ना जैसे कि बहुत सारे ऑपरोन जब आपका सबस्ट्रेट ग्रोथ मीडियम में डाला जाता है तो जीन आपके स्विच ऑन हो जाते हैं उसको हम कहते हैं इंडक्शन ठीक है इंडक्शन जब आप उस मेटाबोलाइट को प्रोडक्ट को हटा देते हो तो आपका वो ऑफ हो जाता है जिसको कहते हैं रिप्रेसन अब इसको समझने की कोशिश करना ये नॉर्मल मामला क्या चल रहा है जनरली हमारे पास यहां पे होता क्या है वही डीएनए से एमआरएनए बनाना है एमआरएनए से प्रोटीन बनाना है बट ये अब की बार ई e कोलाई में बनाना है तो हमारे ई e कोलाई में देर इज थिंग देर इज थिंग ठीक है यहां पे हमारे पास जो प्रमोटर रीजन होता है ना एक चीज समझना प्रमोटर रीजन के थोड़ा सा आगे ऑपरेटर रीजन होता है जहां पे आपका रिप्रेसर मॉलिक्यूल एक्टिवेट करता है थोड़ा सा रीजन होता है ठीक है कि मान लो ये वाला रीजन आपका क्या है प्रमोटर है ठीक है ये वाला रीजन आपका क्या है टर्मिनेटर है बहुत आसान है समझने की कोशिश करना इतना आसान है ना मजा आ जाएगा ये वाला रीजन ऑपरेटर है ठीक है एंड यहाँ पे आपकी जीन्स हैं जेड वाई ए जया सुषमा सबकी पसंद निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा निर्मा है ना तो जया जेड वाई ए याद कर लेना ये सीक्वेंस काम आएगा आप देखो यहां ये क्या होता है जब यहां पे आर एन ए पॉलीमरीज आता है जेड का एम आर एन ए बनाएगा वाई का बनाएगा ए का बनाएगा फिर उसका ट्रांसलेशन होगा फिर प्रोटीन बनेगा तो एट द एंड क्या प्रोडक्ट बनता है कि जेड जो होगा जेड बनाता है बीटा ग्लेक्टोसाइडेस। बीटा बीटाग्लेक्टोसाइटिस जो कि लैक्टोज को ब्रेक कर देती है लैक्टोज एक है ना एक लैक्टोज, एक ग्लैक्टोज उन दो से ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनी लैक्टोज, है ना और वाई जो है ये बनाता है परमीज। परमीज जो है क्या करता है परमीज आपकी परमिशन देगा कि ज्यादा से ज्यादा लैक्टोज अंदर आए ए आपका आता है ट्रांस एसिटाइलेज ए से क्या होता है ट्रांस ठीक है अब आप हो गए मैम ये सब तो ठीक है आपने यहां पे भी तो बोला था एक आई जीन वो आई आईजीन कहा है? देखो अलग है ये जीन लैक्टोज वाला है ये ये वाला स्ट्रक्चरल जीन 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 एक एक पीछे इधर भी एक जीन आता है जिसको हम कहते हैं आई जीन। ये आई जीन आपका किस लिए है ये आपका ग्लूकोज के लिए है ठीक है तो समझने की कोशिश करना कि बेटा ये वाला जो पोर्शन है ये लैक्टोज जब आपका आता है लैक्टोज जब प्रेजेंट होगा जब ये ऑन हो जाता है ठीक है और ये वाला कब होता है ये जब ग्लूकोज होता है तब तो कैसे काम करता है यहां पे? कि जो आई जीन है आई जीन एक मॉलिक्यूल बनाती है ये आई जीन एक मॉलिक्यूल बनाती है इसको कहते हैं रिप्रेसर मॉलिक्यूल रिप्रेसर मॉलिक्यूल ठीक है ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल इधर चिपक जाते हैं इधर बाइंड कर जाते हैं ठीक है अब रिप्रेसर मॉलिक्यूल जब ऑपरेटर के ऊपर जाके बैठेगा यहाँ पे प्रमोटर के आगे जाके बैठेगा तो प्रमोटर पे कौन आ रहा था आरएनए पॉलीमरेज ए यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आया आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं इसको ऑपरेटर को भाई साहब थोड़ी जगह दो यार आगे पॉलीमराइजेशन करना है ये खड़ा है यहाँ पे आर एन ए पॉलीमरेज आर एन ए पोलमरीज कह रहे हैं प्रोमोटर को ये ये ऑपरेटर के ऊपर खड़ा हमारा रिप्रेसर मॉलिक्यूल है ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल ये कह रहे हैं मैंने उसने कहा भाई साहब थोड़ी जगह दे दो यार एम आर एन ए बनाना है ना, है ना एंजाइम बनाने हैं तो फिर ऑपरेटर वाला कहता है जो रिप्रेसर मोलिक्यूल है क्यों तेरे वापर निधे रम है निधिर रम तो है जो यहाँ से निधे रम है तो भाई वो बेचारा ऐसे मासूम सा समूह करके रह गया यानी कि यहाँ पे अब लैक्टोज को हम नहीं खा सकते आप कहोगे मैम ये वाली एक्टिविटी कब हो रही होगी इस कंडीशन में हम ग्लूकोज पे फीड करते हैं ये कैसी कंडीशन है ये ग्लूकोज को फीड करने वाली कंडीशन है ठीक है यहाँ पे ग्लूकोज है या फिर आप ये कह लो कि यहां पे हमारे पास कोई लैक्टोज नहीं है यहां पे देर इज नो लेकटोज जब तक हमारे ई कोलाई के अंदर लैक्टोज नहीं आएगा जब तक यही चलता रहेगा है ना अब देखो लैक्टोज बड़ी कमाल की चीज है लैक्टोज जो है बड़ी कमाल की चीज है जैसे ही ये लैक्टोज अंदर घुसती है।, है ना अब वहां पे हमको पता चल जाता है कि ग्लूकोज तो है नहीं तो हमारी बॉडी में लैक्टोज बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में एंटर मारती है बट वो ना ऐसे ही नहीं मारती वो छलावी होती है जैसे भगवान विष्णु थे ना अप्सरा क्या काम करते रहते थे अप्सरा के सबको मोहित कर लेते थे ये कुछ उससे कम नहीं है है लैक्टोज लैक्टोज क्या करती लैक्टोज अपने आप को चेंज करती है और एक एलो लैक्टोज की फॉर्म में आती है है ना और एलो लैक्टोज इज अ सुंदरी तो ये एलो लैक्टोज यहां पे जाती है ऑपरेट रीजन के सामने और ये सुंदरी खड़ी हो जाती है यहाँ पे है ना गाना गाने लग जाती है, है ना मतलब गुनगुनाने लग जाती है फिर ऑपरेटर के ऊपर लगा रिप्रेसर मॉलिक्यूल है भाई यहां ये पे। पे यह हमारा रिप्रेसर मॉलिक्यूल है ये लड़का है लौंडा है इसको दिखता है अरे वाह मजा आ गया एलोलेक्टोस लड़की यस तो उसके पीछे पीछे आता है तो जैसे ही लेकटोस एंट्री मारता है तुरंत ही तुम कहोगे मैम कैसी कैसी बातें करती है तुरंत ही ये भाग के यहाँ पे इसके साइड में लग जाता है तो और भाई बता क्या सोचा है भविष्य का भविष्य में क्या कुछ मतलब कुछ प्लान है कि नहीं है ऐसी कुछ बातें ये करने लग जाता है अब एलोलैक्टोज का तो मकसद था पूरा हो गया ना लैक्टोज का जो मकसद था वो क्या हो गया पूरा हुआ कि नहीं हुआ है ना लैक्टोज को क्या करना था पहले ये ऑपरेटर रिप्रेसर मॉलिक्यूल जो बना रहा था, ये ऑपरेटर के ऊपर लगा हुआ था रिप्रेसर मॉलिक्यूल, है ना जैसे ही लैक्टोज ने एंट्री मारी इस लैलो लैक्टोज को देख के ये फटाक से रिप्रेसर मॉलिक्यूल यहां पहुंच गया है ना अब भाई आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता साफ आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता साफ हो गया है अब वो आराम से जेड वाई ए तीन तीनों को क्या करेगा ट्रांसक्रिप्ट करेगा आराम से उनका ट्रांसलेशन होगा जब उनका ट्रांसलेशन होगा तो और ज्यादा ए है परमीज और ज्यादा लैक्टोज की आ, एंट्री बढ़ाएगी परमिबिलिटी बढ़ाएगी और जब बहुत सारा लैक्टोज आता रहेगा तो आराम से चिल होकर काम करता रहेगा पर जैसे ही लैक्टोज खत्म होता है रिप्रेसर को समझ में आता है मेरे साथ धोखा हो गया और दोबारा यहां चिपक जाता है दिस इज ओ नोफ कि जब आपके पास देर वॉज नो लेक्यूल को बनाकर ऑपरेटर पर चिपका रही थी पोलिमर को रस्ता नहीं मिल रहा था तो एक से सेवियर बनकर जैसे तुम्हारी सेवियर बनकर मैं आई हूं ऐसे ही इसकी सेवियर बन के आती है एलोलैक्टोज एलोलेक्टोज को देखते ही ये मजनू ये रिप्रेसर मोलिक्यूल फटाक से उस पर चिपक जाता है यहां से हट जाता है अब आर एन ए पॉलीमरीज आराम से पूरा काम कर लेता है आराम से आपका एंजाइम बन जाता है दैट्स इट सिंपल तो यहां पे ये किसकी वजह से ऑन ऑफ हो रहा है लैक्टोज के होने से और ना होने से तो हु इज द इंड्यूसर लैक्टोज अच्छा रेगुलेटरी जीन कौन है रेगुलेटरी जीन रिप्रेसर रे रेगुलेटर है जो रेगुलेट करिए रिप्रेसर मॉलिक्यूल कौन बना रहा है इसी के साथ तो ऑन ऑफ किया जा रहा है ना ये तो हमारा बटन है ना तो बटन कौन बना रहा है आई जीन तो ये रेगुलेटरी जीन होता है हमारा तो ये चीज़ याद रखना यहां पे कि हमारा जो आई जीन है आई जीन इज रेगुलेटरी वन रेगुलेटरी जीन है ठीक है एंड हमारा इंड्यूसर मॉलिक्यूल कौन है लैक्टोज, ये हमारा इंड्यूसर मॉलिक्यूल है अब देखो इसका डायग्राम कई बार आ जाता है डायग्राम कई बार आ जाता है और हाई मैंने करा भी दिया चलो

इसको हग कर लेता है हमारा रिप्रेसर मॉलिक्यूल और ये आराम से काम कर रहा है अभी देख रहे हो देख रहे हो छिछोरा गिरी तुमको क्या लग रहा है तुम सबसे बड़े छिछोरे हो नहीं भैया ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल तुम सबसे बड़ा छिछोरा है बता रही हूँ मैं तुम्हें बता रही मैं तुम्हें है, 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 है। चलो लैक हो गया हो गया लैक वरौन? कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो बता दो भाई वैसे नहीं होनी चाहिए आगे देखो आगे हमारे पास देखो यही चीज है एक रेगुलेटरी और इनिबिटरी जीन है जिस जो अपना रिप्रेसर बनाता है तीन स्ट्रक्चरल जीन है Z, Y, A, जया सुषमा सबकी पसंद निर्मा आपका Z है जो कि बीटा ग्लेक्ट्रोसाइडेज बनाता है Y है परमीज बनाता है A है ट्रांस ऐसी बनाता है करेक्ट है करेक्ट है कोई प्रॉब्लम तो नहीं परेशानी तो नहीं अब यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ सीधे शब्दों में अगर कोई लैक्टोज नहीं है तो लैक ओपरोन स्विच ऑफ रहेगा है ना अगर आपका एबसेंस है इंड्यूसर तो रिप्रेसर मॉलिक्यूल एक्टिव रहेगा जो कि रेगुलेटरी जीन ने बनाया ठीक है और ये आपका ब्लॉक कर देगा आर एन ए का रास्ता ठीक जैसे ही आपका ग्लूकोज हट जाता है और लैक्टोज आ जाता है तो तुरंत ही आपका थोड़ा मामला बदल जाता है लैक्टोज को देख के रिप्रेसर प्रोटीन अट्रैक्ट हो जाता है और को तो हट जाता है और जब उसके रस्ते से हट जाता है तो क्या हो जाता है भाई लैक ओपर ओन हो जाता है पढ़ लेना यही चीज लिखी हुई है आप देखो ऐसा है मेरे को पता है तुमको नींद आ रही है इसलिए आई एम ट्राइंग टू बी फनी फनी बट थिंग इज नॉट हैपनिंग रहा फन क्या हो रहा है ये चैट में हम्म इधर ध्यान दो तुम चलो अब देखो यहां से अगर सवाल आएगा ऐसा अगर यहां से सवाल आए ऐसा कुछ हाँ ये जैकब मोनाद आते हैं जो जिन्होंने बताया था ये अब यहां से अगर सवाल आए तो क्या तुम कर दोगे अब ऐसा पैराग्राफ में सवाल आता है लैक ऊपर उनसे तो आसानी से कर दोगे देखो मंताशा आसान है आसान है आसान है चलो हमारे पास प्रोमोटर है प्रोमोटर स्ट्रक्चरल जीन टर्मिनेटर प्रोमोटर ऑपरेटर रीजन जेड वाई है, है ना अब यहां पे आरएनए पॉलीमरेज इसको ट्रांसक्रिप्ट करना चाह रहा है मतलब आरएनए बनाना चाह रहा है इसका बट यहां पे ऑपरेटर में एक मॉलिक्यूल अटैच्ड है जो कि उसको नहीं करने दे रहा एक्चुअली में वो कहां से आया हमारे पास आई जीन है जो कि एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल बनाता है जो कि प्रमोटर के आगे यहां पे लग जाता है अब इसके यहां लगने से आर पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब नहीं कर सकता प्रिवेंट मतलब नहीं हो सकता लैक्टोज आएगी लैक्टोज इंड्यूसर मॉलिक्यूल है हमारा इसको एकदम से देख के ललाहित हो जाएगा मोहित हो जाएगा हमारा कौन रिप्रेसर मॉलिक्यूल और यहां से हटके इसके ऊपर आ जाएगा और हमारे आर एन ए पोलिमोर को रस्ता मिल जाएगा फटाक से बनाएगा फिर उसका फटाक से एंजाइम बन जाएगा ट्रांसलेशन हो जाएगा और हमारे एंजाइम बन जाएंगे बीटा लेकटोसाइड लैक्टोज को खा के एनर्जी ले लेगा ले परमीज और ज्यादा लैक्टोज की एंट्री कराएगा ट्रांस एसिटाइलेज का आज तक क्या काम है साइंटिस्ट को भी नहीं पता चला है तो मैं तो क्या ही तुझसी प्राणी हूँ है ना ये बच्चे कम क्यों हो रहे भाई हम्म ये बच्चे कम क्यों हो रहे हैं से? चलो हो गया अब चलो आगे हमारे पास क्या है आगे हमारे पास भैया ये कर लेना सवाल आपका Y क्यू डोज है आराम से कर लोगे कोई दिक्कत की बात नहीं परेशानी की बात नहीं पीडीएफ में मिलेगा कर लेना इसको एक बार हट रही हूँ लेना हो, स्क्रीन ले लो कर लेना आगे देखो आगे हमारा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है जिसके अंदर बोला गया कि भाई यहां से सवाल आते हैं एक दो नंबर के सवाल आते हैं

सेट में इसको जब हमने जाना 19, से 2023 तक का हमारा टाइम था इस यहां से पेपर में नहीं आएगा पेपर में आएगा कि हमने इसका गोल क्या था इंपॉर्टेंट है यहां से गोल क्या है ये आपको याद रखना है गोल क्या है ये इसके याद रखने हैं आपको गोल क्या है गोल क्या है, गोल क्या है? तो गोल ये था सबसे पहला गोल ये था वो कह रहे थे कि हमारे अंदर जितने भी जितने भी जीन्स हैं ह्यूमन के अंदर वो सभी जीन्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे दूसरा ये था कि हम डिटरमाइन करेंगे सभी का सीक्वेंस पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हैं कितने उसके बाद उनका सीक्वेंस कितना है उसके बाद हम उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे कल को हम किसी के साथ कंपेयर करने लग जाएं तो हमको वहां पर डाटा एनालिसिस के टूल्स भी हम इंप्रूव करेंगे उसके बाद हमारी टेक्नोलॉजीज जो है उसको अदर सेक्टर में भी हम शेयर करेंगे सो दैट उसका यूज हो पाए और इसीलिए बायोटेक बायो, बायो इन्फॉर्मेट का भी डिस्कवरी यहीं से होता है मतलब बायो इंफॉर्मेट यहीं पे आता है और साथ में उससे संबंधित कोई एथिकल लीगल सोशल इश्यूज जो होते हैं वो भी यहां पे आएंगे ठीक है वो भी यहां पे आएंगे अब यहाँ पे एक मैथडोलॉजी यूज करते हैं वो आप सबको पता है हमारे पास हमारा 100% डीएनए है हमारे पास 100% डीएनए है इसमें से सिर्फ 2% ही डीएनए है जो आरएनए बनता है बाकी का जो 98% है वो कुछ भी काम नहीं करता है है ना आप ये कहो कि यहाँ पे कुछ ही परसेंट है जो कि हमारा क्या होता है जंक डीएनए या फिर मैं आपको कह दूं कि हमारा जो डीएनए है कुछ डीएनए थोड़ा सा ही डीएनए है जो आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनाता है ठीक है और बाकी का जो है वो जंक डीएनए है जंक का मतलब क्या है कुछ भी कोड नहीं करता है। हमको उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है वो आपका क्या है भाई जंक डीएनए है अब इधर इसने कहा कि कि पहली बात तो मैं ये जानूंगा कि ये जानूंगा वाला ये कौन से वाला डीएनए है जो कि आरएनए से प्रोटीन बना रहा है अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है यानी मैंने दो मैथोडोलॉजी यूज की पहली मैथोडोलॉजी मेरी ये थी कि मैं उसको जानूंगा जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है किस फॉर्म में आर की फॉर्म में तो डीएनए से आरएनए की

नोम भी उन्होंने डाला जाना ई e का ई e को लाए का तो 4.6 10 की पावर 6 बेस पे आपका आया था तो वो सारी चीज भी आपकी यहाँ पे जानी थी ये आप एक बार एनसीईआरटी से थरोली रीड कर लेना खाली रीड इट करना डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे दो-दो नंबर के दो नंबर का ये है और एक नंबर का ये है ठीक है चलो आगे देखो आगे हमारे पास राइस जिनोम प्रोजेक्ट भी है अब राइस जो है आपको पता होना चाहिए कि हमारा इतना इंपॉर्टेंट फूड है ना स्टेपल फूड एशिया में भी इंडिया में भी एशिया की बात कर लेते पूरे एशिया में जो हमारा स्टेपल फूड सबसे ज्यादा सब खाया जाता है दैट इज राइस ठीक है अब इंडिया के अंदर भी आपका यही है तो हमारे पास एक बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है कि भाई हम हमारी फूड को इंप्रूव करें एक वर्ड आता है दैट इज कोल्ड हिडन हंगर हम खा तो रहे हैं, पर हमको पोषण नहीं मिल रहा है दैट इज कोल्ड हिडन हंगर ठीक है तो अपने पोषण तत्वों को बढ़ाने के लिए भी हमको बहुत सारी चीजें करनी तो राइस के बारे में हमने जाना था तो राइस के अंदर क्या है स्मॉलेस्ट जिनो में इसका फोर थर्टी एम का है ठीक है एमबी का मतलब फोन वाला एमबी नहीं है ठीक है फोन वाला एम भी नहीं है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने हैं ट्वेल्व क्रोमोजोम है राइस में कितने हैं सिर्फ और सिर्फ ट्वेल्व क्रोमोजोम है राइस जीनोम प्रोजेक्ट क्योंकि इंडियन है ऑब्वियस सी बात है वैसे इंडियन तो ये नहीं है ना इंडियन तो आपका ये आ, नहीं है ठीक है बट हां समवेयर वी आर इन्वॉल्व इन इट हम यहाँ पे इन्वॉल्व है हो जाते हैं लेटर हो जाते हैं तो यहाँ प्रोजेक्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एर्बियोलॉजिकल साइंस का फोरेस्ट्री एंड फिशरीज का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का फोरेस्ट्री का फिशरीज का ठीक है टेक्नो इनोवेशन सोसाइटी आपकी आ जाती है यहाँ पे एरबीडोप एक आपका एक्सपेरिमेंटल प्लांट रहता है जैसे आपकी सरसों होती है पीली होती है ऐसे ही सफेद सरसों जो होती है उसको हम कहते हैं एरीडोप्सी एक पूरी फैमिली है ब्रेसिकेसी फैमिली का एक प्लांट आता है सफेद

करेक्टर जान रहे थे कि कौन से अच्छे वाले हैं कौन से बुरे वाले हैं कौन से पे ज्यादा बढ़ावा देना है कौन से पे कम बढ़ावा देना है साथ में हमको इंप्रूवमेंट भी करनी थी अदर सीरियल्स का सो so दैट हमारे लिए इजी हो जाए फॉर फ्यूचर टू इंप्रूव और आपको ध्यान होगा हमने गोल्डन राइस भी बनाया गोल्डन राइस भी तो तभी आप बना पाए ना जब आपको राइस जिनोम का पता होगा तो इंप्रूवमेंट का आपका चांसेस रहता है इसीलिए हमने जिनोम को जाना ठीक है अब यहां पे नेक्स्ट आते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसे कि आपके हाथों में फिंगरप्रिंट होती है जो एक दूसरे से सेपरेट होती है ऐसे ही हमारा डीएनए होता है हमारा डीएनए भी एक दूसरे से सेपरेट होता है

ठीक है है अब देखो एक बात बताओ यहाँ पे ये जो है, ये जो टेक्निक ने बनाई थी नो डाउट इसलिए इसको फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं इंडिया में लालजी सिंह को बोला जाता है ठीक है अब यहां पे अगर मैं बात करूं यहां मैं बात करूं इसका बेसिस क्या है इसका बेसिस है मैंने आपको कहा ना कि हमारा कुछ परसेंट डीएनए जो है आरएनए बनाता है कुछ परसेंट डीएनए कुछ नहीं बनाता जंक डीएनए होता है पर वो वही हमारा एक दूसरे को अलग बनाता है जो प्रोटीन बना रहे ना वो हमारा अलग नहीं बनाता उसके अंदर हम हम को, को सेपरेट कर रहा है उसमें क्या होता है इसमें कुछ रिपीट होते हैं जैसे कि मान लो कुछ इसमें गाटा हो गया है ना गाटा जिससे कुछ हो गया कुछ भी सीक्वेंस हो गया वो बार बार रिपीट हो रहा है किसी के अंदर हजार बार किसी के अंदर पांच बार किसी के अंदर दस बार बहुत भर

तो यहां पे साइज आपका वीएनटीआर टी आर का वेरी कर सकता है ठीक है रेपिटेटिव डीएनए आपका सेपरेट होता है एक तो होता है बल्क वाला बल्क वाला एक होता है स्मॉल वाला देखो उसको समझो स्मॉल और बल्क क्या है हमारे पास एक लंबे सीक्वेंस होते हैं मतलब मान लो मैंने कह दिया अभी सात आठ लंबे चौड़े सीक्वेंस आपके तो मैंने कह दिया गाटा ये गाटा एक मैंने कह दिया ये तो ये जो है ये बड़े वाला जो वीएनटीआर है ये एक बड़ी पीक देगा और ये वाला छोटी पीक देगा तो छोटी पीक को हम कभी नहीं देखते हम हमेशा इस बल्क पीक को देखते हैं है ना इस हमेशा इसको क्या देखते हैं बल्क पीक को देखते हैं ठीक है और सेंटर डेंसिटी ग्रेडियंट अकॉर्डिंग सेंटर फ्यूज कर लेंगे अभी जो बल्क डीएनए है ना ये बड़े वाला जो आपका है, इस

नहीं होती है ठीक है और यही भी बनाता, है। भी बनाता है। क्योंकि 50 मम्मी की भी चलता है कि एक कैसे दूसरे सेपरेट होता है अब तुम इसको कुछ ऐसे समझो तुम इसको कुछ ऐसे समझो मान लो ये मम्मी का क्रोमोजोम डिप्लॉइड सेट है ये, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस का डिप्लॉइड सेट है ठीक है ये ठीक है ये जब गैमीट बनी होंगे तो एक गैमीट में ये आया होगा इसको तुम समझना ये तुमको बहुत हेल्प करेगा फिंगर प्रिंटिंग में है ना एक मम्मी की तरफ से है देखो समझो इस बात को ना समझो इस बात को कि हमारे पास हमारे पास ये डिप्लॉइड सेट था टू था। ना? ये फीमेल है ये ये, है। बना अलग-अलग अलग-अलग हो हो गए ये। अलग -अलग हो गए। बने क्या हो गए अलग अलग हो गए है ना क्या हो गए अलग अलग हो गए अब यहां obvious ही बात है भाई जब इन मान लो ये आ गया इधर से और इधर से ये आ गया तो आपका एक सेट बनेगा डिप्लॉइड सेट जिसके अंदर एक तो ये आएगा और एक ये आएगा एक फादर का ये वाला और मदर का ये वाला क्या तुम हंड्रेड परसेंट अपनी मम्मी से मिल रहे हो ना

क्रोमोजोम फादर जैसे होते हैं तो जब तुम मैच करोगे ना एक क्रोमोजोम तुम्हारा मम्मी से मैच करेगा अगर मम्मी से मैच नहीं कर रहा तो वो गारंटीड फादर से करना चाहिए अगर फादर से भी नहीं करना चाह रहा तो फिर तो समझ लो कहीं ना कहीं गड़बड़ है ठीक है अब ये चीज आपको याद रखनी है अब ये स्टेप है कि भाई डीएनए निकालेंगे आइसोलेट करेंगे उसको डाइजेस्ट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से फ्रेगमेंट करेंगे ठीक है ब्लॉटिंग करेंगे उसका नाइट्रोसाइलोज है नाइलो पे आएंगे वी एन टी आर पर हम उसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे फिर उसके बाद डिटेक्ट करेंगे ऑटो तो रेडियोग्राफी से तो आपको मैं बायोटेक में दोबारा भी बता दूंगी ठीक है अब देखो यहाँ से एप्लीकेशन क्या है कोई रेप केस हो गया है ना मान लो कोई रेप केस हो गया कोई पैटर्निटी डिस्प्यूट हो गया कोई डिस्प्यूट हो गया इन चीजों में या फिर मान लो किसी की आइडेंटिफिकेशन करनी है है ना कोई क्राइम हो गया जनरली आप पे आपके पास एक चीज आती है, है ना? कि भाई आपके पास नेम द स्टेप स्टेप आपको बता देना आपको बताऊंगी ये इसका आगे सवाल है अब देखो यहाँ पे।, पे यहां पे देखो आपके पास एक दिया गया है कि भाई ये पैटर्नल क्रोमोसोम है ये मैटरनल क्रोमोजोम नीचे वाला मैटरनल है ये आपका पैटर्नल है ठीक है क्रोमोसोम नंबर सेवन नंबर सेवन इधर ठीक है इधर आपका क्रोमोसोम 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 नंबर 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 क्रोमोजोम ठीक है तो आपको दिख रहे हैं यहां पे कि आपने जो है यहां पे इन क्रोमोसोम्स को कट है तो आपको इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो बेशक से छोड़ दो तुमको ये करने की जरूरत ही नहीं है तुमको मैं ऐसा मस्त ट्रिक बताऊंगी ना तुमको ये करने की जरूरत ही नहीं है मैंने तुमको क्या बोला या तो तुम मम्मी से मैच करोगे या फादर से मैच करोगे कभी भी ऐसा नहीं हो सकता तुम किसी से मैच ना करो या तो मम्मी से या फिर पापा से कहीं ना कहीं तो मैचिंग होगी अब देखो इसने क्या कहा है इसने कहा है कि भाई आपके पास एक सी सैंपल है ठीक है आपके पास क्या है एक डीएन सी सैंपल है अब आपको ये पता करना है कि ये सी सैंपल किसका है आपको ये जानना कोई क्राइम हुआ है आपको ब्लड मिला है आपको मतलब किसी ने मार फाई होगी उसके लग गया होगा थोड़ा बहुत उसका खून रह गया होगा वहां पे, तो डीएनए निकाला है और तुम्हारे दो सस्पेक्ट है कि भाई इसने मारा चाहे इसने मारा अब तुम डीएनए मैच कर रहे हो या किसी का रेप हो गया है तो डीएनए मैच कर रहे हो तुम तो ये हमारा एक सैंपल है सी हमारा क्या है सैंपल अब इसका किसके साथ डीएनए मैच होगा वो हमको जानना है अब ये ए सस्पेक्ट है ये बी सस्पेक्ट है देखो ये वाला कहा मैच हो रहा है तुम्हारा समझो इसको ये वाला मैच हो रहा है इसके साथ हो रहा है नहीं इसके साथ हो रहा है ये वाला इसके साथ हो रहा है इसके साथ भी हो रहा है इस ये वाला है ही नहीं ये वाला इसके साथ मैच हो रहा है नहीं इसके साथ हो रहा है इधर वाला इसके साथ भी हो रहा है इसके साथ भी हो रहा है इधर आपका कोई नहीं है इधर इसके साथ मैच हो रहा है अब तुम गिनो इसके साथ कितने मैच हो रहे हैं सिर्फ एक ए के साथ सिर्फ एक मैचिंग हो रही है वो बाय चांस भी हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत तो हम 99.9 तो सेम ही है ना थोड़ा बहुत चल जाता है अब यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः देखो कि छः के छः यहाँ पे भी छः बैंड है यहाँ पे भी छः बैंड है टोटल छः के छः आपस में कर रहे हैं यानी हंड्रेड बी हमारा क्या है क्रिमिनल है यहाँ पे बी हमारा क्या है क्रिमिनल है हमारा यहाँ पे है ना तो इस तरीके से आप पता कर जिसके साथ ज्यादा बैंड मिले समझो जिसके साथ ज्यादा बैंड मिले वही आपका आंसर आ जाता है वहां पे जैसे कि आपका एक पेपर में सवाल आया हुआ था ये वाला कि आपके पास ये एक्स है है ना ये हमारे पास ये बच्चा है एक्स ठीक है हमको ये जानना है कि इसका जो है पापा कौन है है ना ये हमारे पास x का सैंपल है ये वन टू थ्री इसके पापा के सैंपल है तो आपको बताना है हु इज द फादर हु इज द फादर अब बहुत सारे बच्चों को ये दिख नहीं रहा होगा तो मुझे ये अब छोटा करना पड़ेगा चलो। आप मुझे बताओ चलो कौन है फादर इसका कौन है फादर बताओ जल्दी से शाबाश से अब तुमको मैंने बताया अब तुम बताओ मुझे कौन है फादर उसके बाद इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे थर्टी मिनट में सेशन खत्म इसलिए मैंने बिल्कुल फास्ट एंड फास्ट एंड कराया बताओ क्या आंसर हो जाएगा यहां पे कौन है फादर पॉसिबल पैरेंट बोला है पेरेंट मतलब कि मदर एंड फादर दोनों बताओ कौन से वाले कौन से वाला नहीं है वो बता दो राम राम चलो जय सिंह राठौर जी राम राम पहुंच गए घर पे आप पहुंच गए घर पे या ट्रेन में बैठे हो अभी रेहान शेख तू तो पहले खुद के फादर का तो पता कर ले बेटा दूसरों का फादर बन रहा है अच्छा मजा आया सुन के सोच तुझे, अगर ये बात तुझे ये बात अगर बुरी लगी ना तो इसका मतलब ले सामने वाले को भी बुरी लग सकती है बात तो उल्टी सीधी -सी बात में मारा कर क्लास है ये वो तो मुझे पता है जयसिंह राठौड़ जी आप लखनऊ में हैं चलो ओके okay, शिवम चलो मेरी क्लास में इतनी बदतमीज़ी से बात करोगे ना तो उल्टा बढ़िया जवाब मिल जाएगा तुम्हें तमीज में ना करो हाँ जी ठीक है जय सिंह राठौड़ जी ठीक है देखो इस एक्स को देखो एक बार सीधी सी बात है इसका जो क्रोमेडी या तो अपनी माँ से मिलेगा या अपने फादर से मिलेगा है ना तो करे मैच इसके साथ ए के साथ मैच कर रहे हैं सामने वाले के साथ कर रहे हैं नहीं कर रहा अभी ऊपर की तरफ है ये वाला इधर इसके साथ मैच कर रहा है इधर मैच नहीं कर रहा ये वाला इधर भी मैच कर रहा है इधर भी मैच कर रहा है, हाँ। है इधर इधर मैच हो रहा है इधर 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 हो रहा है क्या हाँ इधर इधर मैच हो रहा है इधर इधर मैच हो रहा है इधर इधर मैच हो रहा है इधर, इधर अब आप क्या कहोगे किसका कहोगे देखो यहाँ पे एक दो तीन चार एक चीज देखो जो तुमने नोटिस करी होगी जो इस यहां से मैच हुआ ये वाला इससे मैच नहीं हुआ तो इससे मैच हो गया है ना ये वाला इधर मैच हो गया है ना ये वाला इधर मैच हो गया है ना चलो ठीक है ये हो सकता है कि खुद से म्यूटेशन हो गई हो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की अब ये वाला था ये वाला इधर मैच हो गया यहां भी नहीं हुआ ये वाला इधर मैच हो गया तो किसके साथ ज्यादा आपका चल रहा है यहां पे मामला सबसे ज्यादा एक दो तीन चार एक के साथ चार मैचिंग चल रही है चार का मैच है दो के साथ तीन का मैच है तीन के साथ सिर्फ दो का मैच है तो जिसके साथ ज्यादा मैच होते हैं वही आंसर होता है यहां पे कि भाई उसी के साथ है तो एक मैच ये है ये तो फोर शोर गारंटी है वन तो है ही है है ना वन तो है ही है ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है है ना ये तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं तो है ही है दूसरा टू वाला भी है क्योंकि इसके साथ भी वो चीजें मैच हो रही है जो कि एक के साथ नहीं हो रही है ना और तीन मैच हो रही तो बढ़िया बात है एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ आठ टोटल है आठ में से चार एक के साथ हो रही है और तीन कहाँ हो रही है तीन उसकी टू वाले के साथ हो रही है तो यहां पे हम क्या कहेंगे वन एंड टू वन एंड टू इसीलिए बोल देंगे याद रखना कभी भी ऐसे आपका कंपेयर आए ना सिंपल सा आंसर होता है जिसके साथ ज्यादा मैचिंग होती है वही पेरेंट होता है वही उसका सैंपल साम्प, उसी का सैंपल होता है ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आराम से हो जाएगा आराम से हो जाएगा आगे चले चलो अब इवोल्यूशन करें फटाफट से फटाक से छोड़ूंगी इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगी भाई मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं, मैं। इवोल्यूशन अनफोल्डिंग करना इट्स अ प्रोसेस जैसे तुम अपने फ्यूचर में जा जाके अपने आप को कल्फ्यूट समझते रहते हो ना कि मैंने पीछे ये बच गलती कर दी वो गलती कर दी ये कर देता वो कर देता तो ऐसे वाला ही इवोल्यूशन है कि हम यहाँ पे अनफोल्ड करते हैं चीजों को और हम देखते हैं कैसे कैसे जिंदगी बदली आपकी लाइफ कैसे वॉटर से हम इतनी कॉम्प्लेक्स में आगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ इज कॉल्ड इवोल्यूशन जब आप ये जानते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे चेंज हुआ है दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन टू अनदर सिंपल आगे हमारे पास आते औरिजिन। औरिजिन कैसे आते है कैसे बहुत सारी बट बिफोर दैट दर इज बिग बैंग थ्यूरी जो सबसे फेमस थ्यूरी आती है यहाँ पे बिग बैंग थ्यूरी क्या कहती है कि हमारे पास एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है बहुत भारी भरकम एक्सप्लोजन होता है और जब चीज एक्सप्लोर्ड करती है एक ऐसा अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन होता है बिग बैंग थ्यूरी कहती है ये। और बड़ा सा तो वो एक्सपेंड हो जाता है कोई भी चीज बम फटकता है फटता है फटता तो फैल जाता है जब फैलती है तो कोई चीज ठंडी हो जाती है तो जब एक्सप्लोजन हुआ तो एक्सपेंशन हुआ एक्सपेंशन होता है तो वहां पर ऑटोमेटिकली आपका टेम्परेचर जो है क्या हो जाता है कूल cool डाउन हो जाता है टेम्परेचर कूल हो जाता है कम हो जाता है और जब टेम्परेचर कम हुआ तो वहां पर बहुत सारी गैसेज भी बनी दो गैसेज बनी आपकी एक आपकी हाइड्रोजन बनी एक आपकी हीलियम बनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये कंडेंस हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये क्या हो गई कंडेंस हो गई और जब ये कंडेंस हुई जब ये कंडेंस हुई जब ये क्या हुई भाई कंडेंस हुई तो कंडेंस होने पे इन्होंने क्या बनाई गैलेक्सीज बनाई क्या बनाई इन्होंने गैलेक्सी बनाई याद रखना गैलेक्सी बनी गैलेक्सी के अंदर आपकी धूल वूल सब कुछ आ जाता है गैलेक्सी के अंदर आपकी डस्ट पार्टिकल ये पार्टिकल वो पार्टिकल जितने हजार के पार्टिकल सब आ जाते हैं ठीक है ठीक है चलो अब यहाँ पे जब आपकी गैलेक्सी बनती है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास बाकी चीजें भी होंगी आपके पास सन भी है आपके पास सन भी है आपका धरती का इन्वायरमेंट भी है बाकी का राइट राइट तो यहाँ पे आपके पास सन की आती है लाइट सनलाइट आती है सनलाइट के आने से बाकी गैसेस भी बनती हैं बाकी गैसेस भी बनती हैं बाकी गैसेस कौन सी बनती है जैसे कि आपकी अमोनिया बनती है मीथेन बनती है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ठीक है और थोड़ा बहुत वाटर वेपर भी बनता है अब ये 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 जो जो आपका आपका है है कब बनी जब आपकी सनलाइट की प्रेजेंस तब वहां पर बनती है ठीक है अब ये अगर जब आपकी बन रही है तो ऑब्वियसली बात है सनलाइट के आने से इधर आपका हाइड्रोजन भी बनता है आपका वॉटर भी बनता है हाइड्रोजन एस्केप भी कर जाता है और खाली ऑक्सीजन भी बन जाता है ऑक्सीजन से फिर आपका लेटर ओन ओजोन लेयर भी बन जाता है नो no डाउट ओजोन लेयर भी बन जाता है आपके एटमोस्फेयर में बहुत सारा पानी वाटर वेपर है रेन की फॉर्म में धरती में आ जाता है रेन की फॉर्म में धरती में आ जाता है ठीक है बट रेन की फॉर्म में धरती पे आता है ना उससे पहले धरती के अंदर भी बहुत सारे वोल्केनिक हैं ये पेपर में नहीं आएगा बिग बैंग थ्योरी पेपर में नहीं आएगी बट मैं फिर भी तुमको एक फटाफट रिकैप दे रही हूं ठीक है बिग बैंग थ्योरी पेपर में नहीं आएगी फिर भी रिकैप दे रही हूं ये रेन आने से पहले यहां पे और भी बहुत सारी चीजें होंगी जैसे कि धरती के ऊपर वोल्कैनिक इरप्शन होंगे तो जब ये गैसेज आपकी लिबरेट होती है ये गैसेज कब लिबरेट होती है ड्यू टू वोल्कैनिक इरप्शन वोल्केनिक इरप्शन होंगे ना तब आपकी गैसेस निकलती हैं तब जाके वो आपका बाकी की चीजें बनेगी समुद्र बन जाएगा धरती पे एंड देन उसके बाद लाइफ शुरू होगी ये वाला बिग बैंग थ्योरी कभी पेपर में नहीं आती लिख लो बिग बैंग थ्योरी नॉट इंपॉर्टेंट बस एक बार रीड कर लेना कुछ इतना खास में, ठीक है अब देखो यहाँ पे आपके पास बिग बैंग थ्योरी है जो कह रही है कि यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ है 20 मिलियन ईयर पहले एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था और धरती हमारी 4.5 मिलियन पहले बनी थी कोई एटमॉस्फेयर नहीं था अर्ली अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था रिडक्शन था ऑक्सीजन तो था ही नहीं ठीक है वाटर वेपर मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया ये सारी चीज़ें बनती हैं मोल्टन मास से आती हैं ठीक है ओजोन लेयर बनती है कुल cool डाउन होगा वाटर वेपर कंडेंस होंगे रेन की फॉर्म में ऑशन बना लेंगे ठीक है नेक्स्ट हमारे पास बहुत सारी थ्योरी आती है इसको फटाफट से करेंगे ऐसे ऐसे क्योंकि थोड़ी थोड़ी ये थोड़ा बहुत रीड करोगे हो जाएगा इजी है अच्छा थ्योरी ऑफ आब बायोजनीसिस क्या कहती है इसको हम स्पॉन्टेनियस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं स्पॉन्टेनियस थ्योरी की अगर हम बात करें तो स्पॉन्टेनियस थ्यूरी कहते जैसे एकदम से सडन हो गया एक बेवकूफ सा आदमी था वो खेत में काम करके आया खेत में नहीं काम करके आया मतलब अपनी लैब में काम कर रहा था और उसने अपना पसीने भरा लैब कोट एक बोरी के ऊपर रख दिया अनाज की बोरी थी अब चूहे आए चूहे अनाज खाने आए उसको लगा मेरे पसीने से चूहे बन गए है ना फिर वही बेवकूफ बेवकूफा नील नदी के किनारे बैठ गया अब नील नदी के अंदर मगरमच्छ होते हैं अब वो क्या करते हैं ना कि कई सालों तक भी रह लेते हैं ऐसे मतलब मिट्टी में धसे हुए है ना तो उसको बारिश हुई एकदम से मगरमच्छ बाहर निकल के आया सन की धूप सेकने के लिए उसको लगा कि मगरमच्छ मिट्टी से निकला है तो उसने कहा आप बायोजेनिक थ्यूरी ने कि हमारी जो लाइफ आई है वो लाइफ हमारी कहां से आई है इनऑर्गेनिक से आई है कहां से

उसको कवर करते हैं कंटेमिनेट नहीं होने देते जब ओपन करते हैं तो कंटेमिनेट हो जाते तो बताते भी ऐसा है अगर मुर्गी आई है तो अंडे से ही आई होगी ना मुर्गी आई है तो अंडे से ही आई होगी तो अंडा मुर्गी दे के जा रही है ये मरे हुए मीट से नहीं निकल रहा मामला ठीक है उसके बाद पैंसपामिया पैंसपोमिया हमारा क्या आता है पेंसपामिया बोला जाता है कि भाई देखो ऐसा है पहले हम ब्रह्मांड के अंदर है ना ऐसे किसी दूसरे प्लान से आए हैं और स्पोर की फॉर्म में धरती के ऊपर गिर गए और हम एकदम से आदमी बन गए हाँ ये कौन है फ्लोर उड़वा दिया मेरा <laughs> ये चल क्या रहे ये मेरे को टेलीग्राम पहले लॉगिन कर रखा किसी ने शायद कोई भूल गए हैं मुझे ऐसा लग रहा है कोई भूल गए हैं ये फिर से कॉल करेंगे मेरे को ये हटा देना चाहिए तुम्हें भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है क्या हाँ देखो तो सही यार कहीं मैं हटा बे फालतू तो में फिर दिक्कत हो जाए छोड़ो लेट छोड़ो अरे भाई क्या हो रहा है ये <laughs> देख रहे <है> <laughs> यहाँ पे मुझसे पहले कोई सर क्लास लेते थे इसलिए तुम्हारी तो क्लास भी लेट हुई अब मैं हटा दूंगी तो हो सकता है उनकी बाद में क्लास हो बोले आपने क्यों हटाया? चलो वो थोड़ी है चलो पेंसपामिया में क्या कहा गया पेंसपामिया की हम बाहर के किसी दूसरे प्लैनेट से आए हैं स्पोर की फॉर्म में धरती पे गिरे आ गए ठीक है चलो थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म आपका ये आता है स्पिरिचुअल थ्यूरीज हमारी बहुत सारी आती हैं जैसे कि बाइबल में देखो कुरान में देखो वो कहेंगे दिन में दुनिया बन गई हम कह रहे हैं जी पहले हमारे तीन महादेव महादेव आए थे हमारे है ना Uh, हमारे ब्रह्मा जी आए थे हमारे विष्णु जी आए थे इस तरीके से अलग अलग माइथोलॉजिकल स्टोरीज आपकी यहाँ पे आती है तो ये नहीं आती और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की जाने वाली थ्योरी दैट इज केमिकल इवोल्यूशन केमिकल इवोल्यूशन कहते हैं देखो पहले तो हम इनऑर्गेनिक ही थे हम कुछ गैसेस थे जैसे मिथेन हो गया फिर अमोनिया हो गया वाटर हो गया वाटर वेपर्स हो गए इससे कंडेंस होकर पहले ऑर्गेनिक माल बना हल्के वाला ऑर्गेनिक सिंपल वाला फिर कॉम्प्लेक्स वाला बन गया मतलब पहले हम अमोनिया गैस थे मीथेन गैस थी वाटर वेपर थे ये सभी एक हाई एटमोसफेयर में हाई टेम्परेचर के अंडर आपके कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और कंडेंसेट करके सिंपल अमीनो एसिड बनाते हैं सिंपल फैट बनाते हैं ठीक है और सिंपल नाइट्रोजनस बेसिस बनाते हैं लेटर ऑन ये कॉम्प्लेक्स उसमें चला जाता है कि भाई फैटी एसिड फैट लिक्विड बना रहा है है ना आपके पास नाइट्रोजनस बेस है वो आपका बना है, प्रोटीन बना रहा है अमीनो एसिड प्रोटीन बना रही है इस तरीके से आपकी कॉम्प्लेक्स चीजें होती जाती हैं देन एक लाइफ टाइम आता है जहाँ पे कि भाई हमारे पास एक रैप्ली

ऑर्गेनिक से ही हम आते रहे दोबारा हम नहीं हो सकते अब उसके लिए भी चीजें हैं अब इसको एक्सपेरिमेंटली कौन प्रूव करता है यूरे मिलर करते हैं यूरे मिलर क्या करते हैं जैसे जैसे उन्होंने कहा ना कि भाई हम वहां पे मीथेन ले लो अमोनिया ले लो हाइड्रोजन ले लो हाई टेम्परेचर दे दो एट डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे दो उनको कंडेंस करो ठीक है तो यहां पे आपके पास एक आग मिलती है आग का मतलब कुछ अमीनो एसिड एलोनाइन एसपार्टिक एसिड एन ग्लाइसिन आपके मिलते हैं और यहां पे इसके अलावा नाइट्रोजनस बेस फैटी एसिड ये सारी चीजें भी मिल जाती है अब कुछ लोग तो इनसे जल जाते हैं बोलते भी नहीं ऐसा नहीं हो सकता कुछ लोग बोलते ऐसा हो सकता है कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है कुछ लोग सपोर्ट करते हैं कुछ लोग इसको सपोर्ट नहीं करते इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी कंडीशन क्या थी कि पहले प्रिमेटिव अर्थ की कंडीशन थी हाई टेम्परेचर वोल्केनिक स्टोम रिड्यूसिंग एटमोसफेयर मतलब नो ऑक्सीजन वॉज देयर एंड मीथेन, अमोनिया वाटर वेपर एंड हाइड्रोजन देयर ठीक है ये थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है बाकी इसके अलावा कुछ और चीज पूछी नहीं जाएगी ठीक है चलो ये आपकी एक नॉन सेलवियर फॉर्म बनती है पहले तीन मिलियन साल पहले बनी थी सेल्फ रेप्लीकेटिंग मेटाबोलिक टिश्यूज थे मेटाबोलिक कैप्सूल्स थे ये आरएनए प्रोटीन और पोलिसक्राइड ही बने थे ठीक है देन फाइनली वी आर हैविंग एविडेंसेस हम कैसे मान ली इवोल्यूशन हुआ था मैं आपको कह दू डायनासोर था आप लोगों मैगजी मान लू फिर मैं आपको बोन्स कि देखिए बोन्स मिली हैं फॉसिल्स मिले हैं तो आपको अगे हाँ जी ठीक है तो वी नीड सम एविडेंसेस तो वेरी फर्स्ट एविडेंसेस इज पैलेंटोलॉजिकल यानी हम फॉसिल के बारे में बात करते हैं हमको किसी चीज का फॉसिल मिलता है रिमेनिंग पोर्शन मिलता है तो हम मानते हैं कि हा, हाँ यहां पे मामला चल रहा है तो फॉसिल हमारे रेमिनेंट होते हैं फॉसिल्स हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं इवोल्यूशन के एग्जाम्पल के लिए आपके पास आर्क्यो एक कनेक्टिंग लिंक है आरक्यो ठीक है जो कि रेप्टाइल को और बर्ड को दोनों को कनेक्ट करता है आरक्यो ठीक है तो ये कनेक्टिंग लिंक हम कहा से पता कर पाए हमको कैसे पता चला कि रेप्टाइल और बर्ड आपस में कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ आर्क्यो उसके फॉसिल मिले तो हमको समझ में आया मतलब एक ऐसा पक्षी जिसकी चोच में दांत है जिसके पंखों में नाखून है मतलब रेप्टाइल के भी फीचर है साथ में बर्ड्स के भी फीचर है तो एक कनेक्टिंग लिंक हमारा था जो कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में पूछा जा सकता है दूसरा मोर्फोलॉजिकल एनेटमिकल आ जाएगा ठीक है अब ये मोर्फोलॉजिकल एनेटमिकल देने से पहले मैं आपको एक महाशय के बारे में ज्ञान कराऊंगी अनुभूत अनुभूत कराऊंगी ठीक है उसके बाद ही हम यहाँ लेके जाएंगे मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ चीज छोड़ चुकी हूँ उसमें हुँ. हाँ, ये सबसे पहले यहां एम्ब्रियोलॉजिकल के अंदर सबसे पहले एक महाशय आते हैं एरनेस्ट हेकल एरनेस्ट हेकल कहते हैं कि देखो ऐसा है जितने भी वर्टिब्रेट्स है कोई भी वर्टिब्रेट हो वो सभी उन सभी के जो एम्ब्रियोज हैं ना अपनी मम्मी के वूम में सेम प्रोसेस से गो थ्रू करते हैं

ठीक है उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया उन्होंने कह दिया ऐसा कुछ है नहीं फालतू की बकवास बातें मारो मत वो क्या करते हैं वो अच्छे से वो वो क्या करते हैं अच्छे से एंड मोर्फोलॉजी पढ़ते हैं और वहां से दो चीज बोलते हैं वो बोलते हैं होमवर्क एसी के में होमवर्क आपको हैं ये क्या बोला जाता है वो बोलते हैं, देखो ऐसा है कि ऐसा हुआ होगा ऐसा हुआ होगा कि हमारे पास ना सेम ये अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में चला गया अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में जाने के कारण इसका फंक्शन क्या हो गया इसका फंक्शन हो गया भैया डिफरेंट ठीक है इसका फंक्शन क्या हो गया डिफरेंट यानी कि आप के पास एक स्ट्रक्चर जो है अलग अलग डाइवर्स हो रहा है, फैल रहा है अलग अलग तरीके से तो इसको उन्होंने क्या कहा उसने कहा कि जो सेम स्ट्रक्चर निकल रहा है दिस इज कोल्ड होमोलोगी इसको तो मैं होमोलोगी कह दूंगी और जो भी ऑर्गेन आएगा उसको मैं कह दूंगी होमोलोगस ऑर्गेन उसको हम क्या कह देंगे होमोलोगस ऑर्गेन कह देंगे बट यहां पे जो इवोल्यूशन आपका हुआ यहां पे जो इवोल्यूशन आपका हुआ दैट विल बी कोल्ड दैट विल बी कोल्ड बेटा दैट विल बी कोल्ड आपका डाइवर्जेंट दैट विल बी कोल्ड डाइवर्जेंट तो डाइवर्जेंट होता है जो डाइवर्स होता है डाइवर्जेंट मतलब जो फैल जाता है तो कौन फैला एक स्ट्रक्चर का फंक्शन फैला एक स्ट्रक्चर का फंक्शन फैला ठीक है तो ये हमारा क्या हो गया एचडी एचडी को याद रखना एचडी का मतलब क्या है होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में एचडी में फिल्म देखना पसंद है तुमको वही वही ठीक है तो इसका एग्जांपल बहुत सारे होते हैं जहां पे सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन जैसे कि एग्जांपल के तौर पे तुमको अगर मैं कहूं तुमको अगर मैं कहूं घोड़े का हाथ एक बैट का हाथ घोड़े का हाथ दौड़ने में काम करेगा बैट का हाथ आ, उड़ने में हाथ करेगा डॉल्फिन डॉल्फिन का जो आएगा वो तैरने में काम करेगा पर मैं लिखने का भी काम कर रही हूं कोई बकवास तो चांटा भी मार सकती हूं मैं इसे खा भी सकती हूं मैं अपना खुजा भी सकती हूं सर को है ना तो मतलब बहुत सारे काम मैं कर सकती हूँ स्ट्रक्चर तो सबके अंदर सेम है ये ह्यूमरस ये रेडिया अल्ना ये आपके कार्पल्स मेटाकार्पल फेल सबके अंदर सेम स्ट्रक्चर बट काम सबके अलग अलग दिस इज कॉल्ड होमोलॉगी होमोलॉगी सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन क्लियर है इसके एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जैसे कि कुकर बेट एन कुकरबुट कुकरबिट मिल जाएगा एन आपका हो जाए भाई

ड्यू टू समीशन हम वहां पर सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं क्या कर रहे हैं सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एंड दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इसको हमने क्या कहा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हमने इसको कहा ठीक है और यहां पे जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है दिस इज कोल्ड एनोलोगी दिस इज कोल्ड एनोलोगी इसको हमने क्या कह दिया एनोलोगी कह दिया ए सी एच डी से होमोलोगस डाइवर्जेंट ए सी में बैठना है मतलब कि एनोलोगस एंड कन्वर्जेंट कन्वर्ज करना जुड़ जाना कहीं पे ठीक है क्लियर है अब देखो यहाँ पे यहाँ पे क्लियर बात है ऑर्गन एनोलोगी होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि तुम एक मुर्गे का पंख देखो मुर्गे के पंख उड़ने का ही काम कर रहे हैं तितली के पंख देखो सॉफ्ट मच्छर के पंख वो भी उड़ने का काम करे बट स्ट्रक्चर सबका डिफरेंट डिफरेंट है मच्छर के नीने नीने से पतले पतले पंख बटरफ्लाई के सुंदर से प्यारे से बिल्कुल मस्त से पंख और मुर्गे के अजीब से पंख कबूतर के अजीब मतलब दूसरे उनकी बोन भी तो होती है ना बैट के अजीब बिल्कुल डिफरेंट है ना उड़ने का काम कर रहे हैं सारे बट स्ट्रक्चर डिफरेंट दिस इज कॉल्ड एनोलॉगी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हाय तो भाई इतनी फास्ट फास्ट समझ तो आ रहा है तुम लोगों को बायोकेमिकल एविडेंस सभी के अंदर वही डी एन एर एन अमीनो एसिड सेम मिलते हैं हमारे अंदर है ना सेम काइंड ऑफ अमिनो एसिड वी गेट इट सो दैट्स व्हाई नेक्स्ट वी आर हैविंग बायो बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस अब देखो होता क्या है ना कि मान लो कोई चीज है है ना मान लो मैं यहाँ पे रह रही हूँ मैं अपना को एग्जाम्पल दू मतलब मान लो कि कोई भी वेरिएशन आती है बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल इशूज एक आईलैंड है एक पंछी है उस आइलैंड पे अलग अलग कोने में चला जाता है अब उस अलग अलग कोने में जब जाता है तो वहां पे खाना भी अलग अलग था अब वो सेम चोंच के साथ उसको नहीं खा सकता इंसेक्ट वाली जो चोंच होती है वो पतली सी लंबी सी होती ताकि वो फड़फड़ाए ना कीड़ा वहीं के वहीं दम घुटके उसका मर जाए ठीक है बट वहीं पर जो ग्रेन वाली होती थोड़ी वो ऐसी होती है ग्रेन उठा ले आराम से अब जैसे कि एक बात बताओ आपका जो हंस है हंस की चोच कौवे की चोंच, चिड़िया की चोंच, सबकी अलग अलग होती है ना आप देखोगे जो इंसेक्ट खाते हैं उनकी अलग चोंच होती है इंसेक्ट सीड खाते हैं उनकी अलग होती है अलग अलग तरीके की होती है अकॉर्डिंग टू द फूड अब हमारे पास एक डार्विन फिंच थी वो डार्विन फिंच सबसे पहले बीज खाती थी सीड ईटर थी इनिशियली वो कैसी थी सीड ईटर थी अब उसने क्या करा उसके सीड खत्म हो गए वो अलग अलग जगह पर चली गई उसको कहीं पर फ्रूट मिला कहीं पर उसको इंसेक्ट मिला कहीं पर उसको प्लांट मिला कहीं पर उसको कुछ मिला तो उसके अकॉर्डिंगली जो उसको मिला उसके अकॉर्डिंगली उसने अपनी चोच चेंज कर ली ठीक है अब चो चेंज कर ली चोच का साइज अलग अलग हो गया अब देखो यहां पे आपके यहां पे जो फिंच है जो बीक है समझो इस बात को आपके पास जो बीक है बीक का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है क्या चेंज हो जाता है स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है बट काम तो अभी भी अलग ही सेम ही सेम है ना अगर फंक्शन की बात करोगे तो फंक्शन तो अभी भी वही है फंक्शन तो सेम है खाना खाने का तो ये कैसा इवोल्यूशन हो जाता है कन्वर्जेंट एट द एंड कैसा हो जाता है कन्वर्जेंट सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात जल्दी ध्यान हो अरे भाई वाशु तुम्हारे चक्कर में गरीबा मैम के लिए ही जल्दी जल्दी करा रही हूँ प्लीज सुनो अभी नहीं आ रही है वो अभी नहीं आ रही अभी टाइम है उनको अभी टाइम है ठीक है अभी टाइम है फोर्टी नाइन मिनट्स है इतने तो मैं खत्म कर दूंगी तुम्हारा खल्लास हो जाएगा इतने तो हा तुम तो आपस में हम ही में ऐसा है टीचर कोई भी हो कैसा ही हो कहीं भी हो टीचर टीचर होता है और आदरणीय होता है ठीक है जो मैं पढ़ाऊंगी वो गरिमा मैम नहीं पढ़ाएंगे जो गरिमा मैम पढ़ाएंगे वो मैं नहीं पढ़ाऊंगी ठीक है मिल बांट के हम काम कर रहे हैं और तुम यहां पे हमको डिवाइड कर रहे हो तुम तो अलग से अंग्रेज बन रहे हो भाई पढ़ने पे ध्यान दो भाई चलो आगे देखो हमारे पास यही सेम चीज यहां है फिश आइलैंड पे और ऑस्ट्रेलियन भी सेम चीज दिखाते हैं कि हमारे पास अगर तुम ऑस्ट्रेलियन मार्सूपिल को देखो तो ऑस्ट्रेलियन मारसूपिल में क्या डिफरेंस है ऑस्ट्रेलियन मारसूप मारसूपिल वो होते हैं जो कि अपने बेबी के लिए पाउच रखते हैं जैसे कंगारू है ना अब हमारे अंदर वो कंगारू पाउच रख रहा है पर वही सेम ऑर्गेनिज्म अगर प्लेसेंटा से जैसे हमारा नॉर्मल हम प्लेसेंटा से अगर रखें तो क्या हो

लो इसको ध्यान से चलो देखो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है कि नेचर ने करा अब एक बात है मैं नेचर में हूं नेचर चेंज हुई कोई आपदाई कुछ भी आया है ना कुछ भी आया तो अगर मैं उसके अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होंगी तो मैं मर जाऊंगी फॉर एन फॉर एन एग्जाम्पल एक इंसान है जो कि प्रॉपर मतलब बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी है जो मेरे जैसा है है ना वो कभी अंडा मीट ये कभी खाएगा ही नहीं वो मर जाएगा पर कभी खाएगा नहीं तो मर गई ना नहीं खाया तो मर गई एक ऐसी सिचुएशन आई बाय चांस अभी हमारे पास अवेलेबल तो मैं नहीं खाऊंगी बाय चांस कोई ऐसी जगह पे जाओ, जहां पे फंस जाओ खाना ही ना हो और सिर्फ और सिर्फ मीट वहां पे अवेलेबल हो और वहां पे मैं ये कह दू तो, नहीं जी मैं तो बिल्कुल ही नहीं खाऊंगी इसका मतलब कि मैं मर जाऊंगी जो उसको खा जाएगा वो बच जाएगा यही होता है नेचुरल सिलेक्शन कि जैसे जैसे नेचर अपने आप को बदलती है जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदलता है वैसे वैसे अगर आपको नहीं बदलते हैं आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को मॉडिफाई नहीं करते हैं और मॉडिफाई तो करना ही करना है बदलना तो बदलना ही है साथ में रिप्रोडक्शन भी करना है अपने बच्चे भी बनाने हैं और उसके अंदर वो गुण भी डालना है उसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन ठीक है कुछ एग्जाम्पल है आपके पास जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन था है ना आपका जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो क्या हुआ था उससे पहले जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तो स्मोक पार्टिकल्स नहीं थे कुछ भी नहीं था बिल्कुल साफ सुथरा मस्त सा इन्वायरमेंट था है ना अब वहां पे व्हाइट फ्लाई ऐसे उड़ती जाती उड़ती जाती वाइट वाली मौत और किसी को दिखाई ही नहीं देती कोई उसको खाता ही नहीं क्योंकि इतनी साफ सुथरी जगह पे व्हाइट रिफ्लेक्ट हो जाती उनको नजर ही नहीं आती ठीक है बहुत सारी थी बट काले वाले जो मौत थी उनकी ऐसी तैसी होती भैया उनको जो देखता वो उसको खा जाता अब अब प्रॉब्लम कहां होती है कि अब ना इंडस्ट्रीज लग गई इंडस्ट्रीज लगी इंडस्ट्रीज से बहुत सारा स्मोक निकला हर कहीं पे वो स्मोक का डिपोजिशन 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 नॉट होने लग गया तो हुआ, तो हुआ ब्लैक वाली को कोई भी नहीं पकड़ पा रहा था क्योंकि ब्लैक ही तो सब कुछ और ब्लैक ही वो उसको कोई देख ही ना पाए कोई खा ही ना पाए पर व्हाइट वाली फटाफट से दिख जाए उसको कोई खा जाए तो पहले वाली जो व्हाइट बहुत ज्यादा थी फिर ब्लैक वाली बहुत ज्यादा हो गई क्यों क्योंकि पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर वो अपना पिगमेंटेशन ब्लैक कर लेती तो बच जाती बट वो नहीं कर पाई दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन जैसा नेचर होता है नेचर के अकॉर्डिंगली जिसको फेवर मिलता है वही आपका सरवाइव करता है नॉर्मली एक चीज आता है फिटेस्ट विल सरवाइव फिटेस्ट डार्विन फिटनेस होती है कि आप उस नेचर में फिट तो है ही हैं सरवाइव तो कर ही रहे हैं साथ में रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं ठीक है ये आपकी चीज आती है ठीक है चलो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास एक चीज आती है जिसे हम दवाई खाते हैं है ना दवाई खाते हैं ना कि हमारे बैक्टीरिया रेजिस्ट हो जाते हैं तो वो करते रहते हैं अपने नेचुरली चेंज होते रहते हैं अब हमारे पास यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन से ये आपका है कि भाई इंग्लैंड के अंदर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से पहले वाइट वाली मौत बहुत ज़्यादा थी है ना बहुत ज़्यादा थी पर जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उल्टा हो गया अब डार्क मौत ज्यादा है वाइट वाली कम है

वाले को तो, बची तो कोई खाता ही नहीं था बाद में ब्लैक वाले को फेवर मिलेगा वो बहुत ज्यादा होगी अब व्हाइट वाले को खा रहे एक्सप्लेन कर दोगे ना जो अब उनके अंदर पिगमेंटेशन हो नहीं पाया व्हाइट वाले अपने आप को ब्लैक कर नहीं पाई जब कर नहीं पाई तो कम हो गई सिंपल एज दैट कोई प्रॉब्लम की बात कोई परेशानी की बात अगर है तो बता दो लो हाँ तुम सोचो तो सही अभी है टाइम अभी है टाइम चलो वासु बेटे तो पढ़ लेना उनसे आधा सिलेबस पढ़ लेना है ना आधा सिलेबस पढ़ लेना क्योंकि फिफ्टी परसेंट तो मैंने नहीं कराना है चलो नेक्स्ट हमारे पास कुछ थ्योरीज आती है नेचुरल सिलेक्शन को लेके ठीक तो है तो बोलते भी एक तो लेमार्किजम की थ्यूरी आती है कहती भी देखो ऐसा है अगर तुम लेमार्किज्म की थ्यूरी क्या कहती है डिसयूज एंड मिस यूज लेमार्क कहता है अगर तुम किसी ऑर्गन को ज्यादा यूज करोगे ना तो वो बढ़ जाएगा नहीं यूज़ करोगे खत्म हो जाएगा जैसे हमारी पूछ है ना पूछ हमारे आज के टाइम पे है नहीं कोई यूज़ नहीं था गायब हो गई है ना जिराफ की गर्दन लंबी हो गई बट इसका एक ना वो आ जाता है एक्सेप्शन जैसे हमारी नजर है जितना ज्यादा यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी बढ़ेगी नहीं तो इसका क्रिटिसिजम भी चलता है ठीक है डार्विन की थ्योरी डार्विन की थ्योरी क्या कहती है डार्विन की थ्योरी जो है है थोड़ी अलग इसको से कराती डार्विन की थ्योरी कह रही है कि देखो सिंपल सी बात है हमारे पास धीरे धीरे टाइम के साथ म्यूटेशन हुई है ना चार्ल्स डार्विन ने कहा इन्होंने कहा कि हमारे पास हमारे अंदर धीरे धीरे टाइम के साथ म्यूटेशन हुई एक डायरेक्शनल चेंज हुआ जिसकी वजह से अलग अलग स्पीशीज हमारी आई जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग एंड स्लो प्रोसेस और डायरेक्शनल प्रोसेस थी ठीक है इन्होंने यहां पे आपके पास एक दो वो बोले कि एक तो ब्रांचिंग डेसेंट हुआ जो कि हमारी जब अलग अलग इवोल्यूशन हुआ तो दो तरीके से इवोल्यूशन हुआ एक तो ब्रांचिंग कि मतलब जैसे कि आपने ह्यूमन इवोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा कि वो जाता है क्या बोलते उसको अरे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है मेरे ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस है ना ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस ड्रायोपित्रावित कहीं ना कहीं तो सेम आए होंगे ना कहीं ना कहीं सेम जगह से अलग अलग आए होंगे ना वो होती ब्रांचिंग कहीं ना कहीं हम कॉमन पॉइंट पे थे बट थोड़ी सी म्यूटेशन के कारण बाइफर्केट हो गए तो ये हमारा क्या हो गया ब्रांचिंग डिसेंट फिर हमारे पास आ गया नेचुरल नेचुरल सिलेक्शन सिलेक्शन जो मैंने आपको बताया डार्विन का डार्विन कहता है कि मान लो आपके पास बैक्टीरिया एक ही कॉलोनी है जो किसी पर्टिकुलर मीडियम में ग्रो कर रही है अगर उस मीडियम को मैं चेंज कर दूं ठीक है एक नए कंडीशन में रख दूं तो वहां पर आपकी वो अगर सरवाइव कर गई रिप्रोड्यूस कर गई तो मतलब वो नेचुरली फेवर ऑफ

ठीक है चलो एक बार देखो यहां पे ये क्या कह रहा है देखो सिंपल सी बात है आपके पास कोई ट्रेट है है ना ट्रेट आपके पास तीन तरीके से बोले गए इसने बोला कि आपके पास ना जी कोई ट्रेट है एक तो आपके एक्सट्रीम होते हैं एक होते हैं एक्सट्रीम ये आपके पास ए ट्रेट है ये आपके पास बी ट्रेट है या आपके पास सी ट्रेट है चाहो तो तुम इसको कुछ ऐसे डिफाइन कर लो चाहो तो तुम इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन कर लो हाँ ऐसे कर लो ए ट्रेट है ये बी ट्रेट है और ये ए बी ट्रेट है मिक्सचर वाला मान लो इनका ठीक है मिक्सचर वाला मान लो एग्जाम्पल के लिए हमने बिस्टलेरिया बोल दिया फिर कोई भी आपका आ जाता है ठीक है अब कैसी कंडीशन में कौन सा ट्रेट वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली बात करते हैं मतलब मान लो ये ट्रेट हम बात करें सिक्क सेल एनीमिया की है ना मतलब मलेरिया वाले रीजन की है ना मलेरिया वाले रीज़न की मतलब अगर अगर आप मान लो, अगर मान लो लो ये वाला रीजन हमारे पास कौन सा है ये वाला रीजन हमारा प्योर है मतलब किसी को कोई भी किसी तरीके से सिकल सेल एनीमिया का कोई नहीं है। ये वाली कैरियर कंडीशन है और ये वाली आपकी रिसेसिव वाली कंडीशन है ठीक है तो आपके पास एक ऐसी जगह जहां पे मलेरिया बहुत ज्यादा होता है तो वहां पे जो नॉर्मल जो सिकल सेल एनीमिया के लिए हाइट्रोजाइगस नहीं है वो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं ऐसे लोगों के अंदर एक जो एक आपका क्यों में, जो हैट्रोजाइगस कंडीशन कैरियर कंडीशन होता है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ता है उसको फेवर मिलता है तो जब आपके इस वाले इसको फीचर को फेवर मिलेगा तो सीधी सी बात है आपकी पीक सैचुरेट हो जाएगी है ना आपकी पीक जो पहले दोनों जगह फैली हुई थी अब ऐसे हो जाएगी यानी यहाँ पे आपके बी को ज्यादा फेवर मिलेगा ये आपकी ए बी है ये आपका ए हो गया ये आपका बी हो गया यानी ए बी को ज्यादा बढ़ावा मिला अगर यहीं पे कोई ऐसी सिचुएशन आई कि वो शिफ्ट हो जाए वो आपकी क्या हो जाए शिफ्ट हो जाए तो कुछ और बात बन जाएगी शिफ्ट होने पे कुछ और बात बन जाएगी एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन था इंडस्ट्रियलाइजेशन था तो ये मानो कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन था तो हमारे पास कुछ इस तरीके का माहौल था कि भाई इधर हमारे पास वाइट वाली थी इधर इतने में इधर हमारे पास इधर इधर कर देती हूँ ना इधर ब्लैक वाली थी इधर व्हाइट वाली थी बहुत ज्यादा थी बट जैसे ही नेचर ने फेवर किया वाइट वाली कम हो गई ये वाली बढ़ गई तो क्या किया नेचर ने नेचर ने इसको कम कर दिया नेचर ने उल्टा कर दिया कि अब की बार व्हाइट वाली मैं कम करूंगा और ब्लैक वाली में, में ज्यादा करूंगा इसको हम कहते हैं डायरेक्शनल कि एक पर्टिकुलर चीज को लेकर हमने आगे फेवर कर दिया पर्टिकुलर चीज को लेकर हमने फेवर कर दिया यहां पे जनरली क्या होता है कि हमारे पास यहां पे यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सी चीज होती है कि भाई देखो ऐसा है अगर आपके पास स्टेबलाइजेशन है यानी कि स्टेबिलाई का सीधा सीधा सा मतलब है कि आपके जो एक मिडल मीडियम साइज इंडिविजुअल है जो एक हो सकता, जो एक एक कंडीशन हो हो सकता सकता है है मिक्सचर उसको जब बढ़ावा मिलता है तो पीक ऊपर बढ़ जाएगी उसको फेवर भी लेगा तो स्टेबलाइजेशन होगा अगर मान लो ये पीक शिफ्ट हो जाए मतलब कि आपके पास दो करेक्टर है और दो करेक्टर में से एक करेक्टर को ज्यादा फेवर मिल रहा है जिसकी तरफ ज्यादा फेवर होगा उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा ये आता है डिसरप्टिव डिसरिव में क्या होता है कि हेड्रोजाइगस कंडीशन जब सर्वाइव ना कर पाए है ना आपके पास प्योर होमोजाइगस चीजें सर्वाइव कर रही हो मान लो आपके पास तीन फीचर्स थे तीन करेक्टर्स थे ठीक है ए ए और बी ठीक है ए बी और बी ए बी वाली सरवाइव नहीं कर पा रही बी वाली भी सरवाइव कर रही है ए वाली भी सरवाइव कर पा रही है ए बी वाली नहीं कर पा रही तो उस कंडीशन में आपकी दो पीक बन जाएंगे और दो पीक का मतलब है डिसरप्टिव और दो पीक डिसरप्टिव का मतलब दो फीचर्स आपके बन रहे हैं ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट है पूछ लेना याद रखना ये डिसरप्टिव है कि यहां पे ए ए बी गायब होगी बीच वाला गायब ठीक है ये डायरेक्शनल शिफ्ट है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है फेवर हो रहा है ये आपका मीडियम एक स्टेबिलाईजेशन हो रहा है मिडल में बीच में समवेयर मिडल में स्टेबलाइजेशन पेपर में पूछा जाता है ये स्टेबलाइजेशन है ये डायरेक्शनल है और ये डिसरप्टिव है है ठीक लास्ट वी आर हैविंग हार्डी विक प्रिंसिपल ये पी वाई क्यों देखो यहां पर पूछा गया है पूछा गया है आपकी नेक जिराफ जो इस तरफ बढ़ रही है फेवर किया जा रहा है इस तरफ इसको तो क्या करोगे ये क्या करोगे ये आपका आंसर कर लेना आंसर कर देना इसका पीडीएफ दूंगी ना सोल्व कर लेना और योग्यो डी वैरिस कहता है कि क्योंकि इसने भाई प्राइमोजा के ऊपर इवनिंग प्राइमोजा के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था तो इसने कहा कि भाई हमारी एकदम से सडन इवोल्यूशन होता है और एक बार में बड़ा सारा चेंज आता है सोल्टेशन उसने बोला खत्म इससे ज्यादा कुछ नहीं करना यहाँ पे ये मैंने करा दिया ऑलरेडी हार्डी वीकर्ग थ्योरी और आपका ये ये आपको मैं छोड़ रही हूं अभी ये मैं भी अभी छोड़ रही हूं सुनो मेरी बात अभी मैं आपको ये छोड़ रही हूं या नहीं करा दू करा देती हूं करा देती हूँ कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा रह गया हार्डी विनबर्ग क्या कहता है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल बड़ा सिंपल सॉर्टेड है ये कहता है देखो अगर आपके पास एक पॉपुलेशन जो बड़ी सी हो आइसोलेटेड एक अलग जगह पे रह रही हो तो उसके अंदर जो जीन पूल है मतलब हम सभी का जो क्रोमोजोम जीन्स ऐड कर दें तो जीन पूल बनता है वो जीन पूल इतना ही रहेगा कॉन्स्टेंट ही रहेगा इज इक्वल टू वन ही रहेगा आप आजकल आपको बच्चे होंगे तो उनका भी वही रहेगा वो चेंज नहीं होगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा होमो से हाइड्रो में जाओगे कॉन्स्टेंट रहेगा खाली फॉर्मूला कर लो याद इसमें ज्यादा कुछ नहीं आता इसमें ज्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें आपको फार्मूला याद कर लेना है और कुछ नहीं आता आपके हैं तो यहाँ पे शायद से फॉर्मूला याद कर लेना इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना यहाँ पे अगर आपके पास P प्लस क्यू अगर आपके पास होबोजाइगस पॉपुलेशन है तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू वन अगर आपके पास हेट्रो पॉपुलेशन है तो दैट इज पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू थोड़ा बहुत अगर आता है नहीं यहाँ से आता नहीं है यहाँ से सवाल ज़्यादा ना तो टेंशन मत लेना और यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या है अगर ये बैलेंस हमको बिगाड़ना हो तो हम क्या कर देंगे हम वहां पे जीन फ्लो करा देंगे जीन फ्लो हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा जीन ड्रिफ्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट करा देंगे गड़बड़ हो जाएगा म्यूटेशन करा देंगे गड़बड़ हो जाएगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करा देंगे गड़बड़ हो जाएगी नेचुरल सिलेक्शन करा देंगे गड़बड़ हो जाएगी यहां से सवाल नहीं आता है यहां से सवाल आता है लास्ट टॉपिक फाइनली हम पूरा कर रहे हैं भाई देख लो तो मेरी हिम्मत तो देखो हिम्मत तो देखो मुझे तुम तो दो बच्चे भी दिखते हो ना इसमें मेरा दिल ऐसे मन जाता है ना चलो अब यहां पे हमारे पास बिल्कुल मस्त चीज है

ऑस्ट्रेलोपिथकस टू मिलियन अगो पहले ईस्ट अफ्रीका में रहते थे ग्रासलैंड के ऊपर रहते थे

जिसकी ब्रेन कैपेसिटी हाईएस्ट है 1400 सीसी जो एनसीईआरटी में मेंशनड है हमारी तो 1500 है बट इनकी 1400 है ये सबसे आइडियल मैन थे सभ्य मैन थे अपने आप को भी छुपाते थे और कोई मर जाता था उसको दफना देते थे आइडियल मैन इनको बोला जाता था और 10 वन लाख टू 40000 साल पहले थे ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में थे ये ठीक है ये आपको याद रखना है एंड 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 होमोसैपियन हम आए भैया आइस एज के अंदर और हम आए हम अलग अलग कॉन्टिनेंट में चले गए अलग अलग रेस के अंदर चले गए है ना हम पहले साउथ अफ्रीका में पहली बार हम आए थे वहां पे ठीक है वहां से हम निकले हैं और हम अलग अलग कॉन्टिनेंट में जाते रहे अलग अलग रेसेस में बन गए अकॉर्डिंग टू देर ज्योग्राफिकल एरियाज बहुत सारे आ, हमको एग्रीकल्चर के या फिर मैं कहूँ ड्रॉइंग के प्री केव कार्विंग होती है उन सबके बहुत सारे भीमबेटका वगैरह में आपके एविडेंसिस भी मिलते हैं सो दैट्स एट इसको याद कर लेना ना ये वाला अब देखो यहाँ पे होमो होमोसैपियन जरूर याद कर लेना होमो होमोसेपियन से सवाल आते हैं एक आधी चीज पूछी जाती है हो सकता है मैंने लगा रखा हो सवाल हाँ देखो यहां से आता है कि दो प्राइमेट एंसेस्टर जो कि प्रेजेंट ऑफ प्रेजेंट डे ह्यूमन हु एग्जिटेड अप्रोक्सीमेटली अबाउट 15 मिलियन ईयर अगो पहले आपको ध्यान है दो एंसेस्टर कौन से जो 15 साल 15 मिलियन साल पहले थे कौन से थे अगर आप जाओगे किसके ऊपर अगर आप जा रहे हो ओस ड्राय एंड उसके ऊपर तो आपके सबसे पहले दो कौन है पंद्रह मिलियन साल पहले ये ड्रायो एंड आपको ये याद कर लेना बहुत आसान है बट आप आराम से कर लोगे मैंने जल्दी जल्दी इसलिए करा क्योंकि गरिमा मैम का भी सेशन आने वाला है और तकलीफ हो जाएगी उसके बाद तुमको भागोगे फिर मेरे को बुरा लगेगा मेरे को लगेगा छोड़ के भग गए बच्चे है ना वैसे तुम भग जाते हो वैसे तुम बेवफा हुई बट फिर भी यहाँ पे देखो बोला कि जियोलॉजिकल रिकॉर्ड बताने कि वेन एंड वेयर डिड ऑस्ट्रेलोपितस लिव कहाँ रहते थे और कब रहते थे तो हमको ये भी अच्छे से पता है कि भाई कहाँ रहते थे और कब रहते थे तो ऑस्ट्रीलोपित जो हमारे रहते थे वो टू मिलियन ईयर अगो पहले रहते थे नहीं नहीं टू मिलियन नहीं हाँ टू ईयर और ईस्ट अफ्रीका में रहते थे ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड है ना डिफरेंस बिटवीन होमो हैबिलस एंड इरेक्टस हैबिलस जो है वो पहला होमनियोइड था और फ्रूट खाता था और ये मीट खाता था इसकी ब्रेन कैपेसिटी सिक्स फिफ्टी से एट हंड्रेड था ये नाइन हंड्रेड था ठीक है खत्म अब देखो ये तुमको सवाल भी मैंने करा दिए हैं पी डी एफ तुमको टेलीग्राम पर मिल जाएगी सी यू टी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सेवन का टेलीग्राम ढूंढ लो या फिर आप uh, बायर uh, कम्युनिटी पे ज्वाइन कर सकते हैं बायोलॉजी बाय सोनिया चहल करके आपको मिल जाएगा ठीक है जहां चाहूँ वहां ज्वाइन कर लो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आपको पीडीएफ मिल जाएगा ठीक है एंड सिक्स मार्च का प्लान है रिप्रोडक्शन वाला करेंगे ग्यारह बजे ही मिलेंगे और जिसको नहीं पता है सेशन कहाँ लगा है तो मैं आपको बता देती हूँ सेशन कहाँ लगा है सेशन कहाँ लगा है आपको मैं दिखा रही हूँ सभी को ज्वाइन करना देखो आज तुम जो कर रहे हो ठीक है कोई बात नहीं तुमको भगे तुम कोई बात नहीं बट अगले सेशन में मुझे आप सभी के सभी सेशन में चाहिए मुझे भगना नहीं है डरना नहीं है कि भाई मैम आप तो बहुत हैवी यूनिट करा रहे हो है ना आप सबसे मार्क्स वाले करा तो मैं नहीं जानबूझकर सबसे पहले इजी वाले करेंगे वो वाला मामनी काम नहीं करना भाई बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं करना ये वाला काम कि अगर आप इजी यूनिट करा रहे हैं तो हम नहीं करेंगे भाई इजी यूनिट नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी परेशानी हो जाएगी ठीक है तो ऐसा नहीं करना है ऐसा नहीं करना है बताओ क्या करें आदमी क्या करें आदमी भाई साहब एक मिनट रुकना चलो कोई बात नहीं आपको मेरी प्रोडक्शन कराऊंगी आप अपना देख लेना ना कोई दिक्कत नहीं है आप देख लेना ये चल नहीं रहा अभी फिलहाल ना चल नहीं रहा ये यहाँ कीबोर्ड नहीं आ रहा मना कर रहे है ये कीबोर्ड से कह रहे हैं हम नहीं देंगे चलो कोई बात नहीं आपको दिख जाएगा उस पर कर लेना ठीक है मैम इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम यहां पे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम नहीं एक्सपेरिमेंट करना है मारथा हर्षे चेज हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट मैस्लिन स्टाइल एक्सपेरिमेंट याद से कर लेना और वॉच क्रिक के कुछ कुछ शब्द बस है ना अब 11 बजे कल कल 11 बजे रिप्रोडक्शन खत्म करेंगे अब देखो कुछ नहीं करना तुम इसके बाद तुमको कोई वीडियो नहीं देखनी बस अपना रिवाइज करके सोचाना ठीक है क्लियर है क्लियर है क्लियर है आई थिंक सबको क्लियर है एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू शेयर द सेशन एंड टू लाइक द सेशन ठीक है आई देखो मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है तो आई कि तुम भी अपनी तरफ से कसर ना छोड़ो मोटिवेशन की तुमको बेटा कमी नहीं है है ना घर के ताने सुन रहे हैं ना मम्मी जो सुन उठाती है सुब, सुबह सुबह पढ़ा जाता है ये नहीं करा जाता फलाने को देख इधर उधर को देख उधर को देख, देख, देख बोलती है ना तो मोटिवेशन से कम नहीं है ठीक है तो मुझे जरूरत नहीं है तुमको ऐसे पंप अप करने की और पंप अप मैं करूंगी पर अभी नहीं नौ तारीख के बाद पंप अप करूंगी क्योंकि अभी तो चलोगे करो ना अभी तुमको टेंशन भी नहीं है तुमको मैंने कितना पढ़ाया सिर्फ छह दिन तो अपने चौबीस घंटे में से छह घंटे तुम दे सकते हो कल मैं छह घंटे में नहीं लूंगी कल चार घंटे में खत्म कर देंगे पूरी यूनिट को रिप्रोडक्शन वाली को और इसमें सबसे ज्यादा टाइम चाहिए तो इसको रिवाइज करना बेटा ठीक है लाइक करना शेयर करना अपने दोस्तों को बकल बुला के लेके आओगे तुम अपनी क्लास में इसको शेयर करो अकेले फायदे में ठीक है सो गुड बाय बाय